नमस्कार मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं इस पर स्वागत करता हूँ और आज एक बहुत ही ऑसम awesome क्लास के साथ मैं आया हूँ जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ए टू जेड क्वांट बैच उन बच्चों के लिए जो बच्चे वाकई में पढ़ने योग्य हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ खोलते हैं इस नोट को बहुत मजा आएगा अब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत मजा आएगा हम मतलब बहुत क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे मैं ये नहीं अफसोस कराना चाहता किसी भी बच्चे को कि वो ये सोचता है कि आज उसके पास दो रुपए नहीं थे तो वो किसी टीचर का पेड कोर्स नहीं खरीद पाया और कुछ पढ़ नहीं पाया बहुत से बच्चों की ऐसी मेंटेलिटी रहती है जबकि ऐसा है नहीं बहुत से टीचर ईमानदार हैं जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं दो चार परसेंट तो हैं ही तो हम एवरेज के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ आज की क्लास में हमारा क्या टारगेट है एवरेज एवरेज का मतलब होता है औसत ठीक है एवरेज का मतलब होता है औसत मैं पहली बार में ही कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए या एक चीज को दो बार बताऊंगा वरना आप बाद में वीडियो देखेंगे अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो ठीक है औसत क्या है एवरेज क्या है बेसिकली ये रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ ए डाटा मतलब किसी भी ग्रुप का बहुत सारा डाटा है तो एवरेज उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि एक घर में पांच मेंबर हैं कोई चार रोटी खाता है कोई तीन रोटी खाता है मान लेते हैं कि सरकार लोग के लोग आके पूछते हैं कि आपका क्या खर्चा है तो वो कैसे आइडिया लगाते हैं वो एवरेज बेसिकली हमसे पूछ लेते हैं कि अच्छा आपके घर में पाँच मेंबर है बीस रोटी टोटल खर्चा है इसका मतलब एक मेंबर चार चार रोटी खा रहा है पाँच सौ बीस ये एवरेज है ये औसत है औसत हमें क्या करता है कि एक बहुत बड़ा कोई ग्रुप है उसके मुझे डेटा को एनालिसिस करना है आपने देखा भी होगा कि स्टैटिस्टिकल या स्टेटिस्टिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो मीन मॉड मीडियन ये सब सीखते हैं तो एवरेज बेसिकली वो मीन है वो माध्य है एवरेज एवरेज क्या है मीन है यानी जब बहुत सारा डाटा हमारे पास आ जाता है तो उसको हम कैटेगराइज करने के लिए क्या करते हैं मीन निकालते हैं और वो मीन ही क्या है एवरेज है ठीक है गेट बंद करके आराम से ठीक है एवरेज मतलब औसत तो औसत में आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं कि पहले तो मैंने आपको बता दी कि औसत की डेफिनेशन क्या है हम उस डेफिनेशन पे सवाल करेंगे तीन चार औसत के डेफिनेशन पे बहुत छोटे छोटे जो सवाल चुलबुले से कि कैसे सवाल पेपर में आ रहे डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है औसत की उसके बाद औसत की कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं औसत की प्रॉपर्टीज क्या हैं इस पर हम सवाल करेंगे कि औसत के गुड़ क्या हैं क्या क्या गुड़ हैं औसत के जो हमें काम आते हैं और हमें नहीं पता होते तो उस पर हम बात करेंगे और उसके अलावा हम बात करेंगे डेफिनेशन प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा हम कंसिक्यूटिव नंबर्स पे। अगर टाइम बचेगा तो फिर हम कंसिक्यूटिव टर्म्स पे चले जाएंगे नंबर छोड़ दीजिए कंसेक्यूटिव टर्म्स अब वो एपी की भी हो सकती है वो इतना हम आज के क्लास में कवर करेंगे एवरेज एवरेज आप हेडिंग लगा लीजिए लीजिए प्रॉपर एक कॉपी बना मतलब औसत औसत क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर्टीज क्या है कंसेक्यूटिव टर्म क्या है ठीक है तो अब आपने देखा कि डेफिनेशन औसत की मैंने अभी आपको बताई कि भाई एक चार मेंबर आपके घर में है या आपके घर में कोई नया बंदा आया है कुक आपने बुलाया और वो आते ही पांच रोटी खा गया बहुत दिनों से भूखा था अगले दिन चार खा रहे हैं फिर तीन फिर तीन का ही एवरेज आ रहा है

मैं फिर से समझाता हूं इस बात को कि डेफिनेशन में हमें क्या सीखना है दो एक सेकंड की डेफिनेशन है औसत की इससे ज्यादा नहीं है बट जब सवाल करेंगे तो मजा आएगा इस चीज में डेफिनेशन तो मैंने क्या कहा कि आपने ऑब्जर्वेशन की कि एक बंदा आपके घर आया आते ही उसने सात रोटियां खाई फिर उसने पांच रोटियां खाई फिर वो छह रोटियां खा रहा है ठीक है फिर वो तीन रोटियों पे चला गया फिर उसने चार रोटी खाई तो एवरेज क्या होगा आपने पांच दिन तक लगातार ये ऑब्जर्वेशन किया ऑब्जर्व किया फिर आपने इन सब ऑब्जर्वेशन का क्षम निकाला तो पता चलेगा सात पाँच बारह छः अट्ठारह और साथ पच्चीस आ गया अब मैं कहूं आपसे कि यार एवरेज बताओ एवीजी शॉर्टकट में लिखेंगे तो आप कहेंगे इस पच्चीस को पांच से भाग कर दो पांच से क्यों क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन दो तीन चार पांच पांच से हमने भाग कर दिया औसत कितना आ गया पांच आ गया यानी औसत की डेफिनेशन यही कहती है सिर्फ हमें कि हम क्या करें सम निकालें ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम क्या करें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का सम निकालें और उससे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना हमने किए हैं उससे हम भाग लगा दें तो हमारे पास एवरेज आ जाता है बस इतनी सी डेफिनेशन है एवरेज की इसके अलावा कुछ नहीं है बाकी हम प्रॉपर्टी पे बात करेंगे प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है और काम की भी है आप देखेंगे भी कि प्रॉपर्टी पे सवाल कैसे आ रहे हैं पेपर में तो आपको मजा आएगा करके यानी जब भी मुझे औसत निकालने की बात आएगी औसत निकालने की बात आएगी तो हम कहेंगे कि औसत होगा जी योग सभी प्रेक्षणों का और उनकी संख्या कितने हमने प्रेक्षण किए योग बटे संख्या यानी एवरेज बराबर क्या होगा सम बटे नंबर तो ये इसकी डेफिनेशन है यहीं से मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर सम निकालना है तो हम एवरेज और जितनी संख्याओं का हमने निकाला है उस नंबर से गुणा कर देंगे तो सम आ जाएगा ठीक है हाँ मतलब बेसिकली वही है कि एवरेज इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कि हमने अगर किसी दिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई चीज पांच से सात हो रही है तो जो दो का डेविएशन है उसको इक्वली बांट के पांच और सात का एवरेज छ निकाल देने वो ये कि जो डेविएशन आ रहा है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर दिया जाए तो वही क्या है एवरेज है वो भी हम सवालों के हिसाब से और अच्छे तरीके से समझेंगे इस बात को जैसे कि हम यहां पे भी कर सकते थे सारा खेल हम डेविएशन से ही कर सकते थे बट पता कैसे चलता जैसे मैंने कहा कि मैं पांच है ये तो मैंने इसी को एवरेज मान लिया मानने को मैं चार को भी मान सकता था मैंने पांच को मान लिया तो ये दो ज्यादा है इसको पांच बनाऊंगा ये दो मैंने इसको दे दिया तो ये भी पांच हो गया ये 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 भी पांच पांच हो गया, ये पाँच है ही एक ज्यादा था तो ये मैंने एक इसको दे दिया तो ये भी पांच हो गया तो आपने देखा कि जो डेविएशन था उसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो सारे पांच पांच आ गए तो पांच ही इसका क्या है औसत है ठीक है ये डेफिनेशन हो गई अब डेफिनेशन पे अगर हम सवाल देखें कि कैसे टुच्चे मुच्छे से सवाल पेपर में आए तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं एक दो सवाल दिखाता हूं छोटे 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 से शुरुआत करेंगे बट लेवल बहुत हाई तक लेके जाएंगे ऐसा नहीं होगा पहला सवाल आप देखेंगे बड़ा सुंदर सा सवाल है पहला बड़ा कुछ भी नहीं है देखिए सवाल के अंदर बट मैंने पूछा ऐसे मैं जानना चाहता हूं कि आप कर पाएंगे नहीं या पहले समझ लीजिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है सवाल कह रहा है आउट ऑफ थ्री नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज फिफ्टी डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर यह कह रहा है तीन संख्याओं में से पहला दूसरे से दोगुना है और तीसरे का आधा है यदि तीन संख्याओं का औसत छप्पन है तो पहले और तीसरे नंबर का अंतर क्या है इतनी सी बात आपसे पूछ रहे हैं एनीबडी एल्स कोई भी बच्चा ऐसा है जो उत्तर निकाल पाया है तो शायद कोई भी अभी नहीं निकाल पाया देखिए कोई बात नहीं बहुत आराम आराम से मैं सिखाऊंगा मेरी कसम है ये खुद से आपसे नहीं है मुझे मैंने तो आज इतना भी कह दिया इनको कि हमारा टारगेट भी ये नहीं है कि हमें बहुत बच्चों को पढ़ाना है हमारी वीडियो के लाइक व्यू सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देगा ये मैंने इनको साफ कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं मैंने इनको कह दिया कि हम अपने हिसाब से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो किसी वजह से आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमारा टारगेट पंद्रह से बीस हजार बच्चे हैं उससे ऊपर पढ़ते हैं तो हमारे लिए खुशी देगा बट अगर उससे उतने नहीं पढ़ते या ऊपर नहीं पढ़ते तो हमें इस बात का कोई दुख नहीं है आप देखिए ना तीन संख्याओं में से पहला दूसरे से दुगुना है मैंने तीन संख्याएं लिख ली मैंने लिखा फर्स्ट नंबर देखिए मैंने लिखा सेकेंड नंबर मैंने लिखा थर्ड नंबर तीन संख्या मैंने लिख ली जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तीन संख्या हमने लिख ली कोई एक्स वाई जेड की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे एवरेज में तो कहीं नहीं जरूरत पड़ेगी एक्स मानने की फिर भी मैं बता दूंगा कई बार बच्चे कहते हैं कि बेसिक मेथड बताओ जबकि ऐसा नहीं है कि बेसिक मेथड एक्स है बेसिक होता है कि, कि किसी भी चीज के डेफिनेशन से हम पहुंच रहे हैं वहां तक वो बेसिक होता है आप देखिए तीन संख्याओं में से पहला दूसरे से दुगुना है यानी अगर दूसरा एक है तो पहला दो है दुगुना है यही बोला सवाल में जैसे बोला पहला दूसरे का दुगुना है और तीसरे का आधा है अब दो किसका आधा होता है तो आप कहेंगे चार का आधा होता है ये हमने निकाल यानी हमारी पहली संख्या है है दूसरी एक है, और तीसरी कितनी है चार अब सवाल में कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत छप्पन है मैं आपसे जानना चाहता हूं तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा आपसे पूछ रहा हूं तो आप कहेंगे कि जी अभी आपने पढ़ाया है हमें औसत निकालना औसत बस इतना सा होता है कि आप इन सबको जोड़ दो चार और दो छत और एक और टोटल संख्याएं कितनी है तीन तो औसत सात बटे तीन आगे मैंने अभी समझाया कि पहली संख्या दो दूसरी एक और तीसरी चौथी क्योंकि सवाल में ऐसा बोला हुआ था कि पहली संख्या दूसरी का दुगुना है तो मैंने दुगुना लिख दिया दूसरी को एक मान के और ये तीसरी संख्या का आधा था तो मैंने तीसरी को चार मान लिया फिर मैंने जो एवरेज की डेफिनेशन आपको बताई वहां से मैंने एवरेज निकाल लिया मैंने कहा सम करेंगे चार और दो सात सम आ गया तो सात बटे तीन एवरेज आ गया क्योंकि टोटल सम बटे नंबर अब सवाल में यही एवरेज छप्पन दिया हुआ है सवाल में यही एवरेज हमें छप्पन दिया हुआ है हम ये कह सकते हैं कि सात बटे तीन की वैल्यू छप्पन है ये चीज आपको सीखनी है पूरे अर्थमेटिक में यही होगा कि इसकी वैल्यू ये है तो इसकी क्या होगी सात बटे तीन की वैल्यू छप्पन है आपसे क्या पूछ रहे हैं पहली और तीसरी संख्या का अंतर मैं आपसे जानना चाहता हूं पहली और तीसरी संख्या का अंतर हमारे हिसाब से क्या है दो यानी हमसे दो की वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने कहा सात से इसको कट करते हैं सात अट्ठे छप्पन यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई तीन इधर चला जाएगा चौबीस ये एक बार गया तो तीन इधर चला गया एक की वैल्यू चौबीस है आपसे इस दो की पूछ रहा है तो मैंने कहा अगर एक की चौबीस है तो दो की कितनी होगी अड़तालीस यही सवाल का उत्तर आ गया फोर्टी एट बहुत अच्छा सवाल था बहुत प्यारा सवाल था अभी इस सवाल को एक बार बहुत जल्दी से फिर से बता रहा हूं पहली संख्या दूसरी का दुगना थी दो और एक कर दिया तीसरी का आधा थी इसको चार ले लिया औसत निकाला चार और दो छ और एक सात औसत कितना सात बटे तीन सात बटे तीन की वैल्यू सवाल में छप्पन थी तो एक बहत्तर आ, इसका, इसका तो की की आ, आ जाती हमसे यह संख्या पूछ सकता था इसकी वैल्यू छियानवे आ जाती या कुछ भी पूछ सकता था हमसे ये संख्या पूछ सकता था इसकी चौबीस आ जाती कुछ भी सवाल में पूछा जा सकता था एक सवाल ऐसा ही अब मैं आपसे पूछ रहा हूं देखिए सवाल बहुत आसान है और ऐसे ही सवाल पेपर में आ रहे हैं ये पूरा का पूरा सवाल डेफिनेशन पे कुछ भी नहीं है बट आ रहे पेपर में ऐसे सवाल डेफिनेशन पे मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल बहुत प्यार से आप जवाब देंगे डेली कोशिश करेंगे कि आपकी एबिलिटी बढ़े और मेरी कैपेसिटी बढ़े यानी मैं ज्यादा सवाल पेपर में क्लास में करा पाऊं और आप ज्यादा समझ पाए जैसे एक सवाल सेम टू सेम हमने आपसे पूछा है सवाल ये कह रहा है एवरेज ऑफ द नंबर इज सिक्सटी द लार्जेस्ट ऑफ दंबर्स इज सिक्सटी आई थिंक नहीं है थर्टी थ्री है एक बार करेक्शन कर लीजिए ये थर्टी थ्री है ठीक है हिंदी में पढ़ता हूं चार नंबरों में से पहला नंबर हम जो पीडीएफ डालेंगे तो करेक्ट करके ही डलवाएंगे और आंसर भी आपको मार्क होंगे पीडीएफ में चार नंबरों में से पहला दूसरे से दुगुना है आवाज क्यों आ रही है दुगुना है दूसरा तीसरे का एक तिहाई है और तीसरा चौथे से पांच गुना है तो संख्याओं का औसत तेतीस है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ठीक है इट्स ओके okay. अब वही सेम सवाल ही है बट देखिए यहाँ पे ना थोड़ा फंस जाता है बच्चा वो कैलकुलेशन में सिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको सीखनी है फास्ट कैलकुलेशन आना भी बहुत जरूरी है जैसे ये कह रहा है चार नंबरों में से पहला दूसरे से दुगना है चार नंबर है मैंने ए बी सी डी लिख लिया इस बार ए बी सरल पड़ेगा लिखना चार नंबर ठीक है थीके? इसने बोला चार नंबरों में से पहला दूसरे से दोगना है पहला जो है वो दूसरे से दोगना है ये एक है तो ये दो चलेगा दूसरा तीसरे का एक तिहाई है दूसरा जो है तीसरे का एक तिहाई है यानी तीसरा तीन है तीन है तीसरा भी आसानी से आ गया अब दिक्कत कहां आती है इसने कहा तीसरा चौथे से पांच गुना है तीसरा जो है वो चौथे से पांच गुना है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये पांच गुना तीन किसका होगा अगर यह पांच है तो आपको पता होना चाहिए इट मीन्स कि ये वन बाई फिफ्थ है और मैं वन बाई फिफ्थ इसका करूं तो जीरो पॉइंट छह आ जाएगा

अब वही वाली बात है कि सारी संख्याओं का औसत तेतीस है तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या तो तीन ही है इसमें यानी जो भी उत्तर होगा वो तीन का मल्टीपल होगा बट चार ऑप्शन में तीन का मल्टीपल है तो नहीं गैस कर सकते तो मैंने कहा ठीक है एवरेज निकाल देते हैं इसका आपने कहा जी एवरेज निकाल दो हमने कहा जी एवरेज कितना आ जाएगा तो आपने कहा सबको जोड़ दो तीन और दो पांच और एक छाइंट छ आ गया एवरेज छ पॉइंट छ और बटे तो आप कहेंगे जी बटे चार गया चार संख्या है इसकी वैल्यू सवाल में हमें तैतीस दे रखी है निकाल देंगे देख कोई बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है आप बस परेशान हो जाते हैं बात बिल्कुल भी बड़ी नहीं है मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो दोनों तरफ दस से गुणा कर रहा हूं तो जीरो लगानी पड़ेगी इधर अब तैतीस से कितनी बार कटेगा तो आप कहेंगे दो बार दो से ये कितनी बार कटेगा दो बार ये दो इधर चला जाएगा ऑलरेडी उधर जीरो है यानी दस है दस तो है ही तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बीस आ

छोटा सा चुटकुला सा सवाल मुझे मिला और मैं खुद ही इस सवाल को देख के बड़ा कंफ्यूज रहता है यार अजीब सा सवाल है सवाल को समझना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है है कुछ भी नहीं सवाल के अंदर बट बड़ समझना बड़ा मुश्किल है सोचिए ऐसा सवाल पेपर में आ जाए पेपर में तो ये सोच के बनाया जाएगा यार आसान सवाल पूछ रहा हूं लेकिन आपने पहले कभी नहीं देखा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सवाल क्या है मैंने भी करा नहीं है अभी करूंगा बस पढ़ा है ये कह रहा है पर्सन परचेजन के जी ऑफ टमाटो फ्रॉम ईच ऑफ प्लेसेस एट द रेट ऑफ वन के जी टू के जी थ्री के जी फोर के जी पर रूपी ऑन एन एवरेज ही पर रूपी देन वैल्यू ऑफ एक्स इज एक व्यक्ति चार जगह से टमाटर खरीदता है एक जगह एक रुपए किलो मिल रहा है एक किलो प्रति किलो की दर से मिल रहा है ये एक रुपए आएगा यहाँ पे ना एक के जी ऑफ टमाटर फ्रॉम ईच ऑफ द रेट मतलब कि एक किलो दो किलो तीन किलो और चार किलो पर रुपीज है ना यहाँ पे चार रुपीज नहीं है मतलब एक रुपए का एक किलो है एक जगह एक जगह एक रुपए का दो किलो है हिंदी आप अभी मत ही देखो ठीक है वैसे हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है अब इंग्लिश में क्या कह रहा है कि ऑन एन एवरेज ही एच परजेट एक्स के जी टमाटर पर रुपी देन द वैल्यू ऑफ एक्स तो so, कितना अटपटा सा ही सवाल है जबकि कुछ नहीं है सिर्फ डेफिनेशन पे सवाल है बट अभी

इंग्लिश में था ये सवाल हिंदी हमने खुद की हिंदी में होता तो मैं पहली बार में समझ जाता बट आप तो इंग्लिश मीडियम के हैं आपकी तो इंग्लिश इतनी दुरुस्त है आपको तो पहली बार में ही समझना आना चाहिए देखो अब इसमें करना क्या ये मुझसे बस इतनी सी बात पूछ रहा है Osionfish. चार जगह से टमाटर ले रहा हूं सब जगह से एक किलो ले रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने सब जगह से एक किलो टमाटर लिए पहली जगह से मान लेते हैं दो रुपए के पड़े तीसरी जगह से तीन रुपए के चार रुपए की पांच रुपए के, के. मान लेते हैं कि मैंने बारह रुपए खर्च किए और बारह रुपए में मुझे चार किलो टमाटर मिला यानी एक किलो मैंने कितने में खरीदा है तीन रुपए में ये बस इतनी सी बात पूछ रहा है बस कैलकुलेशन अलग है कि पहले मैं ये निकाल लू आखिर मैंने कितना रुपया खर्च किया है मेरे पास टमाटर कितने आए चार किलो भाई मुझसे इसने लास्ट में क्या पूछा है कि हमें तो आप ये बता दो आपको एक किलो टमाटर कितने का पड़ा है तो मैं कहूंगा पहले मैं ये तो पता कर लू मुझे चार किलो कितने का पड़ा है ये बात है कि नहीं तो मैं यही जानना चाहता हूं कि देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल लगा मुझे ये पहले वाला एक किलो कितने का पड़ा होगा गुरु तो आप कहेंगे एक रुपये का क्योंकि वो एक किलो पर रुपीज खरीदा है दूसरे वाला एक किलो मुझे कितने का पड़ा होगा अगर मैंने दो किलो खरीदा है एक रुपए में तो एक बटे दो का तीसरा वाला मुझे एक किलो कितने में पड़ा होगा तो आप कहेंगे एक बटे तीन का क्योंकि वो एक रुपए में तीन किलो मिल रहा है चौथा वाला मुझे एक किलो कितने में पड़ा होगा तो आप कहेंगे एक बटे चार का कहेंगे या नहीं अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो आप कहेंगे जी बारह तो एलसीएम आ गया और ये बारह और छह अठारह लिख लेता हूं बारह प्लस छ प्लस चार प्लस तीन तो ये कितना आ गया बारह छह अठारह और चार बाईस और तीन पच्चीस बटे बारह यही आ गया यानी कि मुझे जो चार किलो टमाटर पढ़ा है वो पच्चीस बटे बारह रुपए का पड़ा है गुरु पढ़ा है नहीं पड़ा यानी चार किलो टमाटर की जो कीमत निकल के आई है वो पच्चीस बटे बारह आई है इसने पूछा है बेटा एक किलो की बताओ तो मैंने चार से और भाग कर दिया पच्चीस बटे अड़तालीस ये तो तय हो गया कि उत्तर एक रुपए से भी कम है न ऑफ दीज भी था चौथा ऑप्शन तो अगर हम इसको अब भाग करें तो कटेगा या नहीं कटेगा पता नहीं बट एक रुपए से कम है करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये उत्तर नहीं हो सकता ये उत्तर नहीं हो सकता ये भी नहीं ये उत्तर होगा नन ऑफ तीज सही किया ना हमने वैसे भी आप देखो ना मेरी बात सुनो उत्तर एक रुपये से कम आएगा ये मैं बिना करे भी गैस कर सकता था क्योंकि पहला ही टमाटर मुझे एक रुपए किलो पड़ा है इसने पूछा है कि एक्स प्रति किलो टमाटर खरीदता है फिर एक्स का मान क्या? एक्स प्रति किलो ऑन एन एवरेज ही परचेस्ड एक्स के जी ऑफ टमाटो पर रुपी। एक रुपए में कितना किलो टमाटर खरीद रहा है अच्छा अच्छा टमाटर की क्वांटिटी सोचो हिंदी और ज़्यादा गड़बड़ कोई बात नहीं मैंने इसके हिसाब से भी कर दिया हिंदी के हिसाब से अभी इंग्लिश के हिसाब से बता देता हूं हिंदी के हिसाब से हमने निकाला है एक किलो टमाटर का मूल्य तो अगर सवाल में एक किलो टमाटर का मूल्य पूछा जाता तो पच्चीस बटे अड़तालीस उत्तर होता ये मैं इसलिए भी और बताना चाहता हूं कि अगर ये सिर्फ ये चीज़ मुझे ऑप्शन से करनी होती तो मैं क्या करता तो आप देखेंगे कि ये मैं ये करता मैं कहता कि पहले वाला ही टमाटर एक किलो है बाकी तो एक से सस्ता है और जब एक पहला एक रुपया बाकी एक से सस्ता है तो एवरेज हमेशा एक से कम आएगा कभी भी अगर ये पूछा गया होता सवाल में कि एक किलो कितने का पड़ा है तो वो एक से ऊपर नहीं आ सकता था आप सीधे नन ऑफ दिश पे चले जाते हैं बट हमसे इंग्लिश में सवाल जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि पर रुपीज बताओ कितना है तो मैंने कहा कि यार पच्चीस बटे बारह में पच्चीस बटे बारह में मैंने चार के टमाटर खरीदा है तो एक रुपए में यानी पहले तो बारह से गुणा हो जाएगी तो एक रुपए में कितना टमाटर आ जाएगा बारह चौक अड़तालीस बटे पच्चीस अब आप भाग करेंगे तो पच्चीस एकम पच्चीस पच्चीस निम्मा दो सौ पच्चीस पच्चीस दूनी पचास वन पॉइंट नाइन टू के जी टमाटर आ जाएगा कि मुझे एक रुपए में इतना टमाटर पड़ा अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था ये कंफ्यूजन था कि इसको आप ऑप्शन से जज नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले वाला एक रुपए में एक किलो पड़ रहा है दूसरे वाला एक रुपए में दो किलो पड़ रहा है तीसरे वाला एक रुपए में तीन किलो पड़ रहा है चौथे वाला एक रुपए में चार किलो पड़ रहा है तो अब वो एक दो तीन चार इनके बीच में ही होगा तो सारे ऑप्शन उसी क्रम में थे अगर कोई ऑप्शन होता ना यहाँ पे चार से बड़ा हो जाता एक से कम हो जाता तो फिर हम गैस कर सकते थे कि वन आएगा बट सवाल बहुत ही औसम था कुछ भी नहीं है अब जब आप इस सवाल को गलत करते आते हो पेपर में तो वही फिर आपके टीचर आपके घर वाले सब कहते इतना सिंपल था सवाल में क्या दिक्कत थी जबकि ये सवाल बेशक सिंपल है बट जो इसकी लैंग्वेज है वो बहुत क्रिटिकल है वो अगर आप पहली बार में नहीं समझ पा रहे तो भी आप पीछे हो जा रहे हो क्योंकि दो तीन बार में समझ के करके इस सवाल को भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं खड़ा जा सकता कि भाई आपने तीन चार बार पढ़ा पाँच मिनट लगाए और इतना छोटा सा सवाल कर दिया तो भी आप पीछे ही हो कंपटीशन से बाहर ही हो क्योंकि आज सफल तो वो है मैं कितना बार ये बात कहता हूं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे या छोटे बड़ों को नहीं हराएंगे इससे कोई मतलब नहीं है अब तेज धीमों को हराएंगे ठीक है जो तेज चलेगा वो आगे निकलेगा जीवन में नहीं इट्स ओके ठीक है तो आप बात को समझ गए कि सवाल में पूछा गया था कि एक्स के जी पर रुपीज है यानी एक रुपए में आप कितना खरीद रहे हो तो मैंने कहा कि मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 25 बटे बारह की, की है जिसमें मैं चार के जी खरीद रहा हूं तो एक रुपए में कितना खरीदूंगा तो बारह उधर चला गया पच्चीस नीचे आ गया वन पॉइंट ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टी की एवरेज की प्रॉपर्टी डेफिनेशन में हमने इतना जाना कि एवरेज में कुछ नहीं करना होता हम सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं यह बात थी अब तक डेफिनेशन की कि एवरेज की डेफिनेशन क्या है अब बात आती है एवरेज की प्रॉपर्टी की तो मैं प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं आपको प्रॉपर्टीज बहुत प्यार से समझना होगा आपको मजा आ जाएगा एकदम कि एवरेज और एवरेज की प्रॉपर्टी आज हमने जानी प्रॉपर्टीज क्या है एवरेज की जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूं इनको कि चार संख्याएं आपके पास दो पांच सात और छह ठीक है इनका एवरेज कितना है मैं इतनी सी बात जानना चाहता हूं तो आप कहेंगे पांच और दो सात और सात चौदह और छह बीस बटे चार एवरेज कितना आ रहा है पांच ठीक है एवरेज इतना आ रहा है पांच मैं इनको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने प्रत्येक संख्या को तीन से गुणा कर ले आपने तीन से इसको गुणा की आपने तीन से इसको की, आपने तीन से इसको की की आपने से तब क्या होगा तो आप कहेंगे तीन दूनी छह तीन पंजे पंद्रह तीन सत्ते इक्कीस तीन छिंग अठारह तो आप देखेंगे पंद्रह और छ इक्कीस और इक्कीस बयालीस और अठारह साठ बटे फिर चार करेंगे तो क्या आ जाएगा पंद्रह यानी एवरेज पंद्रह तो हम ऐसा करेंगे नहीं कि हम हर संख्या को तीन से गुणा करेंगे मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने हर संख्या को तीन से गुणा की तो आपके एवरेज को भी तीन से गुणा हो गई पांच से आपका एवरेज कितना हो गया पंद्रह हो गया ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं ऐसा क्यों हुआ आप ये भी देख सकते हैं अगर आप इसको छह ना लिख के ऐसे लिखते तीन गुणा दो लिखते आप फिर तीन गुणा पांच लिखते फिर तीन गुणा सात लिखते फिर तीन गुणा छह लिखते और फिर आप तीन पूरे में से कॉमन ले लेते तो ये क्या आता दो प्लस पांच प्लस सात प्लस एवरेज निकालने की बारी आती तो चार से भाग करते यानी कि अगर हमने एक संख्या को तीन से गुणा किया तो हमारा एवरेज भी तीन से गुणा हो गया अगर मैं हर संख्या में तीन जोड़ता तीन यहां तीन यहां तीन यहां यानी मैं तीन, तीन गुणा चार एड करता और जब फिर चार से भाग करने के बाद वो क्या बचता तीन ही बचता तो भी एवरेज तीन बढ़ता तो एवरेज की प्रॉपर्टी में यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सभी संख्याओं को किसी भी एक संख्या से गुणा करेंगे तो एवरेज भी उतने से गुणा हो जाएगा अगर आप सभी में इक्वल अमाउंट जोड़ेंगे तो एवरेज में भी इक्वल अमाउंट जुड़ जाएगा अगर आप डिवाइड करेंगे सेम संख्या से तो एवरेज भी उस सेम संख्या से डिवाइड हो जाएगा अगर आप एक सेम संख्या सभी नंबर से घटाएंगे तो एवरेज भी सेम नंबर से घट जाएगा इतनी सी बात ये एवरेज की बेसिक प्रॉपर्टी है आप देखते होंगे कि दस लोगों की आयु का औसत अगर मुझे इतना दे दिया कि टेन मेन की आयु का औसत इक्यावन है इक्यावन है ये दे दिया मुझे फिर कह रहा है आयु का औसत है कि 10 साल बाद उनका औसत बताओ 10 इयर्स आफ्टर इसका मतलब सब में 10 10 जोड़ रहे हैं ना हम इसीलिए औसत भी 10 बढ़ जाता है और अब वो इकसठ साल हो जाता है ये जरूरत पड़ेगी जब मैं प्रॉब्लम ऑन एजेस की क्लास लूंगा तब इस बात की जरूरत पड़ेगी आप समझिए एवरेज की प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आप किसी भी संख्या को मैं लिख देता हूं मैं लिख देता हूं यहां पर कि अगर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप क्योंकि हर चीज आपको नोट करनी है प्रॉपर तरीके से नोट करनी है बिना नोट किए कुछ भी नहीं होगा ठीक है तो आप देखेंगे मैंने क्या बताई ये बात मैंने ये कहा कि अगर एन संख्याएं हैं और उनका एवरेज ए है एवरेज ए है एन नंबर्स का अब अगर आप सभी नंबर्स इफ ऑल नंबर्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड हम इसलिए किसी चैप्टर को नहीं समझ पाते क्योंकि हम उसकी बेसिक बातें नहीं जानते यही चीज मैं अपने पढ़ाने में चेंज कर रहा हूं अभी यूट्यूब पे कि हम ये समझ पाए कि बच्चे को यही नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है तो पहले अगर हम ये बातें बता दें उसको और फिर सवाल में अप्लाई करें तो उसको ये बातें याद भी हो पाएंगी इसीलिए मैंने पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका बदला है आप ज्योमेट्री में भी देखेंगे आपको एक एक चीज समझ आएगी बहुत मजा आएगा ऑल नंबर मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो एवरेज कितना हो जाएगा आप कहेंगे जी एवरेज हो जाएगा ए एक्स अगर आपने सभी संख्याओं को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज ए एक्स पहले ए था इफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एक्स तो एवरेज कितना हो जाएगा ए बाई एक्स एवरेज ए बाई एक्स हो जाएगा इफ ऑल नंबर्स एडिट बाई एक्स तो एवरेज ए प्लस एक्स हो जाएगा दो चीजें एक साथ भी हो सकती हैं गुणा भी कर रहे हैं घटा भी रहे हैं। तो पहले गुणा कर देंगे फिर घटा देंगे बात खत्म तो। या पहले घटा देंगे फिर गुणा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफ ऑल नंबर सब्ट्रैक्टेड by एक्स तब एवरेज कितना होगा ए माइनस एक्स इतनी सी बात आपको समझनी है लिखनी है ये एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर मैं अब सवाल पे आता हूँ डायरेक्ट आपको सवाल बताता हूँ कि इस टाइप पे कुछ एक सवाल तो आसान से मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ उसके बाद चार सवाल मैं वो पूछ रहा हूँ जो पेपर में आए हैं आपको मजा आ जाएगा वो जो पेपर में आए सवाल वो किस बेसिस पे होंगे वो सिर्फ डेफिनेशन और इस प्रॉपर्टी पे होंगे डेफिनेशन पे कैसे सवाल आए रिसेंटली वो भी मेंस में दिखाऊंगा मैं आपको और मेंस 2019 सरल वाला नहीं 18 वाले में दिखाऊंगा कि डेफिनेशन और प्रॉपर्टी पे कैसे सवाल आए और हम उन सवालों में कभी एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कभी कुछ और कर रहे हैं जबकि वो सिर्फ डेफिनेशन और प्रॉपर्टी से किए जाए तो कुछ चंद सेकेंड के सवाल है ठीक है और एक सवाल आपसे पूछते हैं जितना अभी बताया है उस बेसिस पे आई थिंक चौथा ये सवाल होगा वेरी गुड बड़ा सिंपल सा सवाल है कि द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 8 कितना सिंपल है शायद आप एक लाइन में कर दें कि अगर 25 संख्याओं का औसत 8 है इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऐसा सवाल एलडीसी के पेपर में आया और वहीं पे आना बनता भी है इसको एमटीएस और एलडीसी से बाहर नहीं जाना चाहिए बट आया कहने को तो मेंस में भी इस लेवल के बहुत सवाल आए तो हमने अभी आपको समझाया था कि अगर आप हर संख्या को आपने देखा 25 संख्याओं का औसत 8 है और अगर आप हर संख्या को 12 से गुणा कर देंगे इसका मतलब हुआ कि आपका एवरेज भी नया वाला 12 से गुणा हो जाएगा बारह अट्ठे छियानवे पहाड़ा याद है सबको बारह का कई बार बच्चा क्या करता है ना यहाँ पे सोचता है कि आठ का पहाड़ा कहता आठ धा पता है मुझे तो दस होते हैं पहाड़ा बारह पे निकल गया तो कोई बात नहीं बारह का पढ़ लीजिए बातें किए बारह को आठ से गुणा कीजिए या आठ को बारह से तो नाइनटी सिक्स विल बी द करेक्ट आंसर बहुत आसान सवाल था इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे एक और ऐसा सवाल पूछता हूँ आप देख लेंगे कॉपी कर लेंगे और बाद में भी देखेंगे देखिए स्पीड भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है अगर मैं आपकी क्लास के कमेंटों में फंसता चला जाऊंगा तो मैं उतना नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना मैं सोच के आऊंगा ये सवाल देखिए ये प्यारा लगा मुझे ये कह रहा है कि तेईस संख्याओं का औसत इक्यासी है यदि प्रत्येक संख्या को पांच से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में ढाई जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा इफ द एवरेज ऑफ ट्वेंटी थ्री नंबर इज एटी वन इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई फाइव एंड एड टू पॉइंट फाइव टू ईच नंबर देन वाट विल बी द न्यू एवरेज एडिट आएगा ना यहां पे क्योंकि हमने कर दिया ऐसा करते हैं से मतलब नहीं है एडिट कर दिया क्योंकि बात पास्ट में चली गई अब आपको बताना औसत क्या होगा देखिए मैं बताता हूं इस सवाल को तेईस संख्याओं का औसत तेईस संख्याओं का औसत एट्टी वन था आपने क्या किया प्रत्येक संख्या को पांच से भाग कर दिया पांच से भाग किया है ठीक है मेरे हिसाब से छ से करना चाहिए था बट कोई बात नहीं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप डिवाइड बाई फाइव करेंगे डिवाइड तो न्यू एवरेज कितना होगा शायद सवाल में शायद इसलिए ऑप्शन आपका मैच ना करे ठीक है हम जब पीडीएफ देंगे तो करेक्ट कर देंगे पांच कितना आ गया सिक्सटीन पॉइंट आ गया ठीक है अब इन्होंने कहा है कि ढाई हमने जोड़ दिया अगर मैं प्लस टू करूंगा सब में तो एवरेज भी 2.5 हो जाएगा तो 16.2 इसीलिए चलिए कई बार ऑप्शन गलत होना भी ठीक है पता तो चल जाता है कि कोई बच्चा मार रहा है या सही से निकाल रहा है खुद से तो उत्तर आ गया 18.7 जो कि ऑप्शन में नहीं था 18.7 ऑप्शन में नहीं था ई ऑप्शन कर लीजिए करेक्ट करके 18.7 पता नहीं कैसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई मुझे तो याद था सवाल कि इसमें डिवाइड बाई छ था तो मैं एक बार बता देता हूं डिवाइड बाई अगर छह होता इक्यासी तो बटे छ कितना आता औसत तीन से भाग करते सत्ताईस फिर दो तो तेरह पॉइंट पांच आ जाता जब छह से भाग करते तो तेरह पॉइंट पांच आ जाता फिर टू पॉइंट फाइव एड करते तो एवरेज सोलह आ जाता वही इसका उत्तर था तो करेक्ट कर देना भाई पीडीएफ में देखो क्या करेक्ट करना है केवल यहां पांच की जगह छ लिखना है और बस उत्तर है इसका सी पांच की जगह छ लिख के उत्तर सी है इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर देना बहुत ही बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक भी वीडियो अब अगर अभिनय में चैनल पे आएगी तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू वो उसके अंदर अपार क्वालिटी अपार सब कुछ होगा बिल्कुल भी परेशान मत रहिए इस बात के लिए ठीक है मैं अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं अब देखिए ये सवाल जब पेपर में आ जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए ये मेंस आई थिंक 2018 में सवाल आया है मैंने थोड़ा सा डेटा इसमें चेंज कर दिया ताकि किसी को उत्तर याद हो तो वो ना कर पाए ठीक है देखिए भाई सवाल कितना प्यारा है मैं पढ़ देता हूं पहले सवाल थोड़ी सी कोशिश करके देखिए जितना अभी पढ़ाया है डेफिनेशन के बेस पे जो पढ़ाया है और प्रॉपर्टी के बेस पे जो पढ़ाया है उसके हिसाब से करके बताइएगा एक बार क्या होगा द एवरेज ऑफ एन नंबर इज फिफ्टी if each of 65% of the number is increased by 9 and each of the remaining number is decreased by 11 then the new average of the numbers इसने कहा अब की बार हमें संख्या भी नहीं दे रखी सोचो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे संख्या दे भी दे n की जगह 159 दे दे 140 दे दे तो भी हमारे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कल को ऐसा हो सकता है कि वो n की जगह आपको दे दे 62 संख्याओं का औसत और हम फंस जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसने दिया हुआ है एन संख्याओं का औसत अट्ठावन है यदि 65 परसेंट संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में नौ जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से ग्यारह घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा ठीक है देखिए इतनी सी बात समझिए कि 65 परसेंट सिक्सटी परसेंट बराबर क्या होगा तो आपको अगर नहीं पता तो सिक्सटी फाइव बाईस सौ करके देख लीजिए पांच से बाहर करेंगे तेरह बटा बीस यानी कि यह कह रहा है कि अगर बीस संख्याएं तो उसमें से तेरह की बात कर रहा है बड़े ध्यान से समझना सिक्सटी फाइव परसेंट का मतलब है तेरह बटा बीस यानी बीस में तेरह का मतलब ही परसेंट है तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये मान लू कि टोटल संख्याएं बीस है टोटल संख्या बीस है, है तो इसने पहले तेरह के साथ अलग टाइप की छेड़खानी की और इसने बची हुई सात के साथ अलग टाइप की छेड़खानी की है आप बेहतर तरीके से जानते हैं छेड़खानी मुझसे बेहतर समझते हैं मैं क्या बताऊं ठीक है इसने पहले तेरह बीस में से तेरह संख्याओं के साथ छेड़खानी की मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसने तेरह संख्याओं के साथ क्या छेड़खानी की तो आपने कहा इसने हर संख्या में नौ जोड़ दिया देखिए अब क्या है कि एक नहीं है दो पार्ट में चेंजेस किए हैं तो मुझे ओवरऑल चेंजेस पता करना पड़ेगा मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि ओवरऑल चेंज कितना हुआ है ओवरऑल चेंज और वो पॉजिटिव है नेगेटिव उतना ही चेंज मैं एवरेज पे बता दूंगा यही करूंगा भाई तो इसने कहा कि तेरह संख्याओं में हमने नौ जोड़ दिया है तो तेरह बार नौ अगर एड होगा तो उसके सम पे एक का फर्क पड़ेगा अब की बात ओवरऑल देखना पड़ रहा है क्योंकि तेरह संख्याएं तो मैंने कहा कि आपको 117 ऐड करना पड़ रहा है आपने कहा कि जो शेष संख्या है मैंने कहा अगर आप 20 मान रहे हो उसमें से 13 में आपने 9 जोड़ दिया तो बची हुई सात संख्याओं में से आप 11 घटा रहे हो यानी कि आप माइनस सेवनटी भी कर रहे हो साथ में आपने एक तरफ तो देखिए अगर आप कुछ ना करते या आप ऐसा करते 117 जोड़ रहे थे 117 ही घटा देते यानी कि मामला खत्म हो जाता ओवरऑल कोई चेंज सम पे नहीं आता तो एवरेज पे भी नहीं आता अरे भाई एवरेज होता क्या है तो आप कहेंगे जी एवरेज तो सम बटे नंबर होता है अगर सम में चेंज करोगे तो एवरेज में चेंज होना लाजमी है समझ रहे तो मैंने यही कहा कि तेरह गुणानो एक सौ सत्रह सात गुणा ग्यारह माइनस सतहत्तर यानी आपने एक सौ सतहत्तर बढ़ाया और सतहत्तर आपने कम कर दिया तो मैं ओवरऑल चेंजेज आपसे पूछूं तो आप कहेंगे एक सौ सतहत्तर माइनस सत्तर है, चालीस आपने चेंज किया कहेंगे और प्लस का है यानी आप जो एवरेज निकाल रहे थे वो अट्ठावन आ रहा था बट अगर अब सम चालीस बढ़ गया है सम अब अगर 40 बढ़ गया है और वो 20 संख्याओं पे बढ़ा है तो यानी इस हिसाब से हर एक संख्या दो दो बढ़ गई है हर एक संख्या दो दो बढ़ने का मतलब एवरेज दो बढ़ गया है बेसिकली तो अगर एवरेज पहले अट्ठावन था तो भैया दो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा साठ समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा मेहनत लगती है हर चीज में समझने में मैं फिर से बता रहा हूं इस सवाल को एन संख्याओं का औसत अठावन अथा, था पैंसठ परसेंट संख्याएं यानी कि तेरह बटा बीस तो मैंने कहा बीस में से तेरह संख्याएं बीस में से तेरह संख्याएं और बीस में बची हुई सात संख्याओं के साथ हमने छेड़खानी की क्या की तेरह संख्याओं में नौ जोड़ दिया तो तेरह निम्मा एक सौ सत्रह हो गया एक सौ सत्रह बाकी की सात संख्याओं में ग्यारह घटाया है तो माइनस का सतहत्तर अब आप बताइए एक सौ सत्रह आप जोड़ रहे हैं सतहत्तर आप घटा रहे हैं इसका मतलब ओवरऑल तो चालीस ही जुड़ रहा है और अगर 20 संख्याओं पर 40 जोड़ेगा इसका मतलब हर संख्या में दो जोड़ रहा है पहले भी कहा था एवरेज मतलब सब की तो दो जोड़ने के बाद हर संख्या साठ हो जाएगी तो एवरेज भी क्या हो जाएगा साठ यही आंसर है अगला एक और सवाल ऐसा आपसे पूछ रहा हूं उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब देंगे अगर आप लल्लू नहीं है तो ये देख लीजिए ये सवाल मैंने एज इट इज लिया है इसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया एज इट इज सवाल पेपर में आया है से या प्री में रिसेंटली ही आया कोई चेंज मैंने नहीं किया मैं सवाल पढ़ देता हूं एक बार कि सवाल क्या कह रहा है द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 742 एन संख्याओं का औसत 42 है मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा कि एन की जगह कुछ भी आ सकता है 119 भी आ सकता है 118 भी 117 भी एन संख्याओं का औसत 42 है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द नंबर पिछहतर परसेंट संख्याएं चार से बढ़ाई जाती हैं तो द रिमेनिंग नंबर के बचे हुए नंबर से घटाए जाते हैं तो नया एवरेज क्या होगा एन संख्याओं का औसत बयालीस है पिचहत्तर परसेंट संख्याओं में से प्रत्येक में चार की वृद्धि होती है शेष संख्याओं में से प्रत्येक में आठ की कमी की जाती है तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा देखिए भाई मैं बताता हूं आपको आप देखेंगे आपकी बार आपने 75 परसेंट की बात की है तो कोरिया का बच्चा भी इस बात को जानता है कि 75 परसेंट क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो 75 फाइव बाई हंड्रेड कर लीजिए 25 पच्चीस पिचहत्तर पच्चीस चौका सौ यानी आपने कितना कर दिया तीन बटे चार हमने क्लास का टाइम इसलिए भी ये रखा है ताकि आप मैच भी देख सकें आपका मैच भी आएगा बट मैच वगैरह में भी बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइए जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो हमने भी नहीं लगाया बट आज आप शांति से देखते हैं एकदम बैठ के कुछ नहीं करना बस चाय की चुस्कियां चल रही हैं मैच देख रहे तो आपको भी वो वक्त लेके आना है कि आप भी ऐसे बैठ के देख सकें अगर आप अभी से वैसे बैठ के देखने की कोशिश करेंगे तो आगे लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगी एक टाइम तो जीवन में मेहनत करनी ही पड़ती है कोई भी समय हो वो एक टाइम अपना हंड्रेड परसेंट लगाना ही पड़ता है अगर आपको बचे हुए जीवन को बेहतरीन बनाना है तो बचपन से अब तक का जीवन आपने देखा है ठीक है आपके पिताजी वो नहीं कर पाए गरीब पैदा हो गए आप गरीब आपने 10-15 साल काट दिए बट हर एक इंसान का स्वाभिमान होता है सेल्फ रेस्पेक्ट होती है कोई भी आदमी गरीब रहना नहीं चाहता हर आदमी अमीर रहना चाहता है बट उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे मेहनत करनी पड़ेगी बिना एफर्ट के यहाँ एक गिलास पानी भी कोई आपको नहीं देगा और मैंने कितनी बार ये बात कही आज भी कह रहा हूं कि जिंदगी देगी कुछ नहीं हम आपको देंगे कुछ नहीं प्रकृति आपको देगी कुछ नहीं सब कुछ लौटता है आपने हमें प्यार दिया तो हम आपको उसको पढ़ा के लौटा रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में मेहनत करेंगे टाइम देंगे तो वो आपको लौट के मिलेगा दो गुना चार गुना सब कुछ यहां देने से ही मिलता है आप किसी को गाली देंगे वो आपको दो देगा आप एक थप्पड़ मारेंगे दो मार देगा तो सब कुछ बदलाए यहां जो आप जैसा लोगों को देंगे वैसा आपको मिलेगा ठीक है तीन बटे चार ये ज्ञान की बातें भी बहुत जरूरी है देखिए पढ़ाई के साथ साथ बहुत से बच्चे पढ़ जाते हैं बट गुने नहीं है ये बहुत जरूरी है तो मैंने कहा ठीक है आप तीन बटे चार की बात कर रहे हो मैं सारी संख्याओं को चार ही मान लेता हूं इसके बाद हम दो सवाल और करेंगे डेफिनेशन पे जो मेन्स में आए हुए हैं बहुत मजा आएगा तब तक शांति बनाए रखिए चार चार संख्याओं में तीन संख्याएं ये हैं और बची हुई संख्या एक है चार संख्याओं में ये तीन संख्याएं और बची हुई संख्या एक है ठीक है तो अब क्या होगा इसने कहा है कि पिछहत्तर परसेंट संख्याओं में यानी तीन में चार की वृद्धि हो रही है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि चार की वृद्धि होगी तो क्या होगा आपने कहा जी बारह बढ़ जाएगा बारह बढ़ जाएगा तीन चौक बारह फिर आपने कहा बची हुई संख्या में से आठ घटा रहे तो मैंने कहा ठीक है आठ घटा दीजिए तो आपने कहा कि ये आठ घट जाएगा हमने देखा बारह आपने बढ़ाया आठ घटा दिया ओवरऑल चेंजेस क्या है ओवरऑल चेंजेस तो आप कहेंगे जी ओवरऑल चेंजेस आए हैं फोर के ओवरऑल चेंजेस कितना है? फोर ठीक है ओवरऑल चेंज कितना है? चार तो मैंने कहा कि चार संख्याओं पे चार का चेंज आया है चार संख्याओं पे चार का चेंज है इसका मतलब एक संख्या एक बड़ी है भाई आपका सम चार बढ़ गया यानी एक संख्या आपकी एक बढ़ी है भाई तभी ऐसा हो सकता है तो एवरेज हमारा कितना था फोर्टी टू था एवरेज हमारा कितना था फोर्टी टू और एक बढ़ गया प्लस वन तो कितना आ गया भाई तैतालीस मुझे लगता है सबको समझ आया होगा सबको समझ आया होगा ए टू जेड बच्चे को समझ आया होगा हमने कहा पिचत्तर परसेंट संख्याएं थी तीन बटा चार बड़ा सिंपल हो गया चार संख्याएं हो गई उन चार संख्याओं में तीन संख्याओं में हमने चार की वृद्धि की बारह बढ़ा दिया बची हुई एक संख्या आठ घटा दिया ओवरऑल चेंजेस चार आया इन केस ओवरऑल चेंजेज माइनस चार आ जाता हम आपको ऐसे सवाल प्रैक्टिस के लिए देंगे वैल्यू बदल के ताकि आप निकालेंगे आपको मजा आएगा आपको एक घंटे के अंदर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है पिंक कर दीजिए टेलीग्राम का लिंक मैंने पिंक कर दिया आपको अभी एक घंटे के अंदर इन सवालों से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए एक पीडीएफ मिल जाएगी बीस एक सवालों की डोंट वरी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है उनको कर लेंगे क्लास में जो बात नहीं समझ आएगी उसको दोबारा देख लेंगे समझो काम हो गया आपका आज का काम फिनिश मैथ्स का तो ओवरऑल चेंजेस चार का था तो मैंने कहा एक बढ़ाना पड़ेगा चार संख्याओं पे चार का चेंज यानी एक बढ़ गया माइनस चार का मतलब होता है एक घट जाता तो हमने औसत भी एक बढ़ा दिया बयालीस से तैतालीस अब मैंने कहा कि हम लास्ट में दो सवाल जो करने जा रहे हैं वो वो करने जा रहे हैं जो दो या उन्नीस के मीन्स में आया बहुत खूबसूरत है और वो डेफिनेशन पे सवाल हैं और आप जब उनमें एलिगेशन दुनिया भर की चीजें जो आप कह रहे थे ना मुझसे लगा देखना आप आप कि वो सवाल डेफिनेशन से जब तुरंत हो जा रहे हैं तो हम उनमें क्यों एलिगेशन लगाएं आप देखिए ये सवाल था जैसे मुझे बड़ा प्यारा लगा है हम्म 75.6 मैंने बदल देना मैंने लड़कियों का पूछ लिया लड़कों के बजाय ठीक <laughs> है लड़कों का 75.6 था 63 आएगा लड़कियों का द एवरेज स्कोर ऑफ 273 सेवनटी थ्री स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज सिक्स ये कह रहा है दो सौ तिहत्तर बच्चों का औसत मैंने दो सौ तिहत्तर भी बना दिया अपनी तरफ से से है है बाकी सेम यहां भी इस बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं यहां पे एन भी दे दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं यहां पे बयालीस दे दूं पेपर में बयालीस था तो भी फर्क नहीं पड़ेगा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज टेन रेशियो इलेवन ये कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दस अनुपात ग्यारह है ठीक है द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन दैट ऑफ द द गर्ल्स एवरेज दर्ल्स इज ट्वेंटी गर्ल्स आपसे पूछ रहा है क्या होगा एक परीक्षा में दो सौ तिहत्तर विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक सिक्सटी नाइन है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दस अनुपात ग्यारह है लड़कों के औसत प्राप्त लड़कियों की तुलना में इतने देखिए तो बड़ा सिंपल सा सवाल है मैंने यहां पे लिखा देखिए तरीका देखिएगा आपको बहुत मजा आ जाएगा कोई एलिगेशन या कुछ नहीं लगाना आप यहां पे लिखिए बॉयज ठीक है यहां पे लिखिए गर्ल्स पहले लड़कियां हाँ पहले लड़के हैं यहां पे लिखिए गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स लिख लिया ठीक है अब मैंने कहा कि संख्या एग्जैक्ट की जरूरत ही नहीं है कभी एवरेज में अभी भी आप पीछे देख रहे थे तो क्या हमें एग्जैक्ट संख्या की जरूरत पड़ी थी मैंने कहा था एन की जगह कुछ भी हो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं जब हमें अनुपात पता तो मैंने कहा अनुपात पता है लड़के दस हैं लड़कियां ग्यारह हैं इसी से बात बन जाएगी क्योंकि अगर आप इनको दो से तीन से चार से गुणा करें वो ऊपर सम में भी होगी नीचे भी होगी कट जाएगी एवरेज पे फर्क ही नहीं पड़ेगा आपने कहा दस और ग्यारह अब इन्होंने कहा कि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में बीस परसेंट अधिक है कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि बीस परसेंट का मतलब एक बटा पांच होता है यानी पांच पे एक ज्यादा होता है तो लड़कों का एक ज्यादा है पांच पे यानी कि लड़कियों का अगर पांच है तो लड़कों का कितना है छ उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने लड़कों का ही ज्यादा है, है। लड़कियों की तुलना में लिख दिया मैंने अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर दस लड़के थे और एवरेज यानी लड़कों का सम कितना आ गया साठ आ गया नहीं आ गया अच्छा लड़कियों का ग्यारह लड़कियां हैं पांच औसत है लड़कियों का सम कितना आ गया पचपन अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूं यहां ओवरऑल एवरेज की तो आप कहेंगे जी सम कर दो इन दोनों का सम कितना है 115 और संख्या कितनी है 21 ये एवरेज आ गया भाई एवरेज क्या होता है आपने 11 10 लड़कों का ऑब्जर्वेशन किया उनका सम 60 है आपने 11 लड़कियों किया उनका सम 55 है ओवरऑल सम 115 सौ पंद्रह और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने इक्कीस मैंने एवरेज निकाल दिया अब इस एवरेज की वैल्यू सवाल में दे रखी है जी सिक्सटी यही दे रखिए ना मैंने तेईस से भाग लगाया तेईस पंजे एक सौ पंद्रह तेईस दिया उनहत्तर इक्कीस को इधर भेजा तो पांच की वैल्यू कितनी आ गई तिरसठ आपको पता सवाल में क्या पूछा है लड़कियों के औसत प्राप्तांक बताइए और लड़कियों के औसत प्राप्तांक तो पांच थे यानी आपसे पांच की वैल्यू पूछी है और पांच की वैल्यू क्या आ गई है तिरसठ तो यही उत्तर आ गया इनकेस अगर लड़कों का पूछता तो कोई बड़ी बात थोड़ी थी पांच की तिरसठ है तो मैं एक की निकाल सकता था बारह लड़कों की कितनी है एक ज्यादा है तो इस तिर में एक जोड़ देता पिछहत्तर पॉइंट छ आ जाता अगर लड़कों का पूछता तो एक ज्यादा है तो एक जोड़ देता उसमें तो कई बार ऐसे सवाल में किसी एलिगेशन या किसी चीज की जरूरत नहीं होती क्योंकि जब आप एलिगेशन लगाएंगे ना तो जो छह और पांच का अंतर है एक उसको बांटने में दस और ग्यारह में ना नानी याद आ जाती है तो फिर बंदा क्या करता है कि इक्कीस से गुणा कर लेता है इनको इक्कीस से गुणा कर अब इक्कीस के एक सौ छब्बीस वो फिर मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगा मैं जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इस सवाल को दोबारा बता दूंगा मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से ज्यादा सिंपल है ज्यादा सिंपल है कि भाई बांटना ही एक अपने आप में टेक्निकल होता है बहुत बहुत मुश्किल होता है बांटना ही तो दोबारा से हम देख रहे हैं दोबारा से बता रहे हैं इस सवाल को कि लड़के दस थे लड़कियां ग्यारह हमने मान लिया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पिछले सवालों में भी हमने आपको यह बात समझाई कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एग्जैक्ट नंबर क्या है क्योंकि भाग लगना है मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपके पांच लड़के पांच लड़कों का औसत दस है तो दस लड़कों का बीस होगा इधर भी गुणा हो गई उधर भी गुणा हो गई इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई दस लड़के थे ग्यारह लड़कियां और लड़कों का औसत लड़कियों से ट्वेंटी परसेंट ज्यादा था वन बाई फाइव ज्यादा था तो ये फाइव था तो ये सिक्स था तो कितने हो गए गर्ल्स कितनी हो गई ग्यारह पचपन साठ और पचपन आ गया तो हमने कहा कि ओवरऑल एवरेज तो बता दो भाई तो आपने कहा साठ और पचपन जोड़ देते हैं एक सौ पंद्रह और टोटल नंबर कितने इक्कीस तो ओवरऑल एवरेज ये आ गया जो दिया हुआ था सवाल में कि सभी का औसत सिक्सटी नाइन है तो इसकी वैल्यू सिक्सटी नाइन की तेईस पंजे एक सौ पंद्रह तेईस उनहत्तर पांच की तिरसठ आ गई कमाल की बात थी पांच ही की पूछिए लड़कियों की तो तिरसठ हमने आंसर दे दिया बोलो भाई आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों पानी तक नहीं पिया है अभी पियेंगे भी नहीं आज वो नहीं जल नहीं पीऊंगा याद है ना जल नहीं पीऊंगा जल नहीं पीऊंगा तभी सारे लड़के उठा के बोतल मुंह में हम तो पियेंगे तू मत पी भाई गजब पढ़ाते हैं जी गुरु अलग ही हैं ऐसे लड़के होते हैं कि कई बार मां के पेट में ही नाराज हो जाते हैं भाई साहब ऐसे लड़के माँ के पेट में जो में आ जाते हैं आठवां महीने है, माँ के पेट में है गुस्सा हो गए आज ही बाहर आऊंगा आज ही बाहर आऊंगा जल नहीं पीऊंगा जल नहीं पीऊंगा अरे कैसे नहीं पियोगे पानी की पोटली में अपने आप जल अंदर जाएगा तो ऐसे नाराज नहीं होते कि आज जल नहीं पीऊंगा आज ही बाहर आऊंगा टाइम पूरा होने दीजिए अपने आप बाहर निकाल लिया जाएगा डोंट वरी ठीक है चलिए अगला सवाल किसी लड़की के भी पीछे पड़ते तो हाँ दो हाथ धोके तुमसे ही करूंगा तुमसे ही करूंगा ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज सेवन फाइव एक क्लास में बच्चों की संख्या पिछहत्तर है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हंसी मजाक करते रहेंगे बट ऐसा नहीं कि, कि किसी को दिल पे लेने की जरूरत है किसी के बारे में कुछ करें एंटरटेनमेंट भी जरूरी है आउट ऑफ विच थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट आर द बॉयज एंड रेस्ट आर द गर्ल्स संख्या दे दी ऊपर से ऊपर से ये दे दिया हमें तो इससे मतलब है संख्या तो यहां पे कुछ भी देता एन भी देता तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता मैंने कहा द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज सिक्सटी सिक्स टू बाई थ्री यहां पर मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स दैट ऑफ क्यों आता है पता है क्योंकि एवरेज की बात कर रहा है अगर हम दैट ऑफ द गर्ल्स कर देंगे तो आ जाएगा लड़कियों से तुलना कर दी बात एवरेज की चल रही थी और तुलना लड़कियों से होगी तो दैट ऑफ गर्ल्स का मतलब एवरेज ज्यादा है लड़के वैसे ज्यादा नहीं है लड़कियों से इस ब्रह्म में ना रहे इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज सिक्स बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है 66 है देन द द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स कितना होगा ये बताना बड़ा वाले। देखो, बहुत प्यार से करेंगे इतना मजा आ जाएगा ना आप कहेंगे यार खाम काम एलिगेशन ये सब पढ़ते रहते हैं चक्कर में देखिए मैंने यहां पे लिखा बॉयज यहाँ पे लिखा गर्ल्स आपको पता कि है कि बॉयज कितने हैं एक बटा तीन है यानी कि एक लड़का है तीन में तो दो लड़कियां हैं चलेगा जी एक लड़का और दो लड़कियां अब एवरेज क्या है लड़कों का औसत लड़कियों से 66 से ही दो बटा तीन मतलब होता है दो बटा तीन देखिये तैतीस सही एक बटा तीन परसेंट का डबल है तो दो बटा तीन यानी लड़कों का ज्यादा है तीन पे दो ज्यादा है तो मैं ये कह सकता हूं लड़कियों का तीन और लड़कों का पांच है चलेगा भाई अब आप ओवरऑल निकाल लीजिए देखिये ये नंबर था इनका ये एवरेज था इनका मैंने कहा सम बता दो तो आपको पता ही है सम होता है नंबर गुड़ा एवरेज मल्टीप्लाई इसका पांच आ गया इसका आ गया अब अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूंगा ये सवाल एजिटिज पेपर में आया मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूंगा तो आप कहेंगे पांच और छह ग्यारह है और टोटल संख्या कितनी है तीन यही कहेंगे या नहीं आप ये कहेंगे भाई टोटल क्लास में तीन बच्चे हैं सम ग्यारह है तो एवरेज आ गया ग्यारह बटा तीन अगर एवरेज 11 बटा तीन है और सवाल में 66 दे रखा है 66 है ना सभी छात्रों का औसत 66 छियासठ छियासठ तीन इधर जाएगा एक की वैल्यू कितनी आ गई अठारह यहां पे हमने डायरेक्ट एक वैल्यू निकाल दी अठारह इन्होंने लड़कियों का औसत पूछा है लड़कियों का औसत तीन था तो अठारह ती चौवन लड़कियों का औसत हो गया।, गया लड़कों का पूछता तो अठारह पंजे नब्बे आ जाता बट पूछा नहीं है तो डी ऑप्शन है थोड़ा कट गया है कटता तो लोगों का भी बहुत है तो ऑप्शन कटना कोई बड़ी बात नहीं है उत्तर कितना आ गया चौवन क्लियर है सबको ये बात कोई भी बच्चा ऐसा जिसको बात ना समझ में आई हो तो वो मुझे बताए कि हाँ जी मुझे समझ नहीं आई दो मिनट लास्ट में आपसे बात करूंगा उससे पहले थोड़ा बताना भी चाहूंगा एक बार इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले कोई जल्दी नहीं है आराम से कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा एवरेज मैंने कहा जब कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो टॉपिक का बेस जानना बहुत जरूरी है कि एवरेज है क्या क्यों एवरेज पढ़ रहे हैं एवरेज की प्रॉपर्टीज क्या है गुड क्या है आप गए आप जो तरीके बनाते हैं हम जो तरीके बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं उसके बेसिक को ही पकड़ के तो बनाते हैं अगर उसका बेसिक ही ना होता अगर यही किसी ने आज तक ना बताया होता कि एवरेज का मतलब होता है सम्बट नंबर तो हम तरीके ही नहीं बना पाते तो हमने क्लास के आते ही आपको बताया कि एवरेज की डेफिनेशन क्या है और इस डेफिनेशन के मायने क्या है और इस डेफिनेशन का यूज करके हम कैसे सवाल कर सकते हैं फिर हमने बताया कि एवरेज की प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी जब हम बड़े बड़े सवाल करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज पे हमने बात की सोचिए हमारा एक घंटा से भी ज़्यादा का वक्त इसी में चला गया कि एवरेज डेफिनेशन क्या और प्रॉपर्टी और खुशी की बात यह है कि उसमें भी हमने कितने सारे सवाल, सवाले बारह सवाल जहाँ पे हमें पता चला कि अच्छा ऐसे सवाल भी हैं जिनको हम समझ रहे हैं एलिगेशन लगा सिर्फ डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज पे तो पहले हमने वो प्रॉपर्टी आपको समझाई और फिर डेफिनेशन हमने आपको बताई तो चलिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच बाय बाय तो आज की क्लास में जो हमने टाइटल रखा है वो हमने रखा है कि हम कंसेक्यूटिव नंबर्स पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं कितने अच्छे अच्छे सवाल आपने देखा होगा पिछले एक दो पेपर में सी एच एस एल में पूछे गए हैं अब बात करते हैं पढ़ाई की और एवरेज की बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे बस आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा मतलब अगर मजा ना आए अगर आपको क्लास में मजा ना आए इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर आपको क्लास में मजा नहीं आता तो दावे के साथ हम आपका समय भी वापस कर देंगे ठीक है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मजा ना आए ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एवरेज में कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करने जा रहे हैं लगातार पदों की बात करने जा रहे हैं कंसिक्यूटिव टर्म्स कंसिक्यूटिव टर्म्स ठीक है बेसिकली लगातार पद हिंदी में हम इसे बोलेंगे लगातार पद लगातार पद आप उसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी दे सकते हैं मैं पहले समझाऊंगा पांच मिनट में समझाऊंगा उसके बाद मेरे पास अठारह उन्नीस सवाल हैं जिनको मैं करूंगा और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट रह जाएगा ठीक है भाई कंसेक्यूटिव टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स में होता क्या है देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स कई तरीके से हो सकती हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है कि कंसेक्यूटिव नंबर भी हो सकते हैं कंजिव नंबर यानी क्रमागत संख्याएं एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्रमागत संख्या देखिए जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इरिटेशन होगी छोटी छोटी बातें बताएंगे बट बत आपको भी समझना है हमारी मजबूरी कि हमें हर एक बच्चे को साथ लेके चलना है सिर्फ आपके हिसाब से ही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो सब बच्चे हैं और बाद में भी बहुत सारे बच्चे देखेंगे सबको साथ लेके चलना है हमारा टारगेट ही है बीस बच्चों को पढ़ाना उससे ज़्यादा नहीं ठीक है तो जिसको तकलीफ होगी भी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्रमागत संख्याएं हो गई अब हमने कहा कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इसका एग्जाम्पल में ले लेता हूं यहां पे कि एक दो तीन चार पांच ये सब क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका गैप एक एक का है मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के मायने आपको बता रहा हूं कंसेक्यूटिव टर्म्स में क्या आएगा कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर आ जाएगा इवन या ऑड नंबर आ जाएगा ये भी कंसेक्यूटिव में आएगा कैसे इवन का मतलब वही दो चार छ आठ औट का मतलब एक तीन पांच याद है यानी संख्या या तो दो दो के गैप पे हूं या एक एक के गैप पे हूँ एक और कंसेक्यूटिव टर्म में क्या आ जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम नाम दे देते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे अभी आप देख रहे हैं एक एक के डिफरेंस पे थी दो दो के डिफरेंस पे थी चार पे भी हो सकती है आठ पे भी पांच पे भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे आ जाएंगे टर्म्स जैसे पांच दस पंद्रह आ गया या फिर छह तेरह बीस आ गया इस तरीके से भी कंसेक्यूटिव टर्म्स की हम बात करेंगे एवरेज की हम बात करेंगे ठीक है अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूं एवरेज ये इतनी सी बात आप पहले समझ गए देखो अब मैं क्या बता रहा था कि जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो कल हमने ये तो जाना ही था बेटा कि एवरेज क्या होगा सम बटे नंबर होगा एवरेज क्या होगा सम बटे नंबर ये हमने कल जाना था जोड़ता हूं पांच और चार नौ और तीन बारह और दो चौदह और एक पंद्रह पंद्रह बटे पांच एवरेज आ गया तीन ऐसे निकाल देंगे जोड़ के यही हमने कल सीखा था प्रॉपर्टी के हिसाब से अब मैंने कहा था कि जब हम बेसिक जान लेंगे तो फिर हम शॉर्ट तरीकों की तरफ चलेंगे अब मैंने लिखा एक और लिखा मैंने कि भाई चार छः आठ लिखा मैंने तो आपने कहा कि जी चार छः आठ का अगर एवरेज निकालना है तो अठारह बटे तीन एवरेज कितना आ जाएगा छः आ जाएगा फिर हमने लिखा पांच सात नौ ग्यारह का एवरेज पूछा हमने किसी से तो बच्चे ने कहा ग्यारह और नौ बीस और सात सत्ताईस और पाँच बत्तीस बटे चार एवरेज कितना आ गया आठ ठीक है एवरेज आठ आ गया कोई बड़ी बात नहीं है यहां पे बहुत छोटी सी ही बात है ठीक है अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि क्या आपने ये नोट किया या एक और एग्जाम्पल देख लीजिए पांच बारह पांच और बारह सात होता है उन्नीस का एवरेज कोई पूछ रहा है तो आप कहेंगे जी बारह और पांच सत्रह और उन्नीस कितना होगा अड़तीस सत्रह और उन्नीस छत्तीस होगा छत्तीस तो छत्तीस बटा तीन कितना आ जाएगा बारह तो हमने एक चीज नोट की एक चीज को हमने नोटिस किया कि जो एवरेज है वो बीच वाली संख्या ही है, जैसे कि इसमें बीच वाली संख्या तीन थी तो एवरेज तीन आ गया हमने देखा यहां पे बीच वाली संख्या छह थी तो एवरेज आ गया। हमने देखा कि यहां पे बीच वाली संख्या आपने कहा जी दो है बीच में तो मैंने कहा दो कौन कौन सी हैं तो आपने कहा सात और नौ है तो सात और नौ के बीच में क्या होगा तो आप कहेंगे सात और नौ के बीच में आठ होगा तो ये आठ आ गया आ गया नहीं आ गया आठ हमने देखा यहां पे बीच वाली संख्या क्या है बारह तो एवरेज बारह आ गया यानी मैं ये बताना चाहता था इस स्टार्टिंग की बात से कि जब हम कंसुकेटिव टर्म्स का एवरेज निकालते हैं टर्म्स में कंसुकेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं टर्म्स में कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी हो सकते हैं टर्म्स में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी हो सकते हैं और टर्म्स एक निश्चित डिफरेंस पे भी हो सकती हैं यानी कि समांतर श्रेणी आर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो उस केस में जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगा मान लेते हैं कि बीच में दो संख्याएं तो उन दो संख्याओं के बीच में जो संख्या होगी वो औसत होगा एक तो हमने ये बात नोट की दूसरी हमने क्या बात नोट की कि यार जो पहली और आखिरी संख्या का औसत है वो भी औसत है आप बताइए एक और पांच का एवरेज क्या होगा तो आप कहेंगे एक प्लस पांच बटे दो तीन आ जाएगा ये भी तीन है मैंने कहा दूसरी और चौथी संख्या का औसत क्या होगा आपने कहा तीन होगा यानी एक और बात हमने ये सीखी कि पहली और आखिरी का औसत भी औसत होगा या दूसरी और लास्ट से दूसरी का औसत भी औसत होगा पूरी सीरीज का यानी कि अगर मुझे कोई एपी दे दे मेरी बात समझना, अगर मुझे कोई आर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दे ऐसे मैं इसको मिटा रहा हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको मैं मिटा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई मुझे ये बोलता कि यार एक आर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 12 से शुरू होती है 12 और ऐसे करके शुरू हो रही है 12 19 ऐसे डड डड डस और मान लेते हैं कि मुझे इसका आखिरी पद भी दे दिया कि भाई आखिरी पद ये है कुछ भी दे दिया मुझे आखिरी पद कोई बड़ी बात नहीं है आखिरी पद मुझे मान लेते हैं सिक्सटी एट दे दिया सिक्सटी एट और फिर कह रहा है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का औसत निकालो तो मैं कुछ नहीं करूंगा ना सम निकालूंगा ना कुछ मुझे पता है औसत होगा पहली और आखिरी का औसत यानी कि मुझे यह भी निकालने की जरूरत नहीं है कि टर्म्स कितनी है पहली और आखिरी का औसत मैं निकाल दूंगा कितना आ जाएगा जी चालीस और यही उत्तर हो जाएगा समझ रहे अगर मुझे कोई यह ये दे दे, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया अगर मुझे कोई यह दे दे, मेरी बात समझना कोई मुझे इतनी सी बात दे दे कि जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी ऐसे मुझे दे दिया किसी ने कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी और इसका मीन देखिए आप समझिए मीन और एवरेज एक ही बात है मीन या एवरेज दोनों एक ही बात है अगर हमें मीन दे दे कि यार मीन जो है ना एवरेज वो पचपन है ऐसे दे दिया मुझे पचपन और कह रहा है कि पहली टर्म इसकी फर्स्ट टर्म दस है तो फाइन लास्ट टर्म इतनी सी बात हमसे पूछ ली फाइन लास्ट टर्म तो हम ये जानते हैं कि अगर हमें मीन दे दिया पचपन एवरेज दे दिया तो जो एवरेज होता है वो पहली और आखिरी संख्या का औसत भी एवरेज होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो संख्याओं का औसत पचपन आया है पहली आखिरी का तो उनका सम एक सौ दस होगा कह सकते हैं नहीं और आपको ये कह दिया सवाल में कि जो पहली संख्या है वो दस है तो फिर लास्ट वाली कितनी रह गई सौ क्योंकि दोनों का सम हमें एक सौ दस करना है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जहां पर अगर हम एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएं तो वो सवाल बहुत आसान हो जाते हैं बहुत आसान हो जाते हैं हम ये ना करें कि हमने मीन निकाला और फिर हम मीन से सेकेंड टर्म पता कर रहे हैं या थर्ड टर्म पता कर रहे हैं फिर सार्वंत्र पता कर रहे हैं डी उसकी जरूरत नहीं है खैर कोई बात नहीं इतनी सी बात मैंने जो अभी तक यहां पे समझाई है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि क्या बात है लिख के लेके आया हूं उसको आप नोट करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम सवालों पर चढ़ जाएंगे अब जैसे मैं क्या मैंने क्या ये बातें लिख के बता दी ताकि मेरी उतनी सुंदर राइटिंग नहीं है मैं आपको देख के बता दूं मैंने कहा कि अगर संख्याएं ऑड हैं आपने देखा कि जब पांच संख्याएं थी तभी तो हम बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं मान लेते हैं संख्याएं छह हैं तो बीच में दो संख्याएं आएंगी तो हमने यही कहा है कि अगर संख्याएं ऑड हैं ऑड होने का मतलब पांच संख्याएं हैं सात है नौ है तो हमने लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ एन कंसिक नंबर्स कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें नहीं लिखा हुआ है वो अपनी तरफ से जोड़ लो तो एवरेज क्या होगा ऑलवेज मिडिल नंबर यानी कि संख्याओं की संख्या अगर ऑड है पांच संख्या सात संख्या नौ संख्या ग्यारह संख्याएं तो आप समझ लीजिए कि औसत जो है वो एन लगातार संख्याओं का या लगातार सम संख्या बेसम संख्याओं का हमेशा क्या होगा मध्य वाली संख्या होगी बीच वाली संख्या होगी इस बात को नोट कर लो यानी कि अगर संख्याओं की संख्या इसको एग्जाम्पल के साथ लिखना पांच संख्या सात संख्या नौ संख्या ग्यारह संख्या के केस में क्या होगा औसत मध्य संख्या होगी मिडिल नंबर होगी या ऐसे या, भी लिखना या एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर या एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर यानी कि a प्लस एल बाई टू या फिर क्या होगा a प्लस एल बाई टू भी औसत होगा पहली और आखिरी संख्या का औसत ये पूरी बात आप इसमें लिख लीजिए ठीक है हाँ नहीं वो तो एक से शुरू नहीं हो रही ना फर्स्ट नहीं है शुरू तो कहीं से भी हो सकती है एक से भी शुरू हो सकती है दो से भी शुरू हो सकती है वो तब होगा जब हम फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नंबर की बात करेंगे तब वन प्लस एन बाई टू आएगा वैसे क्यों है मान लेते मैंने संख्या ही शुरू की आठ से आठ दस बारह वो नहीं नहीं आप गलत बता रहे कोई नहीं आप सोचो आगे बढ़ते हैं ठीक है अब क्या होगा देखिए ये अब मैंने कहा कि अगर एन इवन है अगर संख्याएं इवन है जैसे चार संख्याएं छह संख्याएं आठ संख्याएं तो मैंने कहा बीच में कितनी संख्याएं होंगी दो तो हमने लिखा हुआ है कि उस केस में द एवरेज ऑफ एन इवन ऑड ऑलवेज द एवरेज ऑफ द मिडिल टू नंबर यानी अब उन बीच वाली दो संख्याओं का जैसे बहुत सारी संख्या यहां लिखी हुई है बहुत सारी यहां और मान लेते हैं बीच में आठ और दस है तो औसत क्या होगा आठ और दस का औसत या तो आप आठ और दस का औसत निकाल दो या फिर ये देख लो कि आठ और दस के बीच में कौन सी संख्या होगी बात एक ही है तो वो कितनी आ जाएगी नौ यही हमने लिखा है आप यहां पर भी एक बात और लिखेंगे कि इसके अलावा एवरेज और क्या होगा ये वाली बात तो हर जगह लगेगी कि पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होगा पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होगा ये बात यहां भी सत्य है ये बात पीछे भी सत्य थी तो यहां पे ये बात तो बहुत मुश्किल होती है कि आप बीच वाली दो संख्याएं पता कर पाओ ये तो आप पता ही नहीं कर पाओगे ऐसा तो है नहीं कि कभी बीच वाली दो संख्याएं आपको देगा आपको तो पहली आखिरी देगा तो ये वाली बात ज़्यादा वैलिड है कि एवरेज क्या होगा ए प्लस एल वाई टू ठीक है कुछ और एक दो फॉर्मूले बता दूँ फिर डायरेक्ट सवाल पे आ रहे हैं थोड़ा सा इंतजार रखना पड़ेगा देखिए किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है कुछ भी अगर नहीं छोड़ना है मेरा मानना ये होता है कि या तो पढ़ो या रहने दो मतलब कहते हैं ना वो क्या डायलॉग है कि या तो जान लगा दो या जाने दो मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं तो फिर उसमें मजा आए ऐसा ही करें मैं अगर अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप भी उस बेस्ट को समझें और अपने अंदर उतारें कि हम एक एक चीज समझते हुए चलेंगे मान लेते हैं कि बहुत बच्चों को वो बातें पता होंगी तो उछलने की जरूरत नहीं है कई बार क्या होता है मैं देखता हूं आप शादियों में भी देखते होंगे आपके दोस्त की शादी आप गए हुए हैं शादी के फेरों पर आप बैठे हुए हैं तो आप ज्ञान छिटकने लगते हैं क्योंकि आपके फेरे हो चुके हैं तो अगले अरे ये तो ऐसे होगा चावल पड़ेंगे पंडित जी ये अरे ऐसे चल दुल्हन आगे चलेगी अरे पता है आपकी हो गई है आप भुगत रहे हो बट दूसरे वाले को एंजॉय करने दो जो नया है उस फील्ड में तो ये चीजें रहेंगी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता हम भी जब क्लास में पढ़ते थे तो ऐसे ही करते थे छोटी छोटी सी बातें बता देता हूं ये मैं क्यों बता रहा हूँ द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कंसिक्यूटिव नंबर तो ये आपको पता होना चाहिए कि सम क्या होता है अगर हम सम की बात करें एक प्लस दो प्लस तीन और ऐसे ऐसे चल रहे हैं एन तक तो सम क्या होता है हाफ एन और एन प्लस वन होता है होता है नहीं होता सम ये होता है अब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिख दिया इन्होंने तो अगर हम इवन ना लिखते अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो कई लोग क्या कहेंगे यार एवरेज एन संख्याओं का है तो एन से भाग करेंगे वन बाई टू एन प्लस वन आ जाएगा मैं कह रहा हूं कि आपको इस फॉर्मूले की भी कहां जरूरत है मैंने तो अभी आपको बताया ना कि अगर संख्या एक से शुरू हो रही है और एन तक जा रही है तो औसत निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है पहली और आखिरी का औसत निकाल दो तो बात खत्म यही हमने सिखाया कि आप पहली और आखिरी का औसत निकाल दो अब आपने कहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नंबर इसका मतलब है संख्या दो से शुरू होगी और लास्ट में होगी तो जब आप इनका औसत निकालोगे और दो से भाग करोगे तो ये क्या आ जाएगा एन प्लस वन ही आ जाएगा तो मैं कह रहा हूं इन बातों को याद ना रखें अगर सिर्फ समझ लिया जाए तो बेहतर है ठीक है ये तो बस हमने इसलिए लिखा दी कि आपकी कॉपी की शोभा बढ़ाए बट समझ के करना ज्यादा आसान है इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कुछ ये जरूरत पड़ेगी आज की क्लास में भले ही जरूरत ना पड़े बट मैं फिर भी लिखा देता हूं कि कल को अगर जरूरत पड़े तो आप समझ पाए कि ये स्क्वायर का सम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए वन बाई सिक्स एन एन प्लस वन और टू एन प्लस वन जल्दी से लिख लीजिए इसमें कुछ ही सेकंड खराब करेंगे बहुत बच्चे नए होंगे जिनको ये सम भी नहीं पता बेचारों को पहली बार एसएससी की दुनिया में आए हैं कभी गणित की किताब खोली नहीं बचपन से उसी को निहारते रहे उसी के बालों की खुशबू सूंघते रहे वो जब भी बाल झाड़ती थी तो बालकोनी से जो भी पानी गिरता था उसको पीते रहे देखिए ठीक है तो अब हम डायरेक्ट सवालों पे चल रहे हैं ठीक है डायरेक्ट सवालों पे चल रहे हैं। जो मैंने अभी तक आपको बताया उसको अप्लाई कैसे करना है जो लोग अभी जुड़े हैं जस्ट मैं उनको बता दूं मैंने क्या बताया आज की क्लास का टाइटल है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं कंसेक्यूटिव नंबर एक दो तीन चार पांच छह कंसेक्यूटिव इवन नंबर दो चार छह आठ दस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर एक तीन पांच सात नौ ग्यारह कंसेक्यूटिव आर्थमैटिक प्रोग्रेशन जैसे पाँच दस पंद्रह या फिर छः बारह अठारह या फिर छः तेरह उन्नीस जो इक्वल गैप पर है मैंने कहा कि जब भी इस तरीके की कंसेक्यूटिव बात होगी तो जो एवरेज होगा वो या तो मिडिल नंबर होगा या एवरेज पहली और आखिरी संख्या का औसत औसत होगा इतनी सी बात हमने बताई कि या तो औसत पहली और आखिरी संख्या का औसत होगा या बीच वाली संख्या होगी अगर बीच में दो संख्याएं आ रही हैं तो उनके बीच की संख्या औसत होगी इतनी सी बात हमने बताई अब हम सीधे सवालों पर चल रहे हैं ठीक है दोस्त अब आएगा मजा अब जो भी बच्चा सवाल बताएगा उसका नाम भी नाम सिर्फ उन्हीं बच्चों का लिया जाएगा जो फटाफट से सवाल बताएंगे इनाम भी उन्हीं बच्चों को मिलेगा असाइनमेंट में जिनकी पूरे वीक की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ठीक है ऐसा नहीं है कि किसी को भी इनाम मिल जाएगा अगर 100-200 का पेटीएम भी किसी बच्चे को बर्गर खाने के लिए मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा ध्यान रखना पहला सवाल बहुत आसान पूछा है मैंने बट ऐसा नहीं है सारे सवाल ऐसे हैं बहुत अच्छे अच्छे से सवाल मैं लेके आया हूं अगर कोई भी बच्चा कुछ कमेंट करना चाहता है कुछ पूछना चाहता है कहना चाहता है तो वो कह सकता है जान सकता है देखिए हमने क्या दिया सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा जो सवाल आसान है कि आठ लगातार विषम संख्याओं का औसत बासठ है आठ लगातार तो देखिए मैं समझ गया कि भाई आठ है संख्या एक दो तीन चार अब मुझे पता है चार इधर होंगी चार ठीक है बहुत छोटा सा सवाल है तो मैंने कहा कि औसत जो है वो बासठ है आपको भी पता है कि यार जो औसत होगा ना अब इवन नंबर है इवन मतलब समझ रहे हो मतलब आठ संख्याएं तो औसत बीच में नहीं हो सकता दो बीच में संख्याएं पड़ रही हैं उनके बीच में होगा और वो बासठ है सिक्सटी टू है तो मैं समझ गया कि ये सिक्सटी टू किसके किसके बीच में आएगा तो आप कहेंगे इकसठ और तिरसठ के बीच में आएगा इकसठ और तिरसठ यानी सिक्सटी वन और सिक्सटी थ्री के बीच में सिक्सटी टू आता है बड़ी संख्या पूछ रहा है अगली संख्या सिक्सटी फाइव अगली संख्या सिक्सटी सेवन अगली संख्या सिक्सटी नाइन तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई सिक्सटी नाइन आ गई यही इस सवाल का उत्तर है कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना जहां ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी कि आप ये गोल गोल बॉक्स भी ना बनाने पड़े तो मैं थोड़ा सा लेवल उठने के बाद वो बात बताना चाहता हूं अभी अगर डायरेक्ट बताऊंगा पहली आखिरी का ये अंतर वो अंतर तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाएगा उसको परेशानी हो जाएगी इसीलिए अभी नहीं बता रहा अभी आठ लगातार विषम संख्याएं थी औसत दो संख्याओं के बीच में होगा तो मैंने निकाल दिया ये सिक्सटी ये सिक्सटी और सिक्सटी के बीच में होगा ये सिक्सटी थ्री ये छोटी पूछ ता, तो पीछे की तरफ चलता उनसठ सत्तावन पचपन आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे ज्यादा समय नहीं लगाते क्योंकि हमें सवाल ज्यादा करने हैं ये आप देखो बड़ा प्यारा सा सवाल है छोटा सा ही सवाल है अब एक बात बताओ तुम्हें इसने क्या है कि पांच ऑब्जर्वेशन किए हमें बताया नहीं कि इवन या ऑड है बट मैं तो यहां से देख पा रहा हूं गुरु कि ये इवन या ऑड है भाई अगर दो दो के गैप पे संख्याएं हैं तो या तो इवन है या ऑड है समझ रहे तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे क्या कि जो औसत होगा वो एक दो तीन चार पांच संख्याएं तो औसत ये बीच वाली संख्या होगी भाई होगी या नहीं और सवाल में कह रहा है कि औसत ग्यारह है तो मैंने कहा अगर ये औसत में बीच वाली संख्या होता है पांच थी, थी।, हो, हो, थी। है, तीसरा औसत है औसत ग्यारह है अब x प्लस चार ग्यारह कब होगा जब x सात होगा तो इसने कहा अंतिम तीन अवलोकन का औसत बताओ यानी कि यह कह रहा है इसका मैं एक मिनट कलम चेंज करता हूं यह कह रहा है इसका 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 औसत बताओ तो मैंने भैया यही कहा कि इसका औसत ये बीच वाली संख्या होगी जो इससे दो ज्यादा है तो आप ये एक साथ ना भी निकालो आपको पता है कि इनका दो दो का गैप है इनका दो दो का गैप है तो अगर ये ग्यारह है औसत तो ये तेरह होगा और यही उत्तर है आप चाहो तो यहां पे एक्स की जगह सात डाल दो वरना जरूरत नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये संख्या एक्स ये एक्स प्लस टू ये एक्स प्लस चार ये एक्स प्लस छह ये एक्स प्लस आठ आपको पता है कि पहले औसत ये है अब नया औसत ये है दो दो का गैप है अगर ये ग्यारह है तो ये तेरह है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बट कई बार ऐसे सवाल दिखा देता है आपको इस सवाल में यह भी कह सकता था मेरी बात सुनो कि जो ये दो दो का गैप है ना ये तीन तीन का भी रख सकता था चार चार का भी रख सकता था तो होगा क्या कि मान लेते हैं ये तीन तीन का गैप होता तो हम कह देते कि अगर इसका औसत ग्यारह है तो इसका ग्यारह प्लस तीन चौदह होगा अभी दो का गैप था तो औसत दो बढ़ गया तीन का होता औसत तीन बढ़ जाता सिंपल सी बात थी भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये देखिए ये मुझे बड़ा प्यारा लगा सवाल मतलब बेवकूफ सा बना है सा है। रहा है ये सवाल ना बड़ा अजीब सा सवाल है ये कह रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट इलेवन मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज फाउंड किसी भी नंबर के पहले ग्यारह मल्टीपल का औसत पूछा गया है पूछा गया है ठीक है अब हुआ क्या है कि वन ऑफ द नंबर इज रिमूव पहले नंबर को हटा दिया गया वाट इज द रेंज ओवर विच द एवरेज कैन स्विंग विद द विदेक्ट टू द इनिशियल एवरेज पहली संख्या को छोड़कर अब औसत क्या होगा ये पूछ रहा है कौन बच्चा बताएगा मतलब औसत कितने परसेंट कम होगा कितने परसेंट बढ़ जाएगा ये बताना है स्विंग का मतलब यहां ग्लेन मैग्रा थेम का स्विंग नहीं है स्विंग मतलब चेंज कितना हुआ है कितने परसेंट चेंज हुआ है अच्छा एक बात मुझे बताओ सुनना मेरी बात किसी संख्या के पहले ग्यारह मल्टीपल किसी भी संख्या के पहले ग्यारह मल्टीपल मैं तो कहता हूं कि जब किसी भी संख्या के हैं तो एक के ही ले सकते हैं हम तो एक के ही ले सकते हैं हमने कहा भैया आप ये कह रहे हो कि एक से लेकर के आपने ग्यारह तक लिए मल्टीपल पहले ग्यारह मल्टीपल तो मैंने एक के ही ले लिए ठीक है भाई तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई कि औसत क्या होगा एवरेज तो आप कहोगे जी एवरेज होगा एक प्लस ग्यारह बटे दो बराबर छह होगा यह कह सकते हो नहीं यही कह सकते हो अब इन्होंने कहा कि इन संख्याओं में से इफ वन ऑफ द नंबर इज रिमूव अगर इनमें से एक संख्या को रिमूव कर दिया जाए एक संख्या इफ वन ऑफ द नंबर इज रिमूव्ड अब इन्होंने यह दिया नहीं कि कहां से रिमूव करें बट आप लिख लो चाहे तो कि वन नंबर फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द लास्ट मतलब आप एक मल्टीपल कम ले रहे हो बेसिकली इसका जो इंटेंशन है कहने का वो ये है कि अगर आप एक मल्टीपल कम ले रहे हो मतलब ग्यारह मल्टीपल ना लेके दस ले रहे हो इसका मतलब क्या है कि अब आप एक से कहां तक जाओगे दस तक अब औसत कितना होगा एक प्लस दस बटा दो यानी कि फाइव पॉइंट फाइव होगा ये होगा मैंने देखा कि औसत छ से कितना हो गया फाइव पॉइंट फाइव कितने की कमी आई पॉइंट पांच बटे इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक बटे बारह कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसको एक बटे बारह भी नहीं लिख पा रहे होंगे अरे भाई पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ेगी पांच से भाग करोगे बारह हो जाएगा बारह में पंजे साठ अगर बारह पे एक औसत का चेंज है तो सौ पे कितने का होगा गुणा सौ परसेंट पूछा है एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट अगर पहले ग्यारह मल्टीपल निकाल रहे थे तो एक से लेके ग्यारह तक मैंने लिया औसत छह आ गया देखिये अगर आप यहां पर दो का मल्टीपल भी लेते यहाँ पे आप दो से शुरू करते और 22 लेते तो भी क्या होता कि आप ऊपर वाले को दो से गुणा करते तो नीचे वाला भी दो से गुणा होता तो फिर जब परसेंट निकालते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका उस बात से इसीलिए मैंने कहा कि अगर दो का लेते तो यहाँ 12 आता यहाँ 11 आता 12 से 11 हो जाना मतलब एक कम हो जाना बारह पे तो भी एक बटा आता बात वही है इसने कुछ नहीं कहा था इसने कहा था कि मैं पहले 11 मल्टीपल ले रहा था अब मैंने एक कम कर दिया तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा इतनी सी बात थी खैर कोई बात नहीं हम आगे बढ़ते हैं दोबारा देखेंगे समझेंगे मेरी एक एक बात को सुनेंगे कई बार क्या होता है कि बातें मिस हो जाती हैं नहीं समझ आ पाती हैं ये देखिए आप ये बड़ा प्यारा सा और छोटा सा सवाल है बहुत टुच्चा सा सवाल है देखिए भाई यदि सतानवे लगातार संख्याओं का औसत बयासी है तो मैं ये जानता हूं कि जो एवरेज होता है वो पहली और आखिरी संख्या का औसत भी औसत होता है यानी एवरेज बराबर ए प्लस एल बाई टू आपको पता है कि एवरेज कितना दिया हुआ है 82 दिया हुआ है एवरेज कितना दिया हुआ है 82। तो फिर ए प्लस एल कितना आएगा तो आप कहेंगे जी दो से गुणा कर लेते हैं दो दूनी चार दो अट्ठे सोलह बस कुछ नहीं करना होता जब भी कभी पहली और आखिरी का सम पूछे तो जो एवरेज दिया हुआ है बेटा उसको दो से गुणा कर लेना इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि वो कितनी संख्याओं का औसत है कोई मतलब इस बात से नहीं है हमें मतलब यहाँ सिर्फ औसत से है कि औसत पहली और आखिरी संख्या का औसत भी औसत होता है तो 82 पहली और आखिरी संख्या का औसत है तो पहली आखिरी संख्या का जोड़ क्या होगा 164 किसी को डाउट है तो बता दो भाई किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दो क्लास लंबी चलेगी कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ते हैं। नौ ये सवाल देखिए ये देखिए हमें बताना पड़ेगा आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा फिर अभी और भी हमें करारे करारे सवाल करने हैं मजा नहीं आएगा अगर नहीं करेंगे करारे सवाल तो देखिए सवाल कह रहा है दोस्त कि इफ द एवरेज ऑफ सेवन कंसेक्यूटिव इवन नंबर इच 84, फोर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर यदि सात लगातार सम संख्याओं का औसत चौरासी है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा देखिए होता क्या है मैं आपसे पूछूं। मैंने संख्याएं लिखी दो चार सिर्फ इतनी लिखी मैंने दो चार दो संख्याएं तो मैं आपसे कहूंगा इनका गैप कितना है तो आप कहेंगे सिर्फ दो तो. मैंने कहा बेटा अगर यहां पे बहुत ध्यान से कि जब हम गैप निकाल रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके बीच में कितने गैप आएंगे अगर मैं दो और चार की बात कर रहा था जब केवल दो संख्याएं थी तो गैप एक था बस एक और वही एक गैप दो के बराबर हो गया था अगर दो संख्याएं थी तो गैप दो थे एक रहा और एक रहा जब तीन संख्याएं थी तो गैप दो थे जब चार संख्याएं थी तो गैप तीन थे यानी मैं अगर पांच संख्याएं लिख दूं दो चार छ आठ दस अब आपसे पूछ रहा हूं गैप कितने है? तो आपका जवाब होगा जी अब गैप चार है एक दो तीन चार आपको यह भी पता है कि हर गैप दो दो के बराबर है अगर इवन या ऑड नंबर है तो चार गैप हैं तो गैप कितना हो गया पहले आखिरी का आठ हो गया यानी जितने नंबर होते हैं गैप उससे एक कम होता है और जब भी इवन या ऑड नंबर की बात करेगा एक गैप दो के बराबर होगा अगर केवल कंसेक्यूटिव नंबर की बात करेगा तो एक गैप एक के बराबर होगा ये बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही बेटा बोलो तो मैंने इतनी सी बात कही कि यहां पे टोटल नंबर कितने हैं तो आपका जवाब होगा नंबर है सात मैं पूछूंगा बेटा गैप कितने हैं तो आप कहेंगे जी गैप है छह क्योंकि गैप एक कम होगा मैं कहूंगा संख्याएं इवन है तो एक गैप कितने के बराबर होगा आप कहेंगे दो के तो पहली और आखिरी का अंतर कितना आ जाएगा बारह तो यही चीज आपको समझनी थी कि अगर जितनी संख्याएं इस औसत से सवाल में कोई मतलब नहीं है कई बच्चे क्या करते हैं कि सात संख्याएं बनाने लग जाएंगे मैं चाहता हूं आप मौखिक कर पाए कि अगर सात संख्याएं हैं तो एक गैप दो के बराबर होगा छह गैप छह दूनी बारह के बराबर होंगे बात खत्म हो गई बात समझ गया नहीं अगर यहां पर आठ संख्याएं होती तो गैप कितने होते सात एक गैप कितने के बराबर होता दो के तो सात दूनी चौदह उत्तर आ जाता मैं ऐसा एक अच्छा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं थोड़ा मुश्किल है समझना पड़ेगा एस में कई बार आ चुका है यह सवाल जो अभी पूछने जा रहा हूं अगर आप समझ गए तो इस सवाल को मौखिक कर पाएंगे और देखते ही उत्तर बता पाएंगे और नहीं समझे तो पेपर में करते रह जाएंगे आपसे उत्तर नहीं होगा ठीक है आप देखेंगे नौ हो गया दसवां सवाल है देखिए यह सवाल कई बार एसएससी में आया कई बार आपने देखा होगा पहले सवाल पढ़िए फिर मैं समझाता हूं कि ऐसा कब होता है फिर आपको सिखाता हूं कि जब ऐसा सवाल आएगा तो आप डायरेक्ट कैसे उत्तर निकाल पाएंगे ठीक है भाई द वेट ऑफ एट नंबर्स द वेट ऑफ एट नंबर्स आउट ऑफ नाइनटीन इज मेजर्ड इन सिक्वेंस ये कह रहा है एंड द एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर द मेजरिंग ऑफ वेट ऑफ ईच मेंबर देन ईच टाइम द एवरेज वेट इज इंक्रीज बाई वन के जी the द डिफरेंस weight वेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर में से 8 व्यक्तियों का वजन क्रम से नापा गया तो पहली बात तो जब आपने 8 का नापा है तो मुझे इस 19 से कोई मतलब ही नहीं रहा जब आपने वजन ही 8 का नापा है तो और प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला तो पाया कि हर बार औसत वजन में एक की वृद्धि हुई है तो पहले और अंतिम व्यक्ति जिसका हमने वजन तोला है कि वजन का अंतर क्या है यह आपसे पूछ रहा है देखिए जो बच्चे डायरेक्ट बता देंगे जो बच्चे डायरेक्ट कर पाएंगे वो तुरंत समझ अगर गए होंगे तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा सात दो चौदह मैं आपको बताता हूं कैसे आपने सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ध्यान से समझना होगा थोड़ा छोटा कर दिया मैंने ठीक है देखो आप एक बात बताओ आप कुछ भी मान लो आप ए मान लो मैंने माना मैंने सिर्फ आपको मान के बताया कि बेटा पहले बंदे का वजन मान लेते हैं ग्यारह है। मैंने ऐसे मान लिया समझाने के लिए मुझे आपको मानना पड़ेगा मैंने कहा कि पहले व्यक्ति का वजन ग्यारह है तो आपने कहा कि अगर पहले व्यक्ति का वजन ग्यारह है तो फिर मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ औसत कितना होगा एवरेज कितना होगा तो आपने कहा जी एवरेज भी ग्यारह है मैंने पूछा पहले व्यक्ति का वजन कितना है ग्यारह तो एवरेज भी ग्यारह भाई एक आदमी का अब मैंने कहा बेटा एवरेज हर बार एक बढ़ जा रहा है आपने कहा हाँ जी बढ़ जा रहा है नेक्स्ट एवरेज जो होगा नेक्स्ट एवरेज जो होगा वो बारह होना चाहिए आप ही मुझे बताओ कि अगर नेक्स्ट एवरेज बारह है एक बढ़ना चाहिए भाई यही तो बोला है सवाल में ना कि तो मैं क्या लूं मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको इतना समझ आ गया कि अगर दो बंदों का एवरेज बारह है तो उनका सम बारह दूनी चौबीस होगा और पहला अगर बंदा ग्यारह का है तो उससे अगला तेरह आएगा तभी ग्यारह और तेरह चौबीस होगा अगर ये बात नहीं भी समझ आई तो ऐसे समझो कि एक बंदे का ग्यारह है मुझे एवरेज लेके आना है बीच में बारह तो फिर अगले का तेरह होगा तभी एवरेज बीच में आ सकता है नहीं बताओ तभी आ सकता है और कोई चारा नहीं है कि भाई अगर आप चाहते हो कि पहले एवरेज ग्यारह था और अब बारह आ जाए तो अगला बंदा तेरह का होना चाहिए अब आप नेक्स्ट एवरेज क्या चाहते हो आप कहोगे जी मैं तो यही चाहता हूं हर बार एवरेज एक बढ़ जाए मैं तेरह चाहता हूं नेक्स्ट एवरेज अगर आप नेक्स्ट एवरेज तेरह चाह रहे हो ये पहली संख्या है ये बीच वाली अगर आप इसे बनाना चाह रहे हो तो अगला पंद्रह होना चाहिए तभी तो ग्यारह तेरह पंद्रह में बीच वाली संख्या औसत होगी तेरे होगी या नहीं होगी यानी हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि हर बार एवरेज एक एक बढ़े उसके लिए हर बार ये दो बढ़े देखो यही चाह रहे हो नहीं यानी कि या तो वो ऑर्ड नंबर की सीरीज में एवरेज हो या फिर अगर मैंने दस माना होता सोचो तो एवरेज दस होता फिर मैं कहता कि ग्यारह आए एवरेज तो आप कहते अगले का बारह होना चाहिए फिर मैं कहता कि बारह आए अब एवरेज तो आप कहते अगले का चौदह होना चाहिए यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि जब भी कभी सवाल में ये दिया जाएगा कि व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन हर बार एक ज़्यादा आया तो वो तभी आ सकता है जब इन बंदों का जो हमने वजन ना पाए वो इवन या ऑट की सीरीज हो वो या तो इवन हो या ऑड कंसेक्यूटिव नंबर हो आपके सामने है अगर आप ए भी मानते ना तो भी आपको ये बात पता लग जाती अगर आप ए मानते तो भी कि भाई एवरेज एक अब इसको याद कर लीजिए जिन लोगों को नहीं भी समझ आया पेपर में नंबर लेके आने समझने से कुछ नहीं होना कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपका ही सवाल नहीं होगा आपको ये बात याद रख लेनी है कि जब भी एवरेज अगर एक ज्यादा आ रहा है तो वो तभी आ सकता है जब उनका जो वजन है वो या तो इवन सिक्वेंस में है कंसेक्यूटिव या वो कंसेक्यूटिव ऑट सिक्वेंस में आप लिख लो इसका एक बार स्क्रीन लो फिर मैं इसको मिटा रहा हूं इसका स्क्रीन लो ठीक है अब मैंने कहा कि जब मुझे ये बात पता लग गई मैंने जैसे ही ये सवाल देखा तो मुझे ये बात पता लग गई कि भाई ऐसा तभी होता है अब आठ बंदे हैं मेरे पास कितने बंदे हैं आठ नंबर कितना है आठ ठीक है आपको मालूम है कि गैप कितने बनेंगे आठ बंदों के तो आपने अभी पीछे पढ़ा था गैप एक कम बनेगा सात अब आपको पता है कि अगर गैप सात बनेंगे और हम जानते हैं कि सीरीज या तो इवन है या ऑड तो हर गैप कितने के बराबर होगा तो आप कहेंगे दो के बराबर होगा तो सात दूनी चौदह यानी कि पहले और आखिरी बंदे के वजन का अंतर चौदह होगा अगर इसी सवाल में मैंने दस बंदों को तोला होता तो उनका पहले और आखिरी का अंतर नौ दूनी अठारह आ गया होता अगर मैंने उन्नीस के उन्नीस बंदों को तोला होता तो अठारह गुणा दो बराबर छत्तीस पहले और आखिरी का अंतर आ गया होता पहले और आखिरी का अंतर निकालना हमने सीखा कि भाई जितनी संख्याएं गैप उससे एक कम होगा और एक गैप इवन या ऑर्डर तो दो के बराबर होगा यहाँ पे हमें पता चला कि अगर एवरेज हर बार एक ज़्यादा हो रहा है इस बात का सीधा मतलब है कि इवन या ऑर्ड कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है तो पहले और आखिरी का अंतर निकालने के लिए क्या किया आठ बंदों का वजन तोला था तो गैप हो गए सात एक गैप दो के बराबर चौदह उत्तर आ गया मैं इस क्लास को बहुत ही ज्यादा एकदम क्लियर रखना चाहता हूं गंदगी नहीं रखना चाहता ताकि बच्चे बाद में भी देखें उनको टू एक्स पे ना देखनी पड़े ज्यादा मैं इस क्लास में बात नहीं कर रहा इसीलिए आपसे ज्यादा आपके कमेंट नहीं ले रहा भले ही कमेंट पढ़ रहा हूं कौन बच्चा क्या कर रहा है ठीक है क्योंकि मैं पढ़ाई का एक अलग माहौल यूट्यूब पे बनाना चाहता हूं यही मेरा प्रण है खुद से कि बच्चों को ये ना लगे कि यूट्यूब जो है पढ़ाई का माध्यम नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है और मैं इस बात को सत्य करके दिखाऊंगा आप ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है कुछ है नहीं सवाल के अंदर बट प्यारा है क्या है सवाल द एवरेज ऑफ फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर एंड द फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से चौदह पॉइंट पांच इफ द एवरेज ऑफ द गिविन फोर ऑड नंबर से चौदह और फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवेन फोर इवन नंबर देखिए चार चार की बात कर रहे हैं ना ये ऑड है ये ऑड नंबर है ये इवन नंबर है इन दोनों का एवरेज कितना दे रखा है सवाल में चौदह पॉइंट पांच दे रखा है ऊपर दिया हुआ है ना दोनों का ही चार चार ही नंबर है ऑड वालों का चौदह दे रखा है अब आप ही बताओ अगर इन दोनों का चौदह पॉइंट पांच है ऑड का चौदह तो इवन कितना होगा अरे कोरिया का बच्चा भी बता देगा पंद्रह होगा क्योंकि पंद्रह और चौदह का एवरेज ही चौदह पॉइंट पांच होगा क्योंकि नंबर्स इक्वल हैं वो भी चार हैं ये भी चार हैं तो अगर ये अलग अलग होते तो हमें सम निकालना पड़ता बट अभी हमें कुछ नहीं करना पड़ता आपसे क्या ये पूछ रहा है आपसे पूछ रहे, आप रहे भैया बताओ आपको ऑड प्लस इवन बटा दो दे रखा है ये आपको दे रखा है दो ये चौदह पॉइंट पाँच है हमने कहा अगर ये चौदह है तो ये पंद्रह होगा तभी ऐसा हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता बहुत लल्लू सा सवाल था बट ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है इसीलिए मैंने पूछा है एज इट इज मैंने दिया कि ऐसा सवाल कोई भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है ठीक है किसी बच्चे को अगर डाउट है तो वो हमसे कह सकता है पूछ सकता है इज इट क्लियर तो आप कहेंगे हां जी बिल्कुल क्लियर है कोई डाउट हमें नहीं है मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दूं ये सुबह चलता रहे एक बैच और शाम में दो दो तीन तीन क्लास लेकर के जो अभी मेंस का पेपर हुआ है सीएचएसएल का हुआ है उनके सॉल्यूशन बता दूं ताकि आप देख पाए कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है बट उनको भी बहुत अच्छे अंदाज में बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में ऐसे नहीं कि बस हाँ उठाया और सवाल करा दिया हर एक बच्चे को फायदा मिले उस क्लास को ये सवाल मुझे इतने प्यारे लगते हैं आप शायद उतना प्यारा सोल्यूशन ना कर पाए एक बार आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। the sum of three consecutive even numbers each, 28 मोर देन ऑफ दीज नंबर ठीक है देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज थ्री नंबर इज तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए कौन बताएगा मुझे बहुत प्यारा लगता है यह सवाल बहुत ज्यादा प्यारा मैं नहीं बता सकता इस सवाल की प्यारानेस क्या है क्यूटनेस क्या है इस सवाल की आपको जो भी पीडीएफ पेपर्स कुछ भी चाहिए होंगे सब कुछ गणित के लेवल पे आपको दिया जाएगा आपको एकदम परेशान नहीं होना मेरे दोस्त अगर आपने पढ़ा है तो भरोसा करके बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना ठीक है। देखिए भाई अब तीन क्रमांगत संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से देखिए एक बात बताइए, मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर मैं तीन संख्याएं देखना आपको बड़ा मजा आएगा अरे यार मजा आ गया एकदम एक बात छोटी सी मुझे बताओ बस छोटी सी ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं पूछ रहा कि सम क्या होता है तो आप कहेंगे सम तो बड़ा सिंपल सा है एवरेज और जितनी संख्याओं का निकाला है गुणाती यही होता है यही होता है नहीं होता हमने कहा कि भैया तीन संख्याओं का आप एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज क्या होता है एवरेज कल हमने डेफिनेशन में यही जाना ना कि जितनी उन संख्याओं का और जितनी संख्या बटे तीन यानी मैं यह कह सकता हूं कि अगर किसी संख्या का औसत एक है तीन संख्याओं का तो भैया सम तीन होगा बोलो कह सकता हूं मैं नहीं ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर तीन संख्याओं का औसत एक है तो सम तीन होगा तीन गुना होगा तीन संख्या तो आप ही बता दीजिए कि सम जो है वो औसत से कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे दो और इस दो की वैल्यू सवाल में अट्ठाईस दे रखिये गुरु दे रखिए नहीं अगर इस दो की वैल्यू अट्ठाईस है तो इस एक जो औसत है कि क्या आ जाएगी तो आप कहेंगे इसकी चौदह आ जाएगी भाई मैंने औसत एक माना मैंने कहा औसत एक है तो आपने कहा तीन होगा अब तीन एक से कितना ज्यादा है दो और उस दो की वैल्यू अट्ठाईस है तो एक की कितनी आ गई चौदह अगर इस सवाल में औसत पूछता तो चौदह होता बट छोटी संख्या पूछी है तो इवन है दो कम होगी बारह उत्तर ऐसा मत करने लगना ए ए प्लस टू ए प्लस फोर नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं कतई नहीं नो नहीं, नहीं, नहीं ना ठीक नो नहीं, नहीं ना बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ गौरव कुमार वर्मा जुड़े हुए हैं कनाडा से गौरव बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तरीके से जुड़ने के लिए हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और भगवान आपको बहुत ऊपर लेके जाए और हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं मैं समझता हूं कि बच्चे भी इसका पूरा फायदा ले पाए सवाल को एक बार और वीडियो में देख लेना ठीक है दोस्त अगले सवाल पे चल रहे हैं ये हो गया एक बार ये बात याद रखनी है ना अब की बार तेरह है दो बार ना आए सवाल यह सवाल देखिए बताइए कोई सवाल है है कह रहा है कि सम ऑफ फोर नंबर इज थर्टी एट चार लगातार संख्याओं का सम अड़तीस है व्हाट इज द मीन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द फोर नंबर पहली और आखिरी का औसत बताओ अरे यार दुनिया जानती है कि पहली और आखिरी का औसत ही औसत होता है होता ही नहीं होता अगर ओवरऑल औसत पता चल जाए तो वही पहली और आखिरी का होगा मैं जानता हूं कि समग्र अड़तीस है चार संख्याओं का तो उनका औसत क्या होगा अड़तीस बटे चार यानी उन्नीस बटे दो दस पॉइंट पांच दस पॉइंट पांच होगा नौ पॉइंट पांच इसने क्या किया हमें चार संख्याओं का सम दे दिया तो हमने झट से उन चार संख्याओं का औसत निकाल लिया फिर हमने देखा पहली और आखिरी का औसत पूछ रहा है हमने कहा पहली और आखिरी का औसत भी तो कंसेक्यूटिव में औसत ही होता है जो औसत होता है वही पहली और आखिरी का औसत होता है तो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा था हम नहीं घूमे हमने इसी घुमा दिया बात क्लियर है ऐसा सवाल कल को ऐसा भी आ सकता था कि दस लगातार संख्याएं हैं उनका सम जो है वो नाइनटी एट है तो पहली और आ� संख्या का औसत बताओ तो हम निकाल देते 9.8 ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस सवाल में हमने हिंदी को ब्लैक रखा है कई बार हिंदी डिस्ट्रैक्ट करती है माइंड को तो हमने इसको ब्लैक कर दिया आपको दिख नहीं रही होगी मैं पढ़ के सुना देता हूं सवाल बहुत शानदार है बहुत सुंदर है पहले इंग्लिश पढ़ रहा हूं फिर हिंदी पढ़ दूंगा द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज चार लगातार संख्याओं का सम तीस है मोर देन तीस मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर वाट इज द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर यह कह रहा है चार लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से तीस अधिक है तो इन नंबरों में से पहला क्या है वाह बेटा चार संख्याएं देखो एक दो तीन चार ये क्या है एक दो तीन चार क्लियर है बात ठीक है क्लियर है आप मुझे एक बात बता दो छोटी सी बहुत छोटी सी बात बता दो कि जो औसत होगा वो इन दोनों के बीच में होगा प्लस बाबू ठीक बोल रहे होगा या नहीं होगा मैंने कहा कि मान लेते हैं वो औसत एक है बेटा औसत एक है चार संख्याओं का औसत एक माना तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सम कितना होगा फिर चार का आप कहेंगे चार भाई अगर औसत जितना भी है भाई औसत क्या होता है अरे यार औसत बराबर होता है सम बटे चार चार है तो तो सम कितना होगा चार गुणा एवरेज होगा या नहीं होगा ये बताओ मुझे तो मैंने यही कहा कि अगर मैंने एवरेज एक मान लिया तो सम चार होगा अब आप ही बता दीजिए सम एवरेज से कितना ज्यादा है तीन ज्यादा है कि नहीं और तीन की वैल्यू सवाल में कितनी है तीस अगर तीन की वैल्यू तीस है देखिए अभी आपने पिछला भी सवाल करा था बट वो आसान क्यों पड़ गया था क्योंकि उसमें चार संख्या नहीं थी तीन थी तो औसत डायरेक्ट निकल गया था अब की बार ये निकल के आई कि भैया औसत तो पता चल गया दस है। अगर औसत दस है तो किस किस के बीच में होगा ग्यारह और नौ के बीच में होगा तो पहली संख्या क्या होगी सात ये उत्तर अच्छा सवाल था बहुत प्यारा सवाल था ऐसे सवाल पेपर में आएंगे छोटे छोटे क्यूट क्यूट जहां पे आपको मजा आएगा सवाल करने में मैं फिर से समझाता हूं इसने कहा कि द सम ऑफ फोर कंज वार्ड नंबर मोर एवरेज हमने एवरेज को एक ले लिया तो सम चार आ गया क्योंकि चार संख्याएं एवरेज गुणा चार सम आ गया अब चार और एक का अंतर तीन है सवाल में वही तीस है तीन अगर तीस है तो एक दस हो गया एवरेज दस आ गया हम जानते हैं कि चार लगातार संख्याओं में एवरेज बीच वाली दो संख्याओं के भी बीच का होगा आजकल तो सब बीच के हैं कोई ना इधर रहना चाहता है ना उधर बीजेपी भी चाहिए कांग्रेस भी चाहिए एक की वैल्यू दस आ गई दस किस किस के बीच में होता है नौ और ग्यारह के बीच में होता है तो अगर ये ग्यारह ये नौ तो पहली संख्या सात पूछी थी आखिरी पूछता तो कितनी आ जाती तेरह पूछी नहीं थी और भी कुछ पूछता तो निकाल देते कोई बड़ी बात नहीं थी बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर आगे बढ़ते हैं इसी बात पर अगला सवाल ले रहे हैं खूबसूरत कोई और एक नगमा एक प्यार का नगमा है मौजों की रवा। ये देखिए सवाल तो आपको लगेगा कि यार है सवाल में जान ये मैं कह रहा था कि सवाल को क्या किया जाए इन्होंने बड़ा गंदा सा सवाल दिया है इन्होंने कहा है कि पांच लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए पांचवी और पहली संख्या का अंतर आठ है देखिए इस लाइन को देने का कोई मायने नहीं है यह हम और आप सब जानते हैं कि पहली और आखिरी का अंतर पांच संख्याओं में आठ होगा तो कोई मायने इस लाइन के नहीं है इसका मतलब इस लाइन से नहीं होगा सवाल ये किसी और लाइन से होगा फाइंड द एवरेज ऑफ फाइव द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ एंड फर्स्ट नंबर इज आठ एंड द सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर पहली दो संख्याओं का जोड़ पांचवी संख्या से पांच ज्यादा है पहली दो संख्याओं का जोड़ पांचवी संख्या से पांच ज्यादा है पांच संख्याएं हैं ये एक दो तीन और चार और पांच पांचवी संख्या से पांच ज्यादा है ये बोल रहा है तो मैंने ये कहा मैंने इतनी सी बात कही कि अगर इन दोनों के जोड़ की आप बात कर रहे हो तो ये दो बड़ी है उससे तो अगर मैं इन दोनों को सेम ही मानूं इन दोनों को मैं अगर सेम ही मानू तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर इस हिसाब से ये इससे तीन बड़ी है बस भाई दो तो ये वैसे ही बड़ी है तब इनका जोड़ पांच ज्यादा यानी कि ये इन दोनों के जोड़ से सिर्फ तीन बड़ी है इन दोनों के जोड़ से तीन बड़ी है ये कह सकते हैं नहीं करें करें भी एक बार इनको मौका दे देते हैं करने का थोड़ा बहुत तो ये भी कुछ करेंगे या नहीं एक भी सवाल नहीं करते अच्छा अगर मैं इस अकेली की बात करूं तो ये इससे कितनी ज़्यादा है आठ ज्यादा है ये इससे आठ ज्यादा है अकेली से ये इससे कितनी ज्यादा होगी इससे छह ज्यादा है देखिए अगर हम कुछ ना करें जैसे कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जहां पे हम सेट नहीं कर पा रहे वैल्यूज को कभी ऐसा मौका पड़ जाता है कोई बड़ी बात नहीं है उसमें तो हम फिर टाइम नहीं लगाएंगे पेपर में इस सवाल को लेने का पर्पज भी हमारा यही है कि अगर हमने जितने कंसेप्ट पढ़े और उसमें से कोई नहीं लग पा रहा इस टाइप का कोई सवाल आ गया तो हम सीधे लिख देंगे कि यार ये संख्या अगर हमारी ए है तो हम जानते हैं ये ए प्लस होगी और पहली आखिरी का अंतर इन्होंने भी आठ बताया हुआ है मैं लिख दूंगा ए प्लस लिख सकता हूँ मैंने लिख सकता हूं। अब आपको यह पता है कि पहली दो संख्याओं का जोड़ टू ए प्लस टू है और यह आखिरी संख्या से पांच ज्यादा है यानी कि पांच ज्यादा है आखिरी संख्या से। तो हमने पाया कि यहां से ए इतना आ गया ये ए आ गया आठ पांच तेरह में से दो गए ग्यारह यानी ए कितना आ गया ग्यारह आ गया ठीक है अब अगर ये ग्यारह आ गया मैं भी इसको वैसे भी बता दूंगा एक बार अगर ग्यारह आ गया तो इन्होंने हमसे पांच संख्याओं का औसत पूछा है मैं जानता हूं औसत ये बीच वाली संख्या होगी अगर ये ग्यारह है ये तेरह होगी तो ये कितना आ जाएगा पंद्रह यही उत्तर है एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपको क्योंकि कुछ भी इस सवाल के अंदर करना नहीं है आप देखिएगा भी और कि कहाँ से शुरुआत करेंगे मैं बताऊंगा पहले आप इतना लिख लीजिए कि, कि करना क्या है इतना देख लीजिए हमने माना ये a तो ये a प्लस टू दो दो ज्यादा होगी आखिरी वाली a प्लस आठ है इससे पांच ज्यादा है तो मैंने कहा a प्लस आठ प्लस पांच तो टू ए प्लस टू तो a कितनी आ गई ग्यारह मैं ये कह रहा था आपसे इसने ये दिया हुआ है कि भाई इन दोनों का जो अंतर है इन दोनों का वो दो होगा ये हम जानते हैं और ये वाली संख्या इससे आठ ज्यादा है और ऑलरेडी आठ ज्यादा है और वो कह रहा है कि फिर और पांच भी ज्यादा है तो मैंने एक चीज कही कि अगर ये इससे आठ ज्यादा है मेरी बात सुनिए मैं आपको बता रहा हूं पहले ये मिटा दें एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटा दीजिए फिर मैं बहुत सुंदर तरीके से इसको बताता हूं लेकिन वही बात है कि पेपर में कई बार तरीका नहीं लग पाता तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि भाई हम ऐसे ए मान के भी इस सवाल को निपटा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है मैं आप बड़े प्यार से बता रहा हूं देखो कुछ नहीं होगा एक दो तीन चार और ये पांच ठीक है भाई यही सवाल हम ये जानते हैं कि इसने बोला है कि पहली संख्या इस वाली संख्या से आठ ज्यादा है यानी इसका इसका अंतर तो आठ है हाँ मैं वही कह रहा हूं तो इसका इसका अंतर तो आठ है तो ये तो आपस में कट गई उसके बावजूद ये पांच ज्यादा है भाई आठ अभी रह गया है इसका प्लस का आठ रह गया है तो उसके बाद अगर मैं इसको काट दूं इसका मतलब कि ये अकेली इससे पांच ज्यादा है पांच ज्यादा है यानी कि अगर ये इससे अकेली पांच ज्यादा है तो आठ पांच तेरह में यही निकाल देता हूं ना ये मैं जाता ही नहीं उसकी तरफ तो अगर ये तेरह है तो अगला ही एवरेज हो जाएगा ये पंद्रह हमने कहा कि इसका इसका जो अंतर था वो आपने कहा आठ है तो मैंने कहा इसको इसको तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया और प्लस आठ लिख दिया सीधे अब आपने कहा कि इससे भी अभी और पांच ज्यादा है तो मैंने कहा अगर ये पांच ज्यादा है और आठ पहले से इसका बचा हुआ है तो आठ पांच तेरह ये डायरेक्ट आ गई तो अगली क्या हो जाएगी औसत पंद्रह आ जाएगा थोड़ा सा मुश्किल है बट नहीं भी समझ पा रहे तो कोई बात नहीं जैसे हमने ए ए प्लस टू माना था वो आपके लिए बेस्ट मेथड है आपको वैसे ही करना है सवाल ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए आज वक्त बहुत हो गया है और सवाल जितने लेके आए थे भी कंप्लीट नहीं हो पाए हमें भी टेंशन होती है ये सवाल बड़ा आसान सा है ये तो मैं सोचता हूं होमवर्क में ही दे दें आठ लगातार विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है इन्होंने आठ लगातार विषम संख्याओं का योग और चार लगातार सम सम संख्याएं यह। पे नहीं लिखा है औसत दिया हुआ है तो सबसे छोटी विषम संख्या एक बात बताओ अगर मैं ये कहूं कि आठ लगातार विषम संख्याओं का योग है ये तो इनका एवरेज कितना आएगा ऑड वालों का एवरेज पूछ रहा हूं ऑड लिखा और उनका एवरेज निकाल दिया तो आप कहेंगे जी सम है सिक्स फिफ्टी सिक्स को आठ से भाग कर दीजिए अट्ठू अट्ठू चौसठ आठ दो सोलह एट्टी टू एट्टी टू एवरेज आ गया आठ लगातार संख्याओं का अब देखिए आठ संख्याएं हैं तो बीच में ऐसे होंगी दो तो अब इनके बीच में एट्टी टू है तो इधर एट्टी वन होगा इधर एट्टी थ्री बट हमें छोटी चाहिए तो मैंने कहा ये सेवनटी नाइन चार इधर होंगी ये 77 और ये 75 यानी सबसे छोटी संख्या 75 फाइव होगा सबसे छोटी ऑड नंबर 75 अब इन्होंने कहा है कि चार लगातार सम संख्याओं का औसत 87 है अगर ये चार लगातार सम संख्याएं हैं और इनका ये 87 बीच वाला है तो भैया ये 88 होगी और ये 86 तो बड़ी वाली 90 होगी ये नब्बे होगी तो हमने ये भी निकाल दी नब्बे अब हमसे सवाल में यही पूछ रहा है कि 75 और नब्बे का औसत क्या होगा तो आप ही बताइए कि 75 और नब्बे का औसत जो इनके बीच में पड़ेगी संख्या कितनी होगी इनके बीच का अंतर पंद्रह साढ़े सात सात की दूरी पे होगी या तो इसमें साढ़े सात जोड़ दो या इसमें से साढ़े सात घटा दो बात एक की है एट्टी टू सम पूछा है क्या सम पूछा है तो वन फाइव मुझे लगा ऑवर वन सिक्सटी फाइव 165 सिक्सटी सम पूछा है तो आसान हो गया मतलब इस सवाल में तो खैर कुछ नहीं है बट ये सवाल क्या कह रहा है कैलकुलेशन चाह रहा है हमसे कि इसने इवन का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया इसमें और ऑड का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया तो कई बार ऐसा होता है कि सवाल आसान होता है बट उसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है तो बस इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि और भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल अगर रह जाएंगे तो मुझे दुख होगा बहुत मैं नहीं चाहता कि मुझे दुख हो सोल हो गया शायद नहीं ये बहुत प्यारा सवाल है एसएससी का पेट सवाल है कई बार आ चुका है इसको हम बहुत अच्छे अंदाज से करेंगे और तमीज से करेंगे देखिए द एवरेज ऑफ थ्री इज 52 मोर देन दन थर्ड ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर वट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर तीन लगातार विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के सबसे बड़े एक बटा तीन से बावन अधिक है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है आप अपना तरीका देख लेना और अब मेरा देख लो तबीयत गिलड हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी तबीयत गिलड योर तबीयत इज एक दो और तीन ठीक है भाई मैंने अपनी मर्जी से कहा कि मैं इस संख्या को अगर तीन ले रहा हूं अगर मैं इस संख्या को तीन ले रहा हूं तो आपने कहा है कि औसत इसके वन थर्ड यानी कि वन से फिफ्टी टू अधिक है यह औसत औसत कितना है इसका थ्री और वन प्लस फिफ्टी देखिए ये तीन जो है ना इसको टोपी पहना देता हूं ये तीन हमने माना है ये एक हमने माना है ये बात मानते हो कि नहीं ये तीन और एक हमने माना है।, है नहीं अगर होता तो उत्तर यही आ जाता अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों का अंतर कितना है वो बता दो तो आप कहोगे कि जी मेरे तीन में से मेरा एक घटेगा तो मेरा दो आ जाएगा माइनस फिफ्टी टू आ जाए मैंने ये कहा मैंने कहा कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस संख्या का और इस संख्या का अंतर क्या है तो आप कहोगे तीन में से ये घटाऊंगा एक तो मेरा दो और माइनस फिफ्टी टू दुनिया का हर बच्चा जानता है कोरिया का कि दो संख्याओं का अंतर तो दो होता है किन चक्करों में पड़े हो तो मैंने कहा भैया ये तो दो के बराबर होना चाहिए आपने कहा ये दो के बराबर तभी होगा जब ये कम वक्त दो चौवन हो जाए चौवन में से बावन घटेगा तो दो आएगा ना या इसको इधर ले जाओ अगर दो की वैल्यू चौवन है तो फिर भैया एक की सत्ताईस और तीन की इक्यासी होगी होगी या नहीं अगर ये इक्यासी तो ये सेवनटी नाइन होगी और ये सेवनटी सेवन आपसे यही पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या क्या जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हमने क्या किया मैंने कहा कि मैंने बड़ी संख्या को तीन मान लिया है नहीं वो तीन मैंने मान लिया औसत क्या होगा आपने कहा एक प्लस फिफ्टी टू होगा होगा ही नहीं होगा तो मैंने कहा यार इनसे एक बात मैंने कहा भैया इन दो संख्याओं का अंतर तो दो होना चाहिए ये इतना कैसे आ रहा है तो आपने कहा जी दो होगा बट अंतर हमारे हिसाब से तो दो माइनस बावन आ रहा है अगर मैं लास्ट वाली में से बीच वाली घटा रहा हूं तो दो माइनस बावन आपने कहा ये दो के बराबर आना चाहिए क्योंकि लगातार दो संख्याओं का जो अंतर होता है वो दो होता है तो आपने कहा यानी कि जो दो है ना ये चौवन है फिफ्टी फोर है अगर दो चौवन है तो एक कितना आ गया सत्ताईस अगर एक सत्ताईस है तो तीन इक्यासी आ गया इक्यासी ये सेवेंटी ये सेवनटी सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है कोई भी डाउट है तो बता दो कि हाँ जी ये डाउट है देख लेना एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी बिना देखे बार बार काम नहीं चलेगा स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्पीड फास्ट रही हो यह हो सकता है ये वाला सवाल तो मुझे लगता है कर लेंगे ये तो हम इनको होमवर्क में भी देंगे एक दो सवाल तो उन्नीस क्या है एक बार देख लेता हूं कुछ नया होगा तो बताता हूं यह एक सवाल देख लो बस आखिरी सवाल ये देख लो उसके बाद आपको सवाल होमवर्क में मिल जाएंगे होमवर्क में आपको सवाल मिल जाएंगे आज एक पीडीएफ मिलेगी सुंदर सी कल की तरह जिसके अंदर 25 सवाल होंगे जो आपको करने हैं 25 से 30 सवाल द एवरेज ऑफ फाइव कंसुकेटिवर्स इज एटी फोर परसेंट ऑफ द हाइस्ट नंबर कमाल कर दिया भाई इन्होंने क्या दे दिया कि एट्टी फोर परसेंट है परसेंट पे तीन चार पांच पांच संख्या है इन्होंने कहा है कि एवरेज जो है वो हाइस्ट नंबर का एट्टी फोर परसेंट है यानी मैं ये कह सकता हूं गुरु कि ये सौ और ये चौरासी बताओ कह सकता हूं यानी आप मुझे बताइए कि इसका अंतर कितना आ रहा है सोलह और अंतर होना कितना चाहिए चार भाई अंतर चार नहीं होना चाहिए आपको नहीं लगता चार होना चाहिए क्योंकि दो ये और दो ये चार होना चाहिए मतलब सोलह को चार बनाना है क्या करूं चार से भाग कर दू चार से भाग करूंगा तो ये इक्कीस आ जाएगा ये इक्कीस इक्कीस और ये उन्नीस और ये, ये सत्रह तो पहली दो संख्याओं का योग पूछ रहा था तो सत्रह और उन्नीस कितना हो जाएगा छत्तीस ये उत्तर बड़ा प्यारा सवाल था मतलब देखिए ऐसे प्यारे प्यारे सवाल पेपर में आते हैं इसने कहा कि औसत जो है सबसे बड़ी संख्या का 84 है मैंने कहा इस हिसाब से तो अंतर 16 है आपने कहा अंतर तो ये दो ये दो चार होना चाहिए 16 को चार बनाओ मैंने कहा तो चार से भाग लगाओ आपने चार से भाग लगाइए इक्कीस ये पच्चीस आ जाएगी तेईस उन्नीस सत्रह पहली दो का जोड़ पूछा था सत्रह उन्नीस कितना आ गया छत्तीस तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगली क्लास में नए नए टाइप के सवाल लेके आएंगे अगला टाइप किसी एक चीज पे होगा जहां पे हम एसएससी में रिसेंटली आए हुए सारे सवाल करेंगे जो आपकी तबीयत को गिलट कर देगा मैं चाहता हूं कि क्लास की पेस आप भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं समझने की मैं भी अपनी एबिलिटी को बढ़ा के और नए नए सवाल लेके आता हूं आपको कराता हूं तो कॉपी पेन उठा लीजिए और प्रॉपर हेडिंग लगा लीजिए लिखिए ऊपर क्लास थ्री एवरेज नंबर बेस्ड क्वेश्चन ठीक है तो शुरू करते हैं आज की क्लास एवरेज थर्ड क्लास मैंने पिछली क्लास में जैसे आपको याद होगा तो बेसिक्स इतने से बता देती कि भाई इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं तो एवरेज बराबर होगा सम बटे नंबर हम ये बता चुके हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है सम बटे नंबर यानी कि सम क्या होता है सम क्या होता है एवरेज गुणा नंबर ठीक है सम क्या होता है एवरेज गुणा नंबर इतनी छोटी सी बात जो कि आपको पता होगी इन सब पे आज हम बात करेंगे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं आपको क्या करूंगा बेसिक भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है देखिए ये जानना जरूरी है हम आप या कोई भी एजुकेटर हम लोग ट्रिक सिखा देते हैं आपको बट आप उस ट्रिक को याद नहीं रख पाते उसकी वजह है कि आपको ये नहीं पता कि इस ट्रिक का जन्म कहाँ से हो रहा है अगर हम ये जान लें कि ट्रिक बनी कैसे तो शायद हम ट्रिक भी अप्लाई कर पाएंगे तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक हमने क्यों बनाई क्यों ज़रूरत पड़ी तभी आप उसकी गहराई में जा पाएंगे होता क्या है कि जब पेपर में एग्जाम में सवाल थोड़ा सा भी बदल जाता है थोड़ा सा भी घूम जाता है तो बच्चा नहीं कर पाता क्यों नहीं कर पाता क्योंकि वो उसको सेम सवाल की ट्रिक पता होती है तो वो नई नहीं, नहीं बना पाता तुरंत तो आपको नई खुद से भी बनाना सीखनी एक्सपर्ट बनना है ना गणित का मेरी तरह तो आपको दोनों बातें जाननी होंगी तो आज की क्लास हम सवाल से ही डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं क्योंकि सवाल से ही वो ट्रिक्स बनेंगी सवाल से ही मेथड्स निकल के आएंगे मैंने बता दिया डेफिनेशन पर ही आज की क्लास रहेगी क्या एवरेज बराबर सम बटे नंबर ठीक है चलिए पहला सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इस तरीके के आपने बहुत सवाल देखे होंगे ये तो खैर बहुत आसान सवाल है इसमें तो क्या ही ट्रिक बनेगी या क्या ही कुछ होगा आपको याद है कि मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासों में आपको याद होगा कि मैं आपको इतनी सी बात बता चुका हूँ कि बेटा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस अगर ऐसे एन तक हो तो ये बराबर होता है हाफ एन और एन प्लस वन इतना होता है मैं ये बता चुका हूँ बेटा एक का स्क्वायर हो दो का स्क्वायर हो तीन का स्क्वायर हो एन का स्क्वायर हो बराबर होता है वन बाई सिक्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन ठीक है ये होता है ये बता चुका हूँ और एक और लिख लीजिए साइड में कि एक की क्यूब प्लस दो की क्यूब आज थोड़ी जैकेट भारी है तो थोड़ा सा कहीं खिचपिच की आवाज़ आ सकती है तो उसको दिल पे ना लें क्योंकि ठंड बढ़ गई है अब हमें नई जैकेट्स निकालनी पड़ रही हैं ठीक है भाई इतनी सी बात ये मैं इसलिए दोबारा भी बता रहा हूं क्योंकि इस सवाल में लगेगी ऐसा सवाल पेपर में आता है तो पहले तो देखिए ये जानना है कि आखिर सवाल क्या है तो मैं बताता हूं सवाल ये है कि एक एक बार लिखा हुआ है दो दो बार लिखा हुआ है तीन तीन बार लिखा हुआ है और दस दस बार लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है एवरेज कई बार बच्चा क्या गलती करता है उसको लगता है दस संख्याएं जबकि ऐसा नहीं है देखिए संख्याओं के सम पे भले ही असर ना पड़े बट अगर संख्याएं बढ़ेंगी घटेंगी तो एवरेज घटेगा बढ़ेगा कैसे आप देखते होंगे एक परिवार की औसत आयु 40 साल है एक बच्चे ने जन्म लिया औसत आयु 35 रह गई क्यों रह गई जबकि वो बच्चा तो अभी जीरो साल का ही है वो इसलिए रह गई क्योंकि अब भाग जो पहले चार से लग रहा था सम को वह अब से लग रहा है सम पे कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे ने जन्म लिया बच्चा तो अभी जीरो का है बट एवरेज पे इसलिए फर्क पड़ गया क्योंकि जो भाग पहले चार से लग रहा था औसत निकालने में वो अब पांच से लग रहा है बता रही समझ इतनी थी बिल्कुल तो अब मैं यही बता रहा हूं कि इस सवाल को करने के लिए देखिए क्या करना है अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एवरेज क्या होगा तो आपका एक ही जवाब होगा कि गुरुजी एवरेज बराबर बटे नंबर होता है।, ये तो आप जानते ही है अगर मैं इसका सम निकाल लू तो आप कहेंगे जी, सम होगा, एक का नहीं, ऐसे नहीं लिख रहा पहले मैं। एक का सम करूं तो आप कहेंगे बोलेंगे एक या बोलेंग नहीं अगर मैं दो का सम करूं तो आप कहेंगे दो और दो चार अगर मैं तीन का सम करूं तीन और तीन और तीन छह तीन तीन, तीन, तीन तीन नौ चार का सम करूं तो चार चार आठ चार बारह चार सोलह ऐसे सम आ रहा है आ रहा है कि नहीं ये तो सम आएगा फिर मैंने कहा भाई कि नंबर कितने होंगे तो आपने कहा एक एक बार आया है एक तो एक ही बार है एक नंबर तो ये है दो कितनी बार आया तो आपने कहा दो बार आया दो नंबर है तीन कितनी बार आया है तो आपने कहा तीन नंबर है चार कितनी बार आया तो आपने कहा चार नंबर है बात खत्म बात क्या हो जाएगी खत्म क्लियर हो जाएगी बात इजिट क्लियर ठीक है अब देखिए अब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा सवाल आगे भी भविष्य में आ सकता है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ऐसे सवाल का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना दें क्योंकि अभी निकालने से अच्छा है आगे भी निकाल पाए आपने देखा एक है एक को एक का स्क्वायर लिख सकता हूं चार की बात करूं तो चार को दो का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको तीन का स्क्वायर लिख सकता हूं डेड डेस डेड डे बटे अब एक दो तीन चार है क्या है एक दो तीन और चार है है या नहीं तो यानी एक एक बार आया दो दो बार आया तीन, तीन तीन बार आया चार चार बार आया तो ऐसे अब देखिए ऊपर वाले का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपके सामने ये तो अगर हम एवरेज की बात करें तो आप कहेंगे जी ऊपर वाला फॉर्मूले के हिसाब से एक बटा छ एन एन प्लस वन और कितना आ जाएगा टू एन प्लस वन अब मैं कहूंगा नीचे वाला कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे एक बटा दो एन 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 प्लस वन तो आपने देखा कि हुआ क्या सब कट गया एन एन प्लस वन से एन एन प्लस वन कट गया कट गया नहीं कटा अब दो से ये तीन बार कट गया दो से ये तीन बार कट गया तो कितना आ गया एवरेज टू एन प्लस वन बाई थ्री यानी जब भी कभी ऐसा सवाल हमारी लाइफ में आएगा तो हमें पता रहेगा यार कि इसका एवरेज होता है 2N 1 2. अब मुझे मालूम है यहां पे जो संख्या एन है वो कहां तक जा रही थी बेटा तो आप कहेंगे जी यहां पे सौ आ रहा था लास्ट में दस का स्क्वायर आ रहा था नीचे एन जो है वो दस था तो दस हमने लगा दिया दस दूनी बीस और एक इक्कीस बटा तीन बराबर सात यही उत्तर है कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है नहीं समझ आ रही है बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कह सकते हैं लेकिन ये आपको याद भी रख सकते हैं चाहे तो कि टू एन प्लस वन बाई थ्री होता है गलती ये नहीं करनी है कि डिवाइड दस से कर दिया संख्याएं दस नहीं है भाई एक दस ही दस बार है दस ही दस बार है आप समझ रहे हो जैसे मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करता हूं आपको बहुत अच्छे से जैसे किसी ने मुझसे कहा एवरेज बताओ दस और बीस का ठीक है एवरेज कितना आ जाएगा दस और बीस का दस प्लस बीस तीस बटा दो पंद्रह आ जाएगा अब आप इन्हें क्या करा इस बीस को ब्रेक कर दिया भाई दो बार दस में तो अब एवरेज क्या आएगा अब एवरेज दस आएगा तो एवरेज का मतलब सिर्फ एवरेज सम पे डिपेंड नहीं करता कि सम आ रहा है आप सोचो मेरी बात ध्यान से समझना ये मत समझना कि एवरेज सम पे डिपेंड करता है बेटा सम से कोई मतलब नहीं है इस बात पे भी मतलब है कि सम कितने पार्टों में बटा हुआ है तीन में बटा हुआ है तो भाग तीन से लगेगा चार में बटा हुआ है तो चार से लगेगा ये बात समझ आई नहीं आई मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा बताना मुझे कि तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा और समझना पड़ेगा तुम्हें मैं जबरदस्ती समझाऊंगा तुम्हें तुम्हारी बैंड बजा दूंगा बहुत मारूंगा अगर नहीं समझोगे तो बहुत बढ़िया बहुत ही ज़्यादा सुंदर वीडियोज़ को मैक्सिमम लोगों तक लेकर जाना है जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उन सबको बताना है जितने भी ग्रुप में आप हैं व्हाट्सअप फेसबुक कि इससे बेस्ट क्लास ना तो किसी पेड फॉर्मेट में मिलेगी ना उसमें क्योंकि इस क्लास के लिए बहुत अलग से तैयारी की जा रही है ऐसे ही नहीं है हम अगले सवाल पे चल रहे हैं अगली बात पे चल रहे हैं जो आज आपको सिखाने आए हैं जो टाइप आज बताने आए हैं देखो भाई पंद्रह संख्याओं का औसत येलो पेन पंद्रह संख्याओं का औसत तिरपन है पंद्रह संख्याओं का औसत तिरपन है इसके बाद आठ संख्याओं का औसत बावन है बावन है बात की आठ संख्याओं का औसत पचपन है बात की आठ संख्याओं का औसत पचपन है पहली पंद्रह का तिरपन है फिर आठ का बावन है फिर आठ का पचपन है क्लियर है ये बात आपने कहा हाँ जी बिल्कुल क्लियर है ठीक है अब मैंने कहा अब मैंने कहा कि भाई हम ये देखते हैं हम पता है क्या मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं सारी संख्याएं तिरपन है देखिए एवरेज में यही होता है ये पूरे एवरेज में ही चलेगा एवरेज का बढ़ना मतलब सबका बढ़ना अगर कोई ये कह रहा है कि पंद्रह संख्याओं का औसत तेरे है कोई फर्क नहीं मैं सबको तेरे तेरे मान सकता हूं जब अगर मुझे संख्याएं नहीं दे रखी तो मैं सबको तेरे तेरे मान सकता हूं इसने कहा कि जी पंद्रह संख्याओं का औसत तिरपन है तो मैंने मान लिया कि यार सारी संख्याएं क्या है तिरपन है तिरपन की तिरपन फिर तो आपने कहा जी इस हिसाब से थोड़ी गड़बड़ हो रही है मैंने कहा क्या आपने कहा जी ये तिरपन से कम है माइनस एक कम है लेकिन आठ संख्याएं कम है तिरपन से तब तो बड़ी गड़बड़ है तो मैंने कहा गुणा आठ कर दीजिए हर एक संख्या एक एक कम है तो आठ के हिसाब से एक कम होगी फिर मैंने कहा यार पचपन की अगर बात करें तो तो आपने कहा कि देखिए ये, ये तरीका आपको ये ध्यान रखना है दोनों ही अंतर है यहाँ पे संख्याएं मिला के कितनी हो रही हैं बेटा सोलह सोलह क्यों हो रही है क्योंकि एक संख्या डबल है तो हम ये तरीका लगा रहे हैं कल को मान लेते हैं ऐसा सवाल आ गया जहां पर यहां आठ संख्या और यहां सात तब ये तरीका नहीं लगेगा क्या लगेगा मैं वो सवाल भी आगे लेके आया हूं वहां पे भी समझाऊंगा आपको तो आपको अंतर समझना है ये तभी लगेगा और ये कॉमन सवाल है आप देख रहे होंगे इस बार भी प्री में आया हर बार आ रहा है कॉमन सवाल है तो हमने कहा कि भाई पंद्रह संख्याओं का औसत अगर तिरपन है तो आठवीं कॉमन है तो आठ का बावन तो हमने कहा एक एक कम है आप जो तिरपन मान के चल रहे थे उसमें माइनस कम है कितना कम है माइनस अब आठ संख्याओं का औसत पचपन है तो कितना ज्यादा है तो आपने कहा ये दो ज्यादा है तिरपन से पचपन दो ज्यादा है आठ संख्याओं तो को लेकर के आठ घटा के सोलह जोड़ा तो कितना होगा तिरपन में से आठ जाएंगे या तो या इन दोनों को लिख लीजिए जोड़ के तो ये आठ हो गया प्लस का आठ है तो जोड़ देंगे तिरपन और आठ कितना आ गया इकसठ तो ये आपको विजुलाइज करना है कैसे विजुलाइज करना है मैं बताता हूं कि मैंने ये मान लिया सारी संख्याएं ऐसे आंख बंद की सारी संख्याएं 53 53 53 मान लिया पता चला कि यार ये वाली संख्या तो जो है वो माइनस एक कम है आठ संख्याएं तो उनका आठ हमने कर दिया माइनस का पचपन वाली दो ज्यादा है तो उसका दो कर दिया या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते थे लिखना अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी है देखना पे ये नोट कर लिया होगा कि अगर कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी है कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी है तो हम क्या कर सकते हैं देखो कि हम इसको पहले ही जोड़ लें बेटा तो माइनस एक और दो कितना हो गया एक गुणा आठ तो बराबर आठ तो तिरेपन में आठ अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा अगर माइनस आठ आता तो आठ घटा देते आठ जोड़ना है तो तिरपन और आठ इकसठ यही उत्तर आ जाता दिस इज द आंसर इकसठ कोई बड़ी बात नहीं है क्लियर है कि नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं प्लस अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं ये आप देखो इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी मैंने बस ये इसलिए लिया है ताकि आपको एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट बता दूं वही सवाल सिर्फ दोबारा करेंगे जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी या हम आपको उस ट्रिक को याद कराना चाह रहे होंगे क्योंकि मैं चाहता हूं क्लास के बीच में ही आप याद कर पाए सारी बातों को ऐसा ना हो ठीक है ठीक है चलिए बहुत बहुत सुंदर देखिए अब मैं जल्दी से कर दूंगा इस सवाल को शायद आपने भी कर लिया होगा और उत्तर भी आपने बता दिया होगा कैसे आपने लिखा होगा कि सत्रह तो कितना आ रहा है सत्रह तो थ्री पहली नौ संख्याएं तो औसत वन सेवनटी नाइन और बाद की नौ संख्याएं तो वन फोर्टी सिक्स अब आपको एक बात समझ आई है नहीं आई यहां पर भी नौवीं संख्या डबल है और आपसे यही कहा है कि नौवीं संख्या बताओ ठीक है भाई तो फिर मैंने कहा अब क्या करेंगे तो अब आप करेंगे ये समझ लीजिए ध्यान से कि पहले आप देखिए कि ये कितना ज्यादा है तो आपने कहा सोलह ज्यादा है, है सोलह सिक्सटीन स्वीट सिक्सटीन ज्यादा है प्लस सोलह सिक्सटीन ज्यादा है स्वीट सिक्सटीन प्लस सोलह ठीक है इसके बाद क्या हुआ वन फोर्टी सिक्स है ये कितना कम है भाई तो आप कहेंगे चार और तीन सात और दस सत्रह कम है यानी कि ये माइनस सत्रह अब देखिए कई बच्चे जो मैंने कैलकुलेशन क्यों बताई थी दूसरी वाली कैलकुलेशन क्यों बताई थी कि आप ऐसा मत करना कि एक बार नौ को सोलह से गुणा कर रहे हो फिर नौ को सत्रह से कर रहे हो माइनस से फिर उनको जोड़ रहे हो नहीं मैं पहले ही जोड़ लूंगा गुणा तो दोनों को ही हो रही है ना अगर मैंने पहले ही जोड़ा तो ये माइनस एक आ गया बेटा सोलह प्लस का सत्रह माइनस का अब मैं नौ से गुणा करूंगा अब नौ से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा माइनस नौ यानी कि जो नौवीं संख्या है वो तिरसठ माइनस नौ है नाइन्थ नंबर कितना है तिरसठ माइनस नौ बराबर वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी फोर नाइन्थ नंबर क्या है वन फिफ्टी फोर ठीक है तो हमने क्या माइनस नौ वन सिक्सटी थ्री नाइन्थ नंबर कितना आ गया वन फिफ्टी फोर 163 में से हमने 9 घटा दिया तो नाइन्थ नंबर इज 154 ठीक है क्लियर है बात आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए ये अब देखिए ये थोड़ा अलग आ गया सवाल अब आप समझिए यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था अब देखिए जरा इसमें क्या अलग है और कैसे आप इस चीज को समझ पाएंगे मैं सवाल पढ़ रहा हूं थोड़ा सा दिमाग आप अपना खुद से लगाने की कोशिश करेंगे कि द एवरेज ऑफ 83 थ्री रिजल्ट इज फोर्टी एट तिरासी घटनाएं हैं या तिरासी संख्याएं हैं उनका औसत 48.5 है बहुत ध्यान से समझना डूब जाओगे आप एकदम कर पाओगे द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फिफ्टी नाइन रिजल्ट इज फोर्टी पहली उनसठ संख्याओं का औसत पैतालीस पॉइंट पांच है एंड दैट ऑफ द लास्ट ट्वेंटी थ्री नंबर इज फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव ये फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव है फाइंड सिक्सटी रिजल्ट साठवां रिजल्ट बताओ या साठवीं संख्या बताओ तिरासी परिणामों का औसत उनचास पॉइंट पांच है यदि पहले उनसठ परिणामों का औसत छियालीस पॉइंट पांच है और अंतिम तेईस परिणामों का औसत चौवन पॉइंट पांच है तो 60वां परिणाम ज्ञात कीजिए क्या होगा 60वां परिणाम ज्ञात कीजिए क्या होगा तो ये 110.5 ये 109.5 पॉइंट पांच सौ नौ पॉइंट पांच बताइए क्या होगा अब देखिए यहां पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं हमने एक बात अभी आपको बताई कि भाई एवरेज जो है अगर ये कहा जाता है कि 10 संख्याओं का तेरह है तो सबको तेरह तेरे मानने में कोई बुराई नहीं जैसे यहां पे ये दिया हुआ है कि 83 संख्याओं का औसत 83 संख्याओं का औसत 48.5 है 83 संख्याओं का औसत क्या है 48.5 है यही है भाई हाथ पहुंचो। ठीक है 48.5। तो मैंने मान लिया कि सारी संख्याएं 48.5 हैं। है आपने कहा ठीक है आप डबल लेवल का कोई चक्कर नहीं देखो आप खुद ही देखो उनसठ संख्याओं का तो आप कहेंगे 46.5? सिक्स पॉइंट फाइव उनसठ संख्याओं का क्या होगा 46.5 यही होगा दूसरा तेईस संख्याओं का चौवन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या अभी तक संख्याएं पूरी हो गई तो आप कहेंगे नहीं देखिए पहले तो इन दोनों को जोड़ते थे तो एक ज्यादा निकलती थी निकलती थी नहीं बट अब एक ज्यादा नहीं है बल्कि एक कम है ये तिरासी है ये उनसठ और ये तेईस अभी तक बयासी संख्याएं हो पाई हैं तो टोटल 82 इसका मतलब एक संख्या और रह गई जो हमसे पूछ रहे हैं साठ इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ है कुछ मैं एक बार करेक्शन कर देता हूं मैंने इंग्लिश में किया हुआ है देखो तिरासी परिणामों का औसत 48.5 हमने लिखा हुआ था ठीक है और फर्स्ट संख्या का औसत 45.5 ठीक है तो आप इंग्लिश वाला ही कर लीजिए 48.5 इसको आप लिख लीजिए 45.5 इसको आप लिख लीजिए तिरपन एक एक का ये अंतर है ज़्यादा अंतर नहीं उत्तर दोनों हैं हमारे पास अगर हिंदी के हिसाब से करेंगे तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट इंग्लिश के हिसाब से करेंगे तो हिंदी के हिसाब से करेंगे तो ये और इंग्लिश के हिसाब से करेंगे इस तरीके से उत्तर है कोई बड़ी बात नहीं है आप सवाल समझिए वैल्यू से कोई मतलब इतना नहीं है ठीक है मैंने करेक्ट कर दिया 48.5 मैंने क्या कहा कि अगर तिरासी संख्याओं का औसत 48.5 है तो बेटा मान लो सारी संख्या अड़तालीस है औसत का मतलब सबका होना औसत का बढ़ना सबका बढ़ना औसत का घटना सबका घटना हमने ये मान लिया कि सारी संख्या 48.5 है आपने लिख दिया तभी आप में से एक बच्चा बोला 48.5, ठीक है तभी आप में से एक बच्चा बोला कि गुरुजी अगर औसत सबका 48.5 होता तो आप समझिए कि ये फिर 46.5 नहीं होता नहीं होता ये मैंने कहा बेटा ये कितना कम है तो आपने कहा दो कम है उनसठ संख्याओं पे दो कम है उनसठ दो माइनस एक सौ यही होगा दो कम है ना भाई पक्का दो ही कम है या हमने शायद आधा आधा उल्टा सीधा लिख दिया ना ये है, है। आधा हमने इंग्लिश का लिख दिया था आधा हिंदी का फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव है और तेईस का ये कितना है? एक मिनट करेक्ट ही कर देता हूं ज्यादा सही रहेगा करेक्ट फिफ्टी नाइन वाले का कितना है फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव ट्वेंटी थ्री का कितना है फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव ठीक है अब सही है तो मैंने कहा मैंने एक बात पूछी कि मैं मान लू सबको अड़तालीस पॉइंट पांच आपने कहा मान लो मैंने उत्तर भी बता दिया तब आप बोले कि अगर आपकी मानी हुई बात सही होती तो इस उनसठ का औसत भी इतना ही आता बट नहीं आ रहा तो मैंने कहा इसकी सारी संख्याए ना पैंतालीस पॉइंट पांच है मैंने ऐसे बोल दिया आपको तो आपने कहा इसका मतलब तो एक संख्या तीन कम है इस हिसाब से और उनसठ संख्याएं बताओ इसका मतलब तो तीन कम है एक संख्या और उनसठ तो कितना कम हो गया इतना तो मैं ये लिख सकता हूं तीन निम्न सत्ताईस का सात हासिल दो माइनस वन सेवन सेवन यानी कि टोटल माइनस का वन सेवनटी सेवन यहां कम लिया है कम कर दिया कि नहीं कर दिया अब तेईस संख्याओं पे क्या किया तो आपने कहा जी पांच ज्यादा कर दिया तेईस बराबर एक सौ पंद्रह इतनी सी बात यहां तक बताओ समझ आई नहीं आई मैं ये कह रहा था कि जो सारी संख्या है वो 48.5 है आपने कहा ऐसा नहीं है यहां पे आपने 177 कम कर दिया है देखिए एक बात बताओ मैं इतनी संख्याओं का औसत निकाल रहा हूं बेटा देखो पांच चार तीन का औसत निकाल रहा हूं समझना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं इनको भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप पांच चार तीन का औसत निकाल रहे थे ठीक है जो भी आ रहा था औसत चार आ रहा था आप अभी भी कह रहे हो कि औसत उतना ही रहे बट मेरा दिल है इसको दो कर दो कम कर अगर आप इसको दो कम करोगे और औसत उतना ही रखना है तो इसको दो बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मुझे औसत 48.5 ही रखना है इतना ही रखना है हर संख्या को आपने कहा कि इतना आपने यहां कम कर दिया तो भैया मुझे इधर बढ़ाना पड़ेगा या नहीं इतना तभी तो बैलेंस हो पाएगा नहीं तो औसत रहेगा ही नहीं 48.5 आपने यहां पे ज्यादा कर दिया 115 तो मुझे यहां पे कम करना पड़ेगा 115 भाई बैलेंस अगर नहीं करेंगे तो औसत ही नहीं रहेगा अड़तालीस पॉइंट पांच तो जब कभी ऐसा सवाल आए मैं एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से और ले दूंगा जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जितना हमने कम किया होता है वो हम लास्ट क्योंकि देखिए इसको छेड़ सकते हैं आप बताओ इसको छेड़ सकते हैं नहीं इसको छेड़ सकते हैं नहीं इसको छेड़ सकते हैं नहीं इसी में कर सकते हैं जो कर सकते हैं तो ये हमने 48.5 माना था बाद में हमने छेड़ना क्यों पड़ा क्योंकि बैलेंस करना था जो मान के चल रहे थे वो सही नहीं था तो अब बस इस सवाल का उत्तर कितना आ गया जी 48.5 और इसको मैं घटाऊंगा सात में से पांच गई दो सत्रह में से ग्यारह गई छसठ तो ये कितना आ गया एक सौ दस पॉइंट पांच इंग्लिश के हिसाब से ये है अगर आप इसी सवाल को हिंदी के हिसाब से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा एक सौ ग्यारह पॉइंट पांच कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आएगी कोई बात नहीं कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसा और लेके अभी बता दूंगा आप खुद से कर पाएंगे कहीं भी आपको कोई तकलीफ नहीं है नो नो बड़ी नो बड़ी यू तकलीफ मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं इन लोगों के लिए ले, ले लेता हूं सिंपल सा लिख देता हूं क्योंकि पूरी लिखावट में टाइम भी लगता है जैसे मैंने आपसे कहा कि 82 संख्याएं हैं और उनका औसत 69 है यह मैंने दिया हुआ है आपको 82 संख्याओं का औसत 69 फिर मैंने कहा कि भाई पैंतीस संख्याओं का औसत 71 वन है फिर मैंने कहा कि आ, अगली फिफ्टीन सिक्सटीन संख्याओं का औसत सिक्सटी एट है ये मैंने कहा ठीक है पैंतीस और सोलह कितना हो गया इक्यावन इक्यावन के बाद मैंने बीस संख्याएँ और ले ली, नहीं तीस ले लेता हूँ तीस तीस संख्याओं का औसत 74 फोर है सेवनटी फोर के बजाय कुछ और कर लें 74 से अच्छा है 70 2 कर लेते हैं ठीक है आपसे पूछ रहा है फाइंड पहली 35 पहली 16 पहली 30 तो अब आपसे पूछ रहा है फाइंड लास्ट नंबर बस मैंने पूछ लिया एक सवाल क्योंकि पूरी लैंग्वेज दिखाएंगे तो टाइम लगेगा तो मैंने क्या कहा कि 82 संख्याओं का औसत 69 है 35 संख्याओं का औसत 71 है, सिक्सटीन संख्याओं का औसत सिक्सटी एट है तीस संख्याओं का औसत बहत्तर है ठीक है एट्टी टू संख्याओं का औसत सिक्सटी नाइन है तो मैंने यह कहा कि अगर सिक्सटी नाइन औसत है इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो लास्ट नंबर है ना बेटा वो भी सिक्सटी नाइन है अभी इसको छेड़ने का स्कोप है इसको हम आराम से छेड़ सकते हैं आपने कहा कि जी पैंतीस संख्याओं का औसत इकहत्तर है यानी आपने दो कम कर दिया दो बढ़ा दिया आपने यानी अगर मैंने दो बढ़ा दिया पैंतीस संख्याओं पे तो ये कितना होगा सत्तर सत्तर मैंने बढ़ा दिया अगर मैंने बढ़ा दिया है सत्तर तो भैया कम करना पड़ेगा सत्तर सत्तर माइनस करना पड़ेगा फिर मैंने कहा कि ये अड़सठ है तो आपने कहा ये एक घटा दिया है आपने सोलह संख्याओं पे तो आपने कहा जी मुझे सोलह जोड़ना पड़ेगा तब अगर यहाँ कम हो गया तो इधर जोड़ना पड़ेगा फिर तीस संख्याओं की जब बात आई तो तीस संख्याओं में आपने क्या किया तो आपने कहा तीन बढ़ा दिया तीस संख्याओं अगर आपने तीस संख्याओं पर तीन बढ़ा दिया नब्बे तो नब्बे आपको घटाना पड़ेगा यानी ये संख्या नेगेटिव में आएगी कितनी ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे तो आप कहेंगे माइनस एक माइनस एक इसके साथ होगा तो ये प्लस पंद्रह रह जाएगी पंद्रह घटेगा तो माइनस फाइव यानी जो आखिरी संख्या है वो माइनस सेवेंटी फाइव है आखिरी संख्या क्या है माइनस सेवेंटी फाइव बोलो भाई किसी को भी अगर डाउट है इसमें तो वो बता दे कि हाँ अगर ऐसा सवाल आएगा तो मैं पेपर में कर लूँ। इन्हीं सवालों को जानकर सीख कर आप बड़े बड़े सवाल आगे जाके कर पाओगे बिना इन सवालों को जाने आप बड़े बड़े सवाल नहीं कर सकते दोस्त कोई भी चारा नहीं है देयर इज विल भी नो चारा बिना कॉन्सेप्ट की कोई बात सिखाना सही नहीं है देखो भाई एक छोटी सी बात एवरेज के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ एवरेज के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट और यह बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करता है आर्थमैटिक को अच्छे से समझने के लिए आपको एवरेज आना जरूरी है मैं क्या बताना चाह रहा हूं भाई इनको मैं ये कह रहा हूं इनसे कि अगर सोलह संख्याओं का औसत एट्टी थ्री है मैं आपसे कह रहा हूं कि सोलह संख्याओं का औसत एट्टी थ्री है और अब मैंने इसमें से एक संख्या एट्टी थ्री निकाल दी एट्टी थ्री निकाल दी तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा आप कहेंगे अभी आप ही ने यह बात बताई थी कि अगर सारी संख्याओं का औसत 83 है तो सारी 83 83 हैं। है यानी कि अगर आपने 83 निकाली तो औसत पे भैया कोई फर्क ना पड़े बताओ बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप कहोगे जो औसत पे कोई फर्क ना पड़े अगर मैं एट्टी निकालता हूं अब किसी ने मुझे कहा कि यार मैं तो सेवनटी निकालूंगा बोलो क्या कर लूंगा सेवनटी 75. अब मेरी बात सुनना मैं सारी संख्याओं को 83, 83 मान के चल रहा था सारी संख्याओं को अब जो मैंने मैंने निकाली निकाली वो 75 निकाली है नि, मैंने 8 उसका छोड़ दिया मैंने क्या किया ध्यान से समझना बेटा अगर ये बात समझ गए ना तो एवरेज तुम्हारी मुट्ठी में यही तो चीजें हैं जो समझनी है तुम्हें मैंने कहा कि सारी संख्याओं को मैं 83, 83 मान सकता हूं अगर मैं 83 निकालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज पे बट अगर मैंने पिछहत्तर निकाली तो उसने अपना एट छोड़ दिया बोलो छोड़ा या नहीं छोड़ा एट तो मैं कहूंगा कि अगर ये एट ना छोड़ा होता अब अच्छा एक एक बात बताओ एक संख्या कम हो गई अब डिवाइड कितने से होगा पंद्रह और ये पंद्रह संख्या थ्री एट्टी थ्री है तो मैंने कहा ये तो एट्टी थ्री रहेगा एवरेज बट जो आठ है ना ये बची हुई पंद्रह संख्याओं में बट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बात समझ रहे हैं नहीं? मैंने क्या संख्याओं का औसत तिरासी है इसका मतलब हर संख्या तिरासी 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 है अगर तुमने तिरासी निकाली तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ा बट जब तुमने पिचहत्तर निकाली तो उस पिचहत्तर में तिरासी का आठ रह गया और वही आठ बाद में उन पंद्रह संख्याओं में बट जाएगा एक और एग्जाम्पल इसी बात को समझो मैंने कहा कि बेटा सत्रह संख्याओं का औसत पिचानवे सत्रह औसत पिचानवे तुमने इस बार 103 निकाल दी 103 तो मैं कहूंगा कि भैया मैंने तो पिचानवे निकाली है मैंने कहा अगर सारी पिचानवे निकालता तो सोलह संख्याओं का औसत भी पिचानवे आ जाता बट मैंने कितनी ज्यादा निकाल दी यानी कि सारी संख्याएं जो पिचानवे पिचानवे थी पिचानवे पिचानवे बिचारी उसमें जो लास्ट में खींची आपने तो माइनस आठ छोड़ दिया आपने अब की बार आपने प्लस आठ नहीं छोड़ा कम नहीं निकाला आपने तो बिचारी इनका भी आठ खींच लिया इन बिचारियों का भी तो अगर आपने आठ खींचा है सोलह संख्याओं से तो कितना कितना खींचा होगा एक संख्या से तो मैं कहता हूं कि आपने पॉइंट पांच खींचा है यानी अब औसत चौरानवे पॉइंट पांच आई अगर आपने आठ ज्यादा खींचा है और सोलह संख्याओं से खींचा है पहले आपने आठ दिया था पंद्रह संख्याओं को जब आपने आठ दिया था तब हमने एट्टी थ्री में आठ बांट दिया था पंद्रह संख्याओं के साथ अब आपने आठ ज्यादा छीना तो हमने आठ घटा दिया भाई सारी संख्याओं में बांट के तो सोलह संख्याओं में आठ बांटा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव बट गया बोलो बात क्लियर है कि नहीं तो ऐसे कुछ एक सवाल आपके सामने आने वाले हैं बहुत अच्छे से आप मेरी बातों को समझ रहे हैं मुझे इस बात की बेहद खुशी है अगर ऐसे समझेंगे और सारे टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे तो भैया फिर गणित में कुछ पढ़ने के लिए रह नहीं जाएगा ये हो गया ऐसा नहीं अब मुझे ये सवाल देखना बहुत तगड़ा सवाल है बहुत समझने योग्य सवाल है हल्वा नहीं है इसको समझना है और ऐसे सवाल ही पेपर में आ रहे हैं जो परेशान कर रहे हैं अब तक आते थे कि वो पूछता था सेवनटींथ नंबर बताओ अब अलग पूछ लिया इस बार पेपर में क्या है सवाल पढ़ देता हूँ सवाल है कि द एवरेज ऑफ थर्टी थ्री नंबर इच सेवेंटी फोर द एवरेज ऑफ थर्टी थ्री नंबर सेवेंटी फोर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सेवनटीन इच सेवेंटी टू एंड दैट ऑफ द लास्ट सेवनटीन नंबर इज सेवेंटी नाइन पॉइंट टू इफ द सेवनटींथ नंबर इज एक्सक्लूडेड वाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर तो संख्याओं का औसत चौहत्तर है पहले सत्रह संख्याओं का औसत बहत्तर है और अंतिम सत्र संख्याओं का औसत सेवेंटी नाइन पॉइंट टू है यदि सत्रहवीं संख्या को बाहर रखा गया तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा ये बताना है मैं अगर आपसे पूछूं कि आप सत्रहवीं संख्या बता सकते हो मुझे तो आप कहोगे शायद बता दूंगा भाई बता दूंगा देखते हैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको एक सेकंड का टाइम दे रहा हूं ज्यादा नहीं सिर्फ एक सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं देखो भाई अब समझना ध्यान से मैंने कहा तेतीस संख्याओं का औसत चौहत्तर है ये थर्टी थ्री नंबर है कितना होगा चौहत्तर ठीक है पहली सत्रह संख्याओं का औसत आपने लिखा बड़े प्यार सेवनटी नाइन पॉइंट टू फिर आपने क्या कहा सत्रह भी संख्याओं का तो आपने कहा नहीं पहली सत्रह का बहत्तर है सेवनटी टू अब आप यही अफसोस मना रहे हो यार कास्ट सेवनटीन पूछी होती तो मास्टर ने बताई थी मैं निकाल देता बट पूछी नहीं है तकलीफ है कितना ज्यादा है भाई ये तो आपने कहा माइनस दो ये कितना ज्यादा है भाई तो आपने कहा फाइव पॉइंट टू फिर मैंने कहा भाई कि मिला के कितना होगा तो आपने कहा जी थ्री पॉइंट टू गुणा सत्रह आप समझना मेरी बात को बड़े प्यार से समझना कोई ऐसे हल्का फुल्के में नहीं आपको लगे यार मजा आ या कसम से देखना मैंने तभी तो कंसेप्ट सिखा रहा था आपको ताकि आप खुद से अप्लाई कर पाओ देखो अब मैं पूछूं बेटा नंबर बता दे मुझे मैंने पूछा किसी बच्चे से बेटा सेवनटींथ नंबर बता तो आपने कहा यार ये तो अभी आपने लिखाया था सेवनटी फोर प्लस प्लस का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आपने लिख दिया जी फोर प्लस थ्री पॉइंट टू गुड़ा सत्र देखो आगे जब अभी आप पढ़ोगे ना तो जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की मैं बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं मेरी बात सुनना आप जो मैंने अभी पढ़ाया पिछली स्लाइड पे क्या पढ़ाया मैंने ये कहा कि अगर तेतीस संख्याओं का औसत चौहत्तर है तो सबको चौहत्तर चौहत्तर माना जा सकता है कि नहीं फिर मैंने कहा कि अगर चौहत्तर निकाल दोगे तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बत्तीस संख्याओं का औसत भी चौहत्तर हो जाएगा मैंने क्या कहा था मैंने कहा था कि अगर तुमने सारी संख्याएं निकाल दी चौहत्तर चौहत्तर वाली में से एक चौहत्तर की निकाल दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तभी आप में से एक बच्चा बोला कि आपने नहीं निकाला आपने थोड़ा ज्यादा ज्यादा निकाला ये इतना निकाला है ये इतना और हम इस तरीके से तो केवल ज्यादा निकालना ही सीखते यानी एवरेज जो उत्तर है वो सिर्फ इतनी सी बात पर डिपेंड कर रहा है हमें तो ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है तो मैंने कहा ये जो ज्यादा निकाला है ये तो फिर और संख्याओं से खींच दिया मैंने एवरेज कम होगा आप बोले हाँ जी बिल्कुल खींच दिया तो मैं कहूंगा खींचने के लिए बचा क्या था आप बोले बची थी ना ये बत्तीस संख्या है आपने इनका खींच दिया तो मैंने कहा कितना खींचा है आपने कहा जी आपने थ्री पॉइंट टू गुड़ा सत्रह खींचा है कितनी संख्याओं से खींचेगा एक संख्या से कितना खींचेगा बटे बत्तीस हमने कहा एक संख्या से कितना खींचेगा बटे बत्तीस क्योंकि अगर हम चौहत्तर चौहत्तर खींचते तो औसत इतना होता बट हमने चौहत्तर से ज्यादा खींचा है तो हर संख्या से इतना इतना खींच जाएगा ये दस बार और दस से ये 1.7 बार यानी औसत 1.7 कम हो जाएगा यानी 72.3 उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन 72.3 उत्तर आ जाएगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा 72.3 टू पॉइंट थ्री इज इट क्लियर और नॉट ये बता दो बस मुझे क्लियर और नॉट मैंने अब क्या कहा भाई ने सुनो मैंने इनको ये बात समझा दी कि जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाए कि शेष संख्याओं का औसत होगा तो हमें सत्रहवीं संख्या निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको तो, तो हम चौहत्तर मान के ही चल रहे हमें तो यह देखना है कि भैया आप ज्यादा खींच रहे हो या कम अगर आप ज्यादा खींच रहे हो तो उन संख्याओं का उतना कम कर दो और अगर कम खींच रहे हो तो उन संख्याओं को उतना और दे दो एक सवाल अगर मैं ऐसा और करा दूं तो मैं समझता हूं कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम मैं ऐसा ही एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं डोंट गो ऑन इंग्लिश इट्स द टोटली डेपुटेटेड ये ये सवाल देख लीजिए भाई ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं तमीज से आसानी से मैं ये पूछना चाहता हूं देखो भाई आपकी बार भाई मैं सेवन्थ नंबर नहीं निकालूंगा आपकी बार इन्हें डायरेक्ट बताऊंगा एवरेज करना ठीक है देखो तेरह संख्याओं का औसत सिक्सटी थ्री है तेरह संख्याओं का औसत सिक्सटी थ्री है पहली सात संख्याओं का औसत इकसठ है पहली सात का औसत इकसठ है बाद की सात संख्याओं का औसत सड़सठ है सड़सठ है बाद की सात संख्याओं का औसत सड़सठ है ठीक है, है।, है। अब हमने क्या किया हमने यह किया दोस्त देखो ध्यान से हमें पता चल गया कि भाई ये कितना कम है तो आपने कहा जी ये दो कम है माइनस का हमने कहा जी ये कितना ज्यादा है तो आपने कहा जी ये चार ज्यादा है हमने कहा वो दो कम है आपने कहा कि ये चार ज्यादा है तो ये दो कम और ये चार ज्यादा तो हमने कहा, कहा ओवरऑल सीन क्या है तो आपने कहा जी दो ज्यादा ही हो रहा है मैंने अभी आपको एक बात बताई थी अगर तेरह संख्याओं का औसत तिरसठ है तो मैं ये मान लेता हूं सारी संख्याएं तिरसठ तिरसठ लेकिन जो सातवीं संख्या आ रही है सेवंथ नंबर लिख ही देता हूं वो आ रही जरूरत नहीं है लिखने की वो आ रही है सिक्सटी थ्री प्लस और ये डेविएशन दो गुणा सा सारी संख्याओं को मान रहा हूं और सिक्सटी थ्री ही हटा रहा हूं तो बची हुई बारह संख्याओं का औसत भी सिक्सटी थ्री होता है नहीं बोलो होता है नहीं होता बिल्कुल होता लेकिन मैंने ये चौदह जो है ज्यादा खींच लिया तो ये बची हुई संख्याओं में से घटेगा भाई चौदह बटा बारह घटेगा या नहीं चौदह बटा बारह का मतलब सात बटा छह यानी एक सही एक बटा तो इसमें से एक सही एक बटा घटाऊंगा तो मैंने दो तो पूरा घटा लिया बासठ और एक बटा छ एक में से और घटेगा तो पांच बटा छ सवाल का आंसर घटाना आता है नहीं आता मैंने कैसे घटाया बताऊं मैंने क्या किया तिरसठ लिखा हुआ था उसमें से माइनस एक माइनस एक बटा छ कर दिया मैंने ठीक है भाई तो मैंने इसको बासठ करा पहले तो तो ये दो बच गया दो में से एक गया तो आपने कहा एक, एक में से और एक बटा छटा तो छ आ गया कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए यानी इस सवाल का उत्तर आएगा अप्रॉक्सीमेट सिक्सटी टू पॉइंट एट एट छठे अड़तालीस एट आप चाहो तो करके देख लेना कैलकुलेटर से आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ जी जो मैंने बात बताई है उसमें कोई शक नहीं है वो बात बिल्कुल एकदम सही है आ रहा है इसका हाँ सही तो बोल रहे हैं वो दो घटा रहे थे ना हम इसमें से दो घटा रहे थे तो सिक्सटी वन ही बचेगा. कोई बात नहीं ये करेक्शन कमेंट ये देखते रहो बच्चों के ना पता चलता रहता है कि हमने कोई आंसर में अगर मिस्टेक है 61.83 वो हमने दो घटाया बट दिखा नहीं वो दो मतलब लेकिन अगर ऐसा सवाल पेपर में आया और तुमसे नहीं हुआ तो चमड़ी में उधेड़ूंगा नहीं वो सिली नहीं जाएगी फिर कहीं आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई बहुत बुरी तरह से फटी पड़ी सिली जाएगी नहीं चमड़ी ये ध्यान रखना होश में आके पढ़ना मैं अगला सवाल ले रहा हूं ये इतना प्यारा सवाल है नंबर्स पे ही बहुत प्यारा सवाल पेपर में आया हुआ मैं दिखाता हूं आपको आप शायद आप समझ पाओ और कर पाओ एक्स वाई जेड का औसत तैतालीस है एक्स वाई जेड का औसत तैतालीस है एक्स औसत से जितना अधिक है उतना वाई औसत से कम है तो जेड का मान बताओ मैंने अभी क्या कही थी तुम्हें एक बात मैंने कही थी कि अगर औसत तैतालीस है बेटा सुनना मेरी बात अभी पढ़ाया अभी अब कान पे लगाऊंगा मैं खींच के मैंने कहा था कि अगर औसत तैतालीस है तो फिर सारी संख्याएं तैतालीस तैतालीस है या नहीं तुमने कहा ठीक है मान लो फिर तुमने कहा कि x औसत से जितना अधिक है ये थोड़ा सा ज्यादा है मान लेते हैं t और ये थोड़ा सा कम है तो फिर ये तो कट गया कोई फर्क ही नहीं पड़ा यानी जो मैं मानना हूं तैतालीस तैतालीस उसमें जेड तो छेड़ना ही नहीं पड़ा और जेड ही पूछा है तैतालीस उत्तर आ गया तैतालीस उत्तर आ गया कुछ करना ही हमें नहीं पड़ा कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें कुछ भी जिसको कहते हैं कल करूंगा कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें क्यों नहीं पड़ा करना पड़ा हमें कुछ उसके पीछे की वजह जानो क्योंकि जितना आपने एक्स को छेड़ा एक घर में तीन मेंबर थे आपने पहले को छेड़ा जितना मारा उसका बदला वाई ने ले लिया वाई ने आपको उतना ही पीट दिया घपटल्ली का आपने सुना होगा कितना पिटा था ठीक है तो x जितना आपने मारा y ने उसका बदला आपसे ले लिया तो फिर अब z को तो करने के लिए कुछ बचा क्या z तो न्यूट्रल है न्यूट्रल मतलब तैतालीस एवरेज है एवरेज मतलब तेतालीस ते ही z है z ही तेतालीस है बोलो बात आई नहीं आई समझ आई नहीं आई बात समझ आनी पड़ेगी बात को समझना पड़ेगा बात की गहराई को समझना पड़ेगा डूबना पड़ेगा यू हैव टू एंटर इन टू द डेप्थ ऑफ द मैस आशा नहीं है इतना कुछ भी कर पा जीवन में हर चीज में एफर्ट डालना पड़ता है बिना एफर्ट के आप ही मुझे बताओ कि किसे क्या मिला है बिना एफर्ट के तो आप इस दुनिया में नहीं आते मेरा मतलब है कि आप कैसे बड़े हो जाते मां-बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया मेहनत लगी उनकी बचपन से लेकर के आपको यहां तक पहुंचाया अब आप उनकी दो बात सुन के ये सोच लेते हैं ये समझ लेते हैं कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई यार मैं तो चला जाऊंगा बुलेंसर रह लूंगा और वहीं से अपना पढ़ाई पूरी खत्म करके नौकरी लगा लूंगा जब मरने वाला हूंगा तब घर आऊंगा दिस इज नॉट द वे दिस इज नॉट द वे दिस इज नॉट द अप्रिशिएशन टू द पेरेंट्स यू हैव टू वर्क हार्ड मैंने कहा ना कि पढ़ाई एक तपस्या है अपसरा आएंगी डिस्ट्रैक्ट करेंगी आपको कैसे बचना है आपका लक्ष्य कितना स्ट्रांग है आपकी फॉर्म डिटर्मिनेशन कितनी है आपके अंदर कितनी स्ट्रांग डिजायर है पहले अपने अंदर भूख तो लाइए कुछ करने की पैसा कमाने की भूख लाइए गलत नहीं है लोग कहते हैं गलत है नहीं है पैसा कमाना गलत नहीं है पैसे की भूख रखना गलत नहीं है पैसे का लोभ लालच रखना गलत है पैसे का इस्तेमाल सिर्फ मैं करूंगा ये गलत है पैसा मैंने कमाया मेरा ये गलत है अगर सबकी हिस्सेदारी नहीं है तो आप जरूरतमंद के काम नहीं आ रहे तो कोई मतलब नहीं है उस जीवन का मैं अभिनय शर्मा जिसने खुद पांच बार एस एस क्रैक किए है मैथ्स में वन नाइनटी स्कोर किया उस टाइम जहां लोगों के उस टाइम दो लाना बड़ी बात होती थी आज तो हजारों लोगों के दो हैं और पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट है एसएससी की वो मैंने ली हैं, वो आ, वो, है चाहे वो डबल ए हो एक्साइज इंस्पेक्टर जितनी भी टॉप पोस्ट हैं तो इसीलिए मैं बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जानता हूं कि कैसे पढ़ाई की जाए कि एसएससी में आप सेलेक्ट हो पाए मन लगाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी एफर्ट करना पड़ेगा प्रॉब्लम हमारे साथ बस इतनी सी है कि हम एफर्ट इतूसा करते हैं और उम्मीदें इतनी ज़्यादा रखते हैं तो पहले अपने एफर्ट को बढ़ाइए उम्मीदों को कम करके अपने आप सुकून मिलेगा अफसोस की मात्रा ही जिंदगी में खत्म हो जाएगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ कल भी हमने बहुत प्यार से पढ़ा था आज भी बहुत प्यार से पढ़ेंगे स्टार्टिंग में एक दो मिनट का जो ज्ञान दिया वो इसीलिए दिया ताकि सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ ये होगा फिर फोर्थ क्लास ना चलिए पहला सवाल यह है प्रतिस्थापन पे बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसलिए भी बताना चाहता हूं इस सवाल को इसका एक और सवाल मैंने इसके बाद लिया है कि बच्चे ना इस सवाल को डायरेक्ट कर देते हैं उनको टीचर भी डायरेक्ट सिखा देते हैं कुछ नहीं करना है बस भाग लगा देना मैं भी बता दूंगा आपको भाग लगा देना आपको बताया होगा टीचर ने कि थ्री पॉइंट सिक्स है तो नौ से भाग लगा देना 9, 34, 34 का नौ चौक छत्तीस चार इसका उत्तर आ जाएगा क्यों आता है पहले आपको जानना पड़ेगा एक बात जैसे मैं एक चीज क्या कह रहा था पहले मैं समझाऊंगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझाते हुए चल रहा हूं इस क्लास में मैंने ये कहा कि मान लेते हैं कुछ संख्या हैं तीन नंबर है वो है ठीक है भाई तीन संख्या और उनका सम छत्तीस है, है।, है, है, है तो मैंने कहा फिर उनका एवरेज कितना होगा तो आपने कहा जी एवरेज बारह होगा बोलो कह सकते हैं कि नहीं तुम लोग भी समझते रहो तुम्हें भाई एसएससी की तैयारी अब शुरू करनी है तीन नंबर है सम छत्तीस है एवरेज बारह है ठीक है अब मैंने क्या कहा कि अगर यही सम उनतालीस हो जाए या पैतालीस हो जाए मैंने लिखा यही सम पैंतालीस हो गया तो बेटा एवरेज कितना होगा तो बच्चा कहता है कि जी अब एवरेज पंद्रह होगा आपने क्या नोट किया यहां पे ये मैं सिखाना चाहता हूं समझाना चाहता हूं क्या नोट किया तो बच्चा कहेगा मैंने नोट किया कि एवरेज तीन बढ़ा है सम कितना बड़ा है तो बच्चा कहेगा जी सम नौ है क्यों है क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सबका बढ़ना तीन संख्याएं थी सब तीन तीन, तीन बड़ी है तभी सम नौ बढ़ा है यानी कि कभी भी अगर हमें कोई ये कहेगा कि एवरेज तीन बड़ा इतनी, इतनी सी बात कही कि एवरेज तीन बड़ा और नंबर चार थे नंबर चार थे टोटल तो मैं पूछूंगा सम कितना बड़ा होगा बेटा तो बेटा कह देगा चार गुणा तीन बराबर बारह सम बारह बड़ा होगा तब ठीक है पहली बात जो मैं आपको समझा रहा हूं दूसरी बात बेटा मैंने कहा कि सम जो है सम जो है वो बीस बड़ा है बीस बड़ा है बीस इंक्रीज हुआ है और नंबर बेटा पांच थे तो बेटा बताओ एवरेज कितना बड़ा होगा तो बच्चा बड़े प्यार से कह देगा जी बीस पांच में बढ़ जाएगा एवरेज चार बड़ा होगा इतनी सी बात मैं बताना चाह रहा हूं जो मैं आज की क्लास में अप्लाई करूंगा कि सम कितना बढ़ेगा जितना एवरेज बढ़ा है गुणा उसका नंबर ठीक है एवरेज कितना बढ़ेगा जितना सम बढ़ा है बटे नंबर एवरेज इंक्रीमेंट मैं लिख देता हूं इस बात को जो मैंने ये बात समझाई है इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा प्यार से जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो भी समझ सकता है और जिसे कुछ आता है वो तो सब कुछ समझ सकता है और कुछ तो आना ही चाहिए कई लड़के सिर्फ बनते हैं मैंने देखा है उनकी नई नई कोई महिला मित्र बनेंगी इतना बनेंगे अच्छा मुझे तो ये भी नहीं पता ताकि महिला मित्र को लगे अरे बड़े क्यूट हो और पीछे वो क्या कहते हैं अरे पता नहीं इतना गवार है ना इसको कुछ नहीं पता लेकिन वो ऐसे करेंगे देखो मैं क्या कहना चाहता हूं या क्या आपको बताना चाहता हूं मैंने कहा एवरेज में चेंज एवरेज में चेंज क्या होगा जो भी हो प्लस माइनस तो आप कहेंगे सम में चेंज बटी जितनी संख्याएं हैं टोटल नंबर कल को कोई पूछ ले सम में चेंज तो बात वही है सम में चेंज क्या होगा तो आप कहेंगे एवरेज में चेंज गुणा नंबर जितने भी नंबर बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है आज की क्लास में मैं समझता हूं कि मेरा देह खत्म हो जाएगा यह समझाने का कि आपको रिप्लेसमेंट समझ आ गया इतनी सी बात यह कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का नथिंग एल्स ठीक है शुरू करते हैं अब आज की क्लास और पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर है मैं पढ़ रहा हूं सवाल जब तक आप ये नोट कर लेंगे ये मैंने इनको ऐसे बता दी बात ना इससे क्या रहेगा कि इनको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा हमें एग्जाम्पल पहले लेके बता दिया था ए स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ टेन टू डिजिट नंबर्स वाइल कॉपिंग नंबर बाई मिस्टेक ही राइट वन नंबर विद इट्स डिजिट इंटरचेंज हो गई एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हिज आंसर इज थ्री पॉइंट सिक्स लेस देन द करेक्ट आंसर द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इन विच ही मेड मिस्टेक एक छात्र दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या को उल्टा कर देता है परिणाम से क्या होता है कि उत्तर थ्री पॉइंट सिक्स कम प्राप्त होता है अब मैं एक चीज क्या बताना चाहता हूं कि जो आज की क्लास है रिप्लेसमेंट की ध्यान से सुनना वो तभी लगेगी जब नंबर चेंज नहीं होगा नंबर चेंज होगा तो कॉन्सेप्ट बदलेगा मैं बताऊंगा वो ऐसे भी सवाल है बट अभी जो रिप्लेसमेंट जहां से शुरुआत कर रहे हैं वो नंबर उतना ही है एक बंद आ गया एक आ गया दो गए दो आ गए नंबर वही है लोगों के तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो मैंने अभी तक बताया ठीक है भाई अब आपने कहा कि दस संख्याओं के एवरेज में दस संख्याओं के एवरेज में जो कमी आ रही है बेटा वो आ रही है थ्री पॉइंट सिक्स की बोलो बेटा यही आ रही है दस संख्याओं के एवरेज में कमी मैं कहूंगा बेटा सम में कितने की कमी आएगी तो बच्चा हमारा कहेगा जी दस संख्याएं और सब तीन पॉइंट तीन पॉइंट छह कम हुई है यानी कि सम छत्तीस कम हुआ बोलो बेटा कहोगे कि नहीं कहोगे अच्छा अब एक चीज बताओ नौ संख्या तो सम के अंदर सेम टू सेम है जो नौ संख्या है नौ नंबर है वो सेम टू सेम है डिट्टो है दत्तो नहीं है डिट्टो ठीक है डिट्टो है एक संख्या में गड़बड़ है तो बच्चा कहेगा हाँ जी एक संख्या में गड़बड़ है क्या है कि अगर एक संख्या ए बी थी तो वो बाद में बी ए हो गई बाद में बी ए हो गई है। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है कि ए बी का मतलब क्या है तो कहेगा जी दो अंकों की संख्या ए बी को बचपन से लिखते आ रहे हैं टेन ए प्लस बी ए लिखते आ रहे दो अंकों की संख्या है मैंने कहा बेटा बी ए को तो आपने कहा दस बी प्लस ए इसकी वजह से सम में अंतर आ रहा है तो कोई बच्चा कहेगा यार इनका अंतर निकाल दो तो मैंने घटा दिया तो ये आ गया नाइन ए माइनस बी ये डिफरेंस आ रहा है सम सम में ये का अंतर है गुरु मैंने कहा नौ संख्या एजेटेज है सम का अंतर यह आ गया नाइन ए माइनस बी तो मैंने इस नाइन ए माइनस बी को बराबर रख दिया छत्तीस के तो उत्तर कितना आ गया ए माइनस बी बराबर चार यही उत्तर है क्योंकि सवाल में यही पूछा था कि जिस संख्या के अंक पलटे हैं उन अंकों का अंतर क्या है वो संख्या ए बी थी उसके अंक ए और बी थे तो ए और बी का अंतर कितना है अब टीचर देखिए याद करा देता है हम भी याद करा देते हैं बच्चों को कि भाई सीधे इसको नौ से भाग कर दो थ्री पॉइंट सिक्स को टू पॉइंट सेवन है नौ से भाग करेंगे तीन उत्तर आ जाएगा वन पॉइंट एट है नौ से भाग करेंगे दो उत्तर आ जाएगा बट वो नियम तभी लगेगा जब ये संख्याएं हैं दस होंगी बेटा संख्याएं दस होंगी तभी वो नियम लगेगा ऐसा नहीं है कि संख्याएं दस नहीं और आपने नौ से भाग कर दिया तो आपको नानी याद आ जाएगी मैं ऐसा ही एक सवाल आपके लिए लेके आया हूं जहां पर बच्चा ये गलती कर सकता है आप समझ गए ना कि 10 से गुणा हो रहा है तो 36 आ रहा है मान लेते हैं 9 होगा तो तो ये निकलेगा ही नहीं सवाल कौन सा निकलेगा वो बताता हूँ ये एक बार नोट कर लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आगे बढ़ते हैं मैं अगला सवाल खोल रहा हूँ अब तो जैकेट्स भी खत्म हो जाएंगे मुझे लगता है आज और जैकेट्स निकालनी पड़ेंगी सारे कलर हो गए ये देखना भाई जरा अब मान लेते हैं जी ये सवाल हमने पूछा गुरु और बच्चे ने जिसने रटा हुआ था वो क्या करेगा जैसे ये वन पॉइंट एट दिया हुआ है सीधे नौ से भाग करके दो उत्तर कराएगा तीन आएगा इसका उत्तर क्यों तीन आएगा क्योंकि संख्याएं अब कितनी है पंद्रह है तो मैंने यही जानना चाह कि बेटा बताओ सम पे क्या फर्क पड़ेगा तो बच्चे ने कहा जी आपकी बार संख्याएं पंद्रह हैं आपने बताया था कि जो सम पे फर्क पड़ता है सम कितना बढ़ेगा या कम होगा कम हो रहा है तो नीचे की तरफ एरो लगा दिया नंबर गुणा एवरेज में चेंज एवरेज में चेंज कितने का 1.8 का ये कितना आ गया 27 आपको पता है एक ही संख्या के साथ छेड़खानी की है छेड़खानी जो की है छेड़ा है वो एक ही संख्या को किया है तो एक ही संख्या को छेड़ूंगा मान लेते हैं कोई संख्या एक्स वाई से जब वाई एक्स होती है बेटा तो इसको हम लिखते हैं टेन एक्स प्लस वाई इसको हम लिखते हैं टेन वाई प्लस एक्स और जो अंतर हमने निकाला है नाइन एक्स माइनस वाई ठीक है तो ये किसके बराबर होगा लिख देते हैं 9X -Y, एक ही संख्या से अंतर आ रहा है नौ संख्या सेम है आप नहीं चौदह संख्या है, सेम है सिर्फ एक संख्या में गड़बड़ हुई है तो सम जो फर्क पड़ रहा है सम पे वो एक ही संख्या की बदौलत पड़ रहा है तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया तो मैंने बस इतना सा ही कहा कि ये बात ध्यान रखनी है कि संख्याएं कितनी है ऐसा मत करना कि डायरेक्ट नौ से भाग लगा देना ये वाली चीज मत करना डायरेक्ट नौ से भाग मत लगाना आज सैटरडे है दोस्तों हम भी सोच रहे हैं कि कहीं निकल लें अपना घूमने फिरने क्या है जीवन में कुछ चाट वाट खाया है आज बहुत दिन हो गए टिक्की किसी की शादी में खाए हुए आगे बढ़ते हैं बढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है अब ऐसा सवाल तीन अंकों पे भी आता है तो ये चीज भी आपको समझनी होगी और जल्दी से उत्तर बताना होगा तीन अंकों पे भी ऐसा सवाल है तो तीन अंकों पे क्या सवाल है कि ए स्टूडेंट कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ थ्री डिजिट नंबर बट ड्यू टू मिस्टेक ही रिवर्स द डिजिट ऑफ ए नंबर आपकी बार तीन अंकों की संख्या है तीन अंकों की संख्या एक संख्या के साथ गड़बड़ की है तो पहले तो मैं ये बताता हूं कि सम पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपसे जानना चाहता हूं तो सम बढ़ेगा बढ़ेगा क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है मैंने क्या कहा था अगर एवरेज बढ़ेगा तो सम बढ़ेगा एवरेज घटेगा तो सम घटेगा तो अगर हम एवरेज की बात करें यहाँ पे एवरेज की तो आपका जवाब होगा कि एवरेज जो है वो घट रहा है कितना बढ़ रहा है सॉरी कितना बढ़ रहा है ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन मैंने कहा बेटा सम कितना बढ़ेगा तो आपने कहा जी सम बढ़ जाएगा दस संख्याएं टोटल एवरेज ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन यानी कि टू नाइन्टी सेवन अच्छा नौ संख्याएं तो डिट्टो हैं जो नंबर हैं दस उस दस में नौ संख्याएं डिट्टो हैं देखिए यहाँ पे डिट्टो है यही डिट्टो जब मूवी बनती है तनु मनु बैट्स तो दत्तो हो जाती है देखिए कि नहीं बहुत अच्छी है हमने देखी थी याद हैं बहुत उसकी बड़ी अच्छी थी डिट्टो एक संख्या में गड़बड़ है जैसे कि एक संख्या ए है तो वो बाद में कितनी हो गई है सी बी ए बीच वाला अंक हमेशा वही रहता है तीन अंकों की संख्या में पहले और आखिरी वाले इंटरचेंज होते हैं अब मैं आपसे जानना चाहता हूं ये मिटा रहा हूं डिट्टो वाली बात नौ संख्या से में। नौ संख्याएं सेम है है जो वो संख्या तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं तो आप कहेंगे इसको लिखा जा सकता है तीन अंकों की संख्या को सौ ए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको संख्या भी लिखना नहीं आता होगा तो अब यह कितना हो गया सौ C प्लस दस बी प्लस ए ठीक है हमने घटा दिया इसको तो आपने कहा अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99 नाइन ए माइनस सी यह आ जाएगा अंतर आ जाएगा इतना यही अंतर दिया हुआ है सवाल में आप बताओ अंतर सम में आया क्यों नौ संख्याएं तो सेम थी अंतर क्यों आया सम में अंतर इसीलिए आया क्योंकि 99 नाइन ए माइनस सी ने अंतर जनरेट कर दिया तो ये कितनी बार कटेगा इससे तीन बार कटेगा तो A -C कितना आ माइनस सी कितना यही पूछा था इकाई और सैकड़े स्थान पर अंकों का अंतर इकाई हीरा सैकड़ा हीरा ए और C का अंतर पूछा था तीन निकाल दिया इस पर भी वैसा सवाल बन सकता है मेरी बात सुनना ध्यान से इस पर भी वैसा सवाल बन सकता है जहां पे संख्याएं दस ना हो वो हम आपको सीट में डाल के देंगे क्योंकि एक जैसे सवाल करने का कोई पर्पज नहीं है इतना काफी है इस टॉपिक पे नहीं? मतलब इन संख्याओं पे इतना काफी है जो हमारा चौथा सवाल है वो इसी पे है आपको जो पी मिलेगी उसमें चौथा सवाल इसी पे होगा वहां पे दस अंक नहीं होंगे कोई दूसरे होंगे ठीक है चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है भाई किसी को डाउट है तो बता दो तो, आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ना ही होगा हमें कोई मतलब रुकना ही नहीं है हमें रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों से मिलेंगे बाहर के देखिए इस बैच को पढ़ने के बाद मैं ये समझता हूं देखिए कोई जल्दी नहीं है क्योंकि फ्री बैच है यूट्यूब पे है ऐसा नहीं है कि दूसरा बैच लॉन्च करना है तो इसको जल्दी खत्म करना है बहुत सारी वजह है तो ये बैच एक ऐसा बैच है कि जो हर कोर्स से बेहतर है अगर आप इससे पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं खोट आपके अंदर है आपको अपने अंदर सुधार की जरूरत है कोई आपको नहीं सिखा सकता अगर मैं नहीं सिखा पाया ना इस बैच में आ जाए मेक यू अंडरस्टैंड पूछ लेना किसी को भी कॉल करके पूछ लेना खुद ब्रह्मा जी को उनका भी लेवल इससे बहुत हाई है हमसे देखिए भाई अभी जो बात बताई ये मैंने इनको सही लिखा दी एवरेज बढ़ना और वो ना लफड़ा नहीं रहेगा बार बार समझाने का आठ पुरुषों की औसत आयु दो वर्ष बढ़ जाती मैंने सीधे लिखा एवरेज जो है भैया वो कितना बढ़ गया है तो आपने कहा जी दो बढ़ गया ये लो। ठीक है एवरेज दो बढ़ गया अब मैंने कहा सम तो आपने कहा लोग कितने हैं मैंने कहा बेटा आठ है तो आपने कहा सम आठ गुणा दो सोलह बढ़ जाएगा सम कितना बढ़ जाएगा सोलह बढ़ जाएगा क्लियर है बात सम सोलह बढ़ जाएगा अब मैंने कहा कि जब उनमें से दो पुरुष इक्कीस और तेईस वर्ष वाले जब उनमें से दो पुरुषों की उम्र इक्कीस और तेईस वर्ष है तेईस वर्ष है बढ़ जाती नहीं है यहाँ पे करेक्ट कर लो ये हटा दो इसको भाई ये करेक्ट कर लेना यहाँ पे बढ़ जाती नहीं है चेंज करते रहो जो मैं बता रहा हूँ आठ पुरुषों की औसत आई हुई दो वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से दो पुरुष जिनकी उम्र दो की उम्र इक्कीस और तेईस वर्ष है उनकी जगह बढ़ जाती है हटाना है उनकी जगह दो नए पुरुष आते हैं ये बोल रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब सम अगर इतना बढ़ा है सम कब बढ़ा है जब हमने इक्कीस और तेईस वालों को हटाया है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि न्यू कमर जो नए लोग आए हैं टू न्यू कमर एज तो आपने कहा कि जो टू न्यू कमर एज है वो 21 और 23 से 21 प्लस 23 से सोलह जाता है भाई हमने कहा जब नए बंदे आते हैं तो एवरेज बढ़ जाता है हमने कहा भैया एवरेज बढ़ा है इसका मतलब सम बढ़ा है सोलह यानी जो नए वाले बंदे आए हैं उनकी सोलह ज्यादा है इनका एवरेज पूछ रहा है एवरेज ऑफ टू दो का एवरेज पूछ रहा है तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है बीस 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 ये साठ आ गया और साठ को अगर हम दो से भाग करें तो इट विल बी तीस क्या होगा ये इट विल बी तीस बड़ा प्यारा और सिंपल सा सवाल था बट मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें आपको कोई चीज समझाने के लिए करना पड़ता है इस तरीके से अगर हम बिल्कुल बेसिक से नहीं लेके चलेंगे फिर वही बात आ जाएगी कि आप सीख नहीं पाएंगे हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है जो बच्चे नए भी हैं जिनको कुछ आता भी है तो मैं सवाल की वैल्यू भी इसीलिए चेंज करके ला रहा हूं कि आप भी ट्राई करो ठीक है पेपर में भी तो सरल सवाल आ रहे हैं मीन्स में भी सरल सवाल आए बट सरल में गलती नहीं होनी चाहिए तो जिन लोगों को आता है वो भी साथ के साथ ट्राई किया करो कि गलती ना हो हम भी आंसर निकाल पा रहे हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना होगा बढ़ना हमें आगे होगा ये देखो ये कितना लल्लू सवाल है मतलब मैं क्या बताऊं कि ऐसे लल्लू सवाल कौन बनाता है पहले सवाल पढ़ना होगा उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय ए न्यू मेंबर इट वाज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ फाइव मेंबर्स ऑफ ए क्लब इज द सेम एज इट वॉज थ्री ईयर्स एगो ठीक है डिफरेंस बिटवीन द न्यू मेमर एक पुराने सदस्य को नए सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के पांच सदस्यों की औसत आयु तीन साल पहले की ही तरह है तो प्रतिस्थापित और नए सदस्य की आयु के बीच अंतर क्या है देखिए एक चीज मुझे बताइए छोटी सी एक बात आपको मुझे बतानी होगी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई तीन साल बाद कितने लोग हैं एक पुराने सदस्य में कितने भी लोग हैं मुझे नहीं पता ठीक है कितने भी लोग ग्रुप में हैं एक ग्रुप है उसका एवरेज कुछ भी था मैं आपसे जानना चाहता हूं तीन साल बाद कितना होगा ये बात मैंने आपको बताई भी थी जब पहली क्लास ली थी मैंने कहा था कि तीन साल बाद का मतलब क्या है सब तीन तीन साल बड़े हो जाएंगे मान लेते हैं उसमें ग्रुप में पांच मेंबर हैं पहला भी तीन साल बड़ा होगा दूसरा भी तीन साल बड़ा होगा तीसरा भी तीन साल बड़ा होगा सब तीन तीन साल बड़े होंगे यानी कि जब कभी ऐसी बात करता है फिर से लिख लो कि अगर कोई आपको कहता है कि सौ लोग हैं और उनकी एवरेज एज दे रखी है आपको मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं पंद्रह और फिर पूछ रहा है कि आठ साल बाद कितनी होगी आठ साल बाद तो आपको ये पता होना चाहिए कि आठ साल बाद का मतलब सबकी आठ बढ़ेगी इसका मतलब एवरेज आठ बढ़ेगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं मैंने ये आपको बताया था कि अगर प्रत्येक संख्या में आठ जोड़ दोगे तो एवरेज भी आठ बढ़ जाएगा ये बात बताई थी या नहीं इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर सब लोग में तीन तीन आप जोड़ रहे हो तो एवरेज भी तीन बढ़ना चाहिए यह बोल रहे है नहीं। तो तीन साल बाद एवरेज तीन बढ़ना चाहिए तीन प्लस होना चाहिए ठीक है भाई एक पुराने सदस्य को नए एक क्लब के पांच सदस्यों की औसत आयु है पांच सदस्यों की औसत आयु है, तो तीन बढ़नी चाहिए यानी कि सम कितना बढ़ना चाहिए मैं जानना चाहता हूं आपसे तीन साल बाद तो आप कहेंगे पांच लोग हैं और तीन से गुणा कर दिया सम पंद्रह बढ़ना चाहिए सम पंद्रह बढ़ना चाहिए लेकिन एवरेज एज उतनी ही रही इसका मतलब सम नहीं बढ़ा एवरेज एज उतनी ही रही का मतलब है सम नहीं बढ़ा कितना नहीं बढ़ा पंद्रह नहीं बढ़ा तभी तो उतनी हो सकती है वैसे तो पंद्रह बढ़ना चाहिए था बट नहीं बढ़ा इसका मतलब कि जो नया बंदा आया है ना वो पंद्रह साल छोटा है उसने उस पंद्रह को मैनेज कर दिया बैलेंस कर दिया तो ये हम इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी मैं मौखिक समझ सकता था कि पांच सदस्य हैं एवरेज तीन बढ़ना चाहिए पाँच या पंद्रह सम पंद्रह बढ़ना चाहिए बट नहीं बढ़ा इसका मतलब प्रतिस्थापित और जो नया बंदा आया है उसकी एज का अंतर पंद्रह है पंद्रह साल छोटा है जिसने उसको बैलेंस कर दिया बस इतना ही समझा पाऊंगा समझाता इसलिए हूं हर बात ताकि कल को और आगे कोई सवाल आए जरूरी नहीं है सेम टू सेम आएगा कुछ और कठिन सवाल आए तो आप कर पाओ इसलिए हर बात को समझाते हुए चलना जरूरी है मैं यहाँ सोल्यूशन बताने नहीं आया मैं यहाँ अपना डेमो देने नहीं आया कि मैंने डेमो दे दिया अब पेड़ वैच में आना और फिर देखना तरीके क्या है मैं अपना हंड्रेड परसेंट यहाँ देने आया हूँ और वही दे रहा हूँ कि सब कुछ समझा के चलो ताकि सवाल कहीं भी आए कैसा भी आए प्रीवियस ईयर हो किसी टीचर की पीडीएफ हो हमारा बच्चा इस बैच का ए टू जेड क्वांट का हर सवाल कर पाए ये हमारा देह है ठीक है समझ पा रहे हैं आगे बढ़ते हैं मैं इसीलिए आप देखते हैं कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगाता हूं ये सवाल देख लीजिए बहुत सिंपल सवाल है आराम से शांति से पढ़िए जो पढ़ाए जा रहे हैं और चुप बैठ के पढ़िए ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे ब्लॉक हो जाएंगे अपने आप हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्यू आर तीन धनात्मक संख्याएं पी क्यू आर से बड़ी है जब छोटी संख्या को शेष दो संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या और वास्तविक संख्याओं सबसे छोटी संख्या को छोड़कर का औसत सभी तीन वास्तविक संख्याओं के औसत से तेईस ज्यादा है देखिए औसत तेईस ज्यादा है तीन संख्याओं पे अंतर पूछ रहा है तो सम पे क्या अंतर पड़ेगा मैं आपसे जानना चाहता हूं देखिए आप पहले तो मुझे यह बताइए जब सबसे छोटी संख्याओं को शेष दो संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है यानी कि आर को दो संख्याओं का अंतर पी माइनस क्यू होगा ये तो मानते हो ये सम है पहले केस में एक आपको ये संख्या मिल गई ठीक है ये एक संख्या मिल गई आपको एक ठीक अब आपने जब एवरेज निकाला इन तीन संख्याओं का तो आपने क्या किया परिणामी संख्या और वास्तविक संख्या जिसमें छोटी को छोड़ के यानी कि पी प्लस क्यू का एवरेज निकाला एक बार आपने एवरेज इस चीज का निकाला है भाई तीन संख्याएं पहली दूसरी तीसरी एक बार आप एवरेज निकाल रहे हैं पी प्लस क्यू और प्लस आर यही कर रहे हैं आप ये सम है बेसिकली मैं इस सम की बात कर रहा हूं तो आपने कहा कि जो सम का अंतर है वो P प्लस क्यू पी प्लस क्यू और R तो इसमें भी है सम का अंतर सिर्फ इतना सा है। इतना ही सम का अंतर है तो सम का अंतर है पी माइनस क्यू यह अंतर है सम का एवरेज कितना ज्यादा है तेईस ज्यादा है तीन संख्याओं पे। तो सम कितना ज्यादा होगा तो मैंने बताया कि तीन संख्याएं हैं और सम तेईस ज्यादा होगा तो तेईस दिया उनहत्तर अगर एवरेज तेईस ज्यादा है इसका मतलब सम तेईस ज्यादा है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऊपर सम तेईस कैसे ज्यादा है ऊपर हत्तर सम कैसे ज्यादा है आपने कहा नीचे भी पी क्यू आर है ऊपर भी पी क्यू आर है बट पी माइनस क्यू ज्यादा है तो जो ज्यादा है वही सम है और वो कितना है सिक्सटी नाइन और वही आपसे पूछ रहे सवाल में तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं है इसको लिखने की इतना ही समझाना तो समझा दिया हाँ मतलब जैसे अब मैं अगर इसी चीज को मैं एवरेज लिखूं बट मैं इनको बता चुका हूं ना कि एवरेज मैंने इनको बताया कि भाई एवरेज अगर तेईस ज्यादा है तीन संख्याओं पे तो सम कितना ज्यादा होगा तो आपने कहा सम तीन संख्याएं तो आप, आप किन -किन तो के साथ दिया हुआ है ना देखो जब सबसे छोटी संख्या आर को शेष संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है पी क्यू तो एक संख्या तो ये मिल गई और बाकी दो ये हैं पी और क्यू लिखा हुआ है वास्तविक संख्या छोटी को छोड़कर हां वही सबसे छोटी संख्या को बाकी के दो अंतर में जोड़ के एक संख्या बना दी उसके बाद फिर दो संख्या वो ली जो छोटी को छोड़कर है और क्यू तो जो अंतर हमें दिख रहा है सब में वो पी माइनस क्यू का दिख रहा है जो सिक्सटी नाइन के बराबर आगे बढ़ते हैं आप ये सवाल देखिए सवाल देखिए द एवरेज वेट ऑफ फिफ्टीन सेलर्स इन ए बोट इज इंक्रीज बाई वन पॉइंट सिक्स के जी ठीक है एवरेज वेट बढ़ जाता है वेन वन ऑफ द क्रियू हुट फोर्टी टू के जी इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू मैन तो फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन बड़ा सिंपल है यार इतना सिंपल सवाल बताइए मुझे बताना पड़ रहा है बट कोई बात नहीं बता देता हूं देखिए एक बात बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज कितना बढ़ रहा है बस इतना ही लिखना है जितना मैं लिख रहा हूँ उतना ही आपको लिखना है कि जी एवरेज बढ़ रहा है 1.6 kg एवरेज कितना बढ़ रहा है 1.6 kg एवरेज बढ़ रहा है तो सम कितना बढ़ेगा सम कितना बढ़ेगा तो आप कहेंगे पंद्रह नाभिकों हैं तो पंद्रह गुड़ा वन पॉइंट सिक्स बढ़ेगा यानी चौबीस के जी बढ़ेगा चौबीस के जी बढ़ेगा सम कितना बढ़ेगा चौबीस के जी बढ़ेगा ठीक है अब बयालीस किलोग्राम का वजन वाला बंदा गया है और नया आया है इसका मतलब सम चौबीस बढ़ा है और कोई तो गया नहीं सिर्फ एक बंदा आया है यानी उस एक का ही चौबीस ज्यादा है बाकी सेम है तो एक का चौबीस ज्यादा है एक का चौबीस मोर है जो गया है तो आप ही बताइए उसका कितना होगा न्यू वाले का तो आप कहेंगे न्यू मैन होगा जब बयालीस का गया और चौबीस सम बढ़ गया इसका मतलब उसका सिक्सटी सिक्स है यही उत्तर है सी कोई डाउट नहीं है कुछ भी समस्या नहीं है बहुत अच्छा लग रहा है आप सब पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है बाकी में और सब उत्तर बता रहे हैं सबसे कमाल की बात है कि बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं उत्तर बता रहे हैं यही चीज अच्छी रहती है यही तो ऑफलाइन क्लासेज में क्या होता है कि हम एक सवाल दे देते हैं बच्चा उसका आंसर बताता है वेट करते हैं फिर हम करते हैं फिर वो मैच करता है इसीलिए तो ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा फ्रूटफुल है तो वही चीज अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने सवाल दे दिया तो आपको एकदम सतर बैठना है कुर्सी पे आराम या बेड पे लेट के नहीं देखना सतर बैठना है मैंने सवाल दिया आप तुरंत करना शुरू कर देंगे क्योंकि मैं तीस सेकंड पच्चीस सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा टाइम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं आसान था एवरेज वन पॉइंट सिक्स के जी ज्यादा था तो सम फोर ज्यादा है मौके की आप निकाल देंगे इट्स नॉट द बिग इशू ठीक है खत्म हो जाएगा आगे आने वाली तीन चार क्लासों में एवरेज खत्म हो जाएगा परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है दस हो गया ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा बहुत ज्यादा प्यारा लगा आपकी बार कुछ अलग ही है सवाल जरा पढ़ना है इस सवाल को मैं पढ़ता हूं आ, मजा आ जाएगा करके देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज बहत्तर पॉइंट नौ के जी एवरेज जो कितना है वो बहत्तर पॉइंट नौ है इफ टेन स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ अस्सी के जी लीप दस ऐसे विद्यार्थी जिनका एवरेज वेट अस्सी है छोड़ देते हैं और 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज, है, वो करते हैं। वाले करते हैं। एवरेज वेट अठहत्तर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द ग्रुप ये आपको बताना है कितने लोग थे ग्रुप में कौन सबसे फास्ट बताएगा एनी बॉडी कोई भी बंदा जो सबसे फास्ट बता सकता है देखिए बड़ा प्यारा सवाल था मुझे बहुत अच्छा लगा अब की बार मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सम घटेगा या बढ़ेगा मैं इतना जानना चाहता हूं आप कहेंगे आप कहेंगे कि दस लोगों का एवरेज अस्सी था एवरेज दस लोगों का एवरेज अठहत्तर है जो आए तो मैं यहां पे कह रहा हूं पहले यहां पे छोटा वाला एवरेज है एवी इसको एवी लिखते हैं तो आपने कहा टू कम है तो मैंने कहा यहां पे सम कितना कम हो गया इससे तो आप कहेंगे दो गुणा दस बीस कम हो गया कहेंगे यानी तो मैं ये कह रहा हूं कि इन बच्चों की वजह से हमारा सम जो है वो बीस कम हो गया बीस कम इसकी वजह से आपको ये पता है कि ओवरऑल एवरेज कितना कम हो गया ओवरऑल अब आप कहेंगे ओवरऑल क्यों लिख रहे हो तो मैं कहूँगा मुझे बच्चे भी तो ओवरऑल बताने हैं बेटा तो मैं सम भी ओवरऑल लिख रहा हूँ तो मैंने कहा मेरा ओवरऑल एवरेज जीरो पॉइंट पांच के जी कम हो गया यही हुआ भाई नहीं हुआ अभी तक हमें नंबर पता होते थे कितने बच्चे हैं एवरेज पता होता था तो हम सम निकाल देते थे कितना कम ज्यादा हुआ अगर सम पता होता था तो एवरेज निकाल देते थे अब की बार एवरेज और सम दोनों पता है नंबर नहीं पता मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर बराबर होता है नंबर बराबर सम जितना डिक्रीज हुआ एवरेज जितना डिक्रीज हुआ भाई एक्चुअली क्या है कि जो सम होता है वही तो डिस्ट्रीब्यूट होता है आप खुद ही बता दो कि 20.5 अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितने लोगों में हो पाएगा 40 या आप अगर नहीं करना चाहते तो फॉर्मूला लगाओ भैया 20 बटे 0.5 बराबर कितना आ जाएगा 40 मैंने बहुत अच्छे से ये बात बताई मैंने कहा कि दस लोग अस्सी वाले गए और दस लोग अठहत्तर वाले आए इसका मतलब बीस के जी सम कम हो गया वो जो बीस के जी सम कम हुआ है उसकी वजह से सबका औसत पॉइंट पाँच कम हो गया यानी सब में से पॉइंट पाँच पॉइंट पाँच पॉइंट पाँच पॉइंट पाँच छीन लिया गया कितने लोगों में से पॉइंट पाँच छीने कि वो बीस कम आए तो आप कहोगे चालीस लोगों से छीनना होगा तो चालीस विद्यार्थी हैं जितने विद्यार्थी होंगे उतनों से ही तो छीना जाएगा क्या ये मुश्किल है मुझे बताओ पहले आपको समझ आया नहीं है क्या ये मुश्किल है ये बताओ ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है रिप्लेसमेंट का ही सवाल है कि संख्या नंबर गलत लिख गए

प्राप्तों का औसत साठ पाया गया सौ विद्यार्थियों की कंप्यूटेशनल त्रुटियों को सुधारने के बाद उनका औसत साठ से बदलकर सिक्स थर्टी हो गया तथा सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में औसत 45 हो गया परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जल्दी बताइए देखो किसी परीक्षा में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सब में क्या चेंज हुआ सब में सब में ओवरऑल सब में क्या चेंज हुआ ओवरऑल सम में तो आप कहेंगे सौ बच्चों के मार्क्स साठ से तीस हो गए ये लिखा है ना उनका औसत साठ से बदलकर तीस हो गया सौ बच्चों का साठ से बदलकर तीस हो गया त्रुटियों को सुधारने के बाद यानी कम हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि सौ लोगों पर तीस कम हो गया है तो टोटल सम पे क्या फर्क पड़ा है सौ गुणा तीस ये मैं कह सकता हूं नहीं? ठीक है भाई ओवरऑल सम पे चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए चेंजेस सम में आए किस वजह से मैं जानना चाहता हूँ वजह क्या रहे लिख देता हूं अच्छे से कि चेंज आने की वजह क्या रही तो आप कहेंगे कि सिर्फ सौ बच्चों का एवरेज पहले साठ था और साठ से बाद में तीस हो गया यानी कम कितना हुआ है तीस तो मैंने कहा सम में सौ गुणा तीस का अंतर आ जाए यही मतलब है अब मैं कहूंगा ओवरऑल एवरेज पे क्या फर्क पड़ा बेटा ओवरऑल एवरेज पे तो बच्चा का एक ओवरऑल एवरेज भी डिक्रीज हो गया 60 से देखिए पहले 60 था बाद में 45 हो गया 60 से 45 यानी कि हम ये कह सकते हैं पंद्रह डिक्रीज हुआ ओवरऑल एवरेज क्या हुआ पंद्रह डिक्रीज हुआ सम हमारा सौ गुणा तीस डिक्रीज हुआ एवरेज हमारा पंद्रह डिक्रीज हुआ तो मैंने कहा नंबर बता देते हैं तो आपने कहा कि जी अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि सम डिक्रीज बट एवरेज डिक्रीज यही तो बताया तो आपको पता है सम सौ गुणा तीस और एवरेज पंद्रह तो पंद्रह दूनी तीस बच्चे टोटल कितने हैं दो सौ एक तो इस तरीके से कर सकते थे इस सवाल को बाकी ये सवाल ना थोड़ा सा अलग था इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते थे वो मैं बताता हूं आपको आप इसको भी लिखा रहने दीजिए पता है क्या मैं ये कह रहा हूं सौ बच्चों का एवरेज तीस कम हुआ है, नहीं 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 सौ बच्चों का एवरेज आप चाहते हो कि वो पंद्रह कम हो जाए तो बच्चे डबल कर दो भाई उस तीस को अभी आपने तीस कम किया सौ बच्चों पे तीस कम किया आप चाहते हो कि वो जो तीस कम है वो पंद्रह पंद्रह कम हो तो उसके लिए बच्चे दो सौ होने चाहिए तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे तो लेकिन वो हम इसी सवाल में कर सकते हैं बट यहां पे तीस की जगह 29 होता दो सौ की जगह कुछ और होता तो थोड़ी मुश्किल होती बट ये सवाल पेपर में आया हुआ इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि एवरेज तीस कम हुआ सौ बच्चों पर तो पंद्रह कम हुआ दो बच्चों पर क्योंकि सम सेम रहना चाहिए सौ गुणा तीस भी तीन हजार है पंद्रह गुणा दो सौ भी तीन हजार इतनी सी बात थी कुछ कठिन बात नहीं थी ठीक है कमी निकालने से कुछ नहीं होगा कि तुम कमी बताते रहोगे और उससे कुछ हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन मेरे कमी निकालने से नहीं होगा बेटा जब तुम खुद पढ़ोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा बातें जितनी मर्जी करने लगो बातें तो आजकल पाँच साल का बच्चा आपसे ज़्यादा बनाने लगा है देख ही ले बातें बनाना इज़ नॉट द डिफ़िकल्ट टास्क कि तुमको बातें बहुत आ गई तुमने एक साल दिल्ली में तैयारी कर ली तुमने एक साल पटना में तैयारी कर ली तो तुम बातें बनाने लग गए हो तो आजकल क्या हो रहा है क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्या आपको लगने लगा है? अरे बातें मैं तो ऐसे बोल लेता हूँ ये कर देता हूँ वो जवाब ये सब मायने नहीं रखता इन सब से कुछ नहीं होगा शांत रह कि आपका सिलेक्शन हो जाए ये बड़ी बात है कि आप आप चाहते ही नहीं सिलेक्शन आज जितने लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा मेरा मानना ये है कि वो चाहते ही नहीं क्योंकि जो चाह लिया दिल से वो पूरा जरूर होगा सारा खेल चाहने का है जैसे उसे चाहा वैसे अगर नौकरी चाहे होती तो आज वो भी अपनी होती और नौकरी भी उसे इतना चाह गए कि नौकरी चाह ही नहीं पाए ग्यारह खिलाड़ियों की औसत आयु दो माह कम हो जाती है जब टीम में दो खिलाड़ी जिनकी आयु सत्रह वर्ष और बीस वर्ष के स्थान पर दो नई खिलाड़ी शामिल होते अभी बताया था वैसा ही सेम सवाल कुछ खास है नहीं चाहो तो होमवर्क में भी दे देता हूं कर देता हूं कि एवरेज कितना कम है ताकि हर बच्चे को लगे कि यार समझ आ रहा है सीरियसली दो मंथ कम एवरेज कितना कम हो रहा है दो महीने कम हो रहा है ठीक है सम कितना कम होगा बेटा ये मैंने कैलकुलेशन के लिए लिया है सिर्फ सवाल सम कितना कम होगा तो आप कहेंगे ग्यारह गुणा दो बाईस महीने कम हो जाएगा सम जो है वो कितना कम हो जाएगा बाईस महीने कम हो जाएगा तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नए खिलाड़ी आए हैं न्यू खिलाड़ी है। न्यू का सम क्या होगा तो आप कहेंगे पहले वाले सत्रह थे और बाईस साल था ये साल लिख लो ऐसे और प्लस बाईस महीने और ज्यादा है न्यू वाले यही है न्यू वाले तो इनका एवरेज अगर मैं निकालू न्यू वालों का तो आप कहेंगे दो लोग ही तो हैं सम बटे दो कर दो तो मैंने कहा सत्रह और बाईस कितना होगा भाई <laughs> सत्रह और बाईस उनतालीस उनतालीस ठीक है तो उनतालीस का आधा अगर आप करोगे तो कितना होगा उन्नीस साल छ महीने प्लस बाईस महीने का आधा करोगे कितना होगा ग्यारह महीने सर, गलत लिखा। सत्रह और बीस है ना सत्रह और बीस ऊपर कितना है ऊपर सत्रह और बीस ही है ऊपर भी ठीक है चेंज कर देते सत्रह साल और बीस साल अब ठीक है हाँ हाँ क्यों एवरेज क्या मैं एक बात देख लेता तो, हूं एवरेज 22 महीने कम हो रहा है तो माइनस होगा बिल्कुल ध्यान माइनस बाईस महीने होगा अब ठीक है तो मैंने कहा कि ये 17 साल और 20 महीने हैं आप बताओ ये 22 महीने का मतलब कितना हो गया तो आप कहेंगे एक साल और दस महीने चलेगा या नहीं तो अगर मैं इसमें से एक साल घटा दूंगा देखिए कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है ये एक साल घटा दूंगा तो ये सोलह ही रह जाएगा तो बीस और सोलह छत्तीस का आधा अठारह साल और उसके बाद दस महीने का आधा माइनस पांच महीने और बड़ा गंदा सा सवाल है तो ये कितना आ गया सत्रह साल सात महीने ऑप्शन में है? है बहुत गंदा सा सवाल था बट कोई बात नहीं एक सौ के कई बार होते हैं गंदे सवाल आप कुछ नहीं कर सकते सत्रह साल सात महीने ठीक है हम इसको ऐसे भी कर सकते थे इस कैलकुलेशन को जैसे सत्रह और बीस सैंतीस साल है सैंतीस साल में से आपको क्या करना है बाईस महीने कम करने तो मैंने क्या कहा कि इसमें से आप ना दो साल ले लो फिर पूरी तीन साल ले लो सॉरी तीन साल तीन साल घटा देते हैं दो साल में वैसे तो हो जाएगा दो साल ना आपने तीन साल घटा दी तो अब आप कहोगे कि अगर तीन साल घटा दी तो ये कितना रह जाएगा चौंतीस साल और ये छत्तीस महीने में से बाईस जाएगा तो चौदह महीने अब जब आप दो से भाग लगाओगे तो सत्रह साल सात महीने डायरेक्ट आ जाए बट जल्दी जल्दी और सवाल कर लेते हैं एक्चुअली टाइम बहुत हो गया है और हमें सवाल बहुत करने हैं एक सवाल नहीं करना है काफ़ी सारे सवाल हैं मैं नहीं चाहता कि फिर कोई सवाल रह जाए तो जल्दी आगे बढ़ना होगा अच्छा अच्छा ये मिस्टेक वाले ठीक है ये सवाल बहुत प्यारा है मुझे इतनी देर से इसी सवाल का इंतजार था मुझे इतनी देर से इसी सवाल का इंतजार था भाई सवाल जो भी बच्चा इस सवाल को करेगा उसको पचास रुपए का पेटीएम बर्गर खाने के लिए मिलेगा सवाल क्या है एवरेज वेट ऑफ फोर पर्सन इज फोर्टी के जी इफ ई इज इंक्लूडेड ऑफ ए बी सी डी एंड ई बिकम्स फोर्टी वन के जी इफ रिप्लेस्ड बाई एफ एवरेज ऑफ बी सी डी ई एफ बिकम्स फोर्टी टू पॉइंट सिक्स के जी फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बी चार व्यक्तियों का औसत 40 किलोग्राम है यदि ई को शामिल किया जाता है तो ए बी सी डी और ई e का औसत वजन 41 के हो जाता है ए को एफ से बदल दिया जाता है बी डी ई एफ क्या लिखते हो भाई बी सी का औसत वजन 42.6 हो जाता है किसका बी सी डी ई एफ बी सी डी ई एफ देख लिया करो ना जब वो करने के बाद एफ का औसत वजन 42.6 टू तो आपको बीसीडीएफ का औसत वजन बड़े प्यार से बताऊंगा आपको लग रहा होगा बहुत लेंथी सवाल है बहुत प्रॉब्लमेटिक सवाल है बट नहीं है मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं है कैसे नहीं है बिल्कुल देखो मैं बताऊंगा इसको करूंगा मैं कोई नहीं करेगा इसको सिर्फ मैं करूंगा इसको तो मुझे करना ही पड़ेगा आज इस सवाल को मैं करके दूंगा देखिए साहब को दमा है दमा अस्थमा है ठीक है देख लीजिए एक बार मैं देख लेता हूं कि ये सवाल हमने लिया इस किताब से गाइड एसएससी सीएचएसएल टायर टू जो बच्चे टायर टू की तैयारी कर रहे हैं टायर टू की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक किताब उनके पास हो जिससे वो रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर लें नॉन वर्बल रीजनिंग की भी कर लें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी कर लें इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल अवेयरनेस सारी अगर तैयारी वो एक किताब से चाहते हैं तो ही कैन परचेज दिस बुक एस एस सी सी एच एस एल टेन प्लस टू ये सिर्फ स्पेशल किताब बनाई गई है टेन प्लस टू के लिए इसमें आपको ना सी जी एल का लफड़ा है ना कुछ है इसके अंदर तीन ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी हैं जो आप जाके देख सकते हैं अच्छी किताब है इसका नाम है गाइड टू एस एस सी दिसा पब्लिकेशन की किताब है आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है तो आप देख सकते हैं जाके ये सिर्फ सी एच एस एल वालों के लिए किताब थी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर या एल डी सी की तैयारी कर रहे हैं देखिए भाई इस सवाल को ए बी सी डी ई बहुत ध्यान से देखना बेटा बहुत ध्यान से मजा आ जाएगा तुम्हें ए चार व्यक्ति कौन है ए बी सी डी इन्होंने लिखा नहीं पता नहीं कैसे लिखते हैं चार व्यक्ति ए बी सी डी थे भाई सही से लिखो दोस्त इसमें ए बी सी डी लिखा हुआ नहीं इनका है इनका औसत वजन फोर्टी है ठीक है भाई पांचवा बंदा हम लेके आए ई e, ए पांचवा बंदा लेके आए औसत वजन कितना हो गया 41 हो गया ठीक है भाई हमने ए को एफ से बदल दिया बदल देते हैं लोग आपस आप में अंडरवियर भी लोग बदल लेते हैं ये तो ए और एफ है गलत है जो कि तरीका एफ बी सी डी ई का औसत वजन कितना है फोर्टी टू औसत वजन कितना है क्लियर है अब आपसे क्या पूछा है तो आप कहेंगे जी मुझसे पूछा है बी सी डी एफ यानी पहले ये बताओ जो मैंने सवाल लिखा है वो सही लिखा है भाई सवाल सही है ए बी सी डी का चालीस ई आया इकतालीस और ये मैं ये कह रहा हूं जो मैं तो आज आपको क्या सिखाने आया हूं तो आप कहेंगे रिप्लेसमेंट सिखाने आए हो तो रिप्लेसमेंट कहां, कहां हो रहा है एक तो यहां हो रहा है रिप्लेसमेंट और एक रिप्लेसमेंट यहां हो रहा है सेम ही हो रहा है सेम कैसे हो रहा है यहां भी एक ही जगह है, रहा है। यहां भी एक ही जगह एफ है। आ रहा है कि नहीं आ रहा तो मैंने कहा कि यहां पे एवरेज कितना बड़ा तो बच्चे ने कहा 1.6 इधर मैं एवरेज दिखा रहा हूं बढ़ता हुआ एवरेज चेंज दिखा रहा हूं इधर ठीक है बेटा इधर मैं दिखाऊंगा सम चेंज जब मैंने कहा कि बेटा एवरेज कितना बढ़ा तो बच्चे ने कहा कि जब एक ही जगह एफ आता है तो एवरेज 1.6 बढ़ जाता है लोग कितने हैं पांच तो सम कितना बढ़ेगा तो पांच गुणा वन यानी कि सम आठ बढ़ेगा चलेगा दौड़ेगा सम आठ बढ़ेगा अगर आप एक ही जगह F को लाते हो तो सम आठ बढ़ेगा इसका मतलब यहां पर भी सम आठ बढ़ेगा बोलो अगर यहां सम आठ बढ़ेगा तो यहां एवरेज कितना बढ़ेगा आप कहोगे सम आठ अब बंदे चार हैं यानी कि एवरेज दो बढ़ेगा वो जो आठ है सम में दो दो बढ़ जाएगा तो एवरेज कितना आ जाएगा फोर्टी टू के जी बहुत प्यारा सवाल था एवरेज वेट ऑफ ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज फिफ्टी वन के जी वेट ऑफ द्लास टीचर इज इंक्लूडेड दीज किसी क्लास में कक्षा में विद्यार्थियों के भार का औसत 51 किलोग्राम है यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार एक किलोग्राम बढ़ जाता है तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए ठीक है अध्यापक का भार आपको बताना है देखिए अगर हम बिल्कुल बेसिक तरीके की बात करें तो एक बच्चा कहेगा कि मैं 26 लोगों का सम निकाल लेता हूं अगर आप तरीके से या बेसिक तरीके से इस सवाल की बात करें तो 26 लोगों का सम आपने निकाल लिया कितना आ जाएगा 26 गुणा इक्यावन यही आ जाएगा इन्हें छब्बीस गुणा इक्यावन आ जाएगा ठीक है अगर हम टीचर को शामिल कर लें तो 27 लोगों का सम कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 27 गुणा एक बढ़ गया बावन आ जाएगा अब मैं आपसे कहूं जो एक बंदा बढ़ा है उसका वजन क्या होगा एक बढ़े का वजन तो आप कहेंगे जी 27 के समय से छब्बीस का सम घटा दो तो शायद बात बन जाएगी 27 गुड़ा बावन माइनस छब्बीस गुड़ा इक्यावन तो देखिए आप भी समझ रहे हैं कि ये थोड़ा मुश्किल होता है गुणा करना मुश्किल होता है नहीं होता तो इसी को आसान बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना है हर एक सवाल में लगेगा ऐसा कोई सवाल नहीं जिसमें ये एवरेज का तरीका नहीं लग सकता किसी भी सवाल में आगे आने वाले सवालों में मैं बहुत बहुत ट्रिक्स बताऊंगा बट बत ये एक ऐसा तरीका रहेगा यूनिक जो सब में लगेगा कोई नहीं रोक सकता इसको ठीक है देखो कैसे मैंने कहा कि 26 विद्यार्थियों का औसत इक्यावन है तो आप 26 के आगे इक्यावन लिखे मैं 12-14 सवालों में ये तरीका लगा के बता दूंगा आप उसके बाद कभी नहीं घबराएंगे और इस तरीके को झट से लगा देंगे कोई कंफ्यूजन नहीं है सबसे बड़ी बात है इसमें 26 लोगों का वेट इक्यावन है अब मैंने कहा सत्ताइस का निकालना है तो आपने कहा सत्ताइस का बावन है एक बढ़ गया यही लिखा हुआ है ठीक है समझिएगा ध्यान से अब आप कहेंगे मैं देखूंगा कि कितने लोग बड़े हैं तो आपका जवाब होगा एक बंदा बड़ा है ठीक है फिर मैं कहूंगा कि कितने एवरेज बढ़ा है तो आप कहेंगे एक बड़ा है। तो जो ये एक बढ़ता है जो ये एक बढ़ता है दिस विल बी ये कितना होगा तो आपको सिखा रहा हूं मैं ये निकालना कि इस छब्बीस की गुणा इस एक से होगी और इस एक की इस बावन से यानी एक गुणा बावन प्लस छब्बीस गुणा एक यानी इट विल बी यही इस मास्टर है अगर यहां पे दो बड़े होते सुनो आप अगर यहां पे दो बड़ा होता तो हम दो से गुणा करते इसकी ठीक है भाई अगर यहाँ एक माइनस होता तो हम माइनस एक से करते हमें किसी एक डायरेक्शन को फॉलो करना है अगर नीचे की तरफ ले रहे तो फिर नीचे की तरफ ही देखेंगे यहां कितना बड़ा यहां कितना बड़ा घटाए तो माइनस लगा देंगे बात खत्म अब देखिए एक बंदा आया है अगर कोई आएगा तो वजन प्लस होगा इसीलिए उत्तर प्लस में आ रहा है अगर यहां पे उत्तर माइनस में आ जाता तो हम कहते गलती हुई है हमसे क्योंकि बंदा बड़ा है तो वजन प्लस में होना चाहिए था ठीक है क्लियर है बात देखो अब मैंने क्या कहा कि अगर बंदा गया होता और उत्तर प्लस में आ जाता तो भी गलती होती क्योंकि अगर बंदा गया है बंदर नहीं बंदा गया है बंदी गई है छोड़ो बंदा हटाओ बंदे कहां जाते हैं ठहर जाते हैं बंदियां जाती हैं तो बंदी गई है तो उत्तर किसमें आएगा निगेटिव में आएगा अब ये आया कैसे ये यही चीज है सेम कुछ नई चीज नहीं है ये सेम चीज यही है कुछ नई चीज नहीं है कैसे आपको बताता हूं जैसे आप समझो इसको मैं क्या लिख लेता हूं छब्बीस प्लस एक गुणा बावन लिख लेता हूँ माइनस छब्बीस गुणा बावन, माइनस एक लिख लेता हूँ लिख सकता हूँ यानी इसी गुणा को लिख सकता हूँ तो आपने कहा ये कितना होगा छब्बीस गुणा बावन प्लस एक गुणा बावन माइनस छब्बीस गुणा बावन प्लस छब्बीस गुणा एक तो आपने देखा ये कट गया आपस में तो क्या बच गया एक गुड़ा बावन और छब्बीस गुड़ा एक मेरा भी उत्तर क्या आ रहा था ये तो जो कट गया उसको हम लादते हुए क्यों चलें तो इस तरीके में बस हम वही करते हैं कि जो कट जाता है उसको हट जाता है जो कट जाता है वो अपने आप हट जाता है हमारा सिर्फ क्या निकल के आता है जो डायरेक्ट उत्तर होता है क्या ही सवाल लेंगे बिल्कुल समझ आ जाएगी बात दोबारा से बता रहा हूं छब्बीस लोगों का एवरेज इक्यावन 27 का बावन कितना बढ़ गया प्लस एक कितना बढ़ गया प्लस एक, एक की गुड़ा इस बावन से छब्बीस की से तो बात खत्म अगले सवाल पे चल रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लो कल भी बच्चों की शिकायत थी कि स्क्रीन शॉट लेने का टाइम नहीं मिलता एक और बहुत खूबसूरत सवाल आ रहा है देखना होगा ध्यान से आप भी करेंगे मेरे साथ साथ मैं जितनी देर में सवाल पढ़ूंगा उतनी देर में आप करेंगे ठीक है जितनी देर में मैं सवाल पढ़ूंगा एवरेज एज ऑफ इलेवन टी फाइव लेवरेज एज इन टू इन फाइंड द एज ऑफ पर्सन ग्यारह व्यक्तियों की औसत आयु पच्चीस वर्ष है एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है जिससे औसत आयु दो वर्ष से बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए क्या होगी कर देते हैं भाई आयु ज्ञात कर देते हैं तो आपने कहा कि 11 लोगों की औसत आयु 25 साल है 11 लोगों की औसत आयु 25 साल है हमने लिख दिया 11 की 25। एक आदमी समूह छोड़कर चला गया बेचारा चला गया चिट्ठी ना कोई संदेश चला गया सत्ताईस हो गई जी दो बढ़ गई भाई साहब सत्ताईस हो गई मैंने कहा ये कितना कम हुआ है आपने का माइनस एक हुआ है यह कितना बढ़ा है आपने का प्लस टू बढ़ा है प्लस टू बढ़ा है यह माइनस एक और यह प्लस टू ठीक है इज इट क्लियर बिल्कुल ठीक है अब हमने कहा कि जो बंदा गया है उसकी एज अगर निकालनी है गई की गया, गया तो होता नहीं कभी मैंने अभी कहा था गई होती है तो गई बंदी क्या होगी देखिए आपने कहा माइनस एक से सत्ताईस को गुणा करेंगे कहा कि अगर उत्तर यहां पे प्लस में आ जाता तो मैं कहता सवाल गलत हो गया क्योंकि जो भी गया है वो छोड़कर गया है और अगर कोई बंदा छोड़कर जाएगा तो डरना नहीं है ये माइनस बस इस बात को बता रहा है कि गया है और कुछ नहीं बता रहा उत्तर तो इसका कितना है पांच साल है हाँ मतलब अगर प्लस आ जाता तो हम ये कहते कि गलत हो गया अगर बंदा आया होता तो प्लस आता उत्तर गया है तो माइनस आएगा हमेशा इस केस में तो माइनस से बस हमें इतना मतलब रखना है कि अच्छा ठीक है मैंने जो निकाला है वो सही है बंदा गया है और कितने का गया है पांच का गया है कोई भी बच्चा ऐसा जिसको बात ना समझ में आई हो कोई भी राधेश्याम घनश्याम मुरली श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको ना समझ आई हो आवाज में कोई इशू सब कुछ क्लियर है प्रॉपर है बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर बहुत अच्छा सवाल क्या है देखिए सवाल यह है एवरेज एज ऑफ इलेवन पर्सन इज ट्वेंटी वन ईयर्स ग्यारह लोगों की औसत आयु इक्कीस साल है ग्रुप दो नए लोग ग्रुप ज्वाइन करते और व्यक्ति समूह में शामिल होते जिससे औसत आयु चार वर्ष अब देखिए क्या है दो लोग शामिल होने तो क्या हमारा तरीका नहीं लगेगा लगेगा दो लोगों पर भी दो लोगों का जितने भी लोग शामिल होंगे या जाएंगे उनका सम हमें पता चल जाएगा इस तरीके से और अगर सम पता लग गया तो एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई सम आ गया दो लोगों का बीस एवरेज दस आधा कर देंगे दो से भाग कर देंगे भाई एवरेज कैसे निकलता सम बटे नंबर मान लेते पैंतीस आ गया पैंतीस बटा दो चौवालीस आ गया चौवालीस बटा दो तो सम निकाल देते हैं दो लोगों का इस तरीके से निकालना ही पड़ेगा देखिए मैंने कहा ग्यारह व्यक्तियों की औसत आयु इक्कीस वर्ष है ग्यारह लोगों की तो आपने कहा लिख लीजिए तमीज से ग्यारह लोगों की इक्कीस साल ठीक है दो और व्यक्ति शामिल हो गए यानी कि तेरह तो तेरह की कितनी होगी चार वर्ष बढ़ जाएगी 13 की चार वर्ष बढ़ जाएगी यानी कितनी होगी पच्चीस <स्थ> ग्यारह लोगों की इक्कीस है तेरह लोगों की पच्चीस है क्लियर है बात यस तो मैंने क्या करा दोस्त मैंने कहा कि ये कितना बड़ा है आपने कहा चार ये कितना बड़े हैं लोग आपने कहा दो तो मैंने कहा इन दो लोगों का सम क्या होगा सम इन दो लोगों का क्या होगा तो आपने कहा दो से इसको गुणा करेंगे पचास आएगा डायरेक्ट लिख दिया मैंने ग्यारह से इस चार को गुणा करेंगे चौवालिस आएगा आपने कहा एवरेज निकालना है तो मैंने यहीं पे क्या किया दो से भाग तो ये पच्चीस और ये बाईस एवरेज कितना आ गया 47 यही उत्तर है ए इज द करेक्ट आंसर सवाल क्या एवरेज एज ऑफ फिफ्टीन पर्सन इज थर्टी फाइव इन फाइव मोर पर्सन ज्वाइन द ग्रुप देन द दिक्रीज बाई वन पॉइंट फाइव ईयर पांच नए लोग आए फाइंड एवरेज एज ऑफ फाइव पर्सन पंद्रह व्यक्तियों की औसत आयु पैंतीस वर्ष से पांच व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं इस बार एवरेज घट रहा है डेढ़ से तो पांच नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए बहुत फास्ट करते हैं बच्चे बहुत फास्ट करते पैंतीस है पांच व्यक्तियों समूह में शामिल हो जाते हैं तो बीस लोग हो गए तो औसत आयु डेढ़ वर्ष से घट जाती है यानी कितना हो गया तैतीस पॉइंट पांच डेढ़ वर्ष कम हो गए कितना कितना कम हुई है लाला जी तो आप कहेंगे जी यहाँ पे डेढ़ कम हुआ है यहाँ पे कितना बढ़ा है तो आप कहेंगे प्लस पांच तो मैं कहूंगा सम कितना आएगा इन लोगों का तो बच्चे कहेंगे जी सम आ जाएगा पांच गुणा और ये तेतीस पॉइंट पांच माइनस वन पॉइंट फाइव गुड़ा पंद्रह तो मैंने कहा कि मुझे तो एवरेज चाहिए इसका तो बच्चे ने कहा कि डायरेक्ट पांच से भाग कर लो एवरेज निकालना है तो तो एवरेज पांच से भाग करूंगा तो तेतीस पॉइंट पांच पांच पंद्रह तीन को डेढ़ से गुणा करूंगा फोर पॉइंट फाइव एवरेज कितना आ जाएगा? 29, ये अभी क्या है कि देखिए मैं ऐसे सवाल को कर सकता हूं जैसे बहुत टीचर होंगे बहुत बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे कि जी यार मैं तो ऐसे भी कर लेता हूं पता नहीं आप कैसे बता रहे हो ये वो वो क्या कहेंगे बताए देखो वो ये कहेंगे गुरु कि अगर डेढ़ वर्ष घट गया है तो इसका मतलब सबका तैतीस पॉइंट पांच है भाई पैंतीस था पहले सबका तैतीस पॉइंट पांच है डेढ़ कम हुआ है लेकिन दिक्कत क्या है कि पंद्रह लोग जो पहले थे उनका भी डेढ़ कम हो गया तो जो पंद्रह लोग पहले भी जिनका डेढ़ कम हुआ है पांच लोगों का उन पांच लोगों का पंद्रह लोगों का अगर डेढ़ कम हुआ है अगर ये डेढ़ ना कम हुआ होता तो मैं कह देता कि इनका एवरेज भी इतना है इसका मतलब इन्होंने इन पंद्रह लोगों का भी डेढ़ कम कर दिया तो इनका इन पांच से ही लिया जाएगा भाई इन पांच ने ही तो कम किया है तो हम पांच से भाग करते तो पांच का कितना और कम हो जाएगा साढ़े चार यानी कि साढ़े चार और कम हो जाएगा तो उनतीस लेकिन ये सब तरीके हम कर लेंगे हमें तो रटे बट मैं आपको कितने सवालों में बताऊं किसी में जोड़ूंगा किसी में घटाऊंगा आपको कंफ्यूजन रहेगी मैं तो यहाँ निकाल के चला जाऊंगा तरीके जैसे टीचर यूट्यूब पर निकाल के चला जाएगा अब हमें पता है हमने खुद पेपर दिया है कि पेपर में ये तरीके अप्लाई हो पाते हैं नहीं हो पाते नहीं हो पाते सच्चाई यही है कि एक यूनिक मेथड पढ़ लो जिसको अप्लाई करने में भी कोई समस्या नहीं मुझे पता है पांच लोग आए पांच का सम निकाल दूं और एवरेज निकालने के लिए पांच से भाग कर दूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो मैंने पंद्रह का बोला पैंतीस मैंने बीस का बोला तैतीस पॉइंट पांच तो पंद्रह की गुणा इस डेढ़ से हुई पांच की इससे हुई सम आ गया अब मैंने कहा एवरेज निकालना है पांच से भाग कर दिया तो पांच से ये कट गया पांच से ये तीन बार कट गया तो तैतीस में से चार घटा कितना आ गया उनतालीस आ गया बात खत्म सर इंग्लिश की भी देखिए इंग्लिश की क्लास इस पे आने वाली है इंग्लिश घर चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत औसम तरीके से जितने भी बच्चे लाइव हैं अगर उनको लाइक का बटन दिख रहा है तो दबा सकते हैं अगर क्लास में मजा आ रहा है तो अगर नहीं आ रहा है तो नहीं दबाना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट अगला सवाल पांचवा जल्दी बढ़ते हैं हम आगे इस क्लास में हम बिल्कुल टाइम नहीं लगाते गुरु ये बहुत सही है देखो मैं सवाल पढ़ूंगा उतनी देर में लोग उत्तर निकालेंगे सवाल है क्रिकेट प्लेयर सर्टेन थ्री इनिंग्स ही एक खिलाड़ी तेईस पारियों में कुछ रन बनाता है अपनी 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाने पर औसत में तीन रन की वृद्धि हो गई 33 पारियों का औसत ज्ञात करें कि क्या होगा 33 पारियों का औसत देखो एक खिलाड़ी तेईस पारियों में कुछ रन बनाता है तेईस पारी है भाई और कुछ रन बनाता है मतलब कि औसत एक्स मान लेता। समझ लो जब कोई राह ना मिले तो समझ लो एक्स है और ये भी समझ लेना कि जो सारी राह बंद हुई है वो भी एक्स की वजह से ही हुई है ठीक है भाई ठीक है चलिए तेईस लोगों का एवरेज एक्स है ही इसको टू ट्वेंटी फाइव रन टूगेदर इसका मतलब जो दो पारी ऐड हुई है अब पारी कितनी हो गई भैया पच्चीस इससे एवरेज कितना बढ़ गया एक्स प्लस तीन आराम से भाई आराम से चिल्लाना नहीं है दोस्त कंट्रोल होदय दे। देखिए इन दो पारियों के कुल रन दे रखे दो सौ पच्चीस अगर मैं आपसे कहूं कि टू इनिंग्स टी वन प्लस टी टू बताइए मुझे क्या होंगी तो आपका जवाब होगा कि जी दो से गुणा करूंगा इसको दो से गुणा करूंगा इसको और तेईस से गुणा करूंगा इसको तो आपने कहा ठीक है 2x 6 और 23 9 69 और आपको यह भी पता है कि दोनों पारियां 225 के बराबर है बता देना मुझे कि 225 के बराबर है या नहीं तो आप कहेंगे हाँ जी है मैंने कहा मुझे तो x निकालना है ये 75 हो गया 75 इसमें से घटेगा 150 आ जाएगा 2x अगर 150 है तो x कितना आ गया 75 यही उत्तर है। मैं इस तरीके को एक बार बताता हूँ और एक नॉर्मल तरीका बताता हूँ कि हम नॉर्मल तरीका और क्या लगा सकते थे देखिए बच्चे क्या करते हैं टीचर भी सिखा देगा मैं भी सिखा दूंगा मुझे भी कोई बड़ी बात नहीं है सिखाने में बट अप्लाई नहीं होगा जब मुझसे नहीं होगा तो आपसे क्या होगा मैं बोलूंगा कि यार पच्चीस पारियां हो गई हैं और औसत तीन तीन बढ़ गया है यानी कि पचहत्तर जो है वो एक्स्ट्रा लेके आई हैं पहले वाली पारियां जो अब दो नई पारियां आई हैं वो पिचहत्तर बेसिकली एक्स्ट्रा लेके आई हैं तो आप कहेंगे जी वो तो 225 लेके आई हैं तो मैं कहूंगा हाँ हाँ वो पिचहत्तर एक्स्ट्रा लेके आई हैं अगर वो पिचहत्तर एक्स्ट्रा ना लाती और केवल डेढ़ सौ लाती तो औसत वही रहता जो अभी है इसका मतलब ये दो पारियों का औसत पिचहत्तर होता और औसत वही रहता जो पहले है यानी अभी पिचहत्तर है तो पहले भी कितना होगा पिचहत्तर हम उत्तर लगा देते कोई बड़ी बात नहीं थी अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कर पाओगे समझ पाओगे हमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा अपना तरीका क्या कहता है कि कोई पच्चीस पारियों का औसत एक्स प्लस तीन है ठीक है तो यह कितना बढ़ गया प्लस तीन बढ़ गया प्लस तीन बढ़ गया ये कितना बढ़ गया दो, दो से इसको गुणा करा टू एक्स प्लस छ 23 से इसको गुणा करा 23 9 69 हो गया ठीक है 23 9 69 हो गया तो मैंने कहा कि 2x plus 6 plus 69 बराबर 225 ये दो पारियों का जोड़ है जो नई वाली आई हैं तो वहां से x 75 मैंने निकाल दिया एक मैंने ये तरीका इनको अलग कोपचे में बताया ये तरीका क्या था मैंने कहा अगर औसत तीन बढ़ा और अब पारी हो गई है 25 यानी 25 3 75 एक्स्ट्रा आ गया इसीलिए औसत बढ़ा है तो पिचत्तर वो एक्स्ट्रा आया कहां से होगा जो ये दो नई कहा तो 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 मिला के भी उतना तो इनका कितना होता पिचत्तर पहले भी पिछहत्तर अभी भी पिछहत्तर फिर भी पिछहत्तर बात खत्म तो भी सेवन आ जाता जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप निकाल सकते थे इसमें हमारी कोई राह नहीं है बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर चल रहा है सब कुछ और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं बराबर हमें अच्छा लग रहा है आप ये सवाल देख लीजिए उत्तर आपको बताना है पढ़ेंगे हम <laughs> क्रिकेट पे चार पांच सवाल और हैं एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन 21 इनिंग्स वाज 23 ही स्कोर 41 वन इन ट्वेंटी सेकेंड इनिंग हाउ मेनी रन शुड ही स्कोर इन ट्वेंटी इनिंग सो द्रीज बाई वन रन एक खिलाड़ी की 21 पारियों का औसत तेईस है वह अपनी 22वीं पारी में इकतालीस रन बनाता है 43वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत रन में एक की वृद्धि हो जाए बेस्ट द बेस्ट एक खिलाड़ी की 21 पारियों का औसत एक खिलाड़ी की 21 पारियों का औसत 23 है वह अपनी बाईसवीं पारी यानी अब टोटल पारियां हो गई तेईस और औसत में एक की वृद्धि यानी चौबीस तो कितना बढ़ गया है प्लस एक कितनी पारियां बढ़ी हैं प्लस दो तो. तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इसकी दो पारियां एक तो ट्वेंटी सेकेंड प्लस ट्वेंटी थर्ड वो कितनी है तो आपने कहा जी वो हैं 21 इक्कीस एकम इक्कीस और 24 दूनी 48 वो ये पारियां हैं 21 वन प्लस अड़तालीस है हमने दोनों पारियों का जोड़ निकाल दिया गुरु ठीक है इसने लेकिन क्या बोला है कि बाईसवीं पारी में 41 रन बनाए इसने खुद हमें दिया हुआ है कि इसने अपनी बाईसवीं पारी में 41 रन तो मैंने कहा इसको इकतालीस यानी अगर 20 खींच के दे दूं इसको तो इसके बाद 28 रह जाएंगे बोला यानी अगर इसने 41 बनाए तो ट्वेंटी में 28 एट बनाए यही पूछा था ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथ आप तो जल्दी जल्दी हो रहे हैं सवाल इतनी भी जल्दी नहीं होने चाहिए थे बट कोई नहीं हो रहे हैं तो देखो आप इस सवाल को मैं पढ़ रहा हूं ए बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 53 थ्री रन इन हिज थर्टीन इनिंग्स द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज वन वन फोर इनिंग्स आर एवरेज़ फॉर इलेवन इनिंग्स कम्स डाउन टू फोर्टी मैक्सिमम स्कोर किसी बल्लेबाज का तेरह पारियों में औसत रन तिरपन है तो उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर एक सौ चौदह है यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो ग्यारह पारियों का औसत 45 हो जाता है तो उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताने क्या हो दो ऑप्शन कट गए भैया इस सवाल के शायद इन दो में उत्तर ना हो कट गए ना कट जाते हैं साहब लोगों का कट जाता तो है ये तो ऑप्शन है देखिए बड़ी सिंपल सी बात तेरे पारियों का औसत तिरपन है तेरे पारियों का औसत तिरपन है तेरह पारियों का औसत तिरपन है उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर दे दिया दो पारियों को हटा दिया ग्यारह ग्यारह तो उसके बाद कितना औसत हो गया पैंतालीस हो गया तेरह पारियों का औसत तिरपन था ग्यारह पारियों का पैंतालीस हो गया तो उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन क्या होंगे ये बताना है तो मैंने कहा कि हम पहले उन दो पारियों का सम निकाल लेते अगर मेरे पास उन दोनों पारियों का सम आ गया तो अंतर मुझे पता है तो हाईएस्ट भी आ जाएगा भाई देखो कैसे आज मुझे शतक लगाना होगा तेरह में से ग्यारह पारी सोचना ऊंचा चाहिए हमेशा हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए इतना भी ऊंचा नहीं कि हम दोहरा सोच लें तेहरा नहीं तिरपन में से 45 गए कितना होगा तिरपन में से 45 गए कितना होगा तो आप कहेंगे में से 45 मतलब और तीन पांच और तीन आट। आट कम हो देखिए दो पारी अगर आपने निकाली है तो नेगेटिव होगा इसमें कोई दो राय नहीं है नेगेटिव होगा बिल्कुल नेगेटिव होगा तो हमने कहा दो से इसको गुणा करते हैं तेरह से इसको करते हैं भाई करते हैं कि नहीं ठीक है आपने कहा दो से इसको गुणा करेंगे गुरु माइनस नब्बे आएगा हमने कहा तेरह से इसको करेंगे तेरह अट्ठे एक सौ चार आएगा यानी ये वन नाइन्टी फोर आ गया माइनस का अच्छा माइनस का मतलब क्या है मुझे इतना बता दीजिए तो आप कहेंगे माइनस का कुछ खास मतलब नहीं है माइनस का मतलब बस इतना सा है कि जो दो पारियां हैं जो दो पारियां हैं वो निकाली गई हैं माइनस का मतलब है कि वो जो दो पारियां हैं वो निकाली गई हैं खींची गई हैं इसीलिए माइनस आ रहा है अब आप मुझे बताइए अगर आपको इस एक को डिवाइड करना है और उन पारियों का अंतर एक है अब मैंने क्या कहा कि 114 है तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये 194 है आपको पता है अंतर 114 सौ यानी आपकी मम्मी के पास अगर एक रुपए हैं और दो रिश्तेदार घर पे आए हुए हैं उनमें से एक को 114 ज्यादा देनी है तो उसके पास तरीका क्या है तो आप कहेंगे जी ऐसे केस में मम्मी क्या करती हैं चुपचाप उसको 114 पहले ही दे देती हैं दे देती हैं नहीं फिर बच्चे कितने मम्मी के पास रुपए अब लोगों को दिखाने के लिए क्या करती हैं दोनों को 40-40 दे देती हैं तो इस पे एग्जैक्ट कितना पहुंचा 154 यही सवाल का उत्तर यही सवाल का उत्तर है कई बच्चे इसी चीज को पता है क्या करेंगे वो लिखेंगे एच प्लस एल हाइएस्ट प्लस लोएस्ट वन नाइनटी फोर फिर एच माइनस एल लिखेंगे 114. फिर इन दोनों को जोड़ेंगे ट्वाइस ऑफ एच इसी मुश्किल हो जाती है आठ तीन सौ आठ तीन सौ आठ होगा कितना हाँ फिर एच कितना आ जाएगा वन फिफ्टी फोर भैया देख लो आपकी मर्जी है आपको कैसी कैलकुलेशन सीखनी है बाकी मैंने क्या बताई कैलकुलेशन मैंने इतनी बताई कि ये 194 है अगर मुझे एक पारी को 114 ज्यादा रखना है तो मैंने 114 पहले ही दे दिया उसको बचा 80 80 को मैंने दो पार्ट में बांट दिया 40 40 बात तो खत्म मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस तो कर ही सकते हैं जरूरी तो है नहीं वैसे ही सवाल आएंगे उसी टाइप के थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता रहना चाहिए सवाल पढ़ रहा हूँ द बैटिंग एवरेज ऑफ फोर्टी इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर्स किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का इकतालीस पारियों का बल्लेबाजी का औसत सत्तावन रन है उसका न्यूनतम स्कोर इकहत्तर रन है यदि इन अधिकतम न्यूनतम उसकी दो पारियों को शामिल ना किया जाए शेष थर्टी नाइन पारियों का औसत फिफ्टी फोर रन बनता है खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए क्या होगा यदि दो पारी हटा दें इसमें से थर्टी 39, 39 पारियों का औसत फिफ्टी पोल है, 50 पोल। हमारे नानी के दाव में एक हमारा मामा है इतना तुतलाता है इतना तुतलाता है और पता कितनी आयत है उसकी ताल फुत मुतकिलते मुतकिलते इतना ही तुतलाता है और ना उसको दादा दिमाग है अगर आप उसकी पत्नी को मिल लोगे तो आप कहोगे कि इसमें किसके कर्म फूते हैं और कित की कितमत निकल गई हित बाइक दत्त लाइक ए बॉलीवुड हीरोइन दत्त लाइक पांच फुट एट हाइट एंड नाइथ पर्तनल और हित पर्तन इत टुइया टुइया सोते इते कहते हैं तितमत आपकी भी तुल तकती है ताबी होनी चाहिए देखो इकतालीस पारियों का औसत सत्तावन उन्तालीस पारियों का चौवन हमने कहा यह कितना कम हो रहा है आपने कहा तीन यह कितना बढ़ रहा है आपने कहा दो, दो से इसको गुणा करेंगे माइनस वन जीरो एट इकतालीस से इसको गुणा करेंगे माइनस वन ट्वेंटी थ्री आपने कहा उन दो पारियों का सम कितना आ गया दो सौ इकतीस दो सौ इकतीस आ गया हमें क्या निकालना है अब इसमें एक पारी इकहत्तर है अगर एक पारी इकहत्तर है तो दूसरी क्या होगी वन कई बच्चों ने एक सौ बहत्तर मार दिया कितने दुख की बात है कितना हो गया तवाल हम लोग बल रहे हैं नौवे तवाल की तरफ देख लीजिए इस तरीके के थवाल अभी भी पेपर में थूब आ रहे हैं देख लो ए क्रिकेटर मेक सम रन इन फिफ्टीन इनिंग्स he makes 85 runs in 16th inning and by this his average runs exceed by बाई थ्री the average of his runs after 16th inning. इनिंग ये कह रहा है क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए सोलहवीं पारी में उसने पिचासी रन बनाए और इससे उसकी औसत संख्या पहले से तीन रन अधिक हो गई तो सोलहवीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है सवाल भी हम खींच रहे हैं बारह पंद्रह तक तो खूब क्रिकेट के खिलाड़ी ने पंद्रह पारियों में कुछ रन बनाए मुझे नहीं पता कितने बनाए मैंने तो लिख दिया पंद्रह का औसत एक्स जब ना पता हो तो एक्स है क्योंकि एक्स ही एक वो चीज है जो सबकी अलग अलग है बट नाम एक्स है सोचो सबकी अलग अलग है नाम एक्स है कमाल हो गया भाई सोलह भी पारी में इतने रन बनाए इससे औसत संख्या तीन रन अधिक हो गई सोलह से कितनी हो गई एक्स प्लस तीन कितना बढ़ गया प्लस एक कितना बढ़ गया प्लस तीन तो मैं सिक्सटींथ इनिंग पूछ रहा हूँ आपसे क्या आएगी सिक्सटींथ इनिंग क्या आएगी तो बच्चा बोला जी पंद्रह की गुणा तीन से फेंको हमने फेंक दी एक की गुणा एक्स प्लस तीन से एक्स प्लस तीन अब आप ही बताइए कि जो सिक्सटींथ इनिंग है वो कितनी होगी सिक्सटींथ इनिंग होगी कितनी तो आप कहेंगे पिचासी होगी एट्टी फाइव 16th इनिंग कितनी होगी पिचासी एट्टी फाइव अब मैंने कहा यहां से x कितना आ जाएगा तो पिचासी पहले घटेगा चालीस पैंतालीस घटेगा चालीस और तीन सैतीस आ गया यानी औसत रन संख्या कितनी आ गई सैतीस इसने पूछा था सोलहवीं पारी के बाद पूछा था ध्यान देना ध्यान देना हमसे जो पूछा है वो x नहीं पूछा तो निकालेंगे भी क्यों हमसे ये x प्लस तीन पूछा है तो यही निकालेंगे पैंतालीस घटाएंगे कितना आ जाएगा डायरेक्ट करना सीखना है एक्स निकाल के फायदा क्या जब जरूरत नहीं है एक्स के बाद जो तीन और आई आपकी जिंदगी में उसका नाम पूछ रहा है एक्स बहुत सुंदर, प्लस बहुत सुंदर. आपके द एवरेज वेट ऑफ थ्री मैन ए बी एंड सी एट्टी फाइव के जी एनदर मैन डी ज्वाइन द ग्रुप एंड द एवरेज बिकम्स एट्टी वन के जी इफ दर मैन हुज वेट इज थ्री के जी मोर देन दैट ऑफ डी रिप्लेस ए एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम्स एजी तीन व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन पिचासी किलोग्राम है यदि डी को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन इक्यासी किलोग्राम है यदि ई e जिसका वजन डी के वजन से तीन ज्यादा है ए की अभी तक जो पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट भी इसमें लगेगा रिप्लेसमेंट वाला भी लगेगा और जो आज पड़ा है वो भी लगेगा दोनों लगेंगे देखिए लगा देते हैं मैंने आपसे पूछा कि बंदे कितने थे पहले तो आपने कहा तीन बंदे थे नाम थे उनके एबीसी और एवरेज कितना था एट्टी फाइव यदि डी को शामिल कर लिया यानी बंदे कितने हो गए चार और एबीसीडी तो कितना आ गया इक्यासी के जी हो गया औसत वजन तो यहां से मैं डी निकाल लूंगा अपने तरीके से कैसे मैंने कहा ये माइनस चार है ये प्लस एक है तो आप कह देंगे जी डी आ जाएगा एक गुड़ा इक्यासी और तीन गुणा माइनस चार बारह यानी सिक्सटी नाइन आ गया डी कितना आ गया सिक्सटी नाइन के जी आ गया सवाल में कह रहा है कि ई जिसका वजन डी से तीन ज्यादा है E का वजन डी से तीन ज्यादा डी प्लस तीन कितना आ गया 72 अब देखिए बड़ी ध्यान से समझने की बात है जो आपको समझनी है पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए बी सी डी का वजन कितना है तो आप कह रहे हो कि इनका तो इक्यासी हो गया था हो गया था नहीं ये रहा एबीसीडी का जब डी आ गया था तो इक्यासी हो गया था अब अगर ई e को ले आऊ ए तो ई e और बी सी डी बताना जरा क्या दे रखा है तो आप कहेंगे अस्सी दे रखा है अब रिप्लेसमेंट चलेगी जी यहां पे मैंने बताया था आपको कि अगर एवरेज एक कम हो रहा है एवरेज एक कम तो सम क्या होगा तो आपने कहा आपने बोला था सम होगा एवरेज इनटू नम नंबर ये बोला था है? नहीं यानी एवरेज कम हो रहा है तो सम भी कम होगा बट चार लोग हैं तो एवरेज एक कम हो रहा है तो सम चार कम हो. यानी कि नीचे वाली स्थिति में रिप्लेसमेंट वाली क्लास देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है समझा मैंने वहां पे कि अगर उतने ही बंदे और एक गया एक आया तो होगा क्या ए गया और ई आया तो एवरेज एक कम हुआ यानी कि सम चार कम हो गया सम किन पे डिपेंड कर रहा है ए बी सी डी ई बी सी डी यानी कि बी सी डी तो यहां भी सेम है और यहां भी सेम है यानी सम सिर्फ किस वजह से कम हो रहा है ई e की वजह से कम हो रहा है यानी कि ई e जो है ना वो ए से कम है तभी तो ई e के आने पे एवरेज कम हो रहा है अब भैया मैंने कहा ई तो बहत्तर है आपने कहा वो चार कम है इसे तो भैया फिर ए कितना है तो आपने कहा वो सेवनटी सिक्स है सेवनटी सिक्स से चार कम होगा तभी तो बहत्तर होगा बताओ सेवनटी वन से अगर चार कम होगा तभी बहत्तर होगा या नहीं मुझे बस इतना बता दो आज तो बोल दो भाई जल्दी बता दो मैंने ये कहा मैं फिर से इस चीज को क्लियर कर रहा हूं तीन एबीसी का औसत वजन 85, ठीक है चार लोग एबीसीडी का वजन 81. तो मैंने कहा पहले मैं डी निकाल लेता हूं तो आपने कहा एक बढ़ गया तो ये कितना कम हुआ है चार चार कम हो गया फिर आपने कहा डी कितना आ गया एक गुणा इक्यासी तीन गुणा माइनस चार इक्यासी माइनस फिर ई e कितना आ गया डी प्लस तीन, तो बहत्तर आ गया तो मैंने कहा ए सी डी जब डी आ गया था तो औसत वजन इक्यासी हो गया था ए का अब बी सी डी यानी एक की जगह सिर्फ ई e आने पर अस्सी हो गया था तो एवरेज एक कम यानी कि सम चार कम हमने बताया था कि सम पे फर्क वही पड़ेगा जो एवरेज है जितने तो नंबर हैं चार अगर यहाँ पांच होते तो पांच कम होता मैं ऐसा एक सवाल और करा देता हूँ आपको डोंट वरी परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं ऐसा एक और सवाल आपकी छाती पे फेंक के मारता हूँ बुरा मत मानना लो और सवाल थोड़ा चेंज भी करता हूं एक जैसा पूछने की मुझे भी आदत नहीं है यहां पे 54 कर लीजिए 65 कर लीजिए ये लो 65 कर दिया मैंने करेक्शन करके अब आएगा मजा देखो भाई नहीं 65 तो ऑलरेडी है ना 66 अब ठीक रहे अब देखना जरा इस सवाल को सवाल क्या है देखो

चार व्यक्ति ए बी सी डी का औसत वजन 67 किलोग्राम है यदि ई को भी शामिल कर लें तो औसत वजन पैंसठ किलोग्राम हो जाता है यदि ए की जगह एफ को लेकर आ जाएं और एफ का वजन ई के वजन से चार किलोग्राम ज्यादा है तो बी सी डी ई और एफ का औसत वजन 66 किलोग्राम हो जाता है ए का वजन बताओ बहुत अच्छा सवाल है हमने थोड़ा सा चेंज भी कर लिया ताकि चेंज लगे भी अच्छा भी लगे ठीक है पे चेंज किया था यहाँ ठीक 66, 66, है भाई चलो सवाल करना शुरू करते हैं बंदे बंदे कितने हैं हैं पहले चार हैं। बंदियां हैं ही नहीं वैसे भी मैं आपको बता दूं जो लोग बंदी बंदी करते हैं बात बात पे बंदी कोई शब्द है ही नहीं सबको ही बंदा कहा जाता है आपने सुना होगा अगर बंदी होता तो क्या अनुराधा पौडवाल ने गाना ये ना गाया होता ए मालिक तेरी बंदे हम गाया होता उन्होंने गाया ए मालिक तेरे बंदे हम क्योंकि लड़कियां या लड़के सब बंदे हैं देर इज नो बंदे ओके आगे से ध्यान रखना चार एबीसीडी का औसत वजन 67 सेवन के जी है एनोदर मैन ई ज्वाइन ई ज्वाइन कर लेता है अब बंदे पांच हो गए ए बी सी डी ई तो कितना हो गया औसत वजन 65 तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ई e का वजन बताओ मुझे तो आप कहेंगे ई e का ऐसे निकल आएगा और प्लस एक. एक की गुणा हमने 65 से की और चार की गुणा हमने माइनस दो से की चार दुनिया आठ तो वजन ई e का आ गया हमारे पास 65 फाइव माइनस आठ फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन के जी आ गया कितना आ गया जी फिफ्टी सेवन के जी यही आया अब इन्होंने कहा है, एक बंदा कौन है एफ फाल्गुनी है कैसी हो फाल्गुनी बहन मैं तो अच्छी हूं तुम कैसे हो सिक्सटी वन के जी आ गया एफ का वजन सिक्सटी वन के जी आ गया क्लियर है बात ठीक है इन बच्चों को उस क्लास का भी लिंक दे दो हाउ टू क्रैक एस एस एग्जाम इन सिक्स मंथ एक बार कमेंट में डाल दो जो भी बच्चे उस क्लास को देखना चाहें देख सकते हैं बहुत अच्छी क्लास है हाईली मोटिवेशन क्लास है इसका आंसर गलत बता रहे हैं बच्चे वो तो बता देंगे बाद में देख लेना इतनी भी क्या जल्दी है देखो भाई एक चीज ध्यान से समझना देना जरा ध्यान यहां पे कि ए बी सी डी ई का औसत वजन कितना है ए बी सी जितना मैं इसके नजदीक चला जाता इतनी हीट निकलती है सिकाई हो जाती है ए बी सी डी ई का औसत वजन कितना है तो आप कहेंगे 67, 67, 65, 5. ठीक है सिक्सटी फाइव अब सब कुछ सेम है बी सी डी ई पूरा सेम है एफ आ गया है यानी कि एफ बी सी डी का औसत वजन कितना है सिक्सटी सिक्स मैंने ना चेंज इसीलिए कर लिया कि पिछले सवाल में भी था कम हो रहा है तो यहां पे मैं इनको बता पाऊंगा कि बेटा एवरेज एक बढ़ रहा है बढ़ रहा है कि नहीं तो मैं इनको बता पाऊंगा कि बेटा सम सम कितना बढ़ रहा है पांच क्योंकि अब की बार बंदे पांच हैं मैंने आपको खुद कहा कि सम पे क्या फर्क पड़ेगा जो एवरेज पे पड़ रहा है गुणा नंबर यही बताया ना एवरेज एक बड़ा सम पांच बड़ा है यानी कि आप खुद बताओ देख के कि ये चार बंदे तो सेम है फिर सम पांच कैसे बड़ा? इसका मतलब एफ ज्यादा था ए से पांच ज्यादा है एफ और एफ आया कितना है तो आप कहेंगे सिक्सटी वन आया है एफ अगर ये पांच ज्यादा है ए से तो ए कितना है फिफ्टी सिक्स है यही आंसर है इन्होंने यही पूछा है वजन बताओ बताओ अगर कोई भी डाउट है तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ एनी बॉडी एल्स कोई भी बॉडी बताए जल्दी जल्दी कोई भी बॉडी हमें यह बताए कि क्या डाउट है किसी भी बॉडी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि अगर आपको डाउट है किसी भी प्रकार का डाउट है ग्यारह सवाल अब तक बता चुका हूं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है एक एक चीज को दो दो बार समझाने में टाइम लगता है हमारा ये देय है एक भी बच्चा ऐसा ना जाए जिसको समझ में ना आ रहा हो हर एक बच्चे को गणित सिखानी है एसएससी निकलवाना है कल को वो टीचिंग भी करना चाहे तो मैथ्स में उसके पास जबरदस्त कॉन्सेप्ट होने चाहिए हम तो कल को रिटायरमेंट ले लेंगे हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा हमारी जगह कौन पढ़ाएगा ऐसे बच्चे भी हमें तैयार करने अभिनय मैथ्स के लिए समझ रहे हैं कि नहीं बहुत सिंपल सवाल था चार लोग थे एबीसीडी का वजन सिक्सटी सेवन था एक और बंदा आ गया पांच डी का सिक्सटी फाइव हो गया तो जो एक बंदा बढ़ता है वो तरीका हमारा ये है और ये रिप्लेसमेंट वाला तरीका है तो चार को दो से गुणा किया एक को आथ, सत्तावन, सत्तावन में इकसठ के जी आ गया फिर आपने कहा ए बी सी डी ई का औसत पैंसठ है तो पैंसठ लिखा फिर जब बी सी डी ई एफ का निकाला तो छियासठ मैंने करेक्शन किया था एवरेज एक बढ़ाए एवरेज एक बड़ा है बंदे पांच है तो सम पांच बड़ा है सब पे एक एक बड़ा होगा एवरेज का बढ़ना मतलब सबका बढ़ना तो पांच बढ़ने का मतलब बी सी डी तो ऊपर भी है नीचे भी है तो बढ़ा कौन है तो आपने कहा एफ बड़ा है ए से पांच एफ पता है इकसठ है तो इकसठ किस से पांच बड़ा है तो आप कहेंगे छप्पन से पांच बड़ा है बोलो भाई देखिए मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूं कि आपको हर तरीके बताऊ आज हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया कि कोई गया कोई आया कोई ठहर गया देखिए ठहरते हैं लोग ऐसा नहीं है ठहराने वाला चाहिए ठहरते हैं लोग हर आदमी बेहतर की तलाश में है बेहतरीन खो रहा है आपको बेहतरीन बनाना है अपने आप को बस और कुछ नहीं करना आपको ऐसा बनाना है कि आपका ऑप्शन ही कोई ना हो कोई कहीं जाने के बारे में सोचे ही ना आपको इतना बेहतर खुद को बनाना है एकदम बेहतरीन। तो आज की क्लास में क्या करेंगे वो बात जितने भी लोग हमारे बॉर्डर से देख रहे हैं काफी बच्चों के मुझे मेल आए पता चला कि बॉर्डर से पूरी की पूरी टोली आठ दस सिपाहियों की सीआईएसएफ बी की देखते हैं वीडियो आनंद लेते हैं तो उन सबको हमारा सल्यूट है भाई कि आप सब बॉर्डर पर रह के इतनी ठंड में हम सब की रक्षा कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपके लिए हम हरदम हाजिर हैं मैं तो समझता हूं कि अगर वो पांच बच्चे बीस बच्चे या सौ बच्चे भी बॉर्डर पर रह के मेरी वीडियो का लाभ उठा पाए तो मेरा जीवन तो इसी में सफल है सिक्स क्लास आज एवरेज की है और पहले सवाल से शुरुआत हो रही है देख लीजिए पहला सवाल क्या है कितना प्यारा है कितना सुंदर है क्या है पहला सवाल मैं पढ़ देता हूं पहले फिर इस सवाल पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे बाकी आगे के सवालों पे उतना नहीं लगेगा फिर कि हॉस्टल छात्र में छात्रावास में छत्तीस विद्यार्थी हैं इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाई नाइन देन दैथ इंक्रीज बाई फोर्टी फाइव रूपीज पर डे वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डेमिनी टू फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं, नौ छात्र और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्चा पैंतालीस रुपए बढ़ जाता है जबकि प्रति छात्र दो रुपए कम हो जाते हैं तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्चा क्या था ठीक है देखिए मैं इस सवाल को कई सारे तरीके से बता रहा हूं एक तो बिल्कुल बेसिक तरीके हैं, दो दो तो बिल्कुल बेसिक तरीके ले रहा हूं एकदम बेसिक क्या है भाई बेसिक मेथड जैसे एक बच्चा अगर करेगा इन सवालों को जो कि नहीं करना है आपको मन जैसे करना है वैसे आप करिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप कहेंगे जी बेसिक तो यही कहता है कि अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो पहले और बाद में लिख लेते हैं पहले और बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आप कहेंगे जी नंबर कितना था थर्टी सिक्स मैं एलसीएम मेथड भी बताऊंगा जिससे आप ओवली कर पाएंगे इस सवाल को थर्टी सिक्स और ये फोर्टी फाइव ये नंबर है अगर आज बहुत ठंड लग रही है पता है अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज पहले x और बाद में x माइनस टू दो कम हो जाता है एवरेज अब अगर मैं खर्चे की बात करूं यहाँ पे अगर हम खर्चे की बात करें यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करें एक्सपेंडिचर की तो क्या होगा एक्सपेंडिचर थर्टी सिक्स एक्स थर्टी सिक्स एक्स यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना होगा फोर्टी फाइव और एक्स माइनस टू यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना होगा फोर्टी फाइव और एक्स माइनस टू अब देखिए जो पहले का खर्चा है और जो बाद वाला खर्चा है इसने कहा है पैंतालीस बढ़ जाता है यानी बाद वाले खर्चा जो है वो पहले वाले खर्चे से पैंतालीस ज्यादा है तो मैंने फोर्टी फाइव एड कर दिया जी इसमें मैंने क्या किया इसमें फोर्टी फाइव एड कर दिया प्लस फोर्टी फाइव कर दिया क्लियर है बात मैंने इसमें प्लस 45 कर दिया 45 ऐड कर दिया अब मैंने कहा कि यार ये पूरा नौ से कट रहा है तो आपने का कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए नौ से काट लेते हैं नौ चौक छत्तीस नौ पंजे पैंतालीस नौ पंजे पैंतालीस पांच एक्स माइनस दस तो आप पाएंगे अगर ये एक्स उधर चला जाए और दस इधर आ जाए तो एक्स कितना आ गया पंद्रह यानी मैंने ये निकाल दिया कि पर हेड खर्चा एक बच्चे का कितना था तो आप कहेंगे जी पर हेड खर्चा एक बच्चे का पंद्रह रुपये था तो छत्तीस बच्चों का खर्चा कितना होगा यही टोटल खर्चा था तो पंद्रह छक्के नब्बे की जीरो हासिल नौ पंद्रह पैंतालीस और नौ चौवन पांच सौ चालीस टोटल खर्चा आ गया यही उत्तर है इस सवाल का एक तो ये बेसिक हो गया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये बहुत घटिया लगता है मुझे ये पसंद नहीं आता बेसिक टू ये बेसिक वन है आज आप तरीके ही देख लो कि एक सवाल को करने के कितने हो सकते हैं अब बेसिक टू यहां पे मैं लिख रहा हूं बेसिक टू ठीक है वो बेसिक वन था ये बेसिक टू आपने कहा इसको देख लीजिएगा पहले एक बार बट थोड़ा जल्दी जल्दी करिए टाइम कम रह जाता है सवाल नहीं हो पाते आज भी पंद्रह सवाल हैं सोलह सवाल करने हैं जाना नहीं है ठीक है तो मैंने कहा ये बेसिक टू है आपने कहा जी पहले कितना खर्चा है तो मैंने कहा पहले खर्चा टोटल मैंने ए मान लिया आप कहेंगे बाद में कितना खर्चा है तो मैंने कहा बाद में ए प्लस पैंतालीस आपकी बात डायरेक्ट मैंने खर्चा ही लिख लिया ए तो आप कहेंगे ये ए और ये ए प्लस पैंतालीस तो मैंने कहा एक बच्चे का कितना होगा आपने कहा छत्तीस से भाग लगा दो मैंने कहा बाद में एक बच्चे का कितना होगा आपने कहा बच्चे पैंतालीस हो चुके हैं छत्तीस और नौ पैंतालीस देखिए अब की बार मैं खर्चा मान रहा हूं पहले मैंने एक बंदे का खर्चा एक्स माना अब की बार मैं टोटल एक्सपेंडिचर ए मान रहा हूं अगर टोटल ए है तो एक बच्चे पे कितना पड़ेगा ए बटे छत्तीस बाद में पैंतालीस बढ़ गया ए प्लस पैंतालीस बटे पैंतालीस होगा अब आप ये जानते हो कि जो बाद वाला खर्चा है वो दो कम हो गया है यानी कि मैं पहले वाले में से बाद वाला घटाऊंगा तो यहाँ पे दो आ जाएगा आ जाएगा नहीं आप कहोगे जी बिल्कुल आ जाएगा अब अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ से एलसीएम तो आप कहेंगे एलसीएम एक सौ अस्सी आ गया तो पाँच ए माइनस चार ए माइनस एक सौ अस्सी ठीक है बराबर दो यही आएगा दो तो आपने देखा यहाँ से ए कितना आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा एक सौ अस्सी दूनी तीन सौ साठ और एक सौ अस्सी और जुड़ेगा फाइव फोर्टी तो यहाँ से हम डायरेक्टली 540 फाइव फोर्टी निकाल पाए यहाँ से हमने डायरेक्ट खर्चा निकाल दिया 540 ये दो बेसिक तरीके हैं अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं पेपर में कोई और तरीका फॉलो अप नहीं कर पाऊंगा तो आप ये बेसिक याद रखिए बट मुझे ये पसंद नहीं आते अब बीच में से किसी बच्चे की आवाज़ आ रही होगी कि सर आपने तो कहा था यूनिक मेथड है कि क्या वो नहीं लगेगा वो भी लगेगा बता रहा हूँ कैसे नहीं? अभी बता रहा हूं कि कैसे लगेगा बाकी एलिगेशन भी इन सवालों को करने का बेस्ट वे हो सकता है बट आप में से कुछ लोग जानते होंगे एलिगेशन कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो कुछ नहीं कर सकते हम बट हम बताएंगे सब चीजें बताएंगे हमारा तो फर्ज है मैं ये मिटा रहा हूँ आप उसका स्क्रीन ले लीजिए तब तक और थोड़ा तेज पढ़ने की आदत डालिए मैंने कल भी कहा था कि आप अब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए ठीक है अब एक वो तरीका जो मैंने बताया कि यूनिक मेथड है बेटा हर जगह लगता है क्या आपने कहा छत्तीस बच्चे हैं छत्तीस उनका एवरेज एक्स दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है ठीक है अब नौ बच्चे और आ गए नौ बच्चे आए यानी कि बच्चे पैंतालीस हो गए और एवरेज कितना हो गया एक्स माइनस तो जो नौ बच्चे आएंगे उनका खर्चा बढ़ गया होगा तो उनका कितना बड़ा है आपको भी सवाल में दिया हुआ है कि उनका बड़ा है पैंतालीस तो हमें पता है कि ये नौ बच्चों का बड़ा हुआ खर्चा आएगा कैसे प्लस नौ ये कितना हो रहा है माइनस टू तो एक बच्चा कहेगा जो बड़े हुए नौ बच्चों का खर्चा है वो इसको नौ से गुणा करिए इसको छत्तीस से तो ये कितना आ गया नौ एक्स माइनस टू माइनस दो गुणा छत्तीस बहत्तर ये उन बच्चों का खर्चा है जो नौ आए हैं तो ये सवाल में हमें पैंतालीस दे रखा है ध्यान से समझना मैंने क्या कहा कि जो नौ बच्चे बड़े हैं ये उनका खर्चा है ये जो नौ बच्चे बड़े हैं तो हमने अपने इस तरीके से हम जैसे यहाँ पे दो इनिंग बढ़ती थी तो हम उन दो लोगों का खर्चा निकाल लेते थे यहाँ पे यहाँ पे तीन इनिंग बढ़ती थी तो तीन का भी यहाँ पे नौ बच्चे बढ़े तो उनका नौ का खर्चा निकाल लिया मैंने वो पैंतालीस आ गया तो आपने कहा जी नौ से अगर भाग करूंगा पूरे को तो x तोतालीस तो x कितना आ गया पंद्रह यानी यहाँ से भी एक बच्चे का खर्चा आ गया पंद्रह एक बच्चे का खर्चा अगर पंद्रह है यहाँ से तो टोटल छत्तीस का कितना होगा तो आप कहेंगे पाँच सौ होगा यही सवाल में पूछा है 540 यही 540 सवाल में पूछा है इसमें कोई दो राय नहीं है देयर इज नो दो राय कोई भी दूसरी राय नहीं है कि 540 नहीं आएगा देखो एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं तो एलिगेशन क्या कहता है एलिगेशन बेसिकली एवरेज का ही मेथड है एलिगेशन कोई नई चीज नहीं है ठीक है एलिगेशन का ही मेथड है तो मैंने कहा पहले 36 बच्चे हैं फिर 9 बच्चे और आए हैं आपने कहा 36 बच्चों का एवरेज मान लेता हूं फिर किसी से हमने पूछा कि 9 बच्चों का एवरेज क्या होगा आपने कहा पैतालीस रुपए लेके आए नौ बच्चे अपने साथ हर बच्चा पांच रुपए की क्वांट्री दे रहा है पैतालीस बढ़ा है ना खर्चा हर बच्चा पांच रुपए की क्वांट्री दे रहा है तब पैतालीस बच्चों का एवरेज क्या हो गया एलिगेशन मिला के आता है तो वो हो गया एक्स माइनस टू दो कम हो गया क्या हो गया जी दो कम दो कम हो गया तो हमने कहा इसमें से ये घटेगा कितना आएगा आपने कहा दो अब एलिगेशन यही कहता है कि अगर एक बार इसमें से ये घटा लिया क्योंकि ये छोटा है तो अब इसमें से ये घटेगा तो इसमें से ये घटेगा एक्स माइनस सात है एलिगेशन कहता है कि जो अनुपात ऊपर और नीचे ऊपर का होगा वही नीचे का होगा यानी कि नौ और यानी चार, चार अनुपात एक है ठीक है कितना है अनुपात एक ठीक है अगर ये चार अनुपात एक है एक यहां है तो यहां चार है अगर यहां दो है तो यहां कितना होगा तो आप कहेंगे जी रेड कलम से आठ लिख दो भाई यहां वाला इसका चार गुना है तो दो की जगह यहां आठ आ जाएगा एक्स कितना आएगा आठ सात पंद्रह मुझे पता चल गया कि एक बच्चे का खर्चा पंद्रह आ गया छत्तीस से गुणा करूंगा पांच सौ चालीस <गण> ये एलिगेशन आ गया अब मैं आगे अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है अगर आगे ऐसा कोई भी सवाल आता है तो मैं या तो एलिगेशन बताऊंगा या एल सी एम एस सी मैथड बताऊंगा इसके अलावा कुछ नहीं समझ रहे हैं आप या नहीं ठीक है बहुत बच्चे तो सोते रहते हैं क्लास के बीच में ही पता नहीं कैसे काम चलेगा ठीक है अब मैं एक लास्ट मेथड और आखिरी मेथड बता रहा हूं एलसीएम मेथड क्या है ये एलसीएम मेथड ये सोचने वाली बात होगी और मुश्किल बात होगी इसको समझ पाना मुश्किल होगा आप ऐसे समझिए पहले तो कई बच्चों को ये डाउट होगा कि ऐसे खर्चा कम कैसे हो रहा है आप बताइए आप एक रूम में दो लड़के रहते हैं आंटी आपसे खाने का अठारह रुपए लेती है यानी एक बच्चे से नौ लेती है यही होता है भाई एक बच्चे से 900 लेती है अब क्या हुआ कि एक और लड़का आ गया तो आंटी ने क्या किया छह रुपए बढ़ा दिए यानी रूम का खर्चा छह रुपए बढ़ गया चौबीस सौ हो गया बट अब एक विद्यार्थी पे कितना पड़ रहा है 800 पड़ रहा है 100 कम हो गया तो पहले तो ये जानिए कि लोग आ जाते हैं खर्चा बढ़ जाता है पर हेड कैसे कम हो जाता है ऐसे कम हो जाता है कि भाई आंटी कहती है कि मेरा तो एफर्ट उतना ही लग रहा है आने जाने में मैं 600 ही बढ़ाऊंगी तो जो 600 बढ़ा उस 600 की वजह से क्या हुआ कि जो बाकी लोग थे उन पे भी सौ रुपये कम पढ़ने लग गया पढ़ने लग गया नहीं अब देखना इस चीज़ को आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको एल सी समझाने का मैंने कहा पहले दो बच्चे थे खर्चा अठारह सौ ले रही थी आंटी खाना बनाने का यानी नौ सौ पर हेड फिर तीन बच्चे हो गए यानी छः सौ बढ़ा दिया आंटी ने चौबीस सौ तो आठ सौ रुपये 600 सौ बढ़ा दिया ओवरऑल छह सौ बढ़ाया अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अगर आंटी ने ये छह सौ ना बढ़ाया होता ध्यान से समझना अगर आंटी ने ये छह सौ ना बढ़ाया होता ना बढ़ाया होता तब क्या होता तब आप कहते तब तीन लोगों पे ये अठारह सौ होता और एक बंदे पे छह सौ पड़ता तो एक बंदे का सीधा कितना कम हो जाता तो आप कहेंगे एक बंदे का सीधा तीन कम हो जाता तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये आप 300 मुझे डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं निकाल के आप कहेंगे कि जी 100 तो यहां पे कम हो रहा था 100 तो यहीं कम हो गया था तीसरे बंदे के आने से ही। और जो ₹600 तीन लोगों पे अगर और नहीं बढ़ेगा तो 600 तीन लोगों पे यानी कि 200 और कम हो जाएगा ये यही सौ और यही 200 है जो डायरेक्ट 300 आ रहा है यही तो मतलब है भाई मैंने कहा पहले आंटी दो लोगों पे ले रही थी एक बंदे पे नौ सौ अब खर्चा रूम का बड़ा छह सौ तो तीन लोगों पे चौबीस सौ हुआ एक पे आठ सौ सौ कम हो गया मैंने कहा अगर ये छह सौ ना बड़ा होता तीन लोगों पे अठारह सौ होता तो एक बंदे पे छह सौ ही पड़ता तब डायरेक्ट तीन सौ कम हो जाता तो ये तीन सौ हमने कैसे निकाला कि एक तो सौ पहले कम हो रहा था और जो बड़ा है छह सौ उसको भी हमने तीन से भाग कर दिया यानी कि दो सौ यहां से कम हो जाएगा ये कह सकते हैं नहीं तो मैं यही चीज अब इसका स्क्रीन ले लीजिए यही चीज यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं यही चीज आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कैसे बताता हूं मैंने कहा बेटा ऐसा करो देखना आप ध्यान ध्यान से से बहुत से समझना मैंने एक बच्चे से कहा बेटा ऐसा करो कि ये 45 मत बढ़ाओ 45 मत बढ़ाओ बच्चे कितने अभी मेरे पास 36 और नौ आने के बाद 45 बच्चे जब मैंने ये कहा पैतालीस रुपए खर्चा मत बढ़ाओ तो आपने कहा पैंतालीस रुपए अगर खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा तो पैंतालीस ही बच्चे हैं हर बच्चे का एक एक रुपया कम हो जाएगा।, हो जाएगा नहीं दो रुपए ऑलरेडी कम हो रहा था अगर पैंतालीस और होगा तो अब तीन रुपए कम हो जाएगा बोलो हो जाएगा ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं खर्चा ना बढ़ाऊं जितना पहले था उतना ही अभी रखूं तो एक बच्चे पे अंतर कितने का आएगा तीन का आएगा बस ये समझाना चाह रहा हूं अब कुछ है ही नहीं इस सवाल में आपने कहा जी, 36 बच्चों पे भी उतना खर्चा है आपने कहा तो कितने का अंतर है एक का आप बोले छी गड़बड़ हो गई आप तो कह रहे हो अंतर तीन का होना चाहिए तीन कम होना चाहिए तो मैंने कहा इसको तीन बनाना एक की वैल्यू तीन है तो इसको भी तीन बनाएंगे तो 540 है इसका मतलब टोटल खर्चा 540 में क्या होगा यहाँ 15 आ जाएगा यहाँ बाहर अंतर तीन का आ जाएगा टोटल खर्चा 540 सौ ये है एलसीएम मेथड ये डिफरेंस समझना है जी बिल्कुल देखिए बात वही है मैं रिपीट करूंगा और आगे भी पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है दोबारा भी बताऊंगा मैंने कहा कि पैंतालीस बच्चे हो गए और खर्चा पैंतालीस बढ़ गया तब दो कम है मैंने कहा अगर ये पैंतालीस भी ना बढ़ाऊं तो हर बच्चे का एक एक रुपया और कम हो जाएगा पैंतालीस पे तो फिर ये कितना होगा तो आपने कहा जी फिर ये तीन रुपए कम होगा यानी कि सवाल इतना सा रह गया कि अगर जितना खर्चा पहले था उतना ही अभी है तो उस हिसाब से एक बच्चे का तीन रुपए कम हो जाएगा मैंने कहा जब पहले बच्चे 36 थे और अब 45 तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो इन दोनों से कट जाए मैंने कॉमन खर्चा 180 मान लिया बड़ा तो है नहीं यानी पहले एक बच्चे पे पांच रुपए पड़ रहा था छत्तीस पंजे एक सौ अस्सी अब एक बच्चे पे चार रुपए पड़ रहा है यानी खर्चा हमारे हिसाब से एक कम हो रहा है कब जब हम टोटल खर्चे को कितना मान रहे हैं? एक सौ अस्सी हमने टोटल खर्चे को एक सौ अस्सी माना तब हमारे हिसाब से एक बच्चे का एक कम हो रहा है इस एक कम की वैल्यू तीन कम है सवाल में तो 180 की 540 आ गई यही टोटल खर्चा है अच्छा तरीका है समझने के ऊपर देखिए अब यूट्यूब पे भी हम पढ़ा रहे हैं तो सब तरीके का बच्चा है बेसिक समझने वाला भी है एलिगेशन समझने वाला भी है एल भी समझने वाला है हमें सबको साथ लेके चलना है हमें सब कुछ बढ़ाना है अपनी तरफ से सब कुछ हमें छोड़ना कुछ नहीं है कमल सिंह पीलीभीत से हैं सी एच एस एल की फॉर्म की डेट बढ़ गई है जिन लोगों ने अभी तक सी एच एस एल का फॉर्म नहीं भरा है अभी भी भर सकते हैं मेरे पास रुपये नहीं आप यूट्यूब से ही अच्छा पढ़ा रहे हो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आप जैसा टीचर हिंदुस्तान में है हमें गर्व है जो हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं थैंक यू विकास सिंह इतना प्यार देने के लिए बस करना कुछ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठा पाए पढ़ पाए बस हम इतना चाहते हैं इसके अलावा कुछ नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ले लेता हूं कौन सा सवाल अगला ठीक है सवाल क्या कह रहा है? देयर आर फोर्टी स्टूडेंट इन ए हॉस्टल एक हॉस्टल में चालीस विद्यार्थी हैं इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज बाई टेन अब की बार नंबर ऑफ स्टूडेंट दस से कम हो गए देन द the of ऑफ द decreased by rupees रुपीज per पर डे वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड by Rs. 1 वन find the original एक्सपेंडिचर ऑफ द mess एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं यदि 10 छात्रावास छोड़ दें तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्चा साठ रुपए कम हो जाता है यदि प्रति विद्यार्थी खर्चा एक रुपए बढ़ जाता है तो खाने का प्रारंभिक खर्चा क्या होता है दो ही तरीके बताऊंगा एक बेसिक वन और एक एलसीएम सारे तरीके नहीं बनाने आपको कोई मास्टर नहीं बनना है ठीक है दोस्त आपको कोई मास्टर नहीं बनना जो आप सारे तरीकों के पीछे पड़े हुए सिर्फ दो तरीके एक बेसिक वन और एक ये, ये ठीक। मैं कह रहा हूं कि पहले बच्चे कितने थे चालीस पहले और एवरेज मान लिया एक्स बाद में बच्चे कितने हो गए दस छोड़ गए तीस रह गए एवरेज कितना हो गया एक्स प्लस वन टोटल खर्चा यहाँ पे कितना आ रहा है आपने कहा चालीस एक्स यहाँ पे टोटल खर्चा कितना आ रहा है तीस एक्स प्लस वन आपसे सवाल में कह रहा है कि खर्चा साठ रुपये कम हो जाता है यानी पहले वाले खर्चे में से अगर मैं साठ घटा दूं तो ये इसके बराबर आ जाएगा पहले वाले खर्चे में से अगर मैं साठ घटा दूं तो ये इसके बराबर आ जाएगा तो क्या होगा जीरो से जीरो कट गई ऐसे कट गया आपको पता है ये तीन एक्स है इधर आके घटेगा एक्स बराबर ये छह है और ये तीन ये नौ हमने कहा एक बच्चे का खर्चा नौ था एक्स बराबर तो चालीस बच्चों का खर्चा कितना होगा नौ से गुणा करके चार नियम छत्तीस तीन सौ साठ देखिए जब कोई चीज समझाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है फिर जब आपको आ जाएगी धीरे धीरे तो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मजा आएगा ऐसे में बहुत सवाल आपको दूंगा आप इस सव इस सवाल में भी वो तरीका लगा सकते हैं जो हमारा यूनिक मेथड है वो आप लगा सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं मैं एक बार जल्दी से लगा के भी बता देता हूँ कि जैसे 40 बच्चों का एवरेज x बच्चे रह गए 30 एवरेज हो गया x प्लस वन कितना बढ़ गया प्लस वन कितना घट गया माइनस दस दस से इसको गुणा करेंगे माइनस दस एक्स प्लस वन चालीस से इसको गुणा करेंगे प्लस चालीस बट आपको पता है खर्चा माइनस साठ के बराबर होगा क्योंकि साठ कम हो रहा है ध्यान रखना अगर बच्चे निकल के गए तो नेगेटिव आता है ना तो इसीलिए माइनस लगा दिया ये इधर आएगा तो कितना होगा इधर आएगा तो आपने कहा सौ होगा ये इधर जाएगा तो दस एक्स प्लस वन होगा मैंने कहा कट गया जीरो से जीरो एक्स कितना आ गया नो no. ये मैंने इसलिए बता दिया कि बच्चे घर पे जाके इसे लगाते और माइनस ना लेते तो गड़बड़ हो जाती इसलिए बताना जरूरी था तो 40 लोगों का खर्चा कितना आ गया 40 निम्ब तीन तो सौ साठ देखिए चाहो तो एक यूनिक मेथड याद रख सकते हो जो हर जगह लगेगा हर सवालों पे लगेगा कोई तकलीफ नहीं देगा डीवाई <laughs> बुलंदसर से ए राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपूत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए ठीक है बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर अद्भुत अब मैं फटाफट से एलसीएम मेथड बताऊंगा यहाँ आप जब तक वो नोट कर लीजिए एलसीएम मेथड में तो कुछ है नहीं देखिए ज्यादा खास इसमें तो बस इतना सा है कि भाई आप क्या करोगे साठ रुपए खर्चा आप मत करो कम बोलो भाई सही है साठ कम हटा देते हैं। अगर मैं साठ कम नहीं करूंगा यानी कि साठ मैंने बढ़ा दिया और मेरे पास बच्चे कितने है? दस जाने के बाद तीस यानी मैंने हर बच्चे पे दो बढ़ा दिया तो जो अभी ये एक ज्यादा हो रहा था यहां पे कितना आ जाएगा तीन ज्यादा आ जाएगा अब मैंने क्या कहा कि पहले चालीस बच्चे थे अब बच्चे तीस हैं तो एवरेज कितना आ गया एक सौ बीस ठीक है तो चार तीया बारह तीन चौक बारह आप बताइए कितना बढ़ रहा है आप कहेंगे एक बढ़ रहा है और सवाल में कितना बढ़ रहा है तीन तो मैंने कहा अगर एक की वैल्यू ये तीन है तीन गुनी है तो 120 की तीन गुनी 360 उत्तर हो जाएगा यही उत्तर था इस सवाल का ये हमने फिर एल से लगा दिया देख लो भाई जल्दी जल्दी देखो वक्त की हमारे पास कमी शॉर्टेज ऑफ टाइम शॉर्टेज ऑफ टाइम है दोस्त क्या है शॉर्टेज ऑफ टाइम टाइम की कमी लाइव क्लास करने की कोशिश करो क्लास स्किप मत करो ये मत सोचो नहीं मैं टू एक्स पे देख लूंगा इस पे देख लूंगा कुछ नहीं होता ये सब फालतू के काम है टू एक्स एक्स पे हमें भी पता है कि आप कितने काबिल हो कि टू एक्स और एक्स पे देख लोगे हमें पता है आपके बारे में देखो भैया हमें क्या लगे रहो मोबाइल में अपना टाइम पास करो ठीक है आगे बढ़े दोस्तों बढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है उत्तर बताओ सब लोग उत्तर बताओ दौड़ दौड़ के उत्तर बताओ मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे ये वाले सवाल ये आपने होटल वाले किए हैं ऐसे में तीन चार सवाल लाया हूं देखिए बताने को इसमें बेसिक भी लगेगा बताने को इसमें यूनिक मेथड भी लगेगा एलिगेशन भी लगेगा सब कुछ लगेगा बट मैं थोड़ा सा आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ इसमें बिल्कुल देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं बारह व्यक्ति होटल गए बारह व्यक्ति होटल गए उनमें से ग्यारह व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर चौंसठ रुपये खर्च किए तथा बारहवें व्यक्ति ने सभी बारह व्यक्तियों के औसत से छियासठ रुपये अधिक खर्च किए देखिए मैं क्या चाहता हूँ आपको याद होगा जब मैंने एवरेज पढ़ाना शुरू किया ही था जब मैंने एवरेज पढ़ाना शुरू किया ही था तब मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी मैंने कहा था एवरेज को हम सबका मान सकते हैं अगर यह कहा जाता है कि एक क्लास का एवरेज बत्तीस है अगर ये कहा जाता है कि एक क्लास का एवरेज बत्तीस है तो मैं ये मान सकता हूं कि सबका बत्तीस 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 है मान सकते हैं नहीं ये बात आ रही है, है नहीं आ रही समझ अगर एक क्लास में सब बच्चों के वजन का औसत बत्तीस है तो हम सबका बत्तीस बत्तीस मान सकते ठीक है भाई माना आपने ध्यान से समझना मैं अब इस पे ज्यादा तरीके पे नहीं जा रहा एलिगेशन भी लगेगा यूनिक भी लगेगा बेसिक भी लगेगा बट मैं अपना तरीका बता रहा हूं उस तरीके से छह सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा गारंटी से आ जाएगा सुनो ध्यान से अगर भाई हर क्लास का एवरेज बत्तीस है सबका बत्तीस 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 है और अब दस बच्चे हैं उस क्लास में सबका बत्तीस 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 है दसवां बंदा बोला कि मैंने तो झूठ बोला था मेरा तो बत्तीस से भी जो सबका एवरेज है मेरा तो 32 से भी 20 ज्यादा है 20 ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल 32 से भी 20 ज्यादा है तो इसका मतलब वो 20 उन 10 में बट जाएगा दो दो में बट जाएगा नहीं बट जाएगा बट जाएगा अब ये तो बात हो गई 10 के 10 बंदों की मैंने कहा कि 10 के 10 बंदों का एवरेज बत्तीस के था एक बोला मैंने झूठ बोला था मेरा 20 ज्यादा था तो वो 20 हमने दो दो सब में बांट दिया और क्या बोल दिया कि अब इनका एवरेज कितना होगा चौंतीस होगा ठीक है अब दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है दोस्त अगर हमने दस बंदों से पूछा कि अपना अपना वजन बताओ तो दस के दस बंदे बोले एक से नौ तक के बंदे बोले कि मेरा बत्तीस है मेरा बत्तीस दस के दस बोले पता है क्या बोला जो टेंथ नंबर था वो बोला कि मेरा सभी दस के एवरेज से सभी दस के एवरेज से अठारह ज्यादा है यानी कि एवरेज प्लस अठारह ये बोला मैं ये कह रहा हूं सभी दस का एवरेज कितना होगा तो आपने कहा एवरेज होगा एबीजी होगा हमने ये कहा कि सभी दस लोगों का एवरेज एबीजी है तो इसका मतलब मैं सबको एबीजी एबीजी मान सकता हूं बट ये बोला दसवा कि मेरा एबीजी से अठारह ज्यादा है मैंने कहा तेरा अठारह हटाई देता हूं मैं तो उछल मत तो आपने कहा यह अठारह हटेगा तो इन नौ व्यक्तियों में मिलेगा दो दो मिल जाएगा मिल जाएगा नहीं अब सवाल हो गया कि एक से लेकर के नौ तक का वजन कितना है चौंतीस 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 दसवें का एवरेज है सबका मिला के भी एवरेज है तो आपने कहा कि जी आपने ही बताया था कि अगर सबका एवरेज है तो सबको एवरेज एवरेज माना जा सकता है तो टेंथ तो ऑलरेडी एवरेज है यानी कि ये जो एक से नौ तक वाले हैं ये भी एवरेज है यानी एवरेज ही चौतीस है चौंतीस ही एवरेज है ये मैं समझाना चाह रहा हूं अगर नहीं समझ आई बात तो कोई बात नहीं मैं इस सवाल से दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा बट आपको समझनी पड़ेगी ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझना पड़ेगा दोबारा देखो मैं ये कह रहा हूं सुनो बारह व्यक्ति होटल गए ग्यारह लोगों ने अपने खाने पर चौंसठ चौसठ खर्च किया ये रहा इसने कितना किया चौसठ इसने कितना किया चौसठ इसने कितना किया चौसठ ग्यारह लोगों ने डेट डेट डे ग्यारह लोग हैं सबका एवरेज मैंने बारह के बारह का एवरेज एक्स मान लिया मान सकता हूं मानने में क्या बुराई जो बारहवा बंदा है बारहवा बंदा उसने सभी के औसत से छियासठ ज्यादा खर्च किया एक्स प्लस छियासठ हमने कहा कि बेटा अगर सबका एवरेज एक्स है अगर सबका एवरेज एक्स है तो तुम सबको एक्स एक्स ले सकते हो ले सकते हो नहीं तुमने कहा जी ठीक है मैं इसको एक्स ले लूंगा बट इसके 66 का क्या करूंगा तो मैंने कहा कोई बात नहीं इसका 66 है ना वो इन लोगों को दे दो ये 11 लोग हैं टोटल 11 तो आपने कहा कि अगर 11 लोग हैं और 66 डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबको छह छह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हो जाएगा नहीं अब सवाल पता है कितना रहेगा सत्तर कर रहा है सत्तर कर रहा है सत्तर कर रहा है ये एक्स कर रहा है और एवरेज भी एक्स है यही तो रह गया सबका एवरेज एक्स है मैंने कहा अगर सबका एवरेज एक्स है तो सबको एक्स एक्स ले सकते हैं आपने कहा ये तो एक्स है इसका मतलब ये भी एक्स है तभी सबका एवरेज एक्स है यानी एक्स ही सत्तर है, सत्तर ही है। आप कहोगे रीता ही एक्स है एक्स ही रीता है बात आ रही है नहीं आ रही समझ बात आ रही है या नहीं आ रही समझ ये बता दो बस मुझे आ रही है अब आपको पता चल गया कि सबका एवरेज सत्तर है तो बारह लोगों का कितना होगा बारह गुणा सत्तर बारह सत्ते खत्म इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी प्रकार की इसमें कोई दो राय नहीं है बारह गुणा सत्तर 84, करेक्ट आंसर बोलो भाई अब जैसे कोई बच्चा सोच रहा होगा कि जी मुझे सम... देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा आप देखेंगे कि ग्यारह लोग चौंसठ कर रहे थे देखिए मौखिक निकाल देगा बच्चा ग्यारह लोग चौंसठ बारहवें का छियासठ ज्यादा है तो ग्यारह में डिस्ट्रीब्यूट होगा छ छ तो छसठ सत्तर बारह सत्तर चौरासी आठ सौ चालीस उत्तर आ गया कोई तकलीफ नहीं होगी मौखिक निकाल दोगे बट करोगे तब अब जैसे जिन लोगों को यहां पे ये ऐसे नहीं करना उनके लिए बता देता हूं ग्यारह गुणा चौसठ ग्यारह लोगों का सम था बटे टोटल का एवरेज बारह था यहाँ पे एक्स प्लस छियासठ था और सभी का एवरेज भी एक्स था ठीक है भाई सभी का एवरेज भी एक्स था मैंने कहा बारह इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बारह एक्स एक्स इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा ग्यारह एक्स ग्यारह से ये कट जाएगा 6 बार ये ग्यारह बार तो x कितना आ जाएगा चौसठ प्लस छत्तर बात वही है बात वही है बस हम लिखना नहीं चाहते गुणा भाग नहीं चाहते और कुछ भी नहीं बात यही है ये जो कैलकुलेशन है बेसिकली यहां भी ऐसा ही हो रहा है चौंसठ में ही 6 जुड़ रहा है यहां भी चौंसठ में ही 6 जुड़ रहा है कोई नई चीज नहीं कोई नई चीज नहीं है 840. तरीका यह है दस लोग होटल गए कंबाइंड डिनर के लिए आठ लोगों ने दस रुपये आठ दस में से पैतालीस रुपए खर्च किए डिनर पे, यानी कि आठ लोगों ने पैंतालीस खर्च किए 45. नौवे और 10वें आदमी ने इक्कीस और 29 ज्यादा किए अब भाई इस यहां पे ना दो बंदों ने किए तो मैंने कहा एक तो कर रहा है एक्स प्लस इक्कीस एक कर रहा है एक्स प्लस उनतीस और सबका एवरेज मैं मान रहा हूं एक्स फिर समझा रहा हूं नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकता था सबका एवरेज मैं मान रहा हूं एक्स सबका एवरेज मैं कितना मान रहा हूं एक्स ठीक है बात क्लियर है इज इट क्लियर और नॉट बता दो भाई ठीक है क्लियर आपने का जब सबका x है तो सबको xx एक्स -एक्स मानो इस 29 और इस 21 को निकाल कर फेंको 21 और 29 मिला के कितना हो गया आप कहेंगे जी 50 हो गया मैंने कहा इस 50 का क्या करूं आपने कहा इन आठ लोगों में बांट दो आठ में ही बटेगा ना लोग कितने दस लोग हॉस्पिटल गए आठ पीपल आउट ऑफ 10 स्पेंड 45 खर्च किया नौवे और 10वे ने 21 और 29 ज्यादा खर्च किया 50 ज्यादा किया मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल टेन परसेंट फाइन द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर बाई नाइन एंड टेंसेंट पूछ रहा है आपसे मैंने है, बात बन जाएगी। तो आपने कहा एक्स में बटेगा सिक्स पॉइंट टू फाइव तो हमने ये आठ लोगों में बांट दिया पचास पचास बटे आठ यानी सिक्स पॉइंट टू फाइव ये हमने बांट दिया यानी एक्स कितना आ गया 45 और 6 51.25 आ गया थोड़ा मुश्किल थी कैलकुलेशन x कितना आ गया 51.25 बट कमाल की बात यह है कि मुश्किल थी हमने पूछा क्या है आपसे ये भी तो देखो हमने इन दोनों का एवरेज पूछा है तो x 21 x 29 का एवरेज कितना होगा बेटा इन दोनों का तो आप कहोगे x तो एक ही आ जाएगा और प्लस 25 होगा अरे x 21 और 29 का बचा अब x का मान तो 51.25 निकल चुका है अरे भाई मैंने कहा था कि सबको एक्स एक्स मान लिया तो इन आठ का कितना आ गया प्लस पच्चीस तो छिहत्तर पॉइंट पच्चीस अच्छी कैलकुलेशन थी सवाल में अच्छी कैलकुलेशन थी जल्दी जल्दी बताऊंगा आप ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा देखो इसने कहा उन्नीस आदमी इकट्ठी होकर पार्टी में गए पंद्रह लोगों ने उनसठ खर्च किया डिनर पे पंद्रह लोगों ने उनसठ फिफ्टी नाइन बाकी के चार लोगों ने उन्नीस आदमी के औसत से साढ़े सात कम किए देखिए बाकी के लोग बचे कितने चार लोग तो उन चार ने साढ़े सात सात कम किए यानी टोटल कितना कम हो गया है एवरेज से तीस कम हो गया तीस कम देखिए तीस कम हो गया अब ये जो तीस कम है ये किसने किया होगा ये इन पंद्रह ने तीस कम किया होगा यानी हर आदमी ने कितना कितना कम किया होगा? दो कम तो सबका एवरेज कितना आ गया? सबका एवरेज सत्ता बना आ गया अब देखिए मैं पूरा लिख नहीं रहा अब आप चाहें कि मैं लिखूं एक जगह लिखूं x माइनस साढ़े सात फिर x माइनस साढ़े सात चार लोग हैं फिर x माइनस साढ़े सात फिर x माइनस साढ़े सात फिर कहूं सबका एवरेज x है फिर ऊपर कहूं जी उनसठ है पंद्रह लोगों का उनसठ उनसठ फिर आपको करके दिखाऊं जी कि ये साढ़े सात काटू क्योंकि सबका एवरेज एक्स एक्स मानना है तो ये साढ़े सात चौक तीस हो गया तीस अगर इन पंद्रह से कम करूंगा दो दो कम हो जाएगा तो पता चला सबका एवरेज एक्स इन चारों का भी एक्स इन सबका सत्तावन सत्तावन यानी कि सत्तावन ही एक्स एक्स ही सत्तावन बात खत्म यहां पे जो आए हैं हमारे साथ ऋषभ राज जिंदगी हो या ताश के पत्ते अपना इक्का तभी निकलना चाहिए जब आगे वाला बादशाह हो नहीं ऐसा नहीं है जब आपकी देखिए जिसने भी ऐसा नहीं बोलेंगे फाड़ी गलत वर्ड नहीं यूज करेंगे आपकी जिसने भी स्थिति खराब की वो सब बादशाह है कम नहीं है जिसने आपको रुला दिया आपको परेशान कर दिया आपकी नौकरी को एक साल के लिए टाल दिया वो सब मैं मानता हूं ही है किसी बादशाह से कम नहीं है पांचवा सवाल छठा सवाल फास्ट चलना है हमें समझाओ तो टाइम लग जाता है पता है तेरह आदमी बारह आदमियों का औसत वजन तिहत्तर किलोग्राम है बारहवें आदमी का औसत वजन सभी आदमियों के औसत वजन से चौबीस किलोग्राम अधिक है देखिए अब की बार क्या पूछ रहे हैं बारह लोगों का एक से लेकर के बारह तक सबका औसत कितना है तिहत्तर के ठीक है भाई अब जो तेरहवा आदमी है उसका सभी के औसत से चौबीस ज्यादा है एक्स प्लस चौबीस है और सबका एवरेज कितना है एक्स जल्दी बताओ करके मैं सवाल पढ़ देता हूं इसने कहा द एवरेज वेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट ऑफ थर्टीन इज सेवेंटी थ्री के जी द वेट ऑफ थर्टीन परसेंट इज ट्वेंटी फोर के जी मोर देन वेट ऑफ ऑल थर्टीन परसेंस फाइन द वेट ऑफ ऑल थर्टीन परसेंस ठीक है अब आप क्या कह रहे हो यहां पे अब आप ये कह रहे हो कि अगर सबका एवरेज x है और इसका एक्स प्लस तो तो हटाऊंगा इन 12 लोगों में बांटूंगा तो कितना कितना बट जाएगा 24 भागित बारह दो दो बट जाएगा यानी इन सब का मिला के कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे पिचहत्तर के जी आ जाएगा इन सबका कितना आ जाएगा पिचहत्तर के जी आ जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा पिचहत्तर यानी कि इन सब का पिचहत्तर इसका एक्स एवरेज भी एक्स यानी एक्स ही पिचहत्तर है पिचहत्तर ही एक्स है बात खत्म तो हमने यहां पे लिख दिया कितना होगा पिचहत्तर प्लस चौबीस हमने क्या कहा पिचहत्तर प्लस चौबीस क्योंकि अब की बार सबका एवरेज नहीं पूछ रहा तेरहवे आदमी का वजन पूछ रहा है तो पिचत्तर प्लस चौबीस निन्यानबे पे आउट हो गया सचिन सोचिन शोचिन राहुल भाई सच में क्या सर बहुत झूम रहे हैं ज्योति प्रकाश दास जिंदगी अपने आप में एक नशा है लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है हम हमेशा झूमते हैं हमेशा झूमना चाहिए अब स्पीड पकड़ रही है गाड़ी हमारी ये सवाल यार आप कर दो जितनी देर में मैं ये सवाल पढूं आपका उत्तर आ जाना चाहिए बेटा द एवरेज वेट ऑफ टेन पर्सनस आउट ऑफ ट्वेल्व इज फिफ्टी थ्री के जी द वेट ऑफ रिमेनिंग लास्ट टू परसन इज पंद्रह के जी लेस देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल बारह पर्सन फाइंड द वेट ऑफ ट्वेल्थ पर्सन ये कह रहा है बारह आदमी में से दस आदमियों का औसत वजन तिरपन किलोग्राम है ग्यारहवें एवं बारहवें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से पंद्रह किलोग्राम कम है तो बारहवें आदमी का वजन क्या होगा देखिए यहां पे भी ना दो बंदे हैं ऐसे जो छेड़खानी कर रहे हैं। दस तक तो कोई दिक्कत ही नहीं एक से लेकर के दस तक एक से लेकर के दस तक सबका औसत कितना है तिरपन के तरीके बहुत सॉलिड है ये समझने पड़ते हैं ठीक है अब जो ग्यारहवा वंदा है उन दोनों का पंद्रह पंद्रह कम है x माइनस पंद्रह एक्स माइनस पंद्रह और सभी का एवरेज कितना है x सभी का एवरेज कितना है x ठीक है क्लियर यस यस देखो कैसे अब मैंने कहा कि अगर सभी का औसत x है तो मैंने क्या किया इस पंद्रह को कम कर लिया इस पंद्रह को मैंने कम कर लिया मैंने कहा हटा दो मत कराओ इनका कम मत करो इनका कर देंगे सबका एक्स एक्स रहना चाहिए सबको बराबर मिलना चाहिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एवरेज का मतलब ही है सबका बढ़ना बढ़ना एवरेज का सबका घटना एवरेज का घटना तो हमने सबको एक्स एक्स मान लिया तो ये जो मैंने तीस कम इनका किया मुझे यहां से करना पड़ेगा दस लोगों में से तीस कम अगर दस लोगों में तीस कम करूंगा तो कितना कम हो जाएगा तीन कम हो जाएगा यानी पचास के जी पचास कम हो जाएगा फिफ्टी के हो जाएगा कितना हो जाएगा पचास कम फिफ्टी के जी पचास 50 के जी बोलो भाई अब इसका मतलब हो गया कि ही क्या है पचास के जी है अगर x पचास है तो मुझे ये वाला पूछा सवाल तो पचास माइनस पंद्रह बराबर पैतीस किलो का बालक है यानी बहुत छोटा बच्चा है क्योंकि पिचानवे के तो हम ही हैं पिचानवे के तो हम ही हैं अंकित देवडे मजा आ रहा है मजा आना होगा बस आपको यही करना है रिश्तेदारी से लेकर के जहां तहां भी आपके लिंक हैं सब जगह वीडियो को फैला देना है आग की तरह <laughs> सबके पास होनी चाहिए सब एवरेज के मास्टर बनने चाहिए नो बड़ी एल्स कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एवरेज का मास्टर ना बन सके ये सवाल देख लीजिए भाई जल्दी जल्दी उत्तर बताइए यार आप भी करिए ना एक आध सवाल हर सवाल मैं ही करता रहूंगा क्या सवाल ये है कि नाइन पीपुल वेंट टू ए होटल फॉर कंबाइंड डिनर एट पीपुल आउट ऑफ नाइन स्पेंड रुपीज ट्वेंटी थ्री इच ऑन डिनर

मतलब नहीं है कोई मैं उतना स्टैंडर्ड ग्राहक पढ़ा भी नहीं सकता हूं मैंने सीधे कहा कि अगर ये चौबीस कम कर रहा है तो वो आठ लोगों पर पड़ेगा और आठ लोग तीन तीन कम करेंगे आठ या चौबीस यानी बीस रह जाएगा बीस ही सबका एवरेज है तो नौ लोगों का नौ दुनिया अठारह एक सौ अस्सी रुपये आ जाएगा कितना आ जाएगा एक सौ अस्सी रुपये सर जी सी एच एस एल आठ दिसंबर से अप्लाई बंद है अप्लाई बंद है सीएचएसएल सप्लाई बंद है बताओ भाई कुछ तो बताओ क्या बंद है सीएचएसएल ये सवाल देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा सवाल थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए देखो पढ़ देता हूं मैं क्या कह रहा है सवाल सवाल कह रहे हैं द टोटल एक्सपेंसिस ऑफ ए बोर्डिंग हाउस आर पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिंग लीनियरली विद द नंबर ऑफ बोर्डर्स। द एवरेज एक्सपेंस पर बोर्डर इज सेवन हंड्रेड देयर आर ट्वेंटी फाइव एंड सिक्स हंड्रेड एवरेज व्हेन देयर आर फि बॉर्डर वॉट द एवरेज एक्सपेंसिस पर बॉर्डर वैन देयर आर हंड्रेड बॉर्डर्स बोर्डिंग हाउस के कुल खर्च आंशिक रूप से तय होते हैं आंशिक रूप से बॉर्डर्स की संख्या के साथ अलग अलग होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रति बॉर्डर में औसत व्यय सात सौ रुपए है जब बॉर्डर पच्चीस हैं और छह सौ रुपए है जब बॉर्डर पचास हैं तो सौ बॉर्डर के होने पर प्रति बॉर्डर का औसत खर्च क्या होगा ये बताना है wow. देखिये भाई पच्चीस देखिए आप यहां पर मैं एक बार सम से बताता हूँ एवरेज से भी बताऊंगा मैं कह रहा हूं कि जो 25 बॉर्डर हैं देखिए ये कह क्या, क्या रहा है पता ये कह रहा है कि कुछ तो स्टार्टिंग में फिक्स कर लिया जैसे मान लेते हैं दो फिक्स कर लो चाहे आप दस बॉर्डर ले रहे हो तो भी दो रहेगा चाहे आप बीस ले रहे हो तो भी दो रहेगा मान लेते हैं एक बॉर्डर का पांच है तो दस बॉर्डर के केस में पांच जुड़ जाएगा और 20 बॉर्डर के केस में 10,000 जुड़ जाएगा ये मतलब है इस बात का बट ये फिक्स रहेगा दो जैसे जब आप बिजली का मीटर लगवाते हो तो फिक्स हो जाता है कि भाई दो सौ तो रहेगा ही रहेगा अब आपने एक यूनिट चलाई तो दस और बढ़ जाएगा दो यूनिट चलाई तो तीन और बढ़ जाएगा ऐसे ये वाली बात ये बोल रहा है ठीक है इतनी सी बात ये बोल रहा है ठीक है तो पच्चीस बॉर्डर है पच्चीस बॉर्डर का क्या होगा सात सौ के हिसाब से पच्चीस सत्य एक सौ पचहत्तर सत्रह हजार पांच सौ एक्चुअली सात सौ एवरेज है तो मैंने 725 को आपस में क्या किया गुणा कर दिया 700 और 25 को मैंने आपस में गुणा कर दिया 25 सत्य 175, 175 175 पे दो जीरो आ गई ठीक है अब क्या बात होती है दोस्त जब 25 पे क्या आ गई दो जीरो 175 पे दो जीरो जब 50 बॉर्डर की बात आई तो मैंने क्या कहा 50 को 600 से गुणा कर दिया 30000 अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं समझना ध्यान से इसमें से इसको घटाऊं तो 25 बॉर्डर का जो खर्चा है वो बारह पांच सौ आ रहा है बारह पाँच सौ तो पता है हमें यहां से क्या पता चल गया हमें यहां से ये यह पता चल गया अगर हमसे वो पूछता ना कि वो फिक्स अमाउंट कितना है तो मैं बता देता कि 25 का तो सत्रह पाँच सौ आ रहा था वैसे 25 का बारह पांच सौ है यानी कि इसमें पांच हजार वो है जो फिक्स है देना ही देना है समझ गया फिक्स है बट हमसे नहीं पूछा उसने पूछा हमसे सौ का तो मैंने कहा सौ का निकालने के लिए मैं क्या करूं तो आपने कहा देखिए पचास का तो है बॉर्डर का और जोड़ दो क्योंकि फिक्स तो तो इसमें है already. तो है ही ऑलरेडी मैंने कहा ठीक मैं इसको दो से गुणा कर देता हूं दोनों तरफ और जोड़ देता हूं तो जब मैंने जोड़ा तो सौ बॉर्डर का खर्चा कितना आ गया भाई तीस हजार और ये कितना होगा पच्चीस हजार पचपन हजार आ गया पचपन हजार पचपन हजार का मतलब एवरेज निकालना है मुझे तो तो एवरेज आ गया एक का साढ़े पांच सौ एक का कितना आ गया साढ़े पांच सौ आ गया आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते थे कि पच्चीस बॉर्डर का खर्चा सात सौ है अगर ये पच्चीस और बड़े डबल हुए तो खर्चा छह सौ हो गया यानी डबल होने पर सौ कम हो जाता है डबल होने पर ये सौ कम हो रहा है सौ कम हो रहा है यानी और डबल करूं तो सौ का आधा कम होगा यानी पांच सौ पचास समझ पाना थोड़ा मुश्किल है पच्चीस बॉर्डर का सात सौ था पच्चीस से पच्चीस बढ़े पच्चीस से पच्चीस बढ़े तो सौ कम हुआ मेरी बात सुनना इनको ऐसे समझाना पड़ेगा मुझे कि अगर पच्चीस बढ़े तो सौ कम हुआ है कम हो रहा है ना बढ़ने पे तो पचास बढ़ेंगे तो पचास कम हो जाएगा और आधा कम होगा उसका तो हमने कर दिया साढ़े पाँच सौ बाकी नहीं देख पा रहे नहीं समझ पा रहे तो ये तरीका मैंने बताया कि पच्चीस का सम कितना है सत्रह पाँच सौ पचास का सम कितना है तीस हजार तो मैंने कहा दोनों में फिक्स है तो मैंने क्या किया इसमें जो पच्चीस वाला था पचास बॉर्डर का खर्चा यानी पच्चीस और जोड़ दिया तो पचपन आ गया तो सौ का पचपन है एक का कितना आ गया पाँच बच्चों को एक घंटे की क्लास भी भारी पढ़ने लगती है अभी सर माई ग्रेजुएशन बी एस सी कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर फिफ्थ सेम एंड मैं हूं सीरियल दो हजार बीस फिल कर सकता हूं क्या प्लीज रिप्लाई मेरी ग्रेजुएशन मई दो हजार इक्कीस में पूरी होगी अभी एक बार नोटिफिकेशन कल परसों में आ रहा है उसके बाद देखिए कि क्या होता है करवा के रहेंगे आप टेंशन मत लो देखिए सवाल क्या है द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर द फर्स्ट फाइव मंथ्स इज बारह सौ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मंथ फॉर ए मैन फॉर द फर्स्ट फाइव मंथ्स इज ट्वेल्व हंड्रेड एंड द फॉर नेक्स्ट सेवन मंथ इज तेरह सौ इफ ही सेव्स उन्तीस सौ रुपये इन दैट ईयर इफ ही सेव्स उन्तीस सौ रुपये इन दैट ईयर हिज मंथली एवरेज इनकम इज कह रहा है पहले पांच महीनों के लिए एक आदमी का औसत खर्च बारह था अगले सात महीनों के लिए तेरह सौ है यदि वह उस वर्ष उन्तीस सौ की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए क्या है देखिए मैं तो कह रहा हूं अगर मैं इसी को बारह सौ बना लेता आप समझना इसी को मैं 1200 बना लेता 1200 बना लेता इसको बनाने को तो कुछ भी बना सकता है आदमी तो आप कहते कि जी आपने 700 कम खर्च किया है अगर मैंने 700 कम खर्च किया होता तो मैं वो 700 की बचत ज्यादा कर लेता या नहीं बोलो भाई तब मैं 3600 की बचत कर लेता उस साल यानी कि मैं पर मंथ 300 की बचत कर लेता तो पर मंथ 1200 खर्च कर रहा हूं तीन सौ की बचत कर रहा हूं यानी पंद्रह सौ रुपये मेरी मासिक आय बहुत छोटा सा सवाल है कई बार ऐसा सवाल पेपर में आया है तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो क्या करेंगे देख लो मेरे दिमाग में अभी तरीका आया दोबारा से बता रहा हूं आपको तरीका ध्यान से समझना मैंने कहा कि भाई बढ़ाई लेते हैं सवाल जब चित्र में ही करना है तो मैंने ये कहा दोस्त इनको कि भाई पहले पांच महीने का औसत खर्च बारह सौ तो अगले सात महीने तेरह सौ तो मैंने कहा भी ही खर्चा सात सौ बचत करोगे या नहीं बोलो करोगे तो आपने कहा जी अब मैं छत्तीस सौ की बचत करूंगा एक साल में अगर मैं एक साल यानी कि बारह महीने में छत्तीस सौ की बचत कर रहा हूं तो हर महीने का मेरा तीन सौ बचत है अब एक बात बताओ हर एक आदमी हर महीने 1200 खर्च कर रहा है और 300 की बचत कर रहा है यानी 1500 कमा रहा है 1500 में 1200 खर्च कर दे रहा है 300 बचा ले रहा है बताओ अगर कोई डाउट है इसमें तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ कि भाई हाँ मुझे ये डाउट है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और उम्र पे सवाल करेंगे एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं फिर कॉन्सेप्ट आएंगे बाद में पहले एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं जब तक लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे जैसे कि सवाल क्या है

यदि उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से तीस परसेंट कम है जिसकी आयु अपने पति की आयु से दस वर्ष कम है तो उसके पुत्र की आयु है? कितना लल्लू सवाल है एक बात मुझे बताइए आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो एवरेज होता है एवरेज जो है वो डायरेक्टली सम पे डिपेंड करता है बेटा करता है नहीं करता मैं आपसे जानना चाहता हूं करता है नहीं करता तो आप कहेंगे हाँ जी करता है आपने कहा कि आदमी और पुत्र यानी कि मैन प्लस सन का जो सम है और जो उसकी पत्नी और पुत्र का जो सम है यानी कि वाइफ प्लस सन तो अगर एवरेज 25% परसेंट अधिक है इसका मतलब सम भी 25 परसेंट अधिक होगा 25% परसेंट का मतलब होता है एक बटा चार यानी कि अगर ये सम चार होगा तो ये पांच होगा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे आप ये बात मैंने कहा बेटा ये तो बड़ी सिंपल सी बात आपने बोल दी इसमें कौन सी बड़ी बात है इसमें सन तो कॉमन है सन तो कॉमन है इसका मतलब सन अगर कॉमन है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैन पत्नी से एक ज्यादा है डायरेक्ट कह सकता हूं पत्नी से एक ज्यादा इसने सवाल में दिया भी है कि उसके पुत्र की आयु उसकी पुत्री की आयु से तीस वर्ष कम है जिसकी आयु अपने पति की आयु से दस वर्ष कम है यानी कि पति की आयु से दस वर्ष कम है यानी कि ये दस का है तो ये पचास और ये चालीस का कह सकते हैं नहीं यानी हमने ये निकाल दिया भाई हमने कहा कि ये एस से तो एस कट जा जाएगा भाई कोई फर्क नहीं पड़ता एस से एस ऐस कट जाता कि इसका सम ये पांच था इसका सम ये चार था तो एक ज्यादा क्यों आ रहा है एक ज्यादा क्यों आ रहा है वो इस वजह से आ रहा मेन की वजह से आ रहा है मेन की वजह से आ रहा है नहीं आ रहा अब हमने यही कह दिया कि भाई अगर मेन की वजह से सम ज्यादा आ रहा है मेरी बात समझ लो फिर भी ध्यान से सुन लो कि अगर सम मैन की वजह से ज्यादा आ रहा था तो मैंने कहा मैन ही एक ज्यादा है और एक की वैल्यू दस तो इन दोनों का सम कितना आ गया पचास इन दोनों का सम कितना आ गया चालीस अब इसने कहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से तीस वर्ष कम है बेटा एक बात बताओ दोनों का सम चालीस है ये ध्यान रखना है, ये सम आया है पत्नी नहीं आई है सिंपल सम आया है सम ठीक है तो अगर वर्ष कम है ये तीस कम करना है मुझे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चालीस को ऐसा तोड़ दूं कि ये तीस कम हो या पत्नी तीस ज्यादा हो तो आप कहेंगे तीस अलग करो बचा दस दोनों को पांच पांच दे दो इसको भी पांच दे दो इसको भी पांच दे दो यानी सन कितने का है पांच साल मैंने कहा कि ये एक ज्यादा है बड़ा अच्छा टेक्निकल सवाल था पहले तो आपको ये समझना था कि एवरेज अगर 25 परसेंट ज्यादा है इसका मतलब सम 25 परसेंट ज्यादा सम में सन तो कॉमन है ज्यादा कौन है फिर मैन तो मैंने कहा जो एक है 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 ना वो 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 जो एक एक बड़ा 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 आ रहा है, वो आदमी अपनी पत्नी से तो 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 आपने कहा कहा तो साल बड़ा है, तो मैंने एक की वैल्यू दस है तो मैन प्लस सन पचास आ गया डब्ल्यू प्लस एस चालीस आ गया दो लोगों का सम चालीस है अंतर तीस है तीस वर्ष कम है तो अलग अलग निकाल दिया पैंतीस और पांच यानी पत्नी पैंतीस की है सन पांच का है सन पूछा है पांच साल उत्तर आ गया क्लियर है बात क्लियर रखनी पड़ेगी क्लियर रखनी पड़ेगी सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर रखनी पड़ेगी आगे बढ़ेंगे कल की क्लास का जो टाइटल है वो रहेगा एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन कि एलिगेशन और एवरेज में क्या ताल्लुकात हैं और कैसे सवाल हैं वो जो हम एवरेज के एलिगेशन से करते हैं जैसे बॉलिंग वाले सवाल जो होते हैं बेसिकली बैटिंग बॉलिंग वाले उसमें शिफ्टिंग भी हम लगा सकते हैं दोनों तरीके बताऊंगा आगे बढ़ते हैं अब मैं एक चीज और क्या बताना चाह रहा था आपको थोड़ी सी एक चीज यहां पे समझाना चाह रहा था पहले भी बता चुका हूं अगर कोई आपको यह कहता है कि आठ लोगों का ध्यान से समझना अगर कोई ये कहता है आठ लोगों की एवरेज एज इक्यावन साल है ये कोई कहता है एक परिवार में आठ लोग हैं इक्यावन साल एज है मैं कहूं बेटा पांच साल बाद बताओ क्या होगी फाइव इयर्स बात क्या होगी तो देखिए एवरेज क्या होता है देखिए पांच साल बाद का मतलब हो गया सब पांच पांच साल बढ़ जाएंगे और सब पांच बढ़ना मतलब कि एवरेज भी पांच बढ़ना तो एवरेज कितना हो जाएगा पांच साल यानी कि छप्पन साल हो जाएगा तो ये कंसेप्ट हम आगे के सवालों में लगाएंगे इस पर आपको गौर फरमाना है ध्यान देना है एक और चीज जैसे मान लेते हैं तो यहीं पे समझो कि एवरेज इक्यावन साल था ठीक है तो आपने क्या करा कि अगर एक बंदा मेरी बात ध्यान से समझना एक बंदा चौसठ साल का मर जाए और उसकी जगह जीरो साल का बंदा आ जाए एक बंदा चौसठ साल का मर जाए उसकी जगह जीरो साल का आ जाए यानी पैदा हो जाए तो मैं आपसे पूछूंगा बंदे कितने रहेंगे तो आपका जवाब होगा जी बंदे अभी भी आठ रहेंगे एक गया और एक आया एक गया और एक आया फिर मैं कहूंगा एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा तो आप कहेंगे देखो गुरु जी सम पे जो फर्क पड़ा है ना सम पे वो सीधे पड़ा है चौंसठ का गया चौसठ का आया जीरो का तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा आपने हमें पहले पढ़ाया था कि भैया एवरेज पे जो फर्क पड़ेगा वो सम बटे नंबर यानी चौंसठ बटे आठ आठ का फर्क पड़ जाएगा चौसठ का बंदा गया है सम चौसठ कम हुआ है तो एवरेज भी आठ कम हो जाएगा ये दो बातें समझानी है आगे के दो सवालों के लिए मैंने क्या कहा आठ लोगों का एवरेज इक्यावन साल है पांच साल बाद एवरेज कितना होगा तो हमने कहा सब पांच, पांच 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 बढ़ जाएंगे इक्यावन और पांच कितना हो जाएगा छप्पन साल तो अब हम इसी तरीके के सवाल कर रहे हैं क्या है सवाल बहुत ध्यान से समझना है बहुत ध्यान से और प्यार से सवाल इतने बड़े क्यों हो गए हैं थोड़ा बदतमीजी भी दिखा रहे हैं एक दो सवाल ये सवाल एसएससी ने पूछा कमाल की बात है ये सवाल एसएससी ने पूछा आप देख लेंगे आपको किरनिया में मिल जाएगा ये सवाल <laughs> सवाल क्या था टेन इयर्स एगो ए फैमिली हैड एट मेंबर्स आठ साल पहले नहीं दस साल पहले एंड द एवरेज ऑफ देयर एज देन वाज थर्टी थ्री ईयर्स फोर इयर्स लेटर ए मेंबर डाइड एट द एज ऑफ सिक्सटी फोर ईयर्स एंड ए बॉय वाज वाजवॉन आफ्टर थ्री मोर ईयर्स एनोदर द एज ऑफ सेवेंटी टू ईयर्स एंड ए गर्ल वाज वाजवॉन फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ हिज फैमिली दस साल पहले एक परिवार में दस साल पहले एक परिवार में आठ सदस्य थे और उनकी आयु का औसत तैतीस वर्ष था उस वक्त की बात हो रही है उनकी आयु का औसत तैतीस वर्ष था दस साल पहले की बात उसके बाद घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं उसके चार साल बाद चौसठ वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो गई कई लोग पता है अभी का एवरेज समझ लेते हैं दे दे कहते हैं कहते साल साल बाद बाद मृत्यु मृत्यु हो गई अरे आज से होगी इस बात की गारंटी तो किसी के पास नहीं है ये कहानी पहली की है पहली की कहानी है कि चौसठ की मृत्यु हो गई और एक लड़की ने जन्म लिया तीन साल बाद बहत्तर वर्ष का एक सदस्य मर गया और एक लड़की पैदा हुई अब परिवार की वर्तमान औसत आयु कह देखिए कितने प्यार से करेंगे आपको भी मजा आ जाएगा भाई साहब ने ऑप्शन भी नहीं चेंज किया हमारे यहां तो खेल अल्टीमेट अल्टीमेट लोग ही आप इन ऑप्शन पे मत जाइएगा ये ऑप्शन ठीक नहीं है ये इन्होंने कॉपी के चक्कर में हटाना भूल गए इस सवाल में ऑप्शन थे ही नहीं ठीक है कोई बात नहीं मैं निकालता हूं ऑप्शन को भूल जाइएगा देखिए दस साल की कहानी है पूरी कितने साल की कहानी है दस साल की कहानी टुकड़ों में चली दस साल बहुत होते हैं दस साल बहुत होते हैं जब किसी का इंतजार करना हो किसी को पाना हो किसी को भुलाना हो बहुत होते हैं गुजरते नहीं है साहब बहुत होते हैं दस साल एवरेज कितना है दस साल पहले की बात हो रही है तेतीस साल एवरेज है तेतीस साल क्लियर है बात हमने कहा एवरेज कितना है तो आपने कहा जी तेतीस साल एवरेज है क्लियर सी बात है कहीं कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक आपका जवाब होगा जी कोई डाउट नहीं है जो सवाल में था वही लिखकर ठीक है साथ? आगे बढ़ते हैं। चार साल बाद तक कोई हलचल परिवार में नहीं हुई कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं कोई हलचल परिवार में नहीं हुई चार साल तक तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन चार साल बाद एवरेज कितना होगा आपने कहा जी अभी आपने बताया था कि अगर चार साल बाद की बात कर रहे हो तो सब चार चार बढ़ जाएंगे एवरेज भी चार बढ़ जाएगा यानी अब नया एवरेज कितना होगा थर्टी सेवन ईयर्स चलेगा बिल्कुल चलेगा एवरेज इसी क्षण क्या होता है कि चौसठ के दद्दा चले गए के दद्दा चले गए और जीरो के भैया आए तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर 64 साल का बंदा जाएगा और उसकी जगह जीरो का आएगा तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा आप कहेंगे जी चौसठ भागित आठ आठ बंदों पे चौसठ कम हो रहा है सम यानी एवरेज कितना कम हो जाएगा अट्ठू अट्ठू चौसठ आठ साल कम हो जाएगा यानी चार साल बाद एवरेज सैंतीस होना चाहिए था बट इनके मर जाने की वजह से एवरेज कितना निकल के आ रहा है उनतीस साल किसी को डाउट है तो बता दो यहां पे मैंने कहा जब 64 का बंदा चला जाएगा उसकी जगह जीरो का आएगा तो 64 बटे आठ एवरेज कितना कम हो जाएगा आठ साल उनतीस साल एवरेज हो अब एक बंदा गया है, तो भगवान भी इतनी जल्दी नहीं उठाता वो भी थोड़ा वेट कराता है तो अब परिवार में तीन सालों तक कोई हलचल नहीं है देखिए तीन साल बाद ऐसा हुआ है कि बहत्तर के दद्दा चले गए बहत्तर के तो तीन साल तक परिवार में कोई हलचल नहीं हुई यानी कि तीन साल बाद एवरेज कितना होना चाहिए था इस हिसाब से बत्तीस साल होना चाहिए था बत्तीस साल होना चाहिए था बट क्या हुआ बहत्तर के चले गए जीरो का आया तो बंदे तो अभी भी आठ हैं परिवार में तो हम ये कह सकते हैं कि बहत्तर बटे आठ यानी एवरेज पे सीधे नौ साल का फर्क पड़ जाएगा पड़ जाएगा या नहीं एवरेज सीधे नौ साल कम हो जाएगा क्योंकि सम बहत्तर कम हो गया तो अगर ये नौ साल कम होगा तो नया एवरेज कितना आएगा नया एवरेज तो आपने कहा बत्तीस में से नौ घटा दो तो बत्तीस में से नौ घटाएंगे तो कितना बचेगा आप कहेंगे जी तेईस साल हो गया एवरेज तेईस साल बोल देना अगर कोई डाउट है यहां तक तो बोल देना ठीक है तेईस साल हो गया एवरेज कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं ठीक है भाई फिर से बता रहा हूं दस साल का पूरा खेल था दस में चार साल गुजर चुकी हैं तैतीस साल बाद सैंतीस हुआ एवरेज बट चौसठ का बंदा जाने से आठ कम हो गया उन्तीस फिर तीन साल और गुजरी बहत्तर के अंकल चले गए नहीं बहत्तर नौ साल बत्तीस में से नौ गए तेईस साल एवरेज हो गया अभी आप देखो समय कितना गुजरा है आप कहेंगे जी चार साल तो यहां गुजरी है तीन साल यहां सात साल और हमें अभी करंट बताना है और टोटल दस साल का मामला है तो तीन साल बाद हमें एवरेज बताना है करंट ये है ये प्रेजेंट है जी परिवार का ये परिवार का प्रेजेंट प्रेजेंट ठीक प्रिजे है तो मैंने कहा कि तीन साल बाद कितना होगा ये तो तेईस और तीन छब्बीस साल होगा तेईस और तीन कितना होगा छब्बीस साल यही करेंट या प्रेजेंट एवरेज ऑफ द परिवार है बढ़ना पड़ेगा एक और अगला सवाल है एक और अगला सवाल है ऐसा सवाल आप सोचेंगे कि इतना जब पेपर में वो सवाल आ सकता है तो ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं कैट के एग्जाम में ऐसा सवाल आया था बट हमने उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको थोड़ा सरल बना दिया और कुछ भी नहीं किया सरल बना दिया है हमने भाई आपने नियरेस्ट क्यों नहीं हटाया यहां से ये नियरेस्ट की तो जरूरत ही नहीं रहेगी एग्जैक्ट उत्तर आएगा एग्जैक्ट उत्तर आएगा ठीक है देखिए सवाल क्या है टेन ईयर्स है द एजेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली ऑफ एट पीपुल एडेड अपू थर्टी वन ईयर्स यहां पे सम दे रखा है बेटा

कोई भी महानुभाव है ऐसे यहां पे दे रखा है जी सम यहां पे ना कितना दे रखा है दस साल का मामला है आठ मेंबर है और सम कितना है दो सौ इकतीस टू थर्टी वन इज द सम कोई डाउट अगर किसी को है तो बताइए ठीक है भाई दो सौ इकतीस सम अब मैं ये कह रहा हूं कि एवरेज क्या निकालू क्योंकि देखो दोस्त दिक्कत क्या आएगी ना दो सौ इकतीस कट नहीं रही आठ से मुसीबत होगी तो मैं कह रहा हूं सम ही करते चलते हैं इसका ज्यादा बेहतर होगा नहीं तो हमने कहा कि तीन साल बाद सम कितना होगा तीन साल तक कोई हलचल नहीं हुई तो आपने कहा जी आठ लोग हैं सबका तीन तीन बढ़ेगा तो सम आठ गुड़ा तीन हो जाएगा कह सकते हैं कि नहीं और यहीं पे क्या हो गया कि 60 साल के एक सदस्य की उम्र कम हो गई तो मैंने माइनस साठ कर दिया साठ हटा दिया आया तो जीरो का है आया तो जीरो का है इसके बाद क्या हुआ तीन वर्षों के बाद फिर से तीन वर्षों के बाद यहां पे तीन वर्ष थी और फिर तीन वर्षों के बाद तो मैंने कहा फिर क्या होगा तो आपने कहा अगले तीन सालों में भी स्थिति यही है कि दो ध्यान से देखना प्लस आठ गुणा तीन प्लस साठ और प्लस आठ गुणा तीन यही होगा भाई आठ गुणा तीन आठ गुणा तीन यही होगा दो बार होगा ना आठ गुणा तीन फिर तीन साल बाद है फिर यहां पे क्या हुआ एक उनसठ के भाई साहब लुढ़क गए तो मैंने कहा माइनस उनसठ कर देते अब बोलो जी यहां पे भी तो भाई साहब लुढ़के ही है ना माइनस ही आएगा तो मैंने कहा कि अब यहां पे एवरेज निकालना संभव है यहां पे कोशिश कर सकते हैं कैसे हम इसको क्या लिख देंगे भाई 231 में से ये कितना घट रहा है बेसिकली कोई बच्चा बता सकता है 119 और 231 में से 119 अगर घटेगा तो कितना बचेगा 112 यानी 112 तो ये बचेगा प्लस आठ या चौबीस चौबीस अड़तालीस यानी ये आ गया गुरु 160. 160 आ गया भैया इस स्थिति पे अगर सम 160 है तो मैं जानना चाहता हूं एवरेज क्या होगा तो बच्चा बोलेगा जी मेंबर तो 160 बटे 20 बीस साल एवरेज आ जाएगा 20 साल एवरेज आ जाएगा। बट क्या आपसे इस स्थिति पे पूछ रहा है इस स्टेज पे नहीं वर्तमान पूछ रहा है तीन साल और तीन साल छह साल और मामला दस साल का था यानी अभी चार साल और आगे बढ़ाना है तो चार साल बाद एवरेज कितना होगा चौबीस साल सेम सवाल था थोड़ा सा लिटिल बिट इतना ही चेंज था कि ये 231 दे दिया था जो कि 8 से नहीं कट रहा था तो हमने इस स्थिति पे एवरेज निकाला ही नहीं हमने नहीं निकाला हमने कह दिया भैया एवरेज नहीं निकाल ले हम हम क्या करेंगे सम ही निकालते चले जाएंगे मैं एक बार और समझाता हूं अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई है बात तो सच्चे से से सवाल को देखिए और कुछ नहीं करना देखिए मैं समझाऊंगा आपको मजे के साथ समझना है थोड़ा और बड़ा कर देते हैं सवाल सवाल सा है कि मिस्टर राम कंसिस्ट ऑफ सिक्स पीपल हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड देयर फोर चिल्ड्रन इट्स इज नॉन दैट द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड वाज़ 16, 16 16 15, 15 परिवार में छह लोग हैं जिनमें उनकी पत्नी उनके चार बच्चे हैं ज्ञात है कि पहले दूसरे तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु क्रमशः 16, 15, 16 और 15 वर्ष थी तो राम का सबसे बड़ा बेटा अगर पूरे परिवार की वर्तमान औसत आयु सोलह बड़ा अच्छा सवाल है बहुत नेक सवाल है बहुत मुश्किल भी सवाल है आसान नहीं कह सकते इसको देखिए देखिए अगर इमीडिएट की बात करता है तो आप देखेंगे आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी उम्र उस वक्त कितनी है तो हम कहेंगे जीरो साल है उसकी उम्र क्या है जीरो साल देखिए इन्होंने कहा है कि पहला बच्चा जैसे ही पहला बच्चा आया अगर मैं पहले बच्चे की बात करूं देखते जाना मैं कैसे सवाल को कर रहा हूं कौन कौन है भाई हस्बैंड वाइफ और बच्चे को एबीसीडी नाम देते हैं जी ठीक है तो हमने कहा एवरेज एज कितनी है तो आपसे कह रहा है सवाल में एवरेज एज कितनी है सोलह पहले बच्चे का जन्म के जस्ट बाद एवरेज एज कितनी है सोलह तो मैं ये भी कह सकता हूं या नहीं कि ये बच्चा अभी जीरो का है क्योंकि इमीडिएट की बात की है इमीडिएट की बात की है तो ये जीरो का कह सकता हूं मैं। ठीक है या हम बच्चे को पहले लिख लेते हैं या ठीक है ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सोलह so अब आपने कहा एच तो होगा हो ही होगा W होगा हो ही होगा और ए होगा ही होगा हो अब B और आ गया तो एवरेज कितना हो गया गया। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं यहां पे बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूं कि ऊपर सम कितना था भाई ऊपर सम कितना था तो आप कहेंगे तीन लोग थे सम 48 था ऊपर कह सकते हैं कि नहीं यहां पे लिख लेते हैं ये थोड़ा समझ पाना बच्चों को मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो हमने कहा कि यहां पे सम कितना था 48 और यहां पे सम कितना है भाई यहां पे तीन बंदे थे एवरेज सोलह था सम अड़तालीस यहां पे साठ तो सम कितना बड़ा है यहां पे भाई आप कहेंगे जी बारह बड़ा बारह बड़ा देखिए ये वाला बंदा भी इक्वल बड़ा होगा ये भी उतना बड़ा होगा ये भी उतना बड़ा होगा और ये तो बड़ा ही नहीं ये तो जीरो है बोलो भाई ये तो जीरो है तो मैंने कहा कि ये जो बारह बड़ा है ये इन सबका चार चार बड़ा होगा बड़ा होगा या नहीं यानी कि ये जीरो से कितना हो गया है अब चार साल हो गया ये चार बढ़ गया होगा ये भी चार बढ़ गया होगा बट हमें इससे मतलब नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ना तो हमें हस्बैंड की आयु दे रखी है ना पूछिए बस इतना जरूर पता है कि अगर सम बारह बढ़ाए तो इन तीनों का इक्वल बढ़ा होगा क्योंकि सबकी उम्र इक्वल बढ़ती है ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वाली की उम्र ठहर गई लड़कियां बताती रहती हैं कई सालों तक अभी तो बस इक्कीस की हूं मैंने देखा है दो साल पहले डॉक्टर क्या जब अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं एज 21 तीन साल बाद एज 21 मतलब 21 से उपर बढ़ी नहीं रही क्या रुक गई है उम्र क्या करूं जब से एंड लवली का इस्तेमाल किया उम्र बढ़ती नहीं आवाज ढीली पड़ गई उम्र नहीं बढ़ रही सर ठीक है देखेंगे आप देखिए कमाल की बात क्या है एच डब्ल्यू ए हमने कहा सोलह सोलह ती अड़तालीस फिर हमने कहा एच डब्ल्यू ए और बी एक और सन आ गया पंद्रह चौका साठ कितना बड़ा 12 12 बढ़ने का मतलब सब चार-चार बढ़ गए चार बढ़ा दिया. ठीक है अब बात कितनी है दोस्त अब इन्होंने कहा है कि एक बंदा और आ गया वन बंदा और पता नहीं कितने इनके परिवार में मेंबर हैं एच डब्लू ए बी और सी फिर जीरो है जो इमीडिएट बच्चा जन्म ले रहा है वो जीरो है तो इसका एवरेज अभी कितना दे रखा है 16 दे रखा है 16 दे रखा है अब मैंने कहा बंदे कितने हैं एक दो तीन चार पांच और एवरेज सोलह तो सम कितना होगा अस्सी भाई सम तो निकाल लेते हैं ना सम तो निकालना आता ही है भाई यार अड़तालीस चौका साठ सोलह में पंजे अस्सी पांच लोग हैं तो अब मैंने कहा सम कितना बढ़ गया तो आपने कहा जी ये सम बढ़ गया इस पर बीस बड़ा नहीं बड़ा बीस तो मैंने कहा कि यार ये तो जीरो ही है बीस बढ़ने का मतलब है कि इन चारों का पांच पांच बड़ा है पांच भी, पांच पांच बड़ा है अब देखिए इसका अगर बड़ा बड़ा होगा मैं इसी इसी पे क्यों फोकस कर रहा हूं क्योंकि इसने इसी की की आयु आयु सबसे 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 बड़े सबसे बड़े बेटा बेटे की सबसे बड़ा यही होगा तो मैंने कहा कि पांच पांच बड़ा है तो इसकी नौ हो गई अगर कोई इसकी भी पूछेगा तो इसकी पांच लिखनी पड़ेगी जरूरत नहीं है मैंने फिर भी लिख के बता दिया ना मुझे हस्बैंड से मतलब है ना वाइफ से ये मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है लिख लिख के वरना इतना टाइम लगेगा नहीं जब पेपर में करेंगे तो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आपने कहा एक और बच्चा आ गया भाई परिवार बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है हम हैंडल कर लेंगे एच डब्ल्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा कितना होगा तो आप कहेंगे एक दो तीन चार पाँच छी गुणा पंद्रह एवरेज पंद्रह दे रखा है तो सम कितना हो गया नब्बे आप सबने कहा जी ये तो बहुत बढ़िया कर दिया आपने कान नब्बे का मतलब है कितना बढ़ गया है सब दस बढ़ गया दस आपको पता है जो ये बंदा डी है ये तो जीरो होगा यानी पांच लोगों का ही बढ़ाई है जो पांच थे दस तो दो दो बड़ा होगा सबका सबका दो दो बड़ा होगा सबका दो दो बड़ा होगा तो ये भाई साहब कितने रहे होंगे ग्यारह ये कितने के हो गए साल के ये जीरो के थे दो साल के जरूरत नहीं यानी कि जब परिवार की मेरी बात सुन लो ध्यान से जब परिवार की फैमिली की एवरेज एज पंद्रह है तब बड़ा बेटा कितने का है मैं जानना चाहता हूं आपसे बड़ा बेटा तो आप कहेंगे बड़ा बेटा ग्यारह का है अगर इसी वक्त पूछ लेता ना कि बड़ी बेटी की आयु बताओ तो हम कह देते ग्यारह बट इसने नहीं पूछा इसने कहा बड़े बेटे की आयु तब बताओ जब पूरे परिवार की औसत आयु सोलह है तो मैंने कहा अगर आप कोई बच्चा जन्म नहीं ले रहा तो नॉर्मली एक साल बाद परिवार की औसत आयु सोलह हो जाएगी भाई सोलह होने का मतलब क्या है एक साल बाद सोलह सत्रह कहता तो दो साल बाद हो जाती सत्रह तो मैंने कहा एक साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी आपने कहा बारह साल यही उत्तर है क्योंकि इसी की आयु पूछी थी सबसे बड़े बेटे की कितनी आ जाएगी बारह साल भाई एक सवाल और ले लेते हैं ऐसा देखिए भलाई इसी में है कि हम ऐसा एक और सवाल कर लें कोई भलाई इधर उधर या ऐसी वैसी नहीं है कोई फायदा नहीं होगा मैं तो कहता हूं कि एक टॉपिक इनको एलिगेशन और पढ़ा दिया जाए ना फिर ज्योमेट्री या किसी चीज पे जाए जाए तो बेहतर होगा क्योंकि एलिगेशन एवरेज में लगता है तो एक बार इनको आइडिया लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है खेल मिक्सचर तो अलग चीज हो गई वो तो लोग समझते हैं कि एलिगेशन और mixture तो और मिक्सचर एक 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 है है बट दोनों नहीं तो राधा कृष्ण नहीं हो पाए तो फिर एलिगेशन मिक्सचर तो छोड़ दीजिए आप और आपकी मधु नहीं हो पाए एक तो एलिगेशन मिक्सचर कैसे हो सकता है बहुत मुश्किल है एक हो जाना एक हो जाना ही तो मुश्किल है और एक और एक साधारण बिजनेस में ग्यारह होता है अगर एक आपने डाला एक में डाला ग्यारह की ताकत बनाता है नॉर्मल गणित में एक और एक दो होता है और जब मोहब्बत की पराकाष्ठा इसकी पराकाष्ठा प्रेम की पराकाष्ठा हर हाइट को इंसान छू ले तब जाके एक और एक एक बनता है जो कि बहुत मुश्किल है मुश्किल है साहब एक और एक का एक हो जाना तभी वही मोक्ष है दोबारा ना देख के इसको अगला ले लेते हैं और ट्विंस वाला वो ज्यादा अच्छा रहेगा ये देख लो यहाँ पे इनकी भी अलग कहानी है जी इनको ट्विंस हो रहे हैं मतलब अरे आपको लग रहा होगा ये भी कोई बीमारी है मिर्गी जैसी कि इनको ट्विंस हो रहे हैं ट्विंस मतलब बच्चे हुए इनको देखो जरा कैसे सवाल पढ़ रहा हूं आप कोशिश करो द एवरेज एज ऑफ ए कपिल इज ट्वेंटी ईयर्स द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड वाज एट्टीन ईयर्स द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर सेकेंड वाज पंद्रह The average of एवरेजेज ऑफ द फैमिली आफ्टर दर्ड एंड फोर्थ हुआ प्रेजेंटेज ऑफ द फैमिली years ईयर्स old is the eldest bachcha <laughs> एक जोड़ी की औसत आयु 20 वर्ष से पहले बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु है, दूसरे के बाद है, तीसरे और चौथे के बाद जो जुड़वाए बारह यदि पूरे परिवार की औसत आयु 16 है तो सबसे बड़ी संतान कितने की यहां पे हिंदी में करेक्शन है सोले लिखा ही नहीं है इस सवाल में हिंदी में करेक्शन है सोले नहीं है चले मैं बताना शुरू करूं आपकी इजाजत हो तो मैं बताना शुरू करता हूं आप कहेंगे हाँ जी आप कर लो ठीक है मैं करता हूं ठीक है देखो हिंदी में सोलह देख लेना पहली बात तो इनकी आयु से कोई मतलब नहीं है पहले भी इससे कोई मतलब नहीं पड़ा जोड़े की आयु से अभी भी कोई मतलब नहीं है जोड़े की आयु से ठीक है मैंने कहा पहले बच्चे के जन्म के बाद यानी कि एच प्लस डब्ल्यू और प्लस ए परिवार की औसत इस लाइन से कोई मतलब नहीं काट देता आयु 18 वर्ष है जहां पे ये कितने का है जीरो साल का अभी अभी, अभी आया है नया है ताजा है फ्रेश है अभी अभी आया है ठीक है अब इसके बाद इसके बाद आप कहेंगे कि एच प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस बी एच प्लस डब्लू प्लस ए प्लस बी कितना होगा तो हम कहेंगे कि ये पंद्रह साल है पंद्रह है कि नहीं जी? मैं आपसे जानना चाहता हूं यहां पे सम कितना है तो आप कहेंगे जी चौवन यहां पे कितना है पंद्रह चौका साठ यही बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो हमने ये कहा कि सम बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है छे. छे. तो ये छह कैसे बढ़ा ये तो अभी जीरो का है अभी अभी आया है यानी कि ये सब दो दो बड़े हैं यानी ए की उम्र कितनी है तीन लोग अगर छ बढ़ेंगे यानी हर आदमी कितना बड़ा है दो दो बड़ा है ये बंदा दो का है ठीक है पहला बच्चा हो गया दूसरा हो गया अब तीसरे चौथे एक साथ हो रहे हैं भाई तो कर दो तीसरे चौथों को एक साथ अरे कर देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है जी हमारा तो काम है ऐसे एवरेज में बच्चे करना मतलब एवरेज में बोला मैंने ध्यान से ए प्लस बी C प्लस डी एक साथ आ गए तो ये कितना हो गया एवरेजेज बारह अब देखिए क्या होगी जी अब दो जीरो के आ गए एक साथ दो जीरो के बट बंदे कितने हो गए तो बारह छिंग बहत्तर कह सकते हैं सम, सम कितना होगा जी बहत्तर अच्छा सम कितना बड़ा है जी प्लस बारह सम कितना बड़ा है प्लस बारह तो मैंने कहा कि अगर सम प्लस बारह है अगर सम प्लस बारह है इसका मतलब क्या होगा कि कितने लोगों का बड़ा है चार लोगों का बड़ा है ये कितने लोगों का बड़ा है चार लोगों का तो मैंने कहा ये तो जीरो जीरो जीर। चार का बढ़ेगा तो ये चार साल का हो जाए चार लोगों का बारह बढ़ेगा मतलब तीन तीन बढ़ेगा तीन तीन बढ़ेगा ना तो ये तीन और ये दो और तीन पांच बी की उम्र पूछी नहीं एक ही पूछिए यानी कि जिस वक्त परिवार की औसत आयु बारह है लास्ट में तो बड़ा बेटा कितने का है देख के बताओ उधर तो आप कहोगे जी पांच साल का है बोलोगे नहीं पांच साल का है अब आपने क्या कह दिया आपने कह दिया तब बताओ जब परिवार की औसत आयु सोलह यानी बारह से सोलह अगर औसत होगी चार बढ़ेगी तो यह क्या चूकेगा ये भी चार साल बढ़ेगा पांच और चार नौ साल यही उत्तर है। पांच और चार नौ साल यही उत्तर है इस सवाल का बेहद औसम और खूबसूरत सवाल था पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं सवाल कर रहे हैं जिनको नहीं करना नहीं पढ़ना उनका कुछ हो नहीं सकता वो बस भटकते रहेंगे दो चार पाँच साल उसके बाद गांव में खेती करने के लायक भी नहीं रहेंगे कुत्ता पालेंगे कुत्ता चाटेंगे यही होगा शादी ब्याह होगा नहीं दांत कोई देखेगा नहीं जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी जैसे आए थे उससे बुरे चले जाएंगे अफसोस और पछतावे के अलावा जीवन में कुछ बचेगा नहीं एक दो साल और तैयारी करने के बाद पढ़ना है पढ़ लीजिए बार बार ऐसे मौके मिलते नहीं आलग जा गले फिर कभी ये हंसी रात हो ना हो मौका पता नहीं फिर कभी जीवन देगी या नहीं देगी हमेशा याद रखना जिंदगी बार बार मौके नहीं देती बस देती सबको है बट किसी को कम किसी को ज्यादा मौके जरूर मिलते हैं बट सफल वही हो जाता है जो उन मौकों का फायदा उठा लेता है तो भटकते भटकते राह ये सवाल ये परिवार दंपति वाले इस सवाल को हम होमवर्क में दे देते हैं बच्चों को क्योंकि एक आप तो ये भी करेंगे सीट में भी डाल देंगे जो आपको सीट मिलेगी और बाकी ये सवाल होमवर्क में सेम सवाल है परिवार दंपति वाला एक कर लेंगे अपने आप से आंसर के साथ आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या है पीडीएफ में मिल जाएगा हम अगले सवालों पर चल रहे हैं ये सवाल देख लीजिए ये थोड़ा शिफ्टिंग वाले सवाल पे अब आ जाते हैं कि शिफ्टिंग एवरेज में किस तरीके से मैं लगाने की बात कर रहा हूं क्या है शिफ्टिंग जो बहुत बार आपने सवाल देखे होंगे एसएससी पूछती है इस सवाल को देखिए पहले तो क्या है सवाल कह रहा है थ्री मैथ्स क्लासेस है एक्स वाई जेड टेक एन एलजेवरा टेस्ट द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास तीन चार पांच है रेशियो दे रखा है एवरेज स्कोर ऑफ एक्स तिरासी है एवरेज स्कोर ऑफ वाई छिहत्तर है एवरेज स्कोर ऑफ जेड पिचासी है तो पूरी क्लास का पूछ रहा है एक्स वाई जेड का कुछ लोग एलिगेशन लगाने चल देते हैं नहीं लगाना कुछ लोग बेसिक मेथड लगाते हैं तीन बच्चे हैं उसमें एवरेज दे रखा है तीन गुणा ये वो नहीं कुछ नहीं लगाना कैसे करना है मैं बताता हूं आपने देखा कि एक्स में कितने बच्चे है? तीन वाई में कितने बच्चे हैं चार जेड में कितने बच्चे हैं पांच यही है तीन चार पांच बच्चे है? एवरेज कितना है तो आप कहेंगे जी पहले वाले का 83 है दूसरे वाले का 76 है तीसरे वाले का 85 है यही है हम क्या करते हैं किसी भी एक को जो संख्या बीच में है जो बीच में है उसको एवरेज मान लेते हैं जैसे 83 बीच में दिख रहा है मुझे तो मैंने इसी को क्या मान लिया एवरेज मान मैंने मान लिया 83 ही क्या है एवरेज है ये मैंने मान लिया अब मैं शिफ्ट करूंगा अब मैंने कहा अगर एवरेज 83 है तो सबका 83 83 होना चाहिए बट इसका 83 नहीं है कितना कम है 83 से तो आप कहेंगे सात कम है लेकिन चार बच्चे हैं तो सबका कम होगा सात सात तो कितना कम हो जाएगा चार गुणा सात कम हो जाएगा हो जाएगा मैंने कहा इसका कितना ज्यादा है तो आपने कहा 83 के हिसाब से दो ज्यादा है तो पांच लोग यही शिफ्ट है जो हम कर रहे हैं अभी और आगे करेंगे और अच्छा लगेगा मैंने कहा कि इसका 28 ज्यादा और इसका 28 कम इसका 10 ज्यादा यानी टोटल 18 कम है यानी जो हम एवरेज मान के चल रहे हैं 83 उसमें सम ही 18 कम है और टोटल बच्चे कितने पांच चार नौ तीन 12 तो एवरेज कितना कम हो जाएगा सम 18 कम है और बारह लोग हैं तो एवरेज कितना कम हो जाएगा 1.5 यानी एवरेज आ जाएगा इक्यासी पॉइंट सीखना है आपको धीरे धीरे सीखना है कोई बड़ी बात नहीं है भाई धीरे धीरे सीख लेंगे देयर इज नो बड़ी बात दोबारा से बता रहा हूं दोबारा से बता रहा हूं क्या बता रहा हूं मैंने कहा तीन चार पांच बच्चे हैं एवरेज एट्टी थ्री सेवनटी सिक्स एट्टी फाइव है तो मैंने एवरेज को क्या मान लिया मैंने कहा सबका एवरेज ही कितना है एट्टी थ्री है मैंने कहा सबका एवरेज कितना आ गया 83 83 हमने सबका एवरेज मान लिया ये 83 में कितना कम है तो आप कहेंगे चार और तीन सात कम है चार लोगों पे 28 कम हो गया ये दो ज्यादा है पांच गुणा दो दस तो ये अट्ठाईस और ये दस यानी कि अठारह ओवरऑल कम है तो अठारह को मैंने क्या किया पांच और चार नौ तीन बारह से भाग कर दिया वन पॉइंट फाइव तो एवरेज आ गया एट्टी वन पॉइंट फाइव ठीक है अभी हम और सवालों में ये लगाएंगे पहले आप देखिए ये सवाल देखिए ये तो आपने देखे ही होंगे ये वो सवाल है गुरु सबसे ज्यादा एस में पूछे जाने वाले सवाल हर बार आने वाले सवालों में से

यदि पहली चार संख्याओं का औसत चौवालीस है और अंतिम पांच संख्याओं का औसत चालीस है यदि छवी संख्या पांचवी संख्या से छः कम और सातवीं संख्या से पांच कम है तो पांचवी और सातवीं का योग क्या होगा देखिए इन सवालों में जब भी आएंगे टाइम लगेगा थोड़ा सा ये आसान नहीं है मैं साफ कह रहा हूँ आपको कि ये आसान नहीं है बट उस टाइम को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं जल्दी से वो आपको देखना है बहुत बढ़िया तमाशा बना आपकी वफा का बहुत ही बढ़िया सुंदर तमाशा देखिए बारह संख्याओं का औसत बयालीस है बारह संख्याओं का औसत बयालीस है बयालीस है बारह संख्याओं का औसत बयालीस है यदि पहली चार संख्याओं का औसत चौवालीस है यदि पहली चार संख्याओं का औसत चौवालीस है तो पहली चार का चौबालीस बात की पांच का चालीस फिर संख्याएं बची कितनी तो आप कहेंगे फिफ्थ फिफ्थ बची एक तो एक सिक्स बची एक सेवेंथ बची यही संख्या है। ठीक है मैं कहूंगा इनमें कोई रिश्ता है तो आप कहेंगे हाँ जी इनमें रिश्ता दे रखा है छठी संख्या के बारे में बोला हुआ है तो छठी को मैंने एक्स मान लिया छठी तो जानते होंगे आपकी भी हुई होगी छठी अब छठी संख्या पांचवी से छह कम है यानी कि इसको x प्लस छ लिख दो बोलो इससे छह कम है या नहीं बिल्कुल है और सातवीं से पांच कम है यानी कि ये x इसको ज्यादा कर दिया उल्टा कर दिया ना भाई एक्चुअली जिस संख्या का कंपेरिजन करा रहा हो उसको ही x मान लो अब ये इससे छह कम थी तो इसको छ ज्यादा कर दिया इससे पांच कम थी तो इसको पांच ज्यादा कर दिया क्लियर है बात हम क्या करते हैं इस केस में समझो बार बार एक ही बात बता रहा हूं सारी संख्याओं को बयालीस मान लेते हैं कि हर संख्या बयालीस है बयालीस 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 मान सकते हैं कि नहीं सारी संख्या बयालीस है आपने कहा अगर ये सारी संख्याएं बयालीस हैं तो इन तीनों का सम कितना होगा मैंने कहा तीन गुणा बयालीस बोलो चलेगा कि नहीं इन तीनों का सम बयालीस होगा फिर मैंने इसके बाद क्या कहा मैंने कहा लेकिन ये इधर तो देख लें आपने कहा जी इधर एक संख्या दो ज्यादा है इसका मतलब चार संख्याओं पे आठ ज्यादा है अगर इधर आठ ज्यादा हो गया तो इधर आठ कम करना पड़ेगा भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा अगर आपने इनको आठ ज्यादा दे दिया तो कहां से दे दिया इन इन्हीं में चेंज कर सकते तो मैंने इनका आठ कम कर दिया इन संख्याओं का आपने क्या किया तो आपने कहा इन संख्याओं को मैंने दो कम दिया है पांच को तो दस कम दिया है तो जो इनका दस बच गया वो भी इनको दे दिया तो बस इतना आपको करना है और कोई चारा नहीं है अब इनका सम कितना हो गया जी तीन एक्स प्लस ग्यारह अब मैं लिख देता हूं इसको तीन एक्स प्लस ग्यारह बराबर होगा तीन गुणा बयालीस और दूसरा कितना है जी प्लस टू यही होगा अब तीन एक्स बराबर देखिए हमेशा कटेगा ये ध्यान रखना हमेशा कटेगा गुणा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं ग्यारह में से दो गए माइनस नौ अब देखो तीन से इजीली भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा बताओ बयालीस माइनस तीन यानी एक्स उनतालीस आ गया हमेशा कटेगा मैं कई सवाल लेके आया हूँ पेपर में आए हुए कटना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है कटना ही पड़ेगा एक्स थर्टी नाइन आ गया अब सवाल में हमसे क्या पूछा है वो देख लो एक बार सवाल में पूछा है पांचवी और सातवीं का जो टू एक्स प्लस पांचवी फिफ्थ प्लस सेवन कई सवाल क्यों लाया हूं क्योंकि ये एक बार में नहीं समझ आते एक्स प्लस तो उनतालीस दुनिया चलेगा सही है इन सवालों को ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं दिख रहा संख्याओं का 42, 4 का चौवालीस तरीके से दे रखे थे तो मैंने कहा तीन गुणा बयालीस हो गया आपने कहा आपने ज्यादा दे दिया इनको कहा किसको जाएगा इनको जो बचा कुचा होगा सब इनको चला जाएगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मैं अगला सवाल पूछता हूं ऐसा ही ले लो एक बार अगला ही ऐसा सवाल पूछता हूं अगला ये हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है हम स्क्रीन शॉट लेने का मौका ही नहीं देते बच्चों को बहुत ही बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये सवाल देख लो सेम सवाल है कौन करेगा कौन करेगा मत सोचना ऑप्शन है तो ऑप्शन में एज इट इज मिल जाएगा नहीं हो सकता है ऑप्शन में मिले भी ना क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूं इसके ऑप्शन आई थिंक करेक्ट नहीं है एक बार करेक्ट करना खोल के मैं बताऊंगा अभी जब उत्तर निकलेगा एक आंटी तो गई द एवरेज ऑफ ट्वेल्व नंबर इज फिफ्टी फाइव द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर इज फिफ्टी थ्री एंड दैट फोर नंबर इज फिफ्टी फोर टेंथ नंबर इज ग्रेटर देन द नाइंथ नंबर संख्याओं का औसत छप्पन है पहली चार का तिरपन है अगली चार का चौवन है दसवीं संख्या नौवीं संख्या से तीन अधिक है लेकिन ग्यारहवीं बारहवीं संख्या से क्रमशः दो और तीन कम है तो दसवीं संख्या क्या है बहुत गंदा सवाल है चार संख्याएं अलग फेंक दी भाई साहब चार देखिए करते हैं इसको भी ऐसे ही करते हैं कोई ज्यादा एफर्ट या परेशानी वाली बात नहीं है देख लीजिए मैंने कहा बारह संख्याओं का औसत छप्पन है सबको मान लेंगे हम तो छप्पन छप्पन भाई अब चार संख्याओं का औसत तो आपने कहा चार का तिरपन अगली चार का कितना है तो आपने कहा अगली चार का चौवन है बाकी बची कितनी आठ संख्या तो नौ अब संख्या कौन कौन सी बची नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ यही बची नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ यही बच गई संख्या ठीक है अब क्या होगा दोस्त इसने बोला है दसवीं संख्या नौवीं संख्या से तीन अधिक है दसवीं संख्या नौवीं संख्या से तीन अधिक है तो मैंने दसवीं का ही कंपैरिजन करना है तो दसवीं को एक्स मान लिया और अगर ये नौवीं से तीन अधिक है तो नौवीं कितनी है एक्स माइनस तीन तीन कम होगी नौवीं और दसवीं संख्या ग्यारहवीं और बारहवीं से दो और तीन कम है यानी कि ग्यारहवीं दो ज्यादा है और बारहवीं तीन ज्यादा है अब आप पढ़ लो जो लिखा है मैंने वही लिखा है नहीं दसवीं संख्या नौवीं से तीन अधिक है तीन अधिक है नहीं ग्यारहवीं से दो कम है बारहवीं से तीन कम है चलेगा <clears throat> आपने कहा कि आप तो सारी संख्याओं को छप्पन मान लेते हो तो ये चार संख्याएं कितनी आ गई आपके हिसाब से तो मैं कहूंगा मेरे हिसाब से आ गई चार गुना छप्पन आएंगी या नहीं बोलो आएंगे लेकिन यहां पे आपने देखा कि मैंने एक संख्या को तीन कम किया है तो चार को बारह कम कर दिया बारह कम कर दिया मैंने यहां पे हर संख्या को दो कम किया है तो मैंने चार को आठ कम कर दिया यानी टोटल मैंने बीस कम कर दिया अगर मैंने इनको विचारों को 20 कम कर दिया इनका 20 मार लिया तो उसका फायदा किनको मिलेगा इनको तो इनको 20 ज्यादा मिलेगा 20 ज्यादा मिलेगा कि नहीं अब आप ही देख लीजिए कि अगर मैं इन सबको जोड़ू तो जोड़ूंगा तो तीन से तो तीन कट जाएगा भाई कितना आएगा फोर एक्स और वो किसके बराबर आ रहा है फोर इंटू फिफ्टी सिक्स प्लस बीस देखो हमेशा भाग लगेगा चार से भाग लगाऊंगा एक्स प्लस जीरो पॉइंट पांच बराबर छप्पन प्लस पांच तो एक्स कितना आ गया आप ही बता दो छप्पन पांच इकसठ साठ पॉइंट पांच बी ऑप्शन अब ऐसा सवाल अपने आप कर लेंगे मैंने दो सवाल आपके सामने निकाल दिए फेंक दिए करा दिए अब ऐसा सवाल एकात तो खुद से भी करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए मुझे आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो आपका जवाब होगा जी कर लेंगे नहीं आएगा तो पूछ लेना ठीक है अभी तो एक डाउट क्लास भी होनी है लंबी चौड़ी आपकी तो कर लेना इसको ये आपको शीट में मिलेगा सवाल ये सवाल देख लीजिए ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा इतना प्यारा लगा क्या बताऊं इसमें लगाएंगे अपनी अलग लेवल की शिफ्टिंग देखो जरा इसको देखो ये आया है ना 2018 मेंस में सवाल 2018 मेंस में आया दोस्तों ये सवाल ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप इच सेवेंटी टू के जी इफ टेन स्टूडेंट है छोड़ देते हैं चार स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ अस्सी के जी ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द डिक्रीज बाई जीरो पॉइंट सेवन के जी द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द ग्रुप एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत बहत्तर किलोग्राम है अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और चार छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल होते हैं तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है समूह में शुरू में छात्रों की संख्या है ये बताना है कितनी संख्या शुरू में छात्रों की है ये बताना है बोलो आग का दरिया तैर के जाना है और आज हमको नहाना है नहा लो बेटा ये सर्दियों का मौसम ये कोहरे का नजारा ये दो कप चाय एक कप तुम्हारा और एक कप हमारा वो शाम सुहानी होती थी जब एक कॉफी साझा करते थे हम तुझे निहारा करते थे वो हमें निहारा करते थे वाह 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 वा वा वा। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है मैं क्या कह रहा था अगर मैं ये निकाल लूँ कि अभी कितने बच्चे हैं तो भी बात बन जाएगी क्योंकि हम क्या कहेंगे कि दस गए हैं और चार आए यानी छह कम हुए तो पहले छह ज्यादा थे कर सकते हैं कि नहीं तो मैंने ये कहा कि अगर दस छात्र जिनका औसत वजन अठहत्तर है वो गए हैं इससे क्या हुआ दस गुणा छह का सम पे फर्क पड़ गया दस गुणा भाई बहत्तर से अठहत्तर पहले एवरेज बहत्तर था अब अठहत्तर तो 6 दस छ हो गया अब चार छात्र जिनका औसत वजन अस्सी किलोग्राम है वो आए हैं वो आए है। वो गए निकला यानी साठ निकला साठ निकला ठीक है कम हुआ साठ तो आए कितने तो आप कहेंगे जी चार विद्यार्थी आए हैं जिनके एवरेज का अंतर अब कितना है आठ का बत्तीस बत्तीस ज्यादा आ गया साठ कम हुआ नीचे और बत्तीस ज्यादा आ गया यानी फर्क कितने का पड़ा सम पे फर्क पूछ रहा हूं बेटा बता दे मुझे तेरी ऐसी तैसी तुम बोलोगे जी ट्वेंटी एट का पड़ गया समपे ट्वेंटी एट का फर्क पड़ा है अभी मैं तो बात की बात कर रहा हूं पहले की नहीं कर रहा हूं नहीं नहीं मैं ये मेरी बात तो सुनो मैं ये कह ही नहीं रहा मैं पहली की कोई बात नहीं कर रहा मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर दस अठहत्तर से तो साठ कम सीधे होगा और अगर चार आ गए के तो बढ़ेगा उतने, -उतने के तो बाद के हिसाब से एवरेज सेवन कम हो गया और सम कम हुआ अट्ठाइस तो हम तो जानते हैं कि नंबर क्या होता है जितना सम कम हुआ है और जितना एवरेज कम हुआ है यानी कि 40 यानी कि इस वक्त नंबर 40 है मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त नंबर मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं मैं पहले की नहीं सोच रहा मैं इस वक्त की कह रहा हूं कि इस वक्त नंबर चालीस है आपको पता है दस गए थे और चार आए हैं इसका मतलब छह कम हुए तो पहले छियालीस था आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि चालीस कब है जब चार आए हैं तो चार घटाओ और फिर दस गए थे ऊपर तक चलो प्लस दस तो भी कितना अच्छा सवाल है बट ये बहुत अच्छा सवाल पेपर में इन्होंने पूछा हमने कहा कि एवरेज बहत्तर था और फिर अठहत्तर हो गया मैंने तो इनको सीधे रटाया है मैंने तो इनको कुछ नया पढ़ाया ही नहीं मैंने तो बस इनको सीधे बताया कि बेटा नंबर इनटू एवरेज पे फर्क बराबर सम पे फर्क बस बेटा ये दो बातें निकाल दो सब कुछ खेल खत्म हो जाए आपने कहा जी एवरेज छह ज्यादा वाले लेके चले तो साठ ज्यादा ले गए इतनी हमारी हैसियत नहीं थी हम तो ईमान के चल रहे बहत्तर आप ही बताओ पूरा एक ग्रुप है समझना पूरा एक ग्रुप है उसमें सबका एवरेज बहत्तर है अगर बहत्तर बहत्तर वाले जाएंगे तो क्या आभास भी हो पाएगा नहीं होगा पता ही नहीं चलेगी हमें तो लेकिन अठहत्तर वाले गए छह वाले गए तो साठ ज्यादा ले गए तो मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा मैं मत ले जाओ ज्यादा मत ले जाओ तो फिर क्या हुआ अस्सी वाले आ गए यानी चार अट्ठे बत्तीस ज्यादा आ गया और अट्ठाईस कम हुआ तो अट्ठाइस सम कम हुआ एवरेज जीरो पॉइंट सात कम हुआ तो अभी बच्चे कितने हैं चालीस बात खत्म बात खत्म आगे बढ़ेंगे ये वही सवाल है तो अभी देंगे ही इनको ऐसे सवाल तो हम करने के लिए ये वाला सवाल देख लीजिए इसमें भी थोड़ा शिफ्टिंग लगा के बता देते शिफ्टिंग जरूरी है थोड़ी देख लीजिए जल्दी से देख लीजिए मजा आ जाएगा आपको जल्दी फटाफट इन ए क्लास ऑफ सिक्सटी स्टूडेंट फोर्टी परसेंट आर द गर्ल्स परसेंट आर द गर्ल्स द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज फिफ्टी नाइन पॉइंट टू के जी द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज फिफ्टी फाइव के जी एवरेज वेट देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं ये सिखा रहा हूं कि जरूरी नहीं हर बार एवरेज लगाना है तीन क्लास आ जाती तब तो दो बार एवरेज लगाना पड़ता है इसलिए ये हल्की सी शिफ्टिंग जानना जरूरी है आपने कहा कि जी फोर्टी परसेंट गर्ल्स है यानी दो बटे पांच पांच अगर टोटल बच्चे हैं तो उसके अंदर दो गर्ल्स हैं गर्ल्स जी और बॉयज कितने हैं। यही है जी सी आपने कहा पूरी क्लास का पूरी कच्छा का कच्छा अंडरवियर का औसत वजन कितना है 59.2 केजी 59.2 केजी ठीक है और लड़कियों का औसत वजन कितना है 55 केजी तो हमने ये कहा गुरु कि अगर हम सबका यही मान लेते कि इसका 59.2 तो इसका भी 59.2 तो इसका भी 59.2 होना चाहिए था होना चाहिए था कि नहीं आपने कहा जी इसका तो 4.2 कम है इस हिसाब से है या नहीं कम लेकिन कितने लोगों पे कम है दो पे यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 8.4 कम है तो मैं कहूंगा कि अगर यही 8.4 इसका कम है तो इसका ज्यादा होगा तो यही 8.4 अगर तीन लोगों में बांट दूं तो 2.8 पॉइंट एट बट जाएगा अट्ठाईस या चौरासी तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा बासठ है ऑप्शन में तो ऐसे हमें शिफ्टिंग कई बार जरूरत पड़ जाती है सीखनी पड़ती है हमने कहा कि सबका 59.2 मान लो तो आपने कहा इसका भी मान लो अब इसका कम था और दो लड़कियां थी तो उनका एट पॉइंट चार कम है दो लड़कियों के हिसाब से तो वो लड़कों ने मैनेज किया होगा तीन लड़को आठ पॉइंट चार को मैनेज करेंगे तो टू पॉइंट एट टू पॉइंट एट संभालेंगे हम हरे का मान के चल रहे थे आपने कहा लड़कियों ने तो एवरेज पढ़ रहे टूडे इज द लास्ट क्लास ऑफ एवरेज की आखिर औसत का अंत समय आ गया द एंड ऑफ द एवरेज विल बी टूडे तो YouTube पे आज हम पढ़ने वाले हैं कि एलिगेशन का दुरुपयोग एवरेज के अंदर कैसे होता है एलिगेशन कैसे एवरेज को आसान बनाता है तो पहले तो एलिगेशन है क्या ये हल्का सा जान लेते हैं बहुत हल्का ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सिर्फ मैं इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा और इम्प्लीमेंट से ही आप सीख जाएंगे कि अच्छा ये है और किन सवालों में लगाना फायदेमंद रहता है सबसे बड़ी बात यही है कि आज की क्लास में आप ये सीख जाए कि अच्छा इन सवालों को एलिगेशन से करेंगे तो बेस्ट रहेगा ठीक है भाई ठंड तो लगातार है ही बहुत है कप कपी मेरी भी बंद रही आपकी भी बंद रही होगी रजाई से बाहर हाथ निकालने का मन नहीं कर रहा होगा बट डिपेंड करता है माहौल कैसा है नहीं तो हाथ क्या बस खैर ठीक है आगे बढ़ते हैं और एलिगेशन और एवरेज को मिलाते हैं एलिगेशन एवरेज कुछ नहीं जैसे आपसे किसी ने कहा कि एक कक्षा है एक कक्षा है एक्स और एक कक्षा है, 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 है वाई हमने कहा इस पूरी कक्षा का एवरेज कितना है आपने कह दिया 63 इस पूरी कक्षा का एवरेज कितना है आपने कह दिया 68 ठीक है अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं दोनों कक्षा का एवरेज निकालू एक्स और वाई दोनों क्लासेस का एवरेज निकालू तो पहली बात तो एलिगेशन या एवरेज दोनों ही ये कहेंगे कि जो एवरेज आएगा वो 63 और 68 के बीच में आएगा इस बात की पूरी गारंटी है ऐसा नहीं हो आप खुद ही बताइए एक चीज आप तिरसठ रुपए किलो लेके आ रहे हैं एक चीज आप अड़सठ रुपए किलो लेके आ रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजों का मिला के प्राइस अड़सठ से ऊपर निकल जाए नहीं निकलेगा क्या ऐसा हो सकता है तिरसठ से कम निकल जाए नहीं अगर मैंने सारी की सारी चीजें एक्स ही ली तो भी तिरसठ रहेगा मैंने सारी की सारी चीजें वाई ली तो भी अड़सठ रहेगा ना तो उससे ऊपर जा सकता है ना इससे कम हो सकता मान लेते हैं कि इन दोनों क्लासों का एवरेज मिला के आ गया 65 तो बस एवरेज हमें यही बताता है इसका मतलब कि 63 में से अगर 65 कितना दूरी पे है तीन 65 से 63 कितना दूरी पे है तीन और दो तो ये जो अनुपात आ रहा है तीन और दो इससे मुझे पता चल गया कि जो क्लास X का वेटेज है वो तीन है जो क्लास वाई का वेटेज है वो दो है यानी इसके अंदर तीन बच्चे हैं इसके अंदर दो बच्चे जो ये इन बच्चों का रेशियो होता है ऊपर यही सेम इसके अंतर का रेशियो होता है आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो चेक कर सकते हो अब आप अगर एवरेज से इसको करो तो आप ये कह सकते हो कि जी तीन बच्चे जहां थे वहां एवरेज तिरसठ था और जहां दो बच्चे थे वहां एवरेज अड़सठ था तो अब अगर आप यहां पे शिफ्टिंग लगाओ जो कल पढ़ाई थी मैंने एवरेज में आपको तो कैसे लगाओगे आप कह दोगे जी मैं तो एवरेज को तिरसठ ही मान लेता हूँ तो तिरसठ के हिसाब से इसमें कितना ज्यादा हो गया तो आप कहोगे पांच ज्यादा हो गया दो पे यानी दस ज्यादा हो गया यही दस जब इन टोटल पांच में डिवाइड होगा तो कितना कितना बटेगा दो दो तो ओवरऑल एवरेज कितना आ गया सिक्स यही आ रहा था तो बेसिकली कुछ है नहीं एक तरीके से शिफ्टिंग ही एवरेज है कि हमने ये देख लिया कि अच्छा ये इससे कितना ज्यादा आ रहा है दो ज्यादा आ रहा है ये इससे कितना ज्यादा आ रहा है तीन तो हमने तीन दूनी छ ये और तीन दूनी छह ये आपस में बराबर हो जाए ताकि छह छह वहां से उठाया तो वहां पे शिफ्ट हो जाए बस यही है और कुछ भी नहीं आप सवाल करते मान लीजिए आपको ये बात समझ में नहीं आई आप सवाल देखिए ये सब सवाल तो हमने किए ही थे ये पहला ही सवाल है क्या ऐसा कैसे हो सकता अच्छा मैं कह रहा था कि जैसे अब ये सवाल है पहला ही मुझे तो लग रहा है इन्होंने गलत फाइल अपलोड कर दी क्या भाई फाइल तो ठीक है ना भाई वही किए जो मैंने बताई थी हाँ ठीक है ठीक है कोई बात नहीं तो पता नहीं सवाल इधर उधर हो गए चलेगा मैंने कहा कि ये सवाल हमने आपको पिछली क्लास में करना बताया था आपको याद भी होगा कैसे बताया था ठीक है जैसे ये है कि द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट इलेवन परसेंट मैं आज थोड़ा सा टाइम कम लगा के जल्दी जल्दी सवाल बताऊंगा क्योंकि ये सब सवाल बता चुका हूँ तो मैंने कहा कि अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ एलिगेशन देखिए लगाते कैसे पहले तो ऐसे तीर खींच लीजिए आप एलिगेशन लगाना है पहले तो आप ऐसे तीर खींच लीजिए

तो मैं ऐसा करता हूं जब मैं यहाँ एवरेज पे एलिगेशन लगा रहा हूं अगर मैं एवरेज पे लगा रहा हूं बेटा सम पे तो लगा नहीं रहा तो यहां भी एवरेज आएगा यहां भी एवरेज और यहां भी एवरेज यही होगा तो मैंने बारह लोगों का एवरेज एक्स मान लिया तो आप कहेंगे कि जो अकेला बंदा है उसका एवरेज एक्स प्लस थर्टी थ्री है देखिए एक बंदे का क्या तो एवरेज क्या सम एक ही बात है तो अब जब एवरेज लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं यहां पे तो बड़ी छोटा है पता करना मुश्किल है नहीं पता लगेगा यहां पे पता लग रहा है कि ये इससे बड़ी है तेतीस तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो आपने कहा तेतीस आ हाँ। गया जब आपको ये पता लग गया कि ये जो संख्या होगी इन दोनों के बीच में होगी अगर ये बड़ी थी इससे इससे ये बड़ी थी यानी कि यह छोटी थी इससे तो इससे ये बड़ी होगी बीच में होगी अगर ये बीच में है तो अब x में से घटाऊंगा 95 ये बात भी तय हो गई आप समझ गए x में से 95 घटा दिया फिर मैंने एक बात और क्या कही आपसे मैंने कहा कि जो रेशियो ऊपर है 11 और 1 का वही नीचे होना चाहिए यानी नीचे भी 11 1 का अगर होना चाहिए लेकिन आपने कहा जी 11 की जगह 33 है तो मैंने कहा 1 की जगह 3 होना चाहिए 33 और 3 होगा 33 और 3 होगा, होगा तो 11 1 होगा यानी आप कहेंगे जी यहां 3 तभी हो सकता है जब 95 उतर जाए यानी x का मान 98 हो एक्स का मान 98 होगा तो यहाँ तीन होगा यानी हमें ये पता चल गया कि 98 98 है अब X अगर 98 है अब अगर तो इसने इस बंदे का वजन पूछा था हमसे तो 98 एट प्लस 33 कितना आ गया? 131 तो आपने देखा होगा मैंने अभी तक बैटिंग एवरेज के सवाल कराए बट मैंने बॉलिंग एवरेज नहीं कराया बॉलिंग एवरेज क्यों नहीं कराया क्योंकि वो एलिगेशन से ज्यादा आसान पड़ता है मान लेते मैं एक तरीका आपको पहले बता देता फिर एलिगेशन बताता तो आपको कंफ्यूजन होता तो मैंने इसलिए क्या किया अभी तक जो एवरेज पढ़ाए है उसमें भी बता दे रहा हूं कि एलिगेशन कैसे लगाना है और आगे जो कुछ सवालों में नहीं लगाया जिनको छोड़ दिया उनमें भी एलिगेशन हमें जब मालूम ही है कि एलिगेशन से सवाल सरल होना है तो हम बाकी के तरीके या कुछ और क्यों पढ़े समझ रहे हैं आप बिल्कुल जरूरत नहीं है आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देख लीजिए तो अब आप देखेंगे एक चीज यहां पे एक परीक्षा में किसी कक्षा के छात्र तथा छात्राओं के औसत अंक ए है कक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत अनुपात तीन अनुपात एक है यदि छात्रों के अंकों का औसत ए प्लस वन है तो छात्राओं के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए बात क्लियर है तो आपने कहा कि अनुपात जो है बॉयज और गर्ल्स का दिया हुआ है अनुपात बॉयज और गर्ल्स का दिया हुआ है कितना दिया हुआ है तीन अनुपात एक यदि छात्रों का औसत ए प्लस वन है इन बॉयज का ए प्लस वन है और छात्राओं के अंकों का औसत ज्ञात करना है और ओवरऑल का भी ए दिया हुआ है ओवरऑल का भी ए दिया हुआ है पूरी क्लास का ए दिया हुआ है ठीक है भाई तो फिर मैंने क्या कहा पूरी क्लास का तो मैंने कहा ए प्लस वन से ए घटेगा कितना आएगा आपने कहा एक आएगा ए प्लस वन से अगर ए घटेगा तो कितना आएगा एक ये बात क्लियर है या नहीं इसके बाद क्या होगा ए प्लस वन से A घटेगा तो एक आएगा फिर मैंने कहा दोस्त कि यहां पे जो अनुपात है वो तीन और एक का है तो नीचे भी तीन और एक होना चाहिए नहीं तीन आना चाहिए यहां तीन आना चाहिए आपने कहा इसमें से ये घटा था घटा था इसमें से ये घटेगा तो यहां कितना लू कि यह तीन आ जाए तो आप कहेंगे जी ए माइनस तीन क्योंकि इसमें से ये घटा अगर इसमें से ये घटेगा तो ए से ए घटेगा तीन आ जाएगा ए माइनस तीन आंसर सीखेंगे एक सवाल नहीं है बहुत सवाल है लगाने के लिए फिर से बता रहा हूं मैंने कहा बॉयज और गर्ल्स का अनुपात तीन अनुपात एक का है बॉयज का ए प्लस वन था यह ए था ये तो तय था कि इधर आते हुए घट रहा है तो इधर भी घटेगा आप ऐसे बना लेना कि अगर बढ़ रहा है तो ऊपर तक बढ़ेगा तभी तो ये बीच में रहेगा और अगर घट रहा है ऐसे करके है घट रहा है तो नीचे तक घटेगा यानी ये इससे कम इससे ये कम क्योंकि इसको बीच में आना है अगर ये इससे बड़ा होता तो ये इससे भी बड़ा होता बीच में आना है तो ये बात बहुत अच्छी होती है कि मैं देख के ये तो बता ही सकता था कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये तो कह सकता था सीधे सीधे मैंने कहा चेक करके देखता ए माइनस वन यहाँ पे करता तो यहाँ केवल वन आता जबकि बच्चे तो तीन गुने हैं बिल्कुल तीन गुने इक्वल तो है नहीं बच्चे तो एक ही ऑप्शन बचता ये मैं लगा देता अगले पॉइंट पे आते हैं अब आ गए बॉलिंग के सवाल देखिए बॉलिंग और बैटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लीजिए सवाल मुझे पढ़ना होगा पहली बार आया है ये सवाल सवाल क्या है सवाल ये कह रहा है कि द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4 पॉइंट फोर ही टुक फाइव विकेट्स फॉर छब्बीस रन इन हिज लास्ट मैच देन हिज एवरेज इंप्रूव्स वाई जीरो पॉइंट फोर फाइन द नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर लास्ट मैच देखिए होता क्या है <laughs> कि जो बैटिंग एवरेज होता है ना बैटिंग एवरेज बैटिंग एवरेज वो होता है टोटल रन कितने बनाए खिलाड़ी ने कितनी इनिंग खेली इनिंग कितनी खेली इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी ने कम इनिंग में ज्यादा रन बनाए तो एवरेज ज्यादा आएगा या नहीं रन तो बनाए दस हजार इनिंग खेली चार सौ तो एवरेज ज्यादा आएगा इसीलिए कहा जाता है कि जिस बैट्समैन का एवरेज ज्यादा हो वह अच्छा बैट्समैन होता है लेकिन बॉलिंग के केस में उल्टा है बॉलिंग के केस में क्या है बॉलिंग एवरेज बराबर होता है बॉलिंग एवरेज बराबर होता है रन बटे विकेट यानी कि जो जितने ज्यादा रन देता है बॉलर बटे विकेट उसके यानी कि यह है कि अगर किसी ने ज्यादा रन दे दिए तो भी खराब बॉलर ऊपर से कम विकेट लिए तो भी खराब बॉलर और ज्यादा रन बटे कम विकेट यानी एवरेज ज्यादा होगा इसका मतलब खराब बॉलर कौन सा है जो ज्यादा रन दे रहा है और कम विकेट ले रहा है यानी जिसका एवरेज ज्यादा है तो बैटिंग एवरेज में जिसका एवरेज ज्यादा वो अच्छा बॉलिंग एवरेज में जिसका एवरेज ज्यादा वो खराब इसीलिए अगर कल को यह कहा जाए कि, कि किसी का बैटिंग एवरेज दस है और तीन का सुधार हो गया सुधार मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना तो होगा और किसी का बॉलिंग एवरेज दस है और तीन का सुधार हो गया यानी सात हो गया कम क्योंकि सुधार मतलब इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट एक पॉजिटिव वर्ड है यानी पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए अगर बॉलिंग एवरेज में सुधार आ रहा है इसका मतलब बढ़ नहीं रहा है घट रहा है क्योंकि कम अच्छा होता है ठीक है भाई इतनी सी बात समझ के तो आप देखिए जब बैटिंग एवरेज की बात आती है तो हम ऊपर इनिंग लिखा करते हैं बट क्योंकि इनिंग से भाग करते हैं अभी जो हम एवरेज निकाल रहे थे क्लास का या कक्षा का तो ऊपर विद्यार्थी लिख रहे थे विद्यार्थी क्यों लिख रहे थे क्योंकि एवरेज जो होता है वो सम बटे विद्यार्थियों की संख्या लेकिन यहां बॉलिंग एवरेज में रन बटे विकेट तो ऊपर इनिंग नहीं आएंगी क्या आएगा विकेट आएंगे तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता इसने कितने विकेट लिए बट इसका एवरेज आपने 12.4 दे रखा था दे रखा था फिर इसने पांच विकेट लेके 26 रन ले लिए पांच विकेट और 26 रन तो मैं जानना चाहता हूं एवरेज कितना इन पांच विकेटों पे तो आपने कहा 5.2 पॉइंट यही एवरेज है जब आपने ये पांच विकेट भी मिला दिए पुराने विकेट भी मिला दिए तो एवरेज में पॉइंट का सुधार आ गया यानी एवरेज पॉइंट कम हो गया बारह हो गया एवरेज एवरेज कितना हो गया बारह तो मैंने कहा बारह पॉइंट चार से बारह गई तो कितना होगा पॉइंट चार यही होगा और बारह से पांच पॉइंट दो गए तो कितना होगा सिक्स पॉइंट एट होगा यानी हमें रेशियो पता चल गया पॉइंट से पॉइंट हटा दूं तो सत्रह रेशियो एक आ गया यानी जो विकेट है अगर पहले सत्रह लिए थे तो बाद में एक लिया यही पता चला ना कि सत्रह रेशियो एक है पहले वाले विकेट सत्रह तो बाद वाला एक है तो आपने कहा जी बाद वाला तो पांच है एक की वैल्यू पांच है तो सत्रह की कितनी होगी आपने कहा जी पिचासी यही उत्तर है कि पांच विकेटों से पहले इसने पिचासी विकेट लिए थे यानी टोटल अगर विकेट पूछता ना अंतिम मैच के बाद पूछता पहले पूछा है तो नाइनटी विकेट होते नब्बे विकेट होते ये बात सबको समझ आ रही है नहीं आ रही कोई बच्चा बता दे कि जी हाँ मुझे समझ नहीं है सबको आ रही होगी ऐसा हो ही नहीं सकता कितने सुंदर तरीके से हमने इस एवरेज चैप्टर को खत्म किया अब हम दो क्लास एवरेज की मैं स्पेशल इस इसलिए लगा रहा हूं कि यहां पे आप अपने क्वेश्चन नहीं भेज सकते आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं कोई एक सवाल नहीं है हमारे पास मैं एक और सवाल में ये बैटिंग बॉलिंग एवरेज आपको लगा के दिखा देता हूं आप भी कोशिश करके देख लीजिए इस सवाल में लगा के कुछ आप भी तो करिए यार अपने आप मैं सवाल पढ़ रहा हूं सवाल क्या है कि ए बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज ट्वेंटी फोर पॉइंट एट फाइव पर विकेट टेक्स फाइव विकेट्स फॉर फिफ्टी टू रन इन नेक्स्ट इनिंग एंड देयर बाय डिक्रीज इज एवरेज बाय जीरो पॉइंट एट फाइव फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर लास्ट मैच एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत चौबीस पॉइंट पिचासी रन प्रति विकेट है अगली पारी में वह बावन रन देकर पांच विकेट लेता है जिसके कारण उसका औसत जीरो पॉइंट पिछासी कम हो जाता है तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे आपको बताना है ठीक है ठीक अंतिम मैच से पहले उसने कितने थे आपको बताना है। तो अब आप बताइए कि गेंदबाजी औसत यह है गेंदबाजी औसत ठीक है कितना है विकेट कितना है भाई चौबीस पॉइंट पिचासी और अगली पारी में बावन रन देकर पांच विकेट लेता है अगली पारी में पांच विकेट है और बावन रन दे के लिए यानी बावन बटे पांच करेंगे मैंने बताया था रन बटे विकेट औसत आ जाएगा टेन पॉइंट फोर औसत कितना आ रहा है टेन पॉइंट फोर आ रहा है इज इट क्लियर और नॉट तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है ठीक है टेन पॉइंट फोर तो अब क्या होगा एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत चौबीस पॉइंट पिचासी रन प्रति विकेट है अगली पारी में बावन रन देकर पांच विकेट लेता है जिसकी वजह से उसका औसत जीरो पॉइंट पिचासी कम हो जाता है जीरो पॉइंट पिचासी कम हो जाता है यानी कितना रह जाता है चौबीस रह जाता है ट्वेंटी फोर रह जाता है यही होता है तो चौबीस पॉइंट पिचासी में से चौबीस गया तो जीरो पॉइंट पिचासी आ जाएगा आ जाएगा नहीं चौबीस में से दस पॉइंट चार गया तो तेरह पॉइंट छ आ जाएगा चलेगा मैंने कहा कि अगर हम भाग लगाएं तो पहले तो देखिए कैसे कई लोगों को तो पॉइंट वॉइंट हटाने भी नहीं आते पॉइंट हटाऊंगा तो यहां से भी हटेगा एक जीरो बढ़ जाएगी सत्रह पंजे पिचासी सत्रह अठे एक सौ छत्तीस पांच और अस्सी का रेशियो आ गया अब भाग लगाने की जरूरत भी नहीं है एक सोलह भी नहीं पांच अस्सी आ गया यानी यहां भी पांच अस्सी होगा यानी जो प्रश्नवाचक है ये कितने बराबर होगा अस्सी विकेट क्योंकि पांच विकेट अगर इधर पांच विकेट ले रहा है तो इधर कितने लेगा अस्सी विकेट बात खत्म हमें भी बहुत दिन हो गए क्रिकेट खेले हुए हराए हुए लोगों को तो अब आज फिर से मैंने सोचा है मौका है कि इनको हरा हरू के एक तरफ करें ताकि ये पानी ना मांगे बार बार क्रिकेट में

कुछ निश्चित पारियों में दिए गए कुल रनों की संख्या नौ थी अगले मैच में उसने चार विकेट लिए और दो रन दिए परिणाम स्वरूप उसका औसत लिए गए विकेटों की संख्या से चार बढ़ गया अंतिम मैच से पहले गेंदबाज ने कितने विकेट लिए मुश्किल सवाल है कुल रनों की संख्या नौ थी आप मुझे बताइए रन क्या होते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं रन क्या होते हैं तो एक बच्चा बोलेगा रन तो कुछ नहीं होते विकेट और गुड़ा एवरेज चलेगा भाई रन बराबर क्या होगा विकेट गुड़ा एवरेज कुछ पारियों में अब देखिए मुझे तो पता ही नहीं है कि कितनी पारियां हैं कुछ पारियों में दिए गए कुल रनों की संख्या इतनी थी विकेट कितने लिए ये भी नहीं पता एवरेज कितना था यह भी नहीं पता एवरेज को मैंने एक्स मान लिया चलेगा भाई विकेट मुझे पता नहीं थे तो मैंने एक्स मान लिया मान सकते इधर और एवरेज उनका एक्स मान लिया आपने कहा कि उसने अगले मैच में चार विकेट लिए यानी की बार विकेट पता चल गई चार एवरेज भी पता चल गया जी टू फिफ्टी सिक्स बटे फोर तो कितना होगा चार छिंक चौबीस चार चौक सोलह चौसठ होगा एवरेज ये भी पता चल गया ठीक है तो परिणाम स्वरूप उसका औसत चार बढ़ गया औसत चार बढ़ गया जी यानी एक्स प्लस फोर हो गया बात क्लियर है यानी यहां तक सबको क्लियर है मैंने कहा अब हाँ, हम क्या करेंगे तो आपने कहा जी एक्स प्लस चार में से ये एक्स घटाएंगे तो कितना आएगा चार चार आएगा 4 या नहीं चार ही आएगा ना यहां पे कितना आएगा तो आपने कहा जी ये सिक्सटी माइनस एक्स आ जाएगा चलेगा तो मैंने यही कहा कि जब यहां पे सिक्सटी माइनस एक्स और चार का रेशियो है और यहां पे सिर्फ चार है यानी चार की जगह चार है तो यहां पे कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे जी यहां पे सिक्सटी माइनस एक्स ही आ जाएगा क्योंकि सेम होना चाहिए रेशियो यानी हमें अब ये पता चल गया कि जो यहां पे विकट लिए हैं ना वो सिक्सटी माइनस एक्स है और एवरेज कितना है मतलब एक्स अभी बात हुई थी कि रन बराबर होता है रन नौ सौ दिए थे पहले बेटा विकेट तुम्हें पता चल गया साठ माइनस एक्स बेटा एवरेज कितना है एक्स इसलिए पहले लिख दिया था मैंने अब यहां से देखकर बच्चा ये बता सकता है कि एक्स का मान क्या होगा तो आप कहेंगे हां जी बता सकता हूं तीस होना चाहिए तीस नब्बे और कोई चारा ही नहीं है भाई नौ सौ के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर साठ है तो तीस तीस हो गए भाई तीस गुणा तीस ताकि साठ माइनस एक्स करेंगे तो भी तीस तीस गुणा तीस नब्बे हाँ मतलब हिट एंड ट्रायल अब तो इतना तो ऑप्शन भी होगा सब कुछ चीजें होंगी बट इतना करना पड़ेगा अब इसने सवाल में पूछा क्या है कि अंतिम मैच से पहले विकेट कितने लिए तो देखिए एक्स तीस आया है तो ये तीस है यानी कि एवरेज तीस है लेकिन अगर तीस यहां घटाऊं तो विकेट भी तीस है तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों चीज ही तीस है तीस तीस है तीस ही विकेट थे और तीस ही एवरेज था फिर चौसठ एवरेज के चार के हिसाब से लिया चार विकेट से तो एवरेज कितना हो गया अगर यहां पे बाद में एवरेज पूछ लेता मान लेते यहां बाद में एवरेज पूछ लेता फाइनल एवरेज बताओ तो तीस प्लस चार चौतीस होता यह भी पूछ सकता है हाँ वो भी वो भी कर सकते हैं बट आज मैं क्या चाह रहा हूं इनको अच्छा ये ना ये और इसका कंपेरिजन ठीक है वही मैंने कहा ना कि जैसे यहाँ चार आया और यहाँ भी चार है तो यानी कि चार चार है तो साठ माइनस एक्स साठ माइनस एक्स होगा रेशियो सेम होना चाहिए इक्वल होना चाहिए हाँ उत्तर तीस इसका उत्तर तीस अगर ये पूछता कि अंतिम मैच के बाद औसत कितना था तो चौतीस आ जाता बट ऐसा एक सवाल नहीं है ऐसे और भी सवाल है मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ बच्चों के क्या कह रहे हैं सवाल जानना जरूरी है ए बैट्समैन रन अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो दे देंगे कोई नहीं ए बैट्समैन रन जस्ट बिफोर द लास्ट मैच ऑफ द सीजन अप दीजन एट्सून इन हिज लास्ट टू इनिंग्स ही ओनली सिक्स एंड हिज एवरेज फाइंड हिज फाइनल एवरेज ऑफ द सीजन ऐसा करो ना आप अभिनय की ऐप डाउनलोड कर लो ऐप में भी बहुत सारे पीडीएफ हैं हम उसमें ये वाले पीडीएफ से भी डलवा देंगे आप अभिनय की ऐप है भी बहुत छोटी उसमें ज्यादा आपका डाटा भी नहीं जाएगा बहुत नॉर्मली वो डाउनलोड हो जाएगी अभिनय डाउनलोड कर सकते हो वहां पर हम डलवाते रहेंगे एक बल्लेबाज सीजन के अंतिम मैच से पहले अपने रनों में 750 रन जोड़ता है अंतिम दो पारियों में केवल छह रन बनाता है और उसका औसत दो कम हो जाता है तो सीजन का अंतिम औसत क्या होगा सीजन का अंतिम औसत क्या होगा यह आपको बताना देखिए भाई एक बल्लेबाज सीजन के अंतिम मैच से पहले अपने रनों में साढ़े सात सौ रन जोड़ता है वाह अंतिम मैच से पहले कोई बात नहीं भाई यहां पे अगर मैं रन की बात करूं तो क्या होगा तो आप कहेंगे जी यहां पे तो कुछ मामला अलग ही होगा यहां पे रन बराबर होगा एवरेज गुणा इनिंग्स क्यों क्योंकि अब की बार मामला क्या है बॉलिंग का है मामला किसका है बॉलिंग का है ठीक है रन बराबर एवरेज इनटू इनिंग्स तो अब वह अंतिम दो पारियों में केवल छह रन बनाता है अगर एक आदमी आवाज नहीं अगर एक आदमी दो पारियों में छह रन बना रहा है तो एवरेज कितना होगा आप कहेंगे जी छह बटे दो तीन ठीक है भाई दो पारियों में छह रन बना रहा है अंतिम दो पारियों में छह रन बना रहा है और उसका औसत दो कम हो जाता है तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे तो मुझे इनिंग ही नहीं पता थी बट मैं इतना मान लेता हूं कि औसत अगर x था तो यहां x माइनस दो औसत मैंने मान लिया x, मान सकता हूं इनिंग नहीं पता कितनी है इनिंग पता हो तो फिर मामला ही खत्म हो जाए आपने कहा जी आप एलिगेशन लगा देते हैं एक्स में से एक्स माइनस दो घटाएंगे दो आ जाएगा एक्स में से एक्स माइनस अब इसमें से ये घटाएंगे एक्स माइनस आ जाएगा आपने कहा जी अगर यहां पे दो है और यहां पे भी दो है यानी दो की वैल्यू दो है या दो की वैल्यू दो है तो x माइनस पांच की आपने कहा ये भी x माइनस पांच होगा मैंने यहां पे इनिंग निकाल दी मैंने ये पता कर लिया कि स्टार्टिंग में इनिंग x माइनस पांच थी और उसका औसत कितना था x अब आप बताओ रन कितने थे स्टार्टिंग में तो आप कहोगे साढ़े सात सौ मैं कहूंगा एवरेज कितना था आप कहोगे एक्स माइनस एक्स मैं कहूंगा इनिंग कितनी थी आप कहोगे एक्स माइनस पांच सब कुछ तो पता लग गया सब कुछ पता लग गया कि भाई एवरेज एक्स माना ही था हमने साढ़े सात सौ स्टार्टिंग में और एक्स माइनस पांच इनिंग आ गई तो एक्स कितना होगा अब आप कहोगे साढ़े सात सौ के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर पांच हो तो पच्चीस और तीस यानी एक्स कितना आ गया तीस ताकि ये मिला के पच्चीस बात बन जाए एक्स अगर तीस आ गया समझना एक्स तीस आ गया अब वही वाली बात हो गई ना आपकी बार उन्होंने नहीं पूछा एवरेज कितना था उन्होंने कहा है सीजन का अंतिम औसत क्या होगा यानी पूछ 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 लिया पूछ लिया पूछ लिया बार बार आपसे क्या अगर तीस आया है तो उत्तर क्या आ जाएगा अट्ठाईस यही सवाल का उत्तर बोलो जी अरे बोलो बोलो भैया क्लियर है बोलो बोलो भैया क्लियर है क्लियर करना पड़ेगा कोई चारा नहीं है यही तो एलिगेशन है जो बड़े बड़े सवालों को आसान बनाता है जो मुश्किल मुश्किल सवालों को आसान बनाता है नहीं तो इन सवालों को करने में फिर वही क्वाडेट्रिक बनेगी क्वाडेट्रिक को सॉल्व कर पाना यहाँ से इजीली ये पता लग गया इतना एवरेज इतनी इनिंग मतलब कि साढ़े सात सौ के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर पाँच है तो पच्चीस या पिचत्तर या पंद्रह में पंजे पिचहत्तर ये तो नॉर्मल सी बातें जो हमें पता होती हैं रटी होती हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं ये सवाल देखिए अब भारत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने गया भी है तो मैंने कहा ऐसा सवाल भी एक बनता है पूछना ये देख लीजिए जी मैं सवाल पढ़ रहा हूं फटाफट से आप देखिए ए बैट्समैन हैज स्कोर एन एवरेज ऑफ फोर्टी सिक्स रन फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड इन इंग्लैंड वेन ही केम बैक टू इंडिया ही प्लेड टेस्ट मैच ऑफ टू इनिंग स्कोर एट एन एवरेज ऑफ फिफ्टी फाइव फॉर द इनिंग्स इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया टेकन टूगेदर ही हैज इम्प्रूवड हिज एवरेज बाई टू रन ओवर द मैच इज प्लेड इन इंग्लैंड द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड इन इंग्लैंड वाच एक बल्लेबाज द्वारा इंग्लैंड में खेली गई कुछ निश्चित पारियों का औसत छियालीस रन है जब वह भारत वापस आता है तो प्रत्येक दो पारी के दो टेस्ट मैच खेलता है और औसत पचपन रन बनाता है अगर इंग्लैंड और भारत की पारियों को साथ में ले लें तो उसके औसत में इंग्लैंड में खेले गए मैच से दो की बढ़ोतरी हो जाती है तो इंग्लैंड में गई पारियों की संख्या थी क्या थी भाई इंग्लैंड में खेलेगी देखिए एवरेज से अच्छा सब इसको एलिगेशन से अच्छा कोई नहीं कर सकता देखो भाई कुछ पारियां पता नहीं है कुछ मैंने लिख लिया सीधे कुछ पता ही नहीं है तो क्या करे कुछ पारियों का औसत कितना है फोर्टी सिक्स यही है कुछ पारियों का औसत फोर्टी सिक्स है हमने लिख लिया आया दो टेस्ट मैच की दो पारी खेली है भाई इसने प्रत्येक दो पारी के दो टेस्ट मैच कितनी पारियां हो गई चार। इनका एवरेज कितना है पचपन ये कौन आवाज निकालता है क्लास में अगर मैंने बदतमीजी देख ली ना कान तोड़ के हाथ पे रख दूंगा फिर लोग कहते हैं ना इधर आ तुझे एक बात बताता हूं तो लोग तो ऐसे करते हैं तुम ऐसे हाथ से किया करोगे ऐसे क्योंकि तुम्हारा कान तो यहां चुपक जाएगा तो मैंने कहा कि कुछ पारियों का औसत 46 है और दो टेस्ट मैच की दो पारी यानी चार पारियों का औसत कितना है पचपन चार पारियों का औसत पचपन ठीक है अब अगर इंग्लैंड और भारत की पारियों को साथ में ले लें तो उसके औसत में इंग्लैंड में खेले गए मैच से दो की बढ़ोतरी हो जाती है दो की बढ़ोतरी तो अब औसत कितना हो जाता है भाई फोर्टी एट हो जाता है हो जाता है रुकेगा तो नहीं ना औसत ठीक है फोर्टी एट हो गया अब मैंने कहा लगा दो एलिगेशन जल्दी से सॉल्व कर दो आपने कहा अड़तालीस में से छियालीस गया दो पचपन में से अड़तालीस गया सात नीचे रेशियो आया जी सात दो का अगर नीचे सात दो का आया ऊपर है दो की जगह चार है डबल है तो सात की जगह कितना होना चाहिए चौदह ऊपर चौदह चार या नीचे सात दो बात एक ना ये चौदह आ गया तो इस सवाल का उत्तर हो गया चौदह पारी आंसर चौदह पारी आंसर कितना हो गया चौदह पारी चौदह पारी चौदह पारी, पारी पारी चौदह पारी आंसर आ गया ये एलिगेशन बहुत एक सोफिस्टिकेटेड वे है एवरेज के सवालों को करने का मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि एलिगेशन इज नथिंग बट द एवरेज एलिगेशन कुछ नहीं है एवरेज है जब मैं अभी एलिगेशन पढ़ाऊंगा जैसे कुछ लोगों को ये होगा यार मुझे अभी देखना है इनका एलिगेशन तो बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोज मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है एलिगेशन की आप देख सकते हैं ओल्ड वीडियोज हैं, बट उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बाकी मैं एवरेज नए फॉर्मेट में नए सवालों की तरह फिर से दोबारा पढ़ाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है बट अभी आप देख सकते हैं वो वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं तो ये सवाल देखिए मेरा तो दो घंटे चल रहा है अभी पिताजी का हमारा छह घंटे नहीं तो मैं तो क्लास ले रहा हूं ना प्रोडक्टिव कर रहा हूं कुछ और मोबाइल पे भी मेरा टाइम इसलिए ही जाता है क्योंकि मैं मेरे फोन में फेसबुक है नहीं ट्विटर इंस्टा है नहीं वो मैंने टैब में कर रखा है जिसको मैं एक या दो दिन में देखता हूँ तो मेरा जाता है कि पी से सवाल छाटने क्वेश्चन बनाने प्रोडक्टिव ही जा रहा है तो ठीक है हाँ हाँ मुझे भी मालूम है एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों का औसत वज़न 60.5 किलोग्राम है मुझे रोज के 80 छांटने होते हैं सवाल 80 से ज़्यादा ही छाटता हूँ सारी क्लासेस के लिए रोज की अस्सी साठ पॉइंट पांच हो गया अब पैंसठ किलोग्राम वाले आठ विद्यार्थी और आए आठ विद्यार्थी पैंसठ वाले आए दोस्तों ठीक है आठ लोगों का पैंसठ है अब सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में जीरो पॉइंट नौ की वृद्धि हो गई यानी जो पहले साठ पॉइंट पांच था जो पहले साठ पॉइंट पांच था वो जीरो पॉइंट नाइन बढ़ गया इकसठ पॉइंट चार हो गया बढ़ के वो कितना हो गया इकसठ पॉइंट चार सिक्सटी वन पॉइंट फोर इकसठ पॉइंट चार हो गया बढ़ के ठीक है तो पैंसठ में से इकसठ पॉइंट चार अगर मैं घटा दू तो कितना आएगा जी थ्री पॉइंट सिक्स पैंसठ में से इकसठ पॉइंट चार घटा दिया तो कितना आएगा थ्री पॉइंट सिक्स क्लियर है बात किसी कोई डाउट है तो बताओ अब मैंने कहा इकसठ पॉइंट चार में से अगर मैं ये घटा दू तो कितना आएगा तो आपने कहा तो जोड़ के ही अभी पता चला था यानी कहारो चार आ गया जो नीचे रेशियो आया वो एक रेशियो चार आया है इट मीन्स कि ऊपर भी यही रेशियो होगा एक रेशियो चार अगर एक की जगह बेटा आठ विद्यार्थी हैं तो चार की जगह बत्तीस टंगेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी ए विल बी द करेक्ट आंसर एक ये ये बहुत प्यारा सवाल है बाकी में इस सवाल को आपने देखा भी होगा जब हमने आपको पीडीएफ दी तो उसमें भी आपको यह मिला होगा मुश्किल लगती है इस सवाल को करने में बट आज नहीं लगेगी क्योंकि आज मैं जुड़ा हुआ ए सेट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स टीचर्स बिगनिंग विद वन इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड ए स्टूडेंट केम अलोंग एंड एरेज वन नंबर द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर थर्टी फाइव सेवन बाई सेवनटीन वाट वाज द नंबर एरेज ब्लैक बोर्ड पर एक के साथ शुरू होने वाले लगातार सकारात्मक पूर्णांकों का एक सेट लिखा गया एक छात्र साथ आया और एक नंबर मिटा दिया शेष नंबर का औसत आता है जी अर्जुन आया मलाइका के दिल पे लिखा हुआ अरवाज मिटा गया तो कोई बड़ी बात नहीं है लोग मिटा देते डिपेंड करता है कि किसकी रबड़ ज्यादा कामयाब है देखिये यार मैंने ये सोचा था कि इसमें हम ना ये दे ही देते नंबर क्योंकि बच्चों को नंबर समझाने में बहुत टाइम चला जाएगा ना कि कितने नंबर हैं कोई बात नहीं देखो एवरेज लगभग पैंतीस के आसपास है तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जानते हैं कि जब आप एक से नंबर शुरू करते हो एक दो तीन चार और एन तक जाते हो तो एवरेज होता है पहली और आखिरी का एवरेज यानी वन प्लस एन बाई टू होता है ये हमारा लगभग पैंतीस के बराबर है लगभग किसके बराबर है पैंतीस के तो मैं यहां से ये जानना चाह रहा हूं कि संख्याएं कितनी हैं तो आपने कहा जी अगर ये एवरेज आया है वन प्लस एन बाई टू और यह किसके बराबर है सेवन के तो एन किसके बराबर है लगभग सिक्सटी नाइन यानी संख्याएं सिक्सटी नाइन है समझिए आप बात और आपको देखिए पता भी लग रहा है कि इसको जो है वो एक से लेकर के सिक्सटी नाइन तक का एवरेज निकालने के लिए कहा गया होगा एक संख्या कोई मिटा के चला गया होगा तो संख्याएं कितनी रह गई होंगी 68 रह गई होंगी बोलो रह गई होंगी क्योंकि 68 से डिवाइड होगा तभी नीचे 17 आने की पॉसिबिलिटी है 68 से डिवाइड होगा तभी नीचे 17 आने की पॉसिबिलिटी है नहीं तो नीचे 17 नहीं आएगा गुरु <laughs> इसका मतलब डिवाइड कितने से हुआ है सिक्सटी से संख्याएं में क्यों सिक्सटी बोल रहा हूं क्योंकि जो बंदा एक मिटा के चला गया मान लेते हैं यहां पे तीन नंबर लिख के एक दो तीन मुझे एवरेज निकलवाना था मैं आया ये तीन मिटा के चला गया आप आए आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे आप तो दोनों को जोड़ोगे दो से भाग कर दोगे बता दोगे एवरेज डेढ़ आपको क्या पता कोई मिटा गया आप तो भाई संख्याएं जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे अब आपको पता नहीं थी कि कोई मिटा गया तो आपने तो सम किया और सीधे अड़सठ से भाग लगा दिया वैसे वास्तव में जो है वो संख्याएं कितनी थी सिक्सटी नाइन अब देखिए अगर 69 संख्याएं थी तो हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक 68 और एक एक जो मिट्टी है जो मिट्टी है 68 का एवरेज बेटा कितना दे रखा है पैंतीस सही सात बटे सत्रह और जो एक मिट्टी है वो निकालनी है निकालनी है पता नहीं है कितनी है आप चाहो तो इसको एक्स मान लो आप मुझे बताइए जो टोटल ओवरऑल सिक्सटी नाइन संख्याएं उनका एवरेज कितना होगा तो आप कहेंगे यार सिक्सटी नाइन संख्याओं का एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात है एवरेज होगा वन प्लस सिक्सटी नाइन बाई टू पहली और आखिरी पैंतीस आ गया यानी ओवरऑल एवरेज कितना आ गया पैंतीस देखना भाई सही है अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पैंतीस आ गया इसमें से ये घटेगा तो कितना होगा तो आप कहेंगे जी सात बटे सत्रह आ जाएगा सात बटे सत्रह आ जाएगा आ जाएगा नहीं अब देखिए बड़े ध्यान से समझना अगर जो है ऊपर अड़सठ रेशियो एक है अगर एक की जगह सात बटे सत्रह है एक की वैल्यू तो मैं जानना चाहता हूं यहां अड़सठ की जगह कितना होगा तो आप कहेंगे अड़सठ गुणा सात बटे सत्रह अट्ठाईस आ जाएगा बोलो आएगा या नहीं आएगा मैंने कहा एक की जगह सात बटे सत्रह तो अड़सठ की जगह अट्ठाईस आ जाएगा अब आप ही बताओ इसमें से यह घटाया था इसमें से कितना घटाऊंगा कि 28 बचेगा तो आप कहोगे ये सात घटाएंगे तो 28 बचेगा यानी जो संख्या मिटाई गई थी वो कितनी थी सात यही पूछा इसने कि मिटाया गया नंबर बताओ ये मुश्किल सवालों में एक है ये आसान नहीं है सवाल आसान नहीं है इतना समझ लीजिए आग का जरिया है तैर के जाना है। अगला सवाल इस सवाल को एक बार दोबारा देख लेना ना समझ आए जैसे ये सवाल हम कर चुके हैं ये सवाल हम कर चुके हैं बट मैं फिर से भी लेके आया हूं, ताकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस सवाल को भी एलिगेशन से और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता पहले भी मैंने बता दिया है ये से, तो बहुत जल्दी बता देता हूँ कि पैंतीस विद्यार्थी हैं तो एवरेज एक्स है सात बच्चे आए उनका एवरेज छ है कैसे बयालीस रुपए लेके आए थे अपने साथ बटे साथ ओवरऑल एवरेज कितना कम हो गया दो रुपए कम हो गया एक्स माइनस दो हमने इसमें से इसको घटाया कितना बचेगा का दो आपने कहा जी यहां पे ऊपर जो रेशियो है ये पांच एक का है, तो मतलब है, तो है, है। चलेगा अठारह नहीं आ रहा देख लो आठ आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स कितना आ गया अठारह कई बच्चे देखना कमेंट में ऐसे होंगे जिन्होंने सीधे चार सौ बीस लगा दिया होगा जबकि इसका 420 नहीं है 630 क्योंकि टोटल खर्चा पूछा है होंगे 420 वाले कई बच्चे जिनकी खुद की पर्सनालिटी 420 है गुरुजी नीलू यादव आपको बोल रहे हैं कि शायरी सुनाने के लिए तो हम बोले कि नीलू आप सुनाओ तो क्या गलत बोला गुरु देखिए जय जवान जय किसान आपने गलत कुछ नहीं बोला बट जो आपने लास्ट में चार गुलाब लगा दिए हमको तकलीफ उससे पहुंची कि आपने चार गुलाब उनको दे दिया बताइए एक गुलाब की कितनी कीमत है और आप चार चार गुलाब इस तरीके से बिखेर रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है ये सवाल देखिए इस सवाल पे भी हम एलिगेशन लगाना चाहते हैं जल्दी से देख लीजिए सवाल क्या है तो आप कहेंगे जी टेन पीपुल वेंट टू ए होटल फॉर कंबाइंड डिनर नाइन पीपुल आउट ऑफ टेन स्पेंड रुपीज ईच ऑन डिनर टेंथ average स्पेंड रुपीज फोर्टी फाइव मोर देन एवरेज ऑफ ऑल dinner दस व्यक्ति होटल गए उनमें से नौ व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर पिछहत्तर रुपये खर्च किए तथा दसवें व्यक्ति ने सभी दस व्यक्तियों के औसत से पैंतालीस रुपये अधिक खर्च किए तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना था ये बताना देखिए नौ लोगों का एवरेज कितना है भाई सेवेंटी फाइव है यानी और टोटल दस लोगों का एवरेज मैंने मान लिया एक्स तो जो दसवा व्यक्ति है एक टेंथ पर्सन है भाई ये टेंथ ये सभी लोगों के औसत से पैंतालीस रुपए अधिक खर्च कर रहा है ठीक है भाई इसमें से ये घटाएंगे फोर्टी फाइव आ गया इसमें से ये अब इसमें से ये घटेगा एक्स माइनस सेवनटी फाइव आ गया कलम कर दिया हमने चेंज अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ऊपर रेशियो है वो नौ रेशियो एक है यानी इधर नौ, नौ की जगह पैंतालीस है एक की जगह कितना होगा पांच एक की जगह पांच होगा अगर यहाँ पांच लाना है तो एक्स को अस्सी होना पड़ेगा यानी सभी का एवरेज कितना आ गया अस्सी लोग दस हैं, तो टोटल खर्चा कितना आएगा आठ सौ रुपए यही एलिगेशन है यही एलिगेशन है नथिंग एल्स और कौन बच्चा है उस मंजिल को पाने के लिए ध्यान केंद्रित करो जिसे आप पाना चाहते हो ना कि वर्तमान स्थितियों पर जिसमें आप जी रहे हो वाह साहिल नीलिस ने तो कमाल कर दिया सर नशे काट लेते हैं लोग अरे कोई ना काटता नशे सब कहने की बात नशे काट लेते हमें नहीं पता नाखून तो कटते नहीं आजकल के विद्यार्थी से थोड़े से बढ़ जाए तो उसके लिए तो अर्गस करता है नशे काट लेगा बाल देख ले ना जरा आज की डेट में नहाते नहीं विद्यार्थी नाखून नहीं काटते बाल नहीं कटवाते आप नसों की बात कर रहे झूठ बोलते हैं मुझे नहीं पता सब ऐसे झूठ बोलते हाँ हेलो फोन पे गुस्सा हो गए ठीक है अरे मैंने आज खाना नहीं खाना बस मुझे नहीं पता चार रोटी खा के बैठा है उधर से आवाज आ रही है प्लीज दो रोटी खा लो मुझे नहीं खाने ठीक है एक खा लूंगा ठीक है हमें सब पता है हमसे मत कहो तुम ये सब नौटंकी नाटक हमने जो है दस हजार बच्चों के देख लिए जितनी जल्दी निकल जाओ इन चीजों से उतना बेहतर है डूबे रहोगे तो बन जाओगे आसाराम की उम्र पे पहुंच के भी नहीं निकलेंगे उन्नीस आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए इकट्ठे होकर क्यों गए यार अलग अलग चले जाते इससे किराया बचा रहे हैं उनमें से चौदह आदमी ने डिनर पर उनसठ रुपए खर्च किए देखिए चौदह लोगों ने उनसठ खर्च किया फिफ्टी नाइन अब लोग कितने बचे पांच सभी का एवरेज एक्स मान लिया तो बाकी के एक्स प्लस सात किए बाकी पांच लोगों ने एक्स प्लस सात के हिसाब से खर्च किया इसमें से इसको घटाया सात आ गया इसमें से इसको घटाएंगे एक्स माइनस उनसठ आ जाएगा तो चौदह और पांच का रेशियो है जी चौदह की जगह सात है आधा है तो पांच की जगह बता सकते हैं आप कहेंगे जी ढाई होगा बोलो होगा या नहीं होगा ढाई अगर यहां ढाई होगा तो कब होगा जब यहां उनसठ को उधर लेके जाएंगे तो इकसठ पॉइंट पांच यही उत्तर है सवाल का क्योंकि इसने यही कहा प्रत्येक आदमी का खर्चा बताओ इसने सबका एवरेज पूछा है आपसे प्रत्येक आदमी का खर्चा पूछा है तो निकाल दिया हमने प्रत्येक आदमी का खर्चा कोई रोकने वाला थोड़ी आ जाएगा हमारे पास सर ये बैच मेंस के लिए ये प्री प्लस मेंस बोथ है सब कुछ पढ़ा रहा हूं सब कुछ सब कुछ पढ़ा रहा हूं सब कुछ चारू चह चूरन बीना एक लड़के का नाम है चारु चह चूरन बीना वाह बहुत बढ़िया बेटा इतना तगड़ा नाम हमने कभी नहीं देखा चूरन ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूं आर डब्ल्यू लिख लो आर डब्ल्यू होमवर्क मैं हटता हूं स्क्रीन शॉट ले लो बाकी पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा आपको ये सवाल पीडीएफ में मिल जाएगा एक सौ इसका आंसर है एक सौ ये सवाल हमें करने हैं ये वाले ये हमने कल भी ऐसा सवाल किया था बट कल हमें क्लास में स्टूडेंटों की संख्या दे रखी थी आज नहीं दे रखी है तो देख लीजिए क्या है क्या है सवाल पहले सवाल पढ़ना पड़ेगा सवाल पढ़ देता हूं मैं सवाल क्या है थ्री साइंस क्लासेस ए बी एंड सी लाइफ टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए इज एटी थ्री द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी इज सेवेंटी सिक्स द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास सी इज एट्टी फाइव द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए एंड बी इज सेवेंटी नाइन एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी एंड सी इज एट्टी वन एवरेज स्कोर ऑफ क्लासेस ए बी एंड सी इज विज्ञान विषय की तीन कक्षाएं ए बी और सी जी जीवन विज्ञान की परीक्षा लेती हैं। कक्षा ए के औसत अंक तिरासी हैं, कक्षा बी के औसत अंक छिहत्तर हैं, कक्षा सी के पिचासी हैं कक्षा ए और बी के औसत अंक सेवेंटी नाइन तथा कक्षा बी और सी के इक्यासी तो ए बी सी के औसत अंक कितने बताओ भाई कौन बताएगा जल्दी अरे जल्दी बता दो यार देखो ए का औसत अंक कितना है तिरासी ध्यान से समझना और बी का औसत अंक कितना है नीचे कर देता हूं इधर ए का कितना है एट्टी थ्री बी का कितना है सेवनटी सिक्स ए और बी का कितना है ए और बी का तो आप कहेंगे ये लिखा सेवनटी नाइन इससे देखिए क्या होगा मैं यहां पे विद्यार्थियों की संख्या निकाल दूंगा 79 नाइन में से 76 सिक्स गए तीन और एट्टी थ्री में से नाइन गए फोर मैंने विद्यार्थियों की संख्या निकाल दी तीन अनुपात चार निकाल सकता हूं या अब आपने कहा बी और सी ले लेते हैं तो बी के औसत अंक कितने हैं 76 सिक्स सी के औसत अंक कितने हैं पिचासी दोनों के मिला के बी और सी के कितने हैं 81 वन तो ये कितना आ गया चार आप बताइए यहाँ पे बी में कितने बच्चे हैं चार कक्षा बी में कितने बच्चे हैं चार तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे स्टूडेंटों का अनुपात निकाल दिया ए अनुपात बी अनुपात सी कि इसमें तीन बच्चे हैं तो इसमें चार इसमें पांच रेशियो निकाल दिया हमने तीन चार पांच ठीक है भाई इज इट क्लियर आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर अब मैंने कहा यार इनका एवरेज चाहिए हमें तो आपने कहा जी इनका एवरेज दे रखा था तिरासी छिहत्तर पिचासी तिरासी 76 85 अब बच्चा कहेगा कल तो आपने शिफ्टिंग लगा दी थी आज मत लगा ना आज तो एलिगेशन की क्लास है तो एलिगेशन ही लगाना मैंने कहा ठीक है बेटा एलिगेशन लगा देंगे तो मैंने क्या कहा मैंने कहा मुझे तीनों का निकालना है ए में बच्चे कितने हैं तीन मैंने बी और सी को कंबाइन कर दिया बी और सी में कितने हैं नौ यानी बच्चों का अनुपात है एक अनुपात 3 यही है। मैंने क्लास बी और सी को मिला दिया क्यों मिला दिया देखो मुझे बी और सी का एवरेज तो पता है कितना है इक्यासी तो मैंने कहा जी बी और सी का मुझे पता है इक्यासी मैंने कहा ए का कितना है तो आपने कहा ए का है तिरासी अब देखिए एक चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी थोड़ी सी बहुत ज्यादा नहीं थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि जो अभी तक हम सवाल कर रहे थे जितने भी सवाल कर रहे थे जितने भी आपको मैं दिखाता हूं जैसे आप बताओ भाई इन दोनों का अंतर कितना है इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है आप मुझे बताओ इन दोनों का अंतर तो आप कहेंगे जी इकसठ पॉइंट पाँच है यहाँ ये इकसठ पॉइंट पांच तो इन दोनों का अंतर आ रहा है जी नौ पॉइंट पांच तो मैं कहूँगा नीचे कितना आ रहा है टोटल तो आप कहेंगे सात और दो पॉइंट पांच नौ पॉइंट पाँच ही आ रहा है या मैं एग्जाम्पल लेके ही बता देता हूँ इनको ज्यादा बेहतर होगा कैसे मैं ये कह रहा हूँ जब हम यहाँ पे एट्टी थ्री लिखते हैं या पीछे वाला ही एग्जाम्पल देख लो कि जो यहाँ पर आता है वो क्या आता है भाई आप इसकी इससे दूरी ना पढ़ें और इसकी इससे ना पढ़ें इसकी इससे दूरी कितनी थी चार और ये तीन यानी जो इससे इसकी दूरी टोटल कितनी है सात यानी इन दोनों का जो अंतर होता है वही दो टुकड़ों में टूट जाता है तीन और चार में यही होता है नहीं होता है। और वही हम अनुपात बोल देते हैं ऊपर तो मैंने कहा इन दोनों की दूरी है कितनी तो आपने कहा जी इन दोनों की दूरी है दो तो मैंने कहा यही दो एक अनुपात तीन में टूट जाएगा यानी कि यहाँ जीरो पॉइंट पांच आएगा यहाँ वन पॉइंट पांच अब आपको पता है तिरासी से छोटी संख्या यहां आनी है और इक्यासी से बड़ी बड़ी कितनी चाहिए कि यहां जीरो पॉइंट पांच आ जाए यानी इक्यासी पॉइंट पांच या फिर तिरासी से छोटी कितनी चाहिए डेढ़ पॉइंट पांच आ जाए तो इक्यासी पॉइंट पांच यानी ओवरऑल एवरेज कितना आ गया देखिए कई लोग वो नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ रखा तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी एलिगेशन की पुरानी वीडियोज देख लें अभी नई वीडियोज में भी मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा हमने कहा कि जब ए और बी और सी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात एक अनुपात तीन है ये एट्टी थ्री है बी और सी का कितना है इक्यासी है तो इक्यासी और तिरासी का अंतर कितना है दो यही दो को मैंने एक अनुपात तीन में बांट दिया तो वो जीरो पॉइंट पांच और एक पॉइंट पांच आ गया ताकि इन दोनों के बीच में आ जाए इक्यासी पॉइंट पांच बात क्लियर है कि नहीं दिखाना बात क्लियर है कि नहीं भाई बताओ किसी बच्चे को अगर डाउट ये नहीं आपको नहीं पता क्या देखने आऊंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आज सवाल भी बल्क में मिलेंगे दोस्तों कर लेना अच्छे से यह सवाल सेम टू सेम है यह मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा ठीक है यह सवाल मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा सवाल भी पेपर में आ जाता है जहां ना एलिगेशन की जरूरत है और ना सवाल को करने की जरूरत है देखिए आज एक बात सुन लो आप आज ये बात नोट करके रख लो अपने कान में हर जगह जहां भी कर सकते हो कि एक क्लास में लाख बच्चे हैं दूसरी में करोड़ बच्चे हैं ठीक है भाई और अगर इसका एवरेज 24 है और दोनों का मिला के भी 24 है तो इसका भी 24 होगा मैं यह बताना चाह रहा हूं चाहे एक क्लास में लाख बच्चे एक में करोड़ इसका चौबीस है इन दोनों का चौबीस है तो मिला के भी चौबीस आएगा मानते हो कि नहीं तो यही कंसेप्ट इस सवाल में लगेगा आप अगर ध्यान से देखो बेटा तो आपको पता चल रहा है कि बी और सी क्लास का मिला के चौबीस है।, है या नहीं और का अकेले का चौबीस है ये सवाल एजिटेज पेपर में आ चुका ये एका अकेले का चौबीस है और बी और सी का मिला के चौबीस है तो अब इनमें कितने भी बच्चे हों चाहे इसमें पांच हो इसमें ग्यारह हो सबका मिला के एवरेज चौबीस आएगा चाहो तो आपके सामने करके दिखा देता हूं मान लो इसमें एम बच्चे इसमें एन तो इसका सम कितना आ गया जी चौबीस है उसका सम कितना आ गया जी चौबीस है और टोटल बच्चे कितने जी एम प्लस एन तो चौबीस कॉमन लेके कट जाएगा एवरेज कितना आएगा चौबीस तो कभी ये वाली निगाह भी लगा लेना कहीं तुम तो करने में लगे रहो और सवाल पूछने वाला ऐसा पूछ ले कि जिसमें कुछ करना ही ना हो